साथ साथियों मैं हूं अनुराग मिश्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक काफ़ी स्वागत है हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे दो चार मिनट आप लोगों से लूँगा क्योंकि मैं अगर तीन से चार या छः से सात या आठ से नौ घंटे का वीडियो बना सकता हूँ तो उम्मीद करता हूँ दो से तीन मिनट में अपने बारे में भी कुछ बोल सकता हूँ साथियों ये है आपका वीडियो नंबर दूसरा उसको हम समझेंगे तो जो चैनल था मैंने बनाया था जनवरी में करीब करीब और इस पर वीडियो डालने मैंने शुरू किए थे करीब फरवरी मार्च से तो चार से अच्छे से सात महीने के अंदर हमारे जो सब्सक्राइबर जो हैं वो हो गए पूरे कंप्लीट सत्रह हज़ार और आप लोग बहुत जोश से बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि उनतीस जुलाई को सत्रह हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में शुरू करने से पहले सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कमेंट करके हमें बताते हैं कि इसमें कोई कमी है किसी तरह का कोई सुधार करना है या फिर नई नई जो जानकारी है कुछ चाहिए या फिर कहीं पर भी कोई कमी रह जाती है तो उसके बारे में यानी कि अच्छा लगता है तो तारीफ़ भी कर देते हैं तो उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि अभी जो साथी जो जुड़े हुए हैं मुझसे यानी कि जब सब्सक्राइबर कम है यानी कि सोलह सत्रह हज़ार ही सब्सक्राइबर हैं कुछ लोग दस हज़ार पे आए होंगे तो उन सभी साथियों

उनके लिए दिल से धन्यवाद है तो सभी साथियों का एक नज़र मैं डाल देता हूँ क्योंकि मेरा मन था क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूँ तो हमारे जो एक भाई है उनका नाम है दिनेश भागोरिया ठीक है सपना चौहान जी आपका भी धन्यवाद सुभाष कुमार आपका धन्यवाद बिक्की कुमार आपका भी धन्यवाद पवन कुमार आपका दामिनी चैनल्स कामिनी आपकी सपना चौहान सुभाष कुमार मोहित पांडे रोहित चौबे रॉबिन चौबे आपका सिद्धार्थ गौतम अंकित यादव ठीक है हमारे इन सभी साथियों का धन्यवाद शैलेश शैलेश आपके शैलेश आपके ध्यानेश्वर हैं ये गोल्डी कुमारी आपकी प्रदीप गुज्जर हमारे भाई सभी साथियों का धन्यवाद दिल से टैग जीवन आपका विपुल चौधरी आपका धन्यवाद स्टडी वेत्र रुचि आपका धन्यवाद हमारे साथी अश्विनी कुमार पांडे जी आपका धन्यवाद नरेंद्र आपका जो नरेंद्र शोक जोशी जी, जी जो हैं अगर आपका भी धन्यवाद Uh, सुमित अरोरा जी आपका धन्यवाद आपका uh, सैम जी आपका धन्यवाद पूजा शर्मा जी पूजा uh, सोंगरा जी जो भी आपका नाम है आपका धन्यवाद चरण पाल ठीक है आपका धन्यवाद आपका अनुराग मिश्रा मेरा भी धन्यवाद क्योंकि मैंने इतना बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा तो अपना भी थोड़ा धन्यवाद करना ज़रूरी होता है दीपक को, दीप कुमार साहू जी आपका भी धन्यवाद हमारे और एक दो साथी हैं प्रवेश कुमार आपका धन्यवाद अरुण कुमार पांडे जी हैं आपके मोहम्मद तू फेल है इनका नाम पूरा सचिन कुमार जी हैं सूरज शर्मा जी हैं आपका यहाँ पर एन एस जी हैं जो भी आपका नाम हो आपका धन्यवाद नूरानी महफिल आपका भी धन्यवाद दिल से और मुकुंद आपका भी धन्यवाद सपना चौहान आपका सुभाष कुमार सागर जी मेरा भाई इससे मेरी बात हो चुकी है दो चार बार मैंने बात की है इसका भी धन्यवाद क्योंकि बहुत तो मेहनत करता है और बहुत दूर का है बिहार का रहने वाला है और उसके बाद भी दो चार बार बात हुई है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं ये ठीक है इसके बाद हमारी कोमल वेलवाल जी आपका धन्यवाद लाल बाबू जी आपका धन्यवाद अविनाश शर्मा जी आपका धन्यवाद सनी सिंह जी आपका रीति रीति पांडे जी तो जो ये सारे साथी हैं और भी कई सारे हैं सारे के नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन सभी साथियों का धन्यवाद क्योंकि साल भर फिर एक वीडियो इसमें इतना लंबा हो जाएगा फिर भी उसके बाद भी अभी जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद जो मेहनत करते हैं उन सभी को शुभकामनाएं तो चलिए शुरुआत करते हैं देखते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हम एक और आपको जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व का भूगोल मैंने यहाँ पर 2019 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने 2019 में डाले हैं इससे पहले जो मैंने वीडियो डाले थे उसमें थोड़ी सी कमी है कमी में मेरे हिसाब से लोग बताते हैं वो कमी है वो है क्योंकि मैंने बच्चों की तरह पढ़ाया है ज़्यादा गहराई से गया हूँ और इसलिए लोग कहते हैं कि मैंने रिपीट किया है इसलिए उसमें थोड़ी बहुत जो कमी है उन सभी कमियों को जो नई वीडियो मैंने है 2019 वाली उनमें मैंने कम दूर कर दिया यानी कि रिपीट नहीं किया है डीप में ज़्यादा नहीं गया हूँ यदि आपको पुराने वीडियो पसंद है तो आप बता दें मैं उन्हें डिलीट नहीं कहूँगा कि मेरा मन करता है कि उन्हें पुराने वीडियो को डिलीट कर दूं तो यहां पर देख सकते हैं विश्व के भूगोल के अभी 21 वीडियो पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल 2019 का है पुराने वाले जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं वो भी बेस्ट थे बेस्ट है लेकिन बच्चों की तरह मैंने मैंने जिन तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है उस तरह से पढ़ाया छोटे छोटे जो क्लास के बच्चे होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा डीप में गया हूँ और एक एक पॉइंट को दो से चार बार रिपीट किया है तो इसलिए कुछ लोगों को अटपटा लगता है कोई बात नहीं आप नए वीडियो देख सकते हैं इसके मैंने वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी जो है वो पूरी वो इंडियन एस जो है आधुनिक भारत का एतिहास तो वो पूरा समाप्त कर दिया है इसके बाद मैंने जो यहाँ पर एंड डे जी एस वीडियो सीरीज को वीडियो डाले हैं उसमें मैं चार वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ इसके बाद यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के अड़तीस वीडियो मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर एंड डे सीरीज़ के चार वीडियो है कौन कौन से मैं आप लोगों को बता दूंगा वर्ल्ड जियोग्राफी पुराने वाले आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दस वीडियो पुराने वर्ल्ड जोग्राफी वाले डाले हैं यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो बनाए थे पी नोट्स के बारे में यानी कि जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उनकी पी मैं आप, दे आप लोगों को फ्री दे देता हूँ यानी कि एक से लेकर एक से लेकर कभी सौ कभी डेढ़ सौ तक पेज आप लोगों को फ्री दे दूंगा आने वाले समय में मैं आगे की जो पीडीएफ है यानी कि चार सौ पेज की हज़ार पेज की छः सौ पेज की वो मैं पेड कर दूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा लिखाने के पैसे देता हूँ लोगों को यानी कि पहले मैं नोट्स करूँ बहुत तो लंबा प्रोसेस तो बाद में बात करेंगे जब मैं पी दूंगा आप लोगों को तब बात करेंगे इसके बाद इंडियन जोग्राफी के यहाँ पर देख सकते हैं अट्ठाइस वीडियो है पुराने वाले न्यू वीडियो जो पड़े हैं इंडियन हिस्ट्री के आप यहाँ पर देख सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं Bốt! इतना ही आप देख सकते हैं पुरानी एक प्वाली का वीडियो है देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसके बाद एक नज़र डाल लेते हैं जो जी एस के एंड एंड गेंट सीरीज के मैंने जो वीडियो बनाए हैं यानी कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर या कहीं एक पूरा सब्जेक्ट एंड करना है तो वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री का आपका छः से सात घंटे का सात घंटे का वीडियो है आपका भारतीय राज्यवस्था का यानी कि पूरा शुरू से लेकर एंड तक आपका नौ से दस घंटे के बीच का वीडियो है ये इंडियन जोग्रफी यानी कि छः घंटे का वीडियो है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो है आपका सात घंटे का यानी कि पार्ट वन जो आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के यहाँ पर आप देख सकते हैं अड़तीस 28 वीडियो डाल दिए हैं यहाँ पर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में बनाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में न्यू वीडियो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर पी वाली जो फाइलें हैं मैंने डेमो के रूप में आप लोगों को दिखाई हैं कि किस तरह की इसमें पी डी एफ़ क्योंकि आप पी डाउनलोड करने जाते हैं किसी दुकान से यानी कि किसी उससे साइट से आप पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद भी वहाँ पर पेज वगैरह नहीं दिखते हैं तो मैंने यहाँ पर पूरा जो पी है मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा पी फ़ाइल मैंने एक वीडियो बना दिया तो वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पर इंडियन जोग्रफी इंडियन पॉलिटी के करीब अड़तीस वीडियो पड़े हैं इसमें आपका कंप्लीट है इसके बाद इंडियन जोग्रफ़ी के बारे में चल रहा है यहाँ पर 19 वीडियो पड़े हुए हैं तो चलिए यहाँ पर और मैं दिखा दूँ इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो 17 वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं वर्ल्ड जोग्राफी के 10 वीडियो ये पड़े हुए हैं और सत्तानवे वीडियो इंडियन यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के सत्तानवे वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं जो शुरू से एंड तक ख़त्म कर दिया है मैंने पूरा का पूरा तो चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों वर्ल्ड जोग्राफी वीडियो नंबर दूसरा देख लेते हैं यानी इससे पहले वाला जो वीडियो था यानी कि हमने सात से आठ घंटे का जो वीडियो था वो हमने देख लिया है फर्स्ट वाला वीडियो उस तो शुरुआत करते हैं देखते हैं इससे में क्या है तो ये है आपका वर्ल्ड जोग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल और इसको हम कहते हैं ग्रांड फादर ऑफ ऑल वीडियोस यानी कि ये पापा जी ने होकर क्या है ये सभी वीडियो का दादाजी है कैसे दादाजी है जब इस वीडियो का आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो चलिए फिर दादाजी की ओर बढ़ते हैं मतलब दादाजी वाला वीडियो देखते हैं सभी वीडियो का दादाजी तो एक नज़र हम पहले तो हम डालते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि चैप्टर जो इससे पहले वाला जो था वीडियो बन, था यानी कि वीडियो नंबर वन वर्ल्ड ज्योग्राफी का उस वाले यानी पार्ट में हमने क्या पढ़ा था तो आप ये देखते हैं क्या क्या पढ़ा था उसको हम देखते हैं हल्का हल्का बता देता हूँ यानी ब्रह्मांड के बारे में जाना था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आकाश गंगा के बारे में तारों के बारे में सूर्य के बारे में सौर के बारे में सूर्य की संरचना के बारे में सौर के पिंडों के बारे में हमने जाना था जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ जो टाइम ज्यादा न लगे इसके बाद हमने जाना था ग्रहों के बारे में बौना ग्रह के बारे में जाना था इसमें हमने जाना था पृथ्वी की गतियाँ सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह दिन रात ऋतु परिवर्तन ठीक है इसके बारे में हमने जाना था पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में जाना एनांत यानी संक्रांति क्या होती है ये जाना विश्व क्या होता है ये जाना अछांत रेखाओं के बारे में जाना देशांतर रेखाओं के बारे में जाना अंतर अछांत और देशांतर रेखाओं पर स्थित देशों के बारे में जाना समय का निर्धारण कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने इसी में जाना भू आकृति विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था इसमें हमने जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहती है किस तरह से उसमें परतें पाई जाती हैं भू पर पट्टी क्या होती है और भी बहुत सारी चीज़ें यानी इसके बाद हमने इसमें चट्टानों के बारे में जाना भूकंप के बारे में पढ़ा ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा और भी सारी जो चीज़ें प्रमुख थी उसके बारे में जाना प्रमुख पर्वतों के बारे में जाना पठारों के बारे में जाना मैदानों के बारे में जाना दीप के बारे में जाना झील के बारे में जाना स्थलाकृतियों के बारे में जाना डेल्टा के बारे में जाना जलप्रपात के बारे में जाना अंतर बल वहर बलों के बारे में जाना डेजर्ट यानी कि विश्व के मरुस्थलों के बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में जाना था तो आइए अब हम डालते हैं नज़र इसके बारे में कि वर्ल्ड ज्योग्राफी चैप्टर टू या कह पार्ट टू के बारे में यानी कि अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है तो आइए देखते हैं नज़र डाल लेते हैं एक नज़र हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो होगा आपका सबसे पहले तो जलमंडल या समुद्र विज्ञान के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे महासागरी नितल के उच्चावचों के बारे में ठीक है महासागरों के बारे में पढ़ेंगे महासागरी कटक क्या होते हैं महासागरी तापमान और लबड़ता के बारे में पढ़ेंगे सागरी लबड़ता के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम धाराओं के बारे में पढ़ेंगे इसमें जैसे एल नीनो धारा हो गई लानीना धारा हो गई महासागरी धाराओं में जैसे कि गर्म जल धारा हो गई ठंडी जल धारा हो गई उन सभी के बारे में बात करेंगे ठीक है इसमें हम जो बात करेंगे वो होगा महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या पड़ता है भाटा क्या होता है प्रवाल तथा प्रवाल वित्तियाँ क्या होती है प्रवाल व्यरंजन क्या होता है जल क्या होती हैं कौन कौन सी प्रमुख है। जल हैं जलवायु विज्ञान या वायुमंडल के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम करें पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन वायुमंडल की संरचना मौसम तथा जलवायु के बारे में मौसम तथा जलवायु के तत्व क्या क्या हैं उनके बारे में मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में इसमें बात करेंगे वायुमंडल का तापन या वायुमंडल का तापमान के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इसी इसी में हम जानेंगे कि आर्द्रता वायुमंडल में किस किन तरह से होती है संगन के रूप क्या क्या होते हैं ओस क्या होती है पाला क्या होता है इस तरह की चीजें जानेंगे वायुमंडल भी जल के बारे में जानेंगे संगन जानेंगे बादल जानेंगे मेघ जानेंगे बादल इसको मेघ भी कह देते हैं वर्षा के बारे में जानेंगे वर्षा के प्रकार क्या है बाताग्र तथा चक्रवात के बारे में हम इसी में बात करेंगे इसमें हम जानेंगे कि शीतोष कटबंधी चक्रवात क्या होते हैं उष्ठ कटबंधी चक्रवात क्या होते हैं चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है चक्रवातों को एक निश्चित नाम क्यों दिया जाता है वायुदाब तथा पवनों

तो साथियों टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बार रिकॉर्ड तोड़ दें और अगर मुझे लगता है कि लाइक और शेयर हो, इस लाइक हो गया क्योंकि पिछला वाला जो वर्ल्ड बल्डियोग्राफी का है आप लोगों ने शेयर बहुत कम किया है तो ये अच्छी बात नहीं है आप लोग शेयर और लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दें तो मैं इसका तुरंत मैं पाँच छः दिन में मैं इसका दूसरा वीडियो भी तैयार कर दूंगा शुरू करना ठीक है और आप लोगों का था पाँच छः दिन के अंदर पहुंच जाएगा क्योंकि मैं सीरीज बात बताऊँ मैंने इसका थर्ड पार्ट जो है वो तैयार करके रख लिया है बस डालने की देरी है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग रिकॉर्ड तोड़ दें लाइक करें शेयर करें अपने साथियों के साथ चाहे फेसबुक हो फेस, जो भी हो ठीक है तो चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं तो, टॉपिक को चलिए साथियों शुरुआत कर लेते हैं जल मंडल या समुद्र विज्ञान के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आए ना आए दिन किसी न किसी टॉपिक से एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैं यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को बताऊंगा कि प्री का तो आप पेड़ा पार कर ही देंगे यानी कि पूरी समझ आपको हो ही जाएगी साथ ही जो आप मेंस वगैरह देना देना चाहते हैं या दे रहे हों या फिर देने वाले हों तो उसकी आप एक बेसिक क्या कहें हल्की हल्की समझ जो है वो आप लोगों की तैयार हो जाएगी जब दो से तीन बार जब वीडियो आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें फोटोकॉपी की तरह आपके छप जाएंगी तो आइए समझते हैं जलमंडल क्या होता है जलमंडल का मतलब है कि जल की बह परत जल की वह परत जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों झीलों नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग इकहत्तर परसेंट भाग पर जल का विस्तार है इसलिए जो पृथ्वी है उसको जलीय गिरवी कहते हैं यानी कि जो पूरी पृथ्वी है उसकी जो सतह है उस पूरे पृथ्वी पर कितने परसेंट भाग पर जल फैला हुआ है यानी कि सेवेंटी वन परसेंट यानी कुल उन्तीस परसेंट भाग क्या है आपका जमीन वाला या का धरातल है ठीक है तो पृथ्वी के लगभग इकहत्तर भाग पर आपका जल है इकहत्तर परसेंट भाग पर जल और उनतीस परसेंट भाग पर क्या है स्थल है तो आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उत्तरी गोलार्ध में यानी कि मान लीजिए यह है आपका विश्वत रेखा विश्वत रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोला, गोलार्ध तो विश्वत रेखा के दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध तो विश्वत रेखा और वो सॉरी विश्वत रेखा का जब उत्तर वाले भाग में जाएंगे तो उसको उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं ये सब लोग आप जानते हैं तो मैंने क्या बताया उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का जो प्रतिशत है तो वो इकसठ और उनतालीस है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इकसठ परसेंट भाग पर क्या है जल है और उनतालीस परसेंट भाग पर क्या है उनतालीस परसेंट भाग पर इस तरह, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की ओर आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में इकसठ इक्यासी परसेंट यानी कि एट्टी वन परसेंट भाग पर आपका ए, जल है और उन्नीस परसेंट भाग पर यानी कि नाइनटीन परसेंट भाग पर क्या है 19 पर आपका स्थल है यही एक पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध है, है? है।, है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक और उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक, अधिक और जल क्या है कम है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक और स्थल कम है समझ में आ गया तो पृथ्वी यही एक कारण है समझ आ गया ना तो पृथ्वी पर मौजूद जल की कुल मात्रा का जल महासागरों में पाया जाता है जो कि खारा है इसके अलावा कुल जल में से 2.5 यानी कि दो दशमलव पांच परसेंट भाग ही पीने लायक है या कहें मीठा पानी है इसके इसके अलावा इसके अलावा पृथ्वी के धरातल की तरह ही महासागरों में उच्चावच पाए जाते हैं यानी कि जो पृथ्वी है पृथ्वी का धरातल है वहां पर कहीं पहाड़ कहीं पर्वत कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं रेगिस्तान इस तरह की जो आकृतियां हैं पृथ्वी के धरातल पर तो पाई जाती हैं साथ ही आपका जो पृथ्वी का जो जो महासागर का अंदर गहराई में है यानी कि महासागर के जब नीचे जाएंगे जब तली आ जाएगी तो वहां पर भी कुछ उच्चावच पाए जाते हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे तो महासागरों की औसत गहराई की अगर बात की जाए तो औसत गहराई 3800 मीटर है यानी कि नीचे की ओर जाएंगे तो 3800 मीटर औसत गहराई यानी कहीं ज्यादा भी हो सकती है कहीं कम भी हो सकती है और स्थल की अगर बात की जाए तो स्थल की औसत ऊंचाई जो है वह 840 मीटर है मैंने कहा फिर से हल्का था आप लोगों को बता दूं मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध को आपका स्थल गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं इसके अलावा मैंने क्या बताया पृथ्वी पर कितने परसेंट भाग पर पानी है सेवेंटी नाइन सेवेंटी वन परसेंट भाग पर पानी है जिसमें से केवल यानी कि पूरे जितना मान लीजिए पूरा इतना भाग है उसमें सेवेंटी वन परसेंट भाग पर पानी है तो पूरे पानी में से सिर्फ टू पॉइंट फाइव परसेंट ही पानी जो है या कहीं जल जो है वह पीने योग्य है जो कि पीने योग्य उसके बारे में हम आगे बात करेंगे उनमें से भी कुछ मात्रा जो है नदियों वगैरह में से है बाकी बर्फ वगैरह में है तो आइए समझते हैं यानी कि कुल जो जल है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी पृथ्वी है उस पर जो जल है उसमें से आप ऐसे मान सकते हैं ये पूरा गिलास है उस पूरे गिलास में से सिर्फ मान लीजिए पूरे गिलास में से पानी निकाल लीजिए पूरे गिलास में से एक बूंद पानी निकाल लीजिए पूरे समुद्र का सिर्फ उतना पीने लायक तो आइए करते हैं बात पृथ्वी पर जल का वितरण के बारे में यानी कि जो पृथ्वी है उस पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पूरी पृथ्वी पर इकहत्तर परसेंट जो भाग है उस पर जल है उस जल में से 97.5 परसेंट जो जल है वो पीने योग्य नहीं है बल्कि कैसा है खारा है यानी कि समुद्री है यानी कि नमकीन पानी है तो आइए समझते हैं कहाँ पर कितना जल है तो महासागरों में जल की अगर बात की जाए तो महासागरों में जल का जो भाग है वो नाइन्टी है ठीक हिमानी और हिमटोपियों की बात की जाए तो यहां पर आप हिमानी और हिमटोपी देख सकते हैं हिमानी और हिम यानी कि जो बर्फ के रूप में है वो कितना है आपका दो पॉइंट दो पॉइंट पांच जीरो पांच यानी कि टू पॉइंट जीरो फाइव परसेंट आपका कहाँ पर है हिमानिया और हिमनद के रूप में और हिमटोपी के रूप में भूमिगत जल के बारे में बात की जाए यानी कि ऊपर धरातल होता है और अंदर पृथ्वी के जो गर्भ होता है उसमें जल की बात कर ली जाए तो 0.68 परसेंट आपका यानी कि एक परसेंट से भी कम पानी जल है उसके बाद जीरो की बात कर ली जाए तो 0.01 यानी कि आपके पास एक रुपया है एक रुपये को सौ पैसे में कन्वर्ट कर दो तो एक रुपये में से कितना है आपका यानी कि परसेंट का भी सौमा भाग परसेंट का भी सौमा भाग ठीक है तो जीरो परसेंट ठीक इसका मृदा में नमी की बात की जाए तो इनकी यहाँ पर जरूरत नहीं है फिर भी आप लोग हल्के जान सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वायुमंडल में तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन नदी नालों में जीरो पॉइंट जीरो 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 वन तो यहाँ पर इनकी जरूरत नहीं है हल्के से यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है महासागरों में नाइन्टी सेवन हिमादी हिमानियों और हिमटोपियों में टू पॉइंट टू परसेंट आपके बाद भूमिगत जल की बात की जाए तो जीरो पॉइंट सिक्स एट परसेंट और झीलों के बारे में बात की जाए तो जीरो पॉइंट जीरो वन तो यहाँ पर पूछा जाए सबसे कम किसमें है तो झीलों में पूछा जाएगा और भी अगर जैम मंडल या नदी लाने पूछे जाए तो उनकी बात अलग है चार इंपॉर्टेंट है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं महासागरी नितल के बारे में महासागरीय नितल के उच्चावचों के बारे में ठीक है तो ओशियन लैंडफॉर्म या सब मनी चलिए चलिए तो बात करते हैं महासागरी नितल या महासागरी तल या महासागरी तली के उच्चावचों के बारे में इसको हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्थल की ऊंचाई, यानी कि मान लीजिए ये पृथ्वी का धरातल है और ये आपका मान लीजिए समुद्र है ठीक तो समुद्र की गहराई और स्थल की ऊंचाई के पारे में या कहें स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतादर्शी वक्र से मापा जाता है उच्चतादर्शी वक्र को उच्चतामितीय वक्र इ्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक कर्व भी कहते हैं ठीक है इसके आधार पर यानी उच्चता दर्शी वक्र के आधार पर महाचा सागरी नितल जो होते हैं यानी कि जो महासागर होते हैं महासागरी नितल के उच्चावचों को चार भागों में बांटा जाता है यानी कि महादीपी किनारे से लेकर सागर की गहराई तक चार भागों में बांटा गया है यानी कि जो महासागर होते हैं महासागर का जो किनारा होता है वहां से से गहराई गहराई में चलते चले जाएंगे तो ये किनारे लेकर महासागर की गहराई तक इसको कितने भागों में बांटा गया है चार भागों में बांटा गया है तो इन चारों को हम एक एक करके समझेंगे सबसे पहला जो है यहां पर आप देख सकते हैं महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि जो महाद्वीप होता है उसका कुछ भाग जो होता है यानी कि मान लीजिए ये महाद्वीप है तो महाद्वीप के कुछ बाद यहाँ पर जल शुरू होता है तो इसका कुछ भाग जो हो है होता है इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर डूबा हुआ होता है तो मैंने क्या बताया मग्न तट तो तट जो होता है पानी में डूबा हुआ होता है हमें दिखाई नहीं पड़ता है तो पहला जो होता है वो होता है महाद्वीप या मग्न तट ठीक उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ेंगे उसके बाद आ जाएगा मग्न ढाल यानी कि ढाल नुमा इस तरह से आकृति होगी मग्न तट उसके बाद नंबर दो पर आएगा मग्न ढाल नंबर तीन पर आपका आ जाएगा गहरे सागरी मैदान ठीक और आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा महासागरी गर्त ठीक है तो यहां पर मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूँ महासागरी मग्न तट मग्न ढाल गहरे महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त के बारे में हम एक एक करके सबको जानेंगे तो यहाँ पर आकृति मैंने आप लोगों को दिखा दी है यहाँ पर बना है ये पूरा समुद्र है ये आपका समुद्र वाला पूरा पानी है तो यहाँ पर इसका जो डूबा हुआ तट है यानी कि जो तट है उसको हम कहते हैं महादीपेट तट महाद्वीपीय तट मग्न तट उसके बाद मग्न ढाल यानी कि जो ढाल हम कहते हैं मग्न ढाल उसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे तो मैदानी क्षेत्र आ जाएगा इसको हम कहते हैं सागरी मैदान उसके बाद गहरी गहरी खाद खाई वगैरह होती है उसको हम कहते हैं महासागरीय करते चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टीनेंटल सेल्फ के बारे में ठीक है तो महाद्वीपों का किनारे वाला भाग यानी कि जो महाद्वीप होते हैं जब हम अंदर की ओर जाते हैं मान लीजिए वहाँ रहते हैं या कोई महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, तो महाद्वीप के जब किनारे जो होते हैं और जब जल शुरू होता है तो पहले कम गहराई होगी फिर और बढ़ेगी फिर और बढ़ेगी फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी इस तरह से बढ़ती चली जाएगी गहराई तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर गहराई होगी वो ना के बराबर होगी तो फिर से यहां पर बता देता हूँ महादीपों का किनारे वाला भाग होता है जो महासागरों के जल में क्या होता है डूब महासागरों के, महासागरों के गई है ठीक तो इन क्षेत्रों में अपसादों की मात्रा बहुत अधिक होती है कैसे होती है मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है महाद्वीप से यहां से नदियां बहकर आती तरह से आती हैं और ये महासागरों में जाकर मिल जाती हैं तो आप ये बात जानते हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो आपसे साथ अवसाद लाती हैं मलबे लाती हैं वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं तो वो अपने मुहाने पर क्या करती हैं अपने मुहाने पर इकट्ठा कर लेती है आप अपने मुहाने पर माल या गाद या मलबा जो है या निक्षेप जो है जलों में निक्षेप है इकट्ठा कर लेते हो आप सभी लोग जानते हैं जाहिर सी बात है कूड़ा कचड़ा या मिट्टी वगैरह से जो ढा जो गहराई होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी समझ आ गया तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इन क्षेत्रों में अवसादों की मात्रा बहुत अधिक होती है इस कारण इनकी जो गहराई होती है वो भी बहुत कम हो जाती है इसकी औसत चौड़ाई की अगर बात की जाए यानी कि जो किनारा होता है यानी कि जो तट होता है तट से ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ तक की अगर बात की जाए तो कम से कम कम से कम क्या अधिकतम 80 किलोमीटर तक हो सकती है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है महाद्वीपीय मंग तट की चौड़ाई कितनी हो सकती है अस्सी किलोमीटर तक हो सकती है इसकी गहराई की अगर बात कर ली जाए तो ये जो मग्न तट जो होता है यानी कि महाद्वीपीय या मग्न तट जो होता है यानी कॉन्टिनेंटल शिल्प जो होता है इसकी जो गहराई की बात की जाए तो 150 मीटर से लेकर 200 मीटर तक हो सकती है ठीक है लगभग यानी कि समुद्र के हिसाब से अगर नापा जाए तो सौ फेदम तक हो सकती है इसकी जो ढाल होती है बहुत बहुत मंद होती है यानी कि जो ढाल होती है वो ना के बराबर होती है क्योंकि मान लीजिए इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल क्योंकि ये सीधा होगा तो इसकी ढाल डो है बिल्कुल नहीं है लेकिन हल्का सा यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा हल्का सा थोड़ा सा मंद है ठीक है तो इसकी ढाल जो है बहुत मंद है यानी कि जो इस तरह से न होकर कैसा है हल्का सा ऐसा है हल्का सा झुका हुआ है हल्का सा ठीक है तो इसकी जो ढाल है वह बहुत मंद होती है लगभग अगर आ, मैं उस तरह से निकालें कि मान लीजिए ये है और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचिए तो अगर हम कोण खींचें तो कौण तीन डिग्री का कौन खींचेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि नब्बे डिग्री का इस तरह से ये कौन होता है ना इस तरह से यानी कि कौन नब्बे डिग्री का होता है यहाँ पर तो हम अगर पैंतालीस डिग्री का ये हो गया ठीक पैंतालीस डिग्री का तो साढ़े बयालीस का ये हो गया ठीक और भी इस तरह से कम करते चले जाएंगे तो ढाल जो है बिल्कुल दो से तीन एक से तीन डिग्री के बीच होता है यानी कि हल्का झुका हुआ होता है चलिए आगे बात करते हैं तो जो ढाल है इनके यानी कि जो इनका मैंने बताया था एक से लेकर दो डिग्री तक इनका जो ढाल होता है उन ढालों पर मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं जैसे कि सबसे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो है मछली मत्स्य मतलब मछली पकड़ने का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर बहुत आसानी से मछली पकड़ी जाती है जैसे कि सबसे प्रमुख जो है वो आपका ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है न्यू फाउंड लैंड के पास अब न्यू फाउंड लैंड कहाँ पर है मैं आप यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये ठीक है यहाँ पर है आपका कनाडा के केंद्र पर कनाडा के तट पर ठीक है इन डालों का विस्तार की अगर बात कर ली जाए तो कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे अधिक है तो महा अंटार्कटिक यानी कि अटलांटिक महासागर के बात की जाए तो अटलांटिक महासागर जो है उसमें तेरह परसेंट भाग पर किसका है महादीपीय मग्न तट के मग्न तट है प्रशांत महासागर की अगर बात कर ली जाए तो पाँच दशमलव सात परसेंट भाग पर है हिंद महासागर की बात की जाए तो चार परसेंट भाग पर है यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ मैं ये है अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर पर कितने भाग कितने क्षेत्र पर है तेरह के तेरह परसेंट पर इसके बाद प्रशांत महासागर की बात की जाए प्रशांत महासागर कहा प्रशांत महासागर दोनों तरफ ये पूरे क्षेत्र में प्रशांत महासागरी फैला हुआ है प्रशांत महासागर की बात की जाए तो फाइव और हिंद महासागर आप यहाँ पर देखते ही हैं। ये है ये आपका हिंद महासागर जूम करके दिखा देता हूँ हिंद महासागर कितना है हिंद महासागर चार परसेंट सबसे ज्यादा किसका है अटलांटिक महासागर उसके बाद हिंद प्रशांत उसके बाद हिंद महासागर चलिए चलिए दूसरा देखते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में कॉन्टिनेंटल स्लोप तो महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या होते हैं ये है आपका महाद्वीपीय मग्न तट और ठीक है और ये है सागरी मैदान तो महाद्वीपीय मग्न तट और सागरी मैदानों के जो बीच का भाग होता है यानी कि यहाँ पर जो बीच का भाग है उसको हम क्या कहते हैं महादीपीय मग्न ढाल यानी कि मग्न मतलब होता है डूबा हुआ यानी कि महादीपीय महादीप का डूबा हुआ ढाल यानी कि ढाल क्या होता है ऐसे स्लोप ठीक है समझ में आ गया मग्न तो जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय यानी कि जलमग्न जो तट होता है और गहरे जो समुद्री जो मैदान हैं उनके बीच के तीव्र ढाल वाले भाग को हम मग्न मग्न ढाल कहते हैं इसकी सामान्य ढाल लगभग तीन से पांच डिग्री के बीच होती है यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो एक से दो और तीन से पांच कितना हो जाएगा इतना मा मान लीजिए इतना होता नहीं है मान लीजिए ठीक है तो इसका जो ढाल है मग्न तट से काफ़ी अधिक होता है इस मंडल में अवसाद की कमी होती है क्योंकि खड़े ढाल के कारण मलबा यहां पर रुक नहीं पाता आप मान लीजिए कहीं ऊपरी ढाल पर है मान लीजिए ये इस तरह से मान लीजिए ये है आपका ढाल तो यहां पर क्या है खड़े ढाल होने के कारण क्या है यहां पर जो माल है यहां पर जैसे आया कुछ कोई भी चीज आई तो सर करते हुए एकदम पानी में चली जाएगी तो यहां पर मलबा जो है टिक नहीं पाता यहां पर अवसाद की कमी होती है अवसाद कहां पर पाया जाता है मैंने बताया था कि मग्न तट पर अवसाद बहुत अधिक होता है क्योंकि ढाल इसका ना के बराबर होता है इसलिए नदियां जो होती हैं वो सारा माल ये इसी के मग्न तट पर इकट्ठा करती है उसके बाद जो आगे आता है कि इसके आगे जो धक्का पीछे से मार देती है नदियां और जो ऐसी मग्न ढाल पर पहुंचती है मग्न ढाल से वो सीधे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है क्योंकि यहां पर ढाल ज़्यादा होने के कारण मलबा बिल्कुल भी रुक नहीं पाता है इसकी सामान्य गहराई की अगर बात कर ली जाए तो मैग्न की सामान्य गहराई 2000 से वो 200 से लेकर 3000 मीटर तक हो सकती है यानी कि 200 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक हो सकती है इसका विस्तार सबसे अधिक 40 परसेंट भाग पर है जो कि किस क्षेत्र में अटलांटिक महासागर में ठीक है किसमें विस्तार है अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक है उससे अगर कम की बात की जाए तो प्रशांत महासागर में दूसरे नंबर पर आता है फिर से मैं बता देता हूं कि महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट की अगर बात की जाए तो मग्न तट सबसे अधिक में है अटलांटिक महासागर में और उसके बाद है प्रशांत में उसके बाद है हिंद महासागर में अगर मग्न ढाल की बात की जाए तो सबसे अधिक में है अटलांटिक महासागर ठीक है अटलांटिक महासागर और उसके बाद दूसरे नंबर पर है प्रशांत महासागर ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसके बात करते हैं गहरे सागरी मैदानों के बारे में यानी कि महादीपीय मग्न तट महाद्वीपीय मगन डाल मगनडाल और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है महासागरीय मैदान ठीक है तो यह यह ठीक है कौन सा यानी कि सागरी मैदान सागरी मैदान नितल का महा सागरी जो नितल होता है उसका सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ भाग होता है यानी कि कुल नितल के 75 परसेंट भाग पर आपके सागरीय मैदान फैले हुए हैं इसकी गहराई की अगर बात कर ली जाए तो 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है यानी कि 3 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक इसकी गहराई इसका विस्तार प्रशांत महासागर में सबसे अधिक है यानी कि प्रशांत महासागर के 80% परसेंट भाग पर आपका क्या फैला हुआ है सागरीय मैदान फैला हुआ है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो कि प्रशांत महासागर का क्षेत्र भी काफी है और यहां पर आसपास के क्षेत्र में क्या है ज्यादा महाद्वीप नहीं है इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आता है तो वो आता है आपका हिंद महासागर हिंद महासागर में भी दूसरे नंबर पर प्रशांत के बाद किसका नंबर आता है हिंद महासागर का ही यानी कि इसका है एट्टी पॉइंट और इसका है 80.1 ज्यादा अंतर नहीं है फिर भी सबसे ज्यादा प्रशांत का उसके बाद हिंद महासागर तीसरे नंबर पर जो आता है वो है अटलांटिक महासागर तो अटलांटिक महासागर जो है उस पर तीसरे नंबर पर आता है यानी चौवन परसेंट भाग पर क्या है आपका चौवन परसेंट भाग पर सागरीय मैदान ठीक है या डीप सी प्लेन्स पाए जाते हैं ठीक है समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं इसकी ढाल बहुत ही मंद होती है इस कार्ड ये समतल मैदान की तरह लगते हैं लेकिन समतल होने के बावजूद भी यानी कि समतल होने के बावजूद भी ये समतल नहीं होते बल्कि ये उबड़ खावड़ होते हैं कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं, कहीं पर्वत कहीं कुछ तो इस तरह की आकृति आपकी सागरी मैदान में देखने को आप लोगों को मिल जाती है क्योंकि ये सागरी मैदान वाला ही क्षेत्र है उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पर्वत है यहाँ पर कहीं ऊंचा नीचा आप यहाँ पर देख रहे हैं समझ आ गया ना तो फिर से मैं बता देता हूँ कि इसका ढाल जो होता है बहुत मंद होता है इसका ये समतल मैदान की तरह लगते हैं लेकिन ये पूरी तरह से समतल नहीं होते बल्कि उबड़ खाबड़ होते हैं यहाँ पर आपके ज्वालामुखी मिल जाएंगे यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत मिल जाएंगे यहां पर ज्वालामुखी का लावा मिल जाएगा यहां पर ज्वालामुखी से निकली हुई राख मिल जाएगी यहां पर जीवों के अवशेष मिल जाएंगे और भी बहुत सारा जैसे कोई जहाज वगैरह डूब गया तो वो नीचे ही मांग सागरी तल पर पहुंच जाएगा ठीक है क्योंकि डूबते डूबते नीचे चला जाएगा ना तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी आपका महासागरीय मग्न जो मैदान है उसमें ये मिलते हैं चलिए आगे बात करते हैं महासागरी गर्त क्या होता है इसको भी हम हल्के समझ लेते हैं महासागरीय गर्त देख लेते हैं क्योंकि तीसरे नंबर पर आता है आपका मग्न तट मैंने आप लोगों को बता दिया मग्न डाल बता दिया उसके बाद सागरी मैदान बता दिए मैंने आप लोगों को एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए आप यहाँ पर मैदान में, में खड़े हुए हैं ये आपका तट है तो तट से जब समुद्र की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा मग्न तट उसके बाद आता है मग्न डाल उसके बाद आता है फिर समुद्री समुद्री सॉरी सागरीय मैदान ठीक है समझ आ गया इसके बाद ये महासागरों के गर्त के बारे में बात कर लेते हैं ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं यानी कि सभी से जो महासागर होते हैं मग्न ढाल मग्न तट और सागरी मैदान से भी ये सबसे गहरे भाग होते हैं ये सागरीय नितल के कुल सात परसेंट भाग पर फैले हुए हैं इनके जो ढाल होते हैं वो तो बिल्कुल खड़े होते हैं यानी कि मान लीजिए कोई खाई है इस तरह से ये इनके ढाल जो हैं ऊपर है, से जब नीचे आएंगे तो सीधे गिर जाएंगे इनके जो ढाल हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं यानी यहाँ के खड़े होते हैं ये खाई और गर्त यानी कि जो खाई और जो गर्त होते हैं ज्वालामुखी तथा भूकंपिक क्रियाओं वाले क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही बनती हैं क्योंकि कभी कभी दो okay, प्लेटें होती हैं दूर जा रहे होते हैं किन्नी कार्ड से वहाँ पर भूकंपी क्षेत्र हो गए किसी गार्ड से वहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र हो गए तो इन क्रियाओं से क्या बन जाती है वहाँ पर गर्त बन जाती है आपकी खाई बन जाती है इस तरह की यहाँ पर आकृतियां बन जाती हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा ही माना जाता है क्योंकि अंदर की जो पृथ्वी होती है उसके गर्भ में तरह तरह की क्रियाएँ होती रहती हैं उसके कारण मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेट साथ कुछ प्लेटों में आपका जो पृथ्वी है वो बटा हुआ है यानी कि जो उस धरातल है वो छोटी छोटी प्लेटों में रखा हुआ है इस तरह से तो कोई कुछ प्लेटें दूर जाती हैं कुछ प्लेटें है, पास आती हैं और भी कई तरह की जो अंतरिक क्रियाएं होती हैं वो होती रहती हैं उनके कारण जो होता है कुछ आपकी खाई या गर्त जैसी आकृतियाँ बन जाती हैं इन गर्तों की अगर बात करी जाए तो इन गर्तों में ज्वालामुखी की राख मिलती है क्योंकि भैया जानते हो अंदर जो है मान लीजिए गर्त मतलब ऐसे मान लीजिए ये आप एक गिलास मान लीजिए इस तरह से ये इस तरह से सागर के अंदर ही गिलास रखा हुआ है तो आप जब कोई ऊपर से चीज गिरेगी गिरे ऊपर पानी छोड़ दें आप पानी छोड़ दें खुला हुआ गिलास में भर के रोशनी में अब धूल मिट्टी है आपका कुछ कचरा है उड़ रहा है तो इधर उधर उड़ते उड़ते आएगा तो वहां पानी में बैठ जाएगा पानी में बैठते बैठते वो नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर अब समुद्र में क्या आया समुद्र में ज्यादातर ज्वालामुखी हैं तो ज्वालामुखी की राख तो मिलेगी कभी कभी भी उसमें अफसेष भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो सबसे प्रमुख जो है ज्वालामुखी की जो गर्त होती हैं खाई होती हैं उनमें क्या मिलता है उनमें राख मिलती है किसकी ज्वालामुखी की ठीक समुद्री गर्त में या खाई में बिस्की अगर सबसे गहरी अगर गर्त की बात की जाए या सबसे गहरी खाई की बात की जाए तो उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच ठीक है इसको हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं इसकी गहराई की अगर बात करी जाए तो 1135 मीटर है 1135 तो मीटर लगभग है ठीक तो आप अंदाज लगा सकते हैं 1135 मीटर ये और आपका 8848 मीटर आपका एवरेज तो ऊपर से नीचे नीचे तक जाएंगे तो कितना अंतर आ जाएगा ठीक है तो चलिए ये बात की की जाए चलिए समझते हैं आगे चलिए प्रमुख गर्त और या कहें इसको खाइयों के बारे में या ट्रेंच के बारे में बात कर लेते हैं सबसे प्रमुख और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी मेरियाना गर्त इसको हम गुआन दीपमाला या चैलेंजर गर्त भी कह देते हैं इसकी गहराई अगर बात की जाए तो ग्यारह हजार तैंतीस मीटर इसकी गहराई है यानी कि ग्यारह किलोमीटर लगभग इसकी गहराई है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है यानी कि यह मान लीजिए प्रशांत महासागर है प्रशांत महासागर है उत्तरी बाग और यह है दक्षिणी बाग तो उत्तरी प्रशांत महासागर है यह आप उत्तरी प्रशांत महासागर और यह है दक्षिणी तो उत्तरी प्रशांत महासागर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी ये आपको मेरियाना गर्त मैं आपको दिखा देता हूं ये जूम करता हूं यहां पर आप देख सकते हैं ये है चैलेंजर गर्त ठीक इसको हम मेरियाना गर्त भी कहते हैं समझा गया इसके बाद दूसरा जो है टोंगा या एलड्रिश या दीप ठीक है ये कहाँ पर है मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर अब मध्य दक्षिणी कैसे हो जाएगा ये आपका प्रशांत महासागर ये उत्तरी और ये दक्षिणी अब उत्तर और दक्षिणी तो ये दक्षिणी हो गया अब दक्षिण का भी हम अगर देखें तो ये उत्तर और ये उत्तर का भी दक्षिण ये ये वो सॉरी उत्तर और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम तो इस उत्तर पूर्व पूर्व पश्चिम के बीच में आ जाएगा आपका ये मध्य वाला भाग तो यहां पर प्रशांत महासागर के दक्षिण के मध्य वाले भाग में एक खाई पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं टोंगा टोंगा खाई किस कितनी गहराई है इसकी दस हजार आठ सौ बयासी मीटर इसकी गहराई है कहां पर है मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर मैंने फिर से आप लोगों को इसकी जानकारी दे दूं कि यह प्रशांत महासागर उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग दक्षिणी भाग का भी उत्तर वाला भाग दक्षिण वाला भाग पूर्व वाला भाग पश्चिम वाला उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण के बीच का भाग क्या कहलाएगा मध्य वाला भाग तो मध्य वाले भाग में यहाँ पर टोंगा खाई स्थित है इसके बाद और बात की जाए तो जापान वाला जापान खाई ठीक है जापान ट्रेंच है जापान इसको हम बोल देते हैं दस हजार सौ चौवन मीटर इसकी गहराई है उत्तरी प्रशांत महासागर में ही स्थित है जापान खाई आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये यह जापान की खाई है ठीक इसके बाद कुरली कम चटका ट्रेंच वो क्यूरल क्यूरिल या यहाँ पर क्यूरिल भी लिखा है क्यूरल या क्यूरिल ठीक है खाई या इसको हम क्यूरिल कु, कम चटका खाई भी कह देते हैं इसकी हम यहाँ पर दिखाते हैं सखालिन कम चटका से थोड़ी दूर यानी कि यहाँ पर स्थित सखालिन कम चटका यहाँ से थोड़ी दूर पर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्यूरिल खाई या ट्रेंच या गर्त भी आप कह सकते हैं इसको इसके बाद मिलेंडाओ मिंडाओ

आपके एल्यूशियन ट्रेंच आपके उत्तरी प्रशांत महासागर तक है कहाँ पर है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यह है आपका यहाँ पर एल्यूशियन ठीक ये यह, यह है यहीं पर तो एक फिर से मैं आप लोग बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट मेरियाना गर्द जो कि है ग्यारह हजार ग्यारह हजार मीटर या ग्यारह किलोमीटर की गहराई में दूसरा है टोंगा यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका चैलेंजर गर्द या मेरियाना गर्द दूसरा है टोंगा तीसरा है जापान चौथा है क्यूरिल या आ, कूरिल ठीक है कम का चलिए आगे बात करते हैं और देख लेते हैं प्रमुख ट्रेंड इनको हम कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं प्यूटो ठीक है? प्यूटो है? दीप में पश्चिमी द्वीप समूह के मध्य अमेरिका मध्य अमेरिका के पूर्व में जब हम देखेंगे तो यहां पर ये जो दीप है, इसको हम कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह कैसे आपका जीरो डिग्री देशांतर मान लीजिए जीरो डिग्री देशांतर का भाग पूर्वी और यह पश्चिमी जीरो डिग्री देशांतर के पश्चिम वाले भाग में इसलिए हमको इसको कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह ठीक है तो पश्चिमी द्वीप समूह में आपका प्यूटो रिको ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं प्यूटो रिकोखाई ठीक इसके बाद दूसरी जो है डाइमेंटीना आपका हिंद महासागर में है ठीक है यहां पर डायमेंटीना में आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला भाग में से इसमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं है फिर भी आप मैंने बोलें इतना काफी है डायमेंटीना ठीक इसके बाद हिंद महासागर में है ठीक है इसके बाद सुंडा या कहें जावा गर्थ ठीक है ये, ये, ये आपका पूर्वी हिंद महासागर में पूर्वी हिंद महासागर ये ये हिंद महासागर हिंद महासागर के पूर्व ये पश्चिम ये उत्तर और दक्षिण तो पूर्व पूर्वी हिंद महासागर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा की खाई ठीक इसके बाद है दक्षिणी सैंडविच या रोस ठीक दक्षिणी सैंडविच या रोस आपका दक्षिणी हिंद महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपकी ये स्थित है कहाँ पर है ये यहाँ पर ठीक है साओ सावरोक द्वीप चलिए तो ये हो गई आपकी खाइयों के बारे में जानकारी चलिए साथियों बात करते हैं आगे महासागरी नितल के अन्य आकृतियों के बारे में भी बात कर लेते हैं कुछ अन्य जो इससे संबंधित हैं तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन सी प्रमुख है सबसे पहली जो आती है वो है अंत सागरी कंदरा अंत सागरी कंदरा या सम मरीन हम इनको कह सकते हैं ये महाद्वीप मंग्रत था मंद ढाल पर वी आकार की क्या होती हैं घाटियां पाई जाती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं अंत सागरी कंदराएं या कैनियन कहते हैं यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मैंने क्या बताया यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट या मग्न ढाल पर बी आकार की जो घाटियां पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं कैनियन या हम इनको कंदरा कहते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका महाद्वीपीय मग्न मं, तट ठीक है कौन सा वाला ये वाला क्षेत्र और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ये मग्न ढाल आ जाएगा तो मग्न ढाल तथा महाद्वीपीय मग्न तट पर कुछ बीच में यहाँ पर गैप पाए जाते हैं या बीच में क्या होती हैं, बी आकार की घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें हम कैनियन कह देते हैं जैसे कि कुछ प्रमुख हैं जैसे कि आपकी हर्सन कैनियन कांगो कैनियन बैरियर वेरिंग कैनियन इस तरह के कुछ कैनियंस हैं जो कि आप लोगों को जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको मैप में भी दिखा दूंगा, ठीक है इसका दूसरा जो आता है वो है सागरीय या सॉरी सागरीय पर्वत या नितल पहाड़ियां तथा गाय यूत गायोत, इसको कई नामों से जानते हैं मतलब वही जो उच्चारण है उल्टा सीधा इधर उधर हो जाता है तो उसको भी हम बात करेंगे तो आइए समझते हैं सागरीय पर्वत इसको हम सागरी पर्वत कह देते हैं या नितल पहाड़ियां भी हम इनको कह देते हैं ठीक है और हम गाय भी हम इनको कहते हैं तो आइए समझते हैं समुद्र में मौजूद पर्वतों को जलमग्न पर्वत कहते हैं यहां पर समुद्र है मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं ये समुद्र है समुद्र का ये है सागरीय मैदानी क्षेत्र ठीक है सागर के अंदर जो मैदान पाया जाता है उसमें कुछ मौजूद यानी कि कुछ समुद्र के अंदर ही कुछ तट हैं सॉरी पर्वत हैं जो कि उसके अंदर ही हैं डूबे हुए हैं कुछ बाहर भी निकल आते हैं तो समुद्र में मौजूद पर्वतों को जलमग्न पर्वत कहते हैं इनकी चौड़ाई दो किलोमीटर से सौ किलोमीटर तक हो सकती है जबकि इनकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो एक हज़ार मीटर तक हो सकती है ठीक है एक हज़ार मीटर यानी कि एक किलोमीटर तक की भी इनकी ऊंचाई हो सकती है इसी प्रकार आपका दूसरी जो आकृति है उसको हम कहते हैं गायोत इसको कहीं कहीं हम गाय आत भी लिख देते हैं कहीं कहीं हम गियोत भी पढ़ देते हैं तो हम इसको गायोत ही हम पढ़ेंगे तो इस इसी प्रकार गायोत भी समुद्र में डूबे हुए पर्वत होते हैं लेकिन इनका शीर्ष या कहीं चोटी या कहीं शिखर ठीक है सपाट या चपटी होती है समझते हैं हल्के से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अंतर सागरी अंतर क्या होती है मग्न तट या मंगन राल पर जो बी आकरी घाटियां होती हैं उनको हम सागरी कंदरा कहते हैं अब आता है गायुत या मंगन पर्वत तो मैंने क्या बताया सागर के अंदर जो डूबे हुए पर्वत कहते हैं उन्हें जलमग्न पर्वत कहते हैं लेकिन अगर वो जल मांगने जो पर्वत हैं वो सागर से बाहर निकल आते हैं यानी सागर से बाहर निकल आते हैं और उनका जो ऊपरी भाग होता है यानी कि जो चोटी होती है इस तरह से मान लीजिए ये कोई पर्वत है और सागर से बाहर निकल आए लेकिन ऊपर का भाग अगर इसका कैसा हो जाए सपाट या चपटा हो जाए तो हम इसको गायोत कह देते हैं समझ में आ गया तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी चलिए आगे बात करते हैं महासागरी कटकों के बारे में बात कर लेते हैं कटक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर कहीं ना कहीं कही बुक वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे कि सागरी कटक महासागरी कटक लेकिन हमें समझ में नहीं आता होता क्या है ये कटक तो सागरी कटक हर समुद्र में पाई जाने वाली जलमग्न पर्वत श्रृंखला होती है यानी कि जो समुद्र होता है उनमें यानी कि एक पर्वत है मान लीजिए ये ऐसे आप मान सकते हैं ये है समुद्र ठीक समुद्र में एक पर्वत है तो जलमग्न पर्वत हो गया पर्वत बाहर निकला है ऊपर सवात पट्टी सपाट और चपटी है ऊपरी भूमि तो हम इसको क्या कह देंगे तो गाय कह देंगे लेकिन यदि कोई समुद्र के अंदर लंबाई में या फिर ऐसी इस तरह से फैली हुई पर्वतों की एक श्रृंखला है तो उसको हम कटक कहेंगे समझ में आ गया फिर से मैं बता दे रहा हूं कि सागरी कटक हर समुद्र में पाई जाने वाली जलमग्न पर्वत श्रृंखला होती है इनका निर्माण दो अपसारी प्लेटों के बीच मैग्मा ठंडा होने से तथा भूपरपटी की नई परत बनने से होता है कैसे होता है किन्हीं कारणों से याद पर्व दो आपकी जो चट्टाने होती हैं सॉरी चट्टाने नहीं दो जो प्लेटें होती हैं जब दूर जाती हैं तो होता क्या है कि उनका जो दबाव होता है मान लीजिए ये अभी हाथ है यहाँ पर मान लीजिए कोई नीचे माल दबा है ऐसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कोई चीज उठा के हाल तुरंत मान लीजिए ये नोटबुक है ये यहाँ पर अंदर पृथ्वी का नीचे है अंदर माल भरा है लावा है बहता हुआ तो मान लीजिए ये बुक है इसको यहाँ पर हटा दीजिए तो इस बुक के ऊपर मान लीजिए मैंने हाथ रख दिए यानी कि जो प्लेट है या फिर ये जो क्या है समुद्र का दबाव भाग है मलबा है वगैरह वगैरह है लेकिन प्लेट क्या है जब दूर जा रही है जब प्लेटें दूर जाती हैं तो बीच का जो मलबा है उनके ऊपर जो दबाव पड़ रहा था वो कम हो गया जैसे ही दबाव कम हुआ वैसे ही जो अंदर का माल था एकदम ऊपर उठा जैसे ऊपर उठा यानी कि जो मैग्मा हुआ उठा ऊपर उठा, उठा जैसी बाहर खुली सतह में आया यानी कि खुले आसमान में या पानी में जैसी आया वो ठंडा हो गया जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डालडा है डालडा नहीं मोम है मोम गर्म खूब आग कर लो अंदर खूब मोम रहेगा जैसे ही उसे पानी में डालोगे तो एकदम जम जाएगा तो उसी तरह से क्या है जैसी दबाव कम हुआ एकदम माल ऊपर आया जैसे माल ऊपर आया तो क्या हुआ

तो इस इनका निर्माण दो अपसारी प्लेटों के बीच मैग्मा ठंडे ठंडा होने से तथा भूपरपट्टी की नई चट्टान बनने से होता है अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरी कटक सबसे बड़ा कटक है यानी कि जो अटलांटिक महासागर है यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसमें एक नीचे अंदर जलमंग पर्वत श्रृंखला है जिसको हम क्या कहते हैं अटलांटिक महासागर में महासागरीय वो मध्य महासागरी कटक हम इसको कहते हैं ठीक है कभी कभी ये समुद्र के ऊपर जो होते हैं जलमग्न जो पर्वत होते हैं वो बाहर निकल आते हैं पर्वत श्रृंखला में से कोई भाग जो है वो बाहर आया यहाँ पर आप देख सकते हैं मान लीजिए कोई लंबी पर्वत श्रृंखला जाती है और गलती से इसमें से कोई बाहर निकल आया और ऊपरी मैदान जब सपाट हो गया तो वो क्या बन जाते हैं दीप का आकार ले लेते हैं इसमें से ही एक प्रमुख है जिसको हम कहते हैं एजोर्स दीप ठीक है यहां पर पुर्तगाल के जो अंतर्गत अं, अं, आता है यानी कि इस पर किसका कब्जा है या किसका अधिकार है पुर्तगाल का यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा है एजोर्स हम इसको पढ़ते हैं अंग्रेजों की भाषा में चलिए आगे समझते हैं चलिए बात करते हैं महासागरों के बारे में या ओशियन हम इनको कह देते हैं ओशियन ठीक है एक एक करके समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी बहुत अच्छे से हमें कुछ समझना है कन्फ्यूजन पैदा बिल्कुल जो होता है उसको समाप्त कर देना है तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के पूरी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं पांच महासागर हैं जिनमें हम सिर्फ चार के बारे में बात करेंगे वो एक है उसको हम कभी फिर से देख लेंगे वैसे ज़रूरत नहीं है चार महासागर हैं महासागर पांच हैं लेकिन हम इसमें पाँच सिर्फ चार के करेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा वो है आपका प्रशांत महासागर पृथ्वी के कुल कितने भाग पर फैला हुआ है 45 परसेंट भाग पर ठीक है यानी कि जो पूरा महासागर है सारे महासागर पृथ्वी के तो एक त्याई भाग पर लगभग फैला हुआ है लेकिन जो सारे महासागर हैं उनमें कितने भाग पर फैला हुआ है यानी कि पूरा ऐसे मान सकते हैं सारे महासागर हैं उनका आध हिस्सा किसका है प्रशांत महासागर का दूसरे नंबर पर आता है अंध महासागर इसको अटलांटिक अच्छा महासागर कहते हैं ये आपका पूरा प्रशांत महासागर आप देख सकते हैं दूसरा आता है अटलांटिक महासागर ये अटलांटिक महासागर ऊपर से लेकर यहाँ तक ठीक है अटलांटिक महासागर इस तरह से आकृति बनाता है तो अटलांटिक महासागर की ये यहां पर जो क्षेत्रफल है वो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं जरूरत नहीं है इतनी पूछता नहीं है बस क्षेत्रफल इसका जो यहाँ क्षेत्रफल है उतना पूछ सकते हैं तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो है आपका अटलांटिक महासागर कितनी कितने क्षेत्र को घेरे हुए है ये बाईस दशमलव आठ तीन परसेंट ठीक है तीसरा जो नंबर आता है वो है हिंद महासागर हिंद महासागर यहाँ पर जो क्षेत्र है उत्तर में इसके भारत देश है इसको हम समझेंगे कि करके अलग अलग तो यहाँ पर है आपका हिंद महासागर हिंद महासागर जो है पूरी जो महासागर है उनमें कितना क्षेत्रफल घेरे गिरे हुए है टू जीरो थ्री फोर यानी कि बीस दशमलव तीन चार परसेंट तीसरा, चौथा नंबर आता है सबसे बड़ा महासागर मा, वो है आपका की की तो लगभग लगभग चार परसेंट भाग घेरे हुए हैं तो चलिए एक एक करके समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत महासागर के बारे में जो कि सबसे बड़ा महासागर है आइए सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर तो विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है यह पृथ्वी पर यानी कि जो पूरी पृथ्वी मान लीजिए पूरी पृथ्वी है उस पूरी पृथ्वी के भाग का एक तिहाई भाग अकेला हिंद महासागर घेरे हुए है यानी कि इस तरह शुरू होता है ये पूरा भाग है ये पूरा जो जितने भाग में प्रशांत फैला हुआ वो कितना भाग हो जाएगा पूरी पृथ्वी का यानी कि छोटी मोटी जो, जो गर्ते हैं वगैरह वगैरह सबको मिलाकर इसकी गहराई अगर करेंगे तो सब में बराबर बराबर आके कर औसत जो गहराई निकालेंगे वो आ जाएगी आपकी चार हजार पांच सौ बहत्तर मीटर यानी कि लगभग 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 साढ़े चार किलोमीटर इसकी औसत गहराई है विश्व में विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है आपकी प्रशांत महासागर में ही है जो कि जिसे हम कहते हैं चैलेंजर गर्त या यहां पर आप देख सकते हैं चैलेंजर गर्त या फिर हम इसको मेरियाना गर्त भी कह देते हैं ठीक है इसके बाद इसमें कटक भी बहुत सारे पाए जाते हैं जिनको यहां पर हमें बात नहीं करनी है कटक के बारे में चलिए आगे बात करते हैं इसी में इस महासागर के उत्तर में यानी कि जो आपका ये जो मैंने बनाया ना ये ये है क्या वैसे जो मै, मैप है इस तरह से आपने देखा होगा इस तरह से ये मैप मान लीजिए इस तरह से तो यहाँ पर मान लीजिए एशिया यहाँ पर आपका अफ्रीका वाला वो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र यहाँ पर यूरोप यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर उत्तरी अमेरिका यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका तो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है इसके पूर्व में क्या है पश्चिम में यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर दिखता होगा और यहाँ पर दिखता होगा आपका प्रशांत महासागर लेकिन जब पृथ्वी गोल है ना इस तरह से जब निकालेंगे तो वो हम मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा पृथ्वी गोल है ना तो ये इस तरह से आएगा ऐसे गोल पूरे क्षेत्र में हुआ है इसके इस भाग में यहां पर देखेंगे तो

अंटार्कटिका महाद्वीप यानी कि, 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 कि प्रधान महासागर के उत्तर में बेरिंग बेरिंग जलसंधि और प्रशांत महासागर के दक्षिण में आर्कटिक या सॉरी अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है इसके पूर्व में यानी कि किसके पूर्व में प्रशांत महासागर के पूर्व बाला कौन सा भाग पूर है पूर्व बाला ये तो प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका और पश्चिम में वो सॉरी पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ठीक उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका ठीक है आपके उत्तरी अमेरिका वाले जो देश हैं, आपके कैनेडा के संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको यहाँ पर ब्राजील अर्जेंटीना ठीक है तो फिर से मैं बता दे रहा हूं उत्तरी भाग में आपका बेरिंग जल संधि दक्षिणी भाग में अंटार्कटिक महादीप पू पूर्वी भाग में इस तरह से ठीक है तो पूर्वी भाग में आपका क्या हो जाएगा पूर्वी भाग में आपका उत्तरी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ठीक है इसके पश्चिमी अगर तरफ जाएं पूर्वी और पश्चिम की तरफ जाएं तो पश्चिमी भाग में आपका ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया महाद्वीप है यहां पर ये यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख सकते हो ये पूरा एशिया महाद्वीप ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इस तरह से यहां पर देख सकते हैं ये इस तरह से फैला हुआ है पूरा का पूरा ठीक तो इसके कई तथा इसके यानी कि प्रशांत महासागर के कई आंतरिक तथा सीमांत सागर हैं यानी कि जो इसकी जो सीमा है समाप्त तो होने के बाद कुछ छोटे मोटे सागर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर यानी कि जैसे आपका सबसे ऊपर चलेंगे उत्तर में तो उत्तर में मैं आप लोगों को सबसे उत्तर में यहाँ पर है आपका बेरिंग जल संधि तो बेरिंग सागर ठीक इसके ठीक नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे ओकोस्टस सागर ठीक इसके ठीक नीचे आएंगे तो जापान सागर इसके ठीक नीचे आएंगे तो पीला सागर इसके ठीक नीचे आएंगे पूर्वी पूर चीन सागर फिर यहां पर दक्षिण चीन सागर फिलिपीन सागर ठीक है और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यह, यहाँ पर ये यह, आरफरा सागर ठीक इसके बाद कोरल सागर चलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर बेरिंग जल संधि बेरिंग जल संधि के ठीक नीचे ओकोस्टक सागर ठीक इसके बाद जापान सागर पीला सागर या पी सागर भी इसको कहते हैं पूर्वी चीन सागर दक्षिण चीन सागर फिलिपिन सागर ठीक सागर, 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 है में। दूसरा जो है महासागर वो है अटलांटिक महासागर या एटलांटिक महासागर या इसको हम अंध महासागर भी कह देते हैं चलिए हुँ। समझते हैं इस महासागर या यह महासागर कौन सा अटलांटिक महासागर विश्व के क्षेत्रफल के एक बटे छह भाग पर फैला हुआ है यानी कि जो आपका अंटार्कटिक महासागर है या अंत महासागर है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल एक बटे दो भाग पर फैला हुआ है, है। यानी कि एक बटे छह भाग कितना हो जाएगा एक बटे छह भाग हो जाएगा थर्टी थ्री का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा एक बटे छह भाग हो जाएगा समझ आ गया तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक अब अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का एक वो एक बटे दो एक बटे छे आएगा। गया? तो यह के बीच में फैला हुआ है यानी कि यहां पर देख सकते हैं यूरोप वाला महाद्वीप ये जूम करेंगे तो मैं आप लोग दिखा दूंगा ये आपका दक्षिण सॉरी अफ्रीका महाद्वीप ये दक्षिणी अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका तो इन महाद्वीपों के बीच में आपका अटलांटिक महासागर फैला हुआ है इसके यानी कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में आपका यहां पर देख सकते हैं ग्रीनलैंड इसके बाद यहां पर देखेंगे तो हरसन की खाड़ी ठीक है हरसन की खाड़ी वाल्टिक सागर ठीक है इसके बाद यहीं पर देखेंगे तो उत्तरी सागर यहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसके दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण में पूरी तरह से खुला है ठीक यह कौन सा आपका जो अटलांटिक महासागर है एस की आकृति बनाता है एस किस तरह की होती है इस तरह की मतलब पूरी तरह से तो नहीं लेकिन एस इस तरह की आकृति बनाता है इस तरह से यहां से शुरू होता है और इस तरह से यहां चला जाता है तो यह एस की आकृति में फैला हुआ है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर मैंने आप लोगों थोड़ी, थोड़ी पहले बताया था कटक क्या होते हैं कटक वो होते हैं जो कि समुद्र में ही अंदर डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं तो अटलांटिक महासागर में एक लंबा कटक पाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है लंबा कटक पाया जाता है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में वोवेट द्वीप तक एस आकृति में फैला हुआ है ठीक है एस की आकृति में लगभग चौदह हजार चार सौ किलोमीटर में फैला हुआ है इसके उत्तर में डॉल्फिन कटक तथा दक्षिण में चैलेंजर कटक प्रमुख है मैंने अभी थोड़ी पहले क्या बताया कि इसके यहां पर कहां से ये यहां पर कैसे आइसलैंड कहां आइसलैंड कहां पर मैं जूम करके दिखा देता हूं यहां पर ये यह. यहाँ पर ये देख सकते हैं ये है आपका आइसलैंड वाला क्षेत्र तो मैंने क्या बताया कि यहां से आइसलैंड से ये कटक शुरू होता है और इस तरह से दक्षिण की ओर चलता चलता चला था, चलता चला, था, चलता चला था है और इस तरह से पर पर आता है और यहां पर आपका बोलबेट द्वीप तक पहुंचता है बोलबेट द्वीप तक ये लगभग चौदह किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है ये यह यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ठीक ये इस तरह से ये समझा गया चलिए फिर से मैं बता देता हूँ कि आपका जो अटलांटिक महासागर वगैरह इसके अंदर समुद्र में क्या पाया जाता है एस की आकृति में ऊपर से लेकर नीचे तक आपका एक मग्न वो सॉरी जलमग्न पर्वत श्रृंखला है जिसको क्या कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक समझा गया चलिए मध्य अटलांटिक कटक की विशेषताओं के बारे में हल्का सा देख लेते हैं इसके सीमांत सागर भी हैं इसके कुछ सीमांत सागर हैं जैसे कि आपका वाल्टिक सागर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी इसके बाद वाल्टिक सागर उत्तरी सागर हटसन की खाड़ी बर बर्मूडा ठीक है फॉकलैंड केप बर्दे और बेटे दीप समूह यहां पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूं मैंने भी बताया यहां पर बेटे द्वीप समूह आपका यहीं इसी क्षेत्र में है अजोर द्वीप इसी के है बर्दे अंतरीप या बर, बर्दे दीप समूह इसी में ही है फिर आपका फ्रिजो अंतरीप इसी में ही है फॉकलैंड दीप समूह इसी में ही है आपका बरमूडा आइसलैंड इसी में ही है लेब्राडोर सागर इसी में ही है हटसन की खाड़ी ये रही आपका इसी में ही है ठीक है ग्रीनलैंड आपका उत्तर में इसके पड़ता ही है ठीक है यहाँ पर ठीक है यहां पर ये देख सकते हैं नॉर्वे सागर या यहाँ यही है उत्तरी सागर ये मैं जूम करके दिखा दूं। ये ये यहां पर आप देख सकते हैं उत्तरी सागर चलिए इतना आ गया चलिए आगे बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट आपका है हिंद महासागर या इसको हम इंडियन ओशियन भी कह देते हैं हिंद महासागर चारों ओर महाद्वीपों से घिरा हुआ है ठीक है इसके उत्तर में किसके हिंद महासागर के उत्तर में आपका एशिया दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया पूर्व में पश्चिम वो पूर्व में एशिया ठीक पश्चिमी भाग में अगर आएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप अब ये जूम करके मैं आप लोगों को दिखा दूं पहले मैं आप लोगों को हल्का सा दिशा बता दूं एक एक सेकंड पहले दिशा में बता दूं ये आपका मान लीजिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ठीक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो ये वाला जो भाग है आपका उत्तर पूर्व और ये है आपका दक्षिण पूर्व तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व की बात होगी इसलिए मैंने आप लोगों को बता दूं दक्षिण पूर्व वाला ये क्षेत्र हो जाएगा तो ये ये आपका हिंद महासागर हिंद महासागर के उत्तर में ये है आपका पूरा एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप इसके बाद पूर्व में अगर आप देखेंगे तो पूर्व में ये यहां तक एशिया है तो पूर्व में भी आप... आपका एशिया महाद्वीप दक्षिण पूर्व की अगर बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया uh, ये यहां पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पश्चिम की बात अगर, अगर की जाए तो पश्चिम में आपका मिल जाएगा यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप ठीक इसके दक्षिण में यहां पर आप देख ही रहे हैं अंटार्क्टिका महाद्वीप ठीक है इस महासागर के साठ परसेंट भाग में कौन सा हिंद महासागर के साठ परसेंट भाग पर क्या है मैदान फैला हुआ है मैदान में आप लोगों को बता चुका था मग्न तट मैदान की बात हो रही है ऊपर मैदान नहीं है यानी कि इस मैदान के वो सॉरी इस महाद्वीप के साठ परसेंट भाग पर मैदान सॉरी और बीस परसेंट भाग पर क्या है कटक पाए जाते हैं इस कारण इसको अर्ध महाद्वीप कहते हैं क्या कहते हैं अर्ध महाद्वीप क्यों आधा महाद्वीप कहते हो गया क्योंकि इसमें कुछ मैदान है, मैदान है और उसके बाद कुछ पर्वत वगैरह है तो वो कई सारे द्वीप पार निकल आए हैं ठीक है तो मैंने क्या बताया इस कारण इसको अर्ध महाद्वीप कहते हैं हिंद में भी यानी कि हिंद महासागर में ही जावा द्वीप के पास तुंडा गर्त है जो कि आपकी हिंद महासागर में पाई जाने वाली सबसे गहरी खाई या सबसे गहरी गर्त मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो मग्न तट होते हैं ठीक और मग्न ढाल होते हैं मग्न तट और मंगल ढाल में कुछ बीच में क्या होती है बी आकार की घाटियां बन जाती हैं जिनको हम क्या कह देते हैं कैनियन या गर्त कह देते हैं तो मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं मैंने क्या बताया कि इस महाद्वीप में जावा द्वीप के पास ही सुडा गर्थ है अब ये आप लोग यहां पर जावा द्वीप देख सकते हैं मैं आप लोगों को पहले जूम कर जावादीप ये है यहाँ पर जावा द्वीप तो जावादीप का ही ठीक दक्षिण में यहां पर देखेंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपका जावा की खाई हाँ यहीं पर मैं आप लोगों को दिखा दू ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये है आपका जावा की खाई ठीक क्या कहते हैं इसको इसको सुंडा गर्त भी कह देते हैं समझ आ गया चलिए इस ठीक है इंद महासागर में छोटे 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 और बड़े कई तरह, तो तरह के आपके महा द्वीप पाए जाते हैं ठीक है इसके बहुत कम सीमांत सागर हैं जिस तरह से मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका अटलांटिक महासागर उसके कई सारे सीमांत सागर हैं हिंद महा प्रशांत महासागर उसके कई सारे सीमांत सागर हैं लेकिन इसके बहुत कम सीमांत सागर हैं लेकिन उसके बाद लेकिन उसके बाद भी कुछ हैं एक दो उनको हम यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके बहुत कम सीमांत सागर हैं लेकिन कुछ प्रमुख हैं जिसमें आपका मोजाम्बिक चैनल अंडमान सागर लाल सागर फारस की खाड़ी प्रमुख यहां पर सागर आप लोगों को दिख जाएंगे चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूं अंडमान सागर यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो अंडमान निकोबर द्वीप समूह है वहीं जो सागर है उस क्षेत्र को अंडमान सागर कहते हैं इसमें आपका बंगाल की खाड़ी भी जो कि हिंद महासागर का ही क्षेत्र है अरब सागर जो कि हिंद महासागर का ही क्षेत्र है लाल सागर यहाँ पर जो कि आपका हिंद महासागर का ही क्षेत्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजांबिक जो चैनल है यहाँ पर ये आपका हिंद महासागर वाला ही क्षेत्र है समझ आ गया फारस की खाड़ी भी यहां पर आप देख सकते हैं फारस मतलब ईरान ईरान मतलब आपका परसिया ठीक तो चलिए मध्यवर्ती कटक के बारे में भी हल्का सा बात कर लेते हैं जो कि आपके हिंद महासागर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं एक सेकंड में कलर चेंज कर दूं इसका बेटा हां तो इस महासागर के कटक भारत के दक्षिण से शुरू होकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक फैले हुए हैं ये लगातार उत्तर से लेकर दक्षिण तक नीचे यानी कि यहाँ से शुरू होते हैं और नीचे चलते चले जाते हैं चलते चले जाते हैं जब तक एंटार्क्टिक महाद्वीप नहीं आ जाता तब तक ये नहीं रुकते तो आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं इनमें से कुछ प्रमुख के बारे में बात करेंगे इस कटक पर कुछ प्रमुख द्वीप हैं जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो आपका लंका द्वीप जिससे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं मालदीप ठीक है सब लोग जानते हैं चेगोस न्यू एमस्टर्डम और सेंट पॉल पाल मतलब आ, वो अजय पाल या वो वाला पाल नहीं सेंट पॉल वाला ठीक है तो पॉल वैसे पॉल पढ़ते हैं लेकिन लिखा है इसमें पाल है कोई दिक्कत नहीं है आप फीलिंग के हिसाब से समझ सकते हैं तो आइए देख लेते हैं एक नजर डाल लेते हैं मैंने क्या बताया जो आपका भारत देश है भारत देश की दक्षिण से शुरू होते हैं कुछ प्रमुख द्वीप और आपके अंटार्कटिका महाद्वीप तक ये फैले हुए हैं तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया था आपका जावा वो आपका यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या बोलते हैं इसको हाँ आपका श्रीलंका ठीक इसके यहीं पर है आपका मालदीव यहीं पर है चागोस इसके बाद है डीओगा गार्सिया डिएगो गार्सिया इसके बाद ठीक नीचे आएंगे तो सेंट पाले इसमें लिखा है सेंट पाले एम्स्टरडेम यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है दीप तो सेंट पॉल जो दीप है वो फ्रांस के अंतर्गत आता है एमस्टरडम दी, एमस्टर दीप समूह जो है फ्रांस के अंतर्गत है और भी कई सारे इनकी हमें जरूरत नहीं है आपका सेंट डिया वो डियागो गार्सिया जो दीप है आपके यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन या कहीं ब्रिटेन के अंतर्गत आता है यानी कि इस पर आपका चेगोस और डियोगो गार्सिया पर किसका अधिकार है आपका लंदन या कहें ब्रिटेन का कब्जा है चलिए आगे बात करते हैं देखते हैं चलिए दक्षिणी महासागर या न, वो अंटार्कटिक महासागर के बारे में बात कर लेते हैं तो दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है विश्व में जो आपका विश्व क्या मान लीजिए ये पृथ्वी है पृथ्वी में नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर होता है आपका सात डिग्री दक्षिणी आचार्य ठीक है यहाँ से शुरू होता है तो विश्व के सबसे दक्षिण में यह एक महासागर है जिसको हम क्या कहते हैं अंटार्कटिक महासागर कहते हैं इसका जो शुरुआत होती है इसका विस्तार सात डिग्री दक्षिणी आचांश से दक्षिण में यह है पूर यह पूर्वी यह सॉरी यह पूरे यानी कि जो आ, आपका जो अंटार्कटिक महाद्वीप है इसके चारों ओर या कहें इसको उत्तर से इस तरह से उत्तर से इस तरह से ये चारों ओर से घेरा घेरे हुए हैं ये जो पांच महासागर हैं पूरे पृथ्वी पर उनमें ये चौथा सबसे बड़ा महासागर है ठीक है चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका दक्षिणी महासागर एक और देख लेते हैं हल्का सा मैं नहीं मान रहा है देख लो खत्म करें नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि मैंने छोड़ दिया आइए देखते हैं ये है आर्कटिक महासागर यानी कि यह आपका पृथ्वी है पृथ्वी के उत्तरी भाग में दक्षिण में तो हो गया दक्षिणी महासागर दक्षिणी महासागर ठीक है या अंटार्कटिक महासागर उत्तरी वाले भाग में आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर ठीक है तो यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है उत्तरी ध्रुव के यानी कि उत्तरी ध्रुव मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है ठीक है इस तरह से तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर यह महासागर फैला हुआ है एकमात्र कैसा महासागर है बर्फीला महासागर है यानी कि और सब महासागर है उनमें क्या पाया जाता है जल ज्यादातर जल है बहुत कम ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां पर बर्फ वगैरह हो लेकिन यह एक ऐसा महासागर है जो कि बर्फीला महासागर है यह बेरिंग जल संधि अब बेरिंग जल संधि कहां पर है मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा यह ठीक है यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर तथा डेनमार्क जल संधि से अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है क्योंकि हमेशा ध्यान रहे कि जो सागर है उनका जल अलग नहीं कर सकते ना वो सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं लेकिन सीमा हमें महसूस हो जाती है वो सीमा कैसे महसूस हो जाती है उसको हम आगे समझेंगे तो मैंने क्या बताया ये इसके यहां पर आप देख सकते हैं ये है बेरिंग जल संधि बेरिंग जल संधि से यह प्रशांत महासागर से अलग होता है और डेनमार्क जल संधि से यह है डेनमार्क जल संधि से यह है आपका अंटार्कटिक सॉरी अटलांटिक महासागर से चुड़ा हुआ है या हम इसको कह सकते हैं अलग होता है यह डी की आकृति बनाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से डी की आकृति बनाता है फिर से मैं आप लोगों बता दूँ सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर उसके नंबर पर आपका आता है अटलांटिक महासागर ठीक है अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पर आता है तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर चौथे नंबर पर आता है चौथे नंबर, नंबर पर है आपका अंटार्क महासागर और पाँचों नंबर पर आर्कटिक महासागर चलिए ये हो गया आपके महासागर चलिए आगे बात करते हैं महासागरीय लबड़ता और तापमान के बारे में बात कर लेते हैं यानी कि जो महासागर है उसमें तापमान क्या भूमिका निभाता है लबड़ता होती है उसकी क्या भूमिका होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है बहुत जरूरी है महासागर के लिए ये जो तापमान और लबड़ता चलिए तो देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं महासागरीय तापमान ओशियन टेम्परेचर जिस तरह से जिस तरह से पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी का जो धरातल होता है पृथ्वी के धरातल पर तापमान का विशेष महत्व होता है उसी प्रकार से महासागर के तापमान का जीव यानी महासागर के जो जीव है महासागर के तापमान का जीवों तथा वनस्पतियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है यह तापमान जल में रहने वाले जीव जंतुओं और वहां पर पैदा होने वाली वनस्पतियों को प्रभावित करता है साथ ही तटवर्ती मैदानों की जलवायु को भी प्रभावित करता है ये सागर के जल के लिए तापमान का प्रमुख स्रोत क्या है सूर्य का प्रकाश है इसको हम डिटेल में समझेंगे एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर जो लिखा है वो पढ़ देता हूँ सूर्य के प्रकाश से ये प्राप्त करता है इसके अलावा तापमान का स्रोत सागर के नीचे जो है मैंने क्या बताया था कि जो पृथ्वी है उसके नीचे जो गर्म धदकता हुआ लावा है उससे भी ये कुछ भाग प्राप्त करता है लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर होता है यानी कि एक डिग्री सेल्सियस बिल्कुल यानी कि नगण्य हम कह सकते हैं फिर से बता दूं इसके अलावा तापमान यानी सूर्य की रोशनी के अलावा यह तापमान का स्रोत सागर के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग से भी प्राप्त करता है लेकिन वह बरा... वह न के बराबर होता है लगभग एक डिग्री सेल्सियस या कहें नगण्य होता है चलिए समझते हैं एक एक करके क्या होता है तापमान इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं तो महासागर में तापमान सबसे अधिक दोपहर के समय यानी कि अब दुनिया जानती है कि दोपहर के समय सबसे ज्यादा गर्मी हो जाती है तो जो महासागर होते हैं मान लीजिए ये महासागर है जितने भी ब्लू कलर का दिख रहा है यानी कि ये जो है ये सारे महाद्वीप महाद्वीप के अलावा जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है वो सारे महासागर मा, है ठीक है तो महासागर में तापमान सबसे अधिक दोपहर के समय होता है और सबसे कम तापमान कब होता है सुबह चार और पांच के बीच में सबसे कम होता है पृथ्वी के धरातल तथा सागर के जल के ताप ग्रहण करने की दर में अंतर होता है क्योंकि सागर जो होता है या कर पानी जो होता है वह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा हो जाता है जबकि पृथ्वी जो होती है या पृथ्वी या कहें पृथ्वी का जो धरातल है वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ही क्या होता है ठंडा हो जाता है समझ आ गया ना बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है महासागर के अंदर सौर ऊर्जा को इकट्ठा करने की बहुत अधिक क्या होती है शक्ति होती है यही एक कारण है कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट बनाने में या बनाए रखने में महासागर का बहुत अधिक महत्व होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाकर बहुत डिटेल में इसको मैं बताऊंगा ऊष्मा बजट क्या होता है किस तरह से ये काम करती है और पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है मैंने अभी यहां पर क्या बताया मैंने बताया कि जो ब, आ, महासागर होते हैं तापमान दोपहर में क्या होता है सबसे अधिक होता है और चार से पांच या सुबह के समय क्या होता है ना के बराबर सॉरी बहुत कम होता है यानी कि ठंडा कब हो जाता है दोपहर के सॉरी ठंडा कब होता है सुबह के टाइम पे और गर्म कब हो जाता है दोपहर के समय हो जाता है और मैंने क्या बताया कि जो पृथ्वी का जो धरातल होता है बहुत जल्दी गर्म हो, हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है समझा गया चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जो कि बहुत जरूरी है हमें जानना हमें अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है क्योंकि मैंने ये इसलिए रखा मैं चाहता तो ये छोड़ देता लेकिन जब आप महासागरी धाराएं पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में नहीं आएंगे कि महासागरी जो धाराएं होती हैं किस तरह से जल किस ओर चलता है समझ में आ गया ये कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जल जो होता है ये जल एक चक्र चलता है यानी कि जल जो होता है वो चक्र चलता है पहले भाप बनेगा भाप बनने के बाद ऊपर जाएगा ऊपर जाने के बाद वर्षा होगी वर्षा होगी फिर नीचे आ जाएगा तो इस तरह से चक्र चलता रहता है ठीक है तो समझते हैं तो महासागरी जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को एक एक करके समझते हैं सबसे पहला जो कारक है वो है आक्षांश आछांश आप सब लोगों को पता है कि रेखा वाला जो आक्षांस है पूरी दुनिया जानती है रेखा पर पूरी साल जो प्रकाश है वो लंबवत या सीधी रेखा में पड़ता है और तबीयत से यहां पर क्या होता है सूर्य की रूप तबियत से यहां गर्मी मिलती है जब समझ आ गया ना तो मैं फिर से बता देता भूमध्य रेखा से यानी कि ये या जीरो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाने पर यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर जो सतही जल है उसका तापमान क्या होता है ग, कम होता जाता है कम होता जाता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होने लगती हैं क्योंकि सूर्य है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा मान लीजिए सूर्य है इस तरह से यहां पर किरणें दे रहा है तो विश्व रेखा पर सीधी पड़ रही है उसके बाद उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे तो इस तरह से तिरछी होती जाएंगी इस तरह से तिरछी होती जाएंगी इस तरह से पूरी दुनिया में आप सभी लोग जानते होंगे जब छोटे पे आपने सूर्य की जो बनाया होगा तो सूर्य का हमेशा इस तरह से प्रकाश जाता है ठीक है तो इस तरह से यहां पर सीधी रेखा पड़ रही है वहां पर अधिक प्रकाश मिल रहा है यहां कम तिरछी पड़ रही है वहां पर क्या है कम तापमान मिल पा रहा है यही कारण है कि विश्व रेखा पर तापमान कैसा रहेगा अधिक रहेगा और उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे तो आप ये भी जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल बर्फ ही बर्फ मिलती है और दक्षिणी ध्रुव पर बिल्कुल बर्फ की बर्फ ही आप लोगों को दिखेगी समझा गया तो फिर से बताता हूं वो उत्तर जाने पर सतही जल का जो तापमान है वह घटता है क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर जाने पर तिरछी होती जाती हैं इस कारण सूर्य के तापमान में भी कमी आती जाती है यानी विश्व रेखा पर अधिक और उत्तर की ओर बढ़ेंगे जैसे एक दो तीन चार ऐसे करके बढ़ेंगे तो तापमान भी कम होता चला जाएगा ठीक है और यही एक कारण है कि ध्रुवों की ओर तापमान बिल्कुल शून्य से भी नीचे पहुंच जाता है दूसरा जो कारण है दूसरा कारक है क्या प्रभावित करता है तापमान को दूसरा है जल तथा स्थल के बीच में असमान वितरण यानी कि जो मान लीजिए यहाँ पर है ये तल और यहां पर है जल इसको मैं आप लोग समझा देता हूं पहले मैं यहां पर जो लिखा है वो पढ़ा उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता के कारण मैंने शुरुआत की थी मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध को जली स्थल गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जली गोलार्ध कहते हैं क्यों कहते हैं मैंने आप लोगों की ये भी बात बताई थी कि ये आपकी विश्वत रेखा विश्वत रेखा के उत्तर वाले भाग में लगभग सिक्सटी क्या है जल है और थर्टी क्या है थर्टी स्थल है यानी कि जमीन है जबकि दक्षिणी में एट्टी वन परसेंट जल है और नाइनटीन परसेंट क्या है आपका स्थल है यह एक है। मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध को आपका जल स्थल स्थली गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को हम जली गोलार्ध कहते हैं समझ में आ गया इतनी बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं तो मैंने क्या बताया उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता के कारण जमीन अधिक होने कारण महासागरी जल का जो तापमान है उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा तथा दक्षिणी गोलार्ध में कम होता है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है जिससे महासागरों का जल स्थल यानी कि महासागरों का जल स्थल के संपर्क में आने के जमीन के संपर्क में आते ही जो अधिक जो स्थल है अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेता है जिससे उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध से क्या होता है अधिक होता है फिर मैं बता देता हूँ मैंने क्या बताया उत्तरी गोलार्ध में जमीन या धरातल या स्थल अधिक इस है जिससे क्या होता है महासागरों का जल महासागरों का जल स्थल के संपर्क में आने से क्या करता है वह स्थल से अधिक ऊष्मा क्या करता है प्राप्त कर लेता है जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक रहता है किसका जल का तापमान या सागरी जल का महासागरी जल का तापमान अधिक होता है और दक्षिणी गोलार्ध का तापमान कैसा रहता है कम रहता है उत्तर के तुलना में यह नहीं कि उत्तर गोलार्ध का जो महासागर का तापमान तीस है तो दक्षिण का बीस ही हो जाएगा इस तरह मतलब कुछ अंतर आ जाता है ठीक है चलिए तो निम्न आचांशों में निम्न आक्षाश कौन से होगा जीरो डिग्री देशांतर वो डिग्री आक्षांश तो निम्न आक्षाशो में इस निम्न आक्षांशों में स्त्री भागों से घिरे सागरों का तापमान अधिक होता है जैसे आपका भूमस सागर हो गया जिसका तापमान आपका सत्ताईस डिग्री सेल्सियस हो जाता है लाल सागर हो गया जिसका तापमान आपका सैंतीस डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है फारस की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो आपका पैंतीस डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है उत्तरी क्षेत्र वाला क्या है ये यहाँ पर कुछ दो तीन सागर है यहाँ पर क्या होता है जमीन से घिरे हुए ये सागर है ना इसलिए इनमें क्या रहता है इनका तापमान बहुत अधिक होता है जैसे भूमि सागर है ये ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल सागर है यहाँ पर ये फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है ठीक है चलिए चलिए साथियों बात आगे करते हैं हवाए हाँ जो किस तरह से जो समुद्र का जल होता है उसको किस तरह से प्रभावित करती हैं आइए समझते हैं यहाँ पर हवाएं जो होती हैं यहाँ पर बात करेंगे सनातनी पवन या जो बारों में सी पवने पब, या हवाएं जो चलती हैं जैसे आपका यानी कि इसको हम वैस्टाली भी कहते थे हैं इसको हम पछुआ पबने भी कहते हैं यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली भी हवाएं और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर उन्हें हम ट्रेड ट्रेडबेंड या फिर आपका व्यापारिक पवन है हम बात कहते हैं तो कि व्यापारिक तो पवनों की जो पेटी होती है यानी कि 30 डिग्री यहां से इस तरह से ये ऊपर से नीचे तक यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है व्यापारिक पवनों वाली पेटी ठीक तो व्यापारिक हवाओं की पेटी में महासागरों के महासागरों के पूर्वी भाग का जो तापमान होता है वह कम होता है और पश्चिमी भाग का जो तापमान है वह अधिक होता है मान लीजिए ये व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है तो इसका ये मान लीजिए अटलांटिक महासागर है तो अटलांटिक महासागर के पूर्व का जो पूर्वी क्षेत्र का जो जल होगा यानी कि पूर्वी जो जल है वो कैसा होगा पूर्वी क्षेत्र जो होगा वो ठंडा होगा यानी कि तापमान कम होगा और जो पश्चिमी क्षेत्र है क्योंकि हवाएं कैसे चल रही हैं इस तरह से चल रही हैं इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर तो जो पश्चिमी क्षेत्र होगा इसका वो कैसी होगी हवाएं जो होगी तापमान उनका अधिक होगा यानी कि स्थल से महासागर की ओर चलने वाली हवाएं यानी कि स्थल से कौन सा ये यहाँ से जब हवाएं हैं हवाएं ये हवाएं अब ये मान लीजिए यहाँ से महाद्वीप है महाद्वीप क्या है धरती धरती से गर्म गर्म हवाएं पहुंची या मान लीजिए कोई सी हवाएं यहाँ से निकली यहाँ से हवाएं टच करती हुई महासागर की ओर पहुंची तो स्थल से महासागर की ओर चलने वाली गर्म हवाएं महासागरों के सतह का जो जल है यानी कि महासागर है उसके है उसके सतह का जो जल उसको क्या कर देगी धक्का मारेगी यानी सतह जल को तट से दूर धकेल देगी जिसके कारण जो नीचे का ठंडा पानी है गर्म वाला पानी धक्का मार दिया और जो ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाएगा इससे क्या होगा यहाँ का जो यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र का क्योंकि हमेशा हवाएं कैसे चल पश्चिम की ओर जो पूर्वी क्षेत्र का जो जल होगा वो ठंडा होगा अन्य के मुकाबले ठीक है वहीं वहीं दूसरी ओर क्या होगा मैंने क्या बताया तापमान में कमी हो जाएगी वहीं दूसरी ओर तटों से यानी कि ये मान लीजिए ये ओर ये तट तट से, तट से, तट से आने वाली हवाएं यानी कि तट की ओर से महासागर की वो सॉरी महासागर से तट की ओर जैसे मान लीजिए ये महाद्वीप है महासागर से धरातल की ओर अब ये इधर तो हवा जाएगी नहीं अब जाएगी ओर तो ये महासागर से ये, इस तरह से महाद्वीप की ओर जो हवा जा रही होगी उस तरफ क्या होगा यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में हवाएं क्या होंगी पश्चिमी क्षेत्र में हवाएं क्या करेंगी जल को धक्का मारेंगी पहले से वो गर्म हो गया यानी कि इसके सागर जो है इसका तट के किनारे आके जो पानी था वो पहले से गर्म हो गया अब गर्म गर्म हवाएं इधर से आ रही हैं अब इस क्षेत्र से हवाएं और आ रही हैं पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं आ रही हैं तो क्या होगा हवाएं और आ गई यहाँ का पहले से ही पानी गर्म है तो ये हवाएं और आ गई तो दोनों का क्या हो जाएगा मिलन हो जाएगा, हो जाएगा। जब मिलन हो जाएगा पहले से गर्म पानी है और हवाएं अब लेकर आ रही हैं और थोड़ा सा थोड़ा सा एक आध डिग्री और लेकर आ रही है तो वहाँ का तापमान क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा या तापमान कैसा हो जाएगा बढ़ जाएगा यही कारण है कि व्यापारिक पेट व्यापारिक पवनों की पेटी में तापमान का पूर्वी भाग का क्या होगा जल जल का तापमान कम होगा और पश्चिमी भाग का जल का तापमान कैसा होगा अधिक होगा समझ में आ गया वहीं दूसरी ओर अगर बात करें यही ये कार्ड है कि जो पछुआ पवनों वाली जो पेटी है यानी कि ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है इसके पछुआ पवनों वाली पेटी जो होगी यहां पर पर पूर्वी तट जो होगा या पूर्वी जो क्षेत्र होगा जल महासागर का पूर्वी जो क्षेत्र होगा उसका तापमान अधिक मिलेगा और पश्चिमी जो क्षेत्र होगा उसका तापमान कम होगा कैसे इन पश्चिमी क्षेत्र से तो आई रही है तो यहाँ का जो जल होगा समुद्र के किनारे का उस धक्का मार के आगे बढ़ा देगी वहीं ये तट के किनारे का होगा पहले से ये भूमि है गर्म कर रखा है पानी इसने ठीक है और हमने गर्म गरम पीछे से लात और मार दी तो पहले से गर्म थी की खोपड़ी और पीछे से एक और लात मार दी तो उसकी खोपड़ी और गर्म हो जाएगी मान लीजिए मैं हटी हुई है पहले से और मैं आ, के किनारे बैठा और 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 पीछे से एक धक्का मार दिया तो 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 क्या क्या होगा होगा मेरी पहले से हटी हुई है तो गरम-गरम बात बन जाएगी वहां पर पहले से बैठा है, तो अधिक गर्म हो जाएगा ही उत, तो, ठीक है तो क्या समझ में आया पछुआ पवनों वाली क्षेत्र का पूर्वी तट का पूर्वी क्षेत्र का जल क्या होगा अधिक होगा और जो ट्रेड विंड वाला क्षेत्र है या कहें व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र है पश्चिमी भाग का क्या होगा तापमान अधिक होगा चलिए आगे बात करते हैं एक और कारण है ठीक है महासागरी धारा किस तरह से प्रभावित करती हैं आपका जो जल होता है उस तो महासागर का जो जल होता है उसके तापमान को महासागरी धारा इसको हम जब धाराएं पढ़ेंगे वो अलग से पढ़ेंगे यहां पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पटना है तो महासागिरी धाराओं के बारे में बात होगी जब गर्म जल धाराएं यानी कि जो आप मान लीजिए यह है आपका इस तरह से रेखा ठीक तो रेखा जब पानी गर्म होता है पानी गर्म होने के बाद क्या होता है ऊपर उठता है या कहें गर्म होकर फैलता है जब फैलता है तो वो मैं पहले इसको मैं समझा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब गर्म जल धाराएं उच्च अक्षांशों में पहुंचती हैं यानी कि गर्म जल धाराएं यहां से हल्के की ओर भागेंगी यहां पर हल्के की ओर ठीक इस तरह से हल्के की ओर जब भागेंगी तो गर्म जल धाराएं उच्च आक्षांशों की उच्च आशांश कौन सा जीरो डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ जीरो डिग्री से नीचे की ओर बढ़ेंगे तीन चार पांच छह सात आठ इस तरह से तो उच्च आक्षांशों में जब पहुंचती है तो वहां का तापमान बढ़ जाता है क्योंकि बेस्त रेखा का जो गर्म जल है जब ऊपर की ओर बढ़ेगी यानी कि ठंडे वाले क्षेत्र में जाएगी तो वहां का तापमान क्या कर देती है ये बढ़ा देती है जैसे कि आपका यहां पर आप देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम है ठीक है यहां पर गल्फ स्ट्रीम वाली जो धारा है गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जल धारा है और उत्तरी अमेरिका वाले जब क्षेत्र में पहुंचती है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र यहां पर आप देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और गल्फ स्ट्रीम जो धारा है इसके पूर्वी तट पर जब पहुंचती है जो कि गर्म जल धारा है तो यहां का जो तापमान क्या करती है तापमान बढ़ा देती है समझ में आ गया इससे क्या हो गया सागरी जो क्षेत्र है सागरी जो जल है उसका तापमान बढ़ जाता है ठीक है वहीं दूसरी ओर क्या होता है उच्च आछा मैंने क्या बताया मैंने भी बताया कि दूसरी ओर उच्च चाचांशो से जब उच्च चाचांशो से ठंडी जलधाराएं निम्न की ओर चलती है यानी कि ये

इस तरह से यहां पर आती है उत्तर पूर्वी तट पर आपका उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर जब पहुंचती है तो वहां का तापमान हिमांक से भी नीचे गिरा देती है समझ आ गया ये क्या होता है इसको हम तापमान का इसको हम संतुलन कह देते हैं एक धारा आती है गर्म कर देती है एक धारा होती है ठंडी कर देती है न ज्यादा ठंडा हो पाता है न ज्यादा गर्म हो रहा है ये एक चक्र चलता रहता है तो समझा गया तो महासागरीय सतह का औसत तापमान कितना होता है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है और बढ़ते हुए आछांश के साथ तापमान में कमी आती रहती है प्रति एक आचांश पर क्या होता है जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव यहां कहें आधे डिग्री तापमान में कमी आती है यानी कि ये जीरो डिग्री या कहें विश्वत रेखा है विश्वत रेखा से जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो दस आक्ष जैसे पार कर गए तो दस आक्ष जब हम पार कर गए तो पांच डिग्री क्या होगा तापमान में कमी आ जाएगी ऐसे बीस इस तरह से ऊपर चलते चले जाएंगे तो तापमान में क्या होगी कमी आती जाएगी यानी कि से कम हो जाएगा फिर और कम हो जाएगा फिर और कम हो जाएगा इस तरह से वहां पर हिमांक वाले क्षेत्र तक पहुंच जाता है ठीक है आ गया तो उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी गोलार्ध का आपका जो औसत तापमान है वह है या कहें वार्षिक औसत तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है वहीं दक्षिणी गोलार्ध के जो गोल दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी गोलार्ध के समुद्र के जल के बारे में बात हो रही है ठीक है दक्षिणी गोलार्ध के समुद्री जल का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है ये क्यों हुआ था मैंने बताया था कि उत्तरी जो गोलार्ध है इसे हम स्थली गोलार्ध कहते हैं यानी कि यहां पर स्थली भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थली भाग कम है ठीक है तो चलिए और ये क्यों होता है वो आप, मैं आप लोगों को बता दिया क्योंकि स्थल जो होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं इससे क्या होता है समुद्र का जल पे भी असर पड़ता है चलिए आगे बात करते हैं मेगा बर्ड या क्लाउडीनेस ठीक है क्लाउडीनेस मतलब बादलों का बनना चलिए तो इसको समझते इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपका समुद्री जो जल होता है उस पर तापमान में किस तरह से तो महासागरीय क्षेत्रों में बहुत अधिक ये महासागरी क्षेत्र में कौन से जहां पर ये महासागरी क्षेत्र है तो नीचे वाले क्षेत्र में ये अधिक पाया जाएगा ठीक तो महासागरी क्षेत्रों में बहुत अधिक पाया जाता है क्योंकि सौर ऊर्जा का सौर ऊर्जा का जो भाग महासागरों में जाता है उसे उससे महासागर क्या करते हैं बाषपन करते हैं यानी कि जब कोई क्षेत्र है वहां पर वो सूर्य सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है ऊर्जा प्राप्त कर रहा है तो जल हो जाएगा या कहें पानी जो होगा होगा वो गर्म हो जाएगा जब गर्म होगा तो बाषपन की क्रिया या कहें भाप बनने की क्रिया शुरू हो जाएगी इससे क्या होगा बादलों का निर्माण होगा इससे जब भाप बनेगी तो भाप बनकर जब ऊपर उठेगी तो क्या होगा बादलों का निर्माण होगा इसलिए महासागरों में तापमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है किस क्षेत्रों में दक्षिणी क्षेत्र में यह अधिक होगा क्योंकि यहाँ के क्षेत्रों में सीधा कनेक्शन मिल रहा है ना सीधे सीधे क्या ले रहे हैं? सीधे 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 प्रकाश लिया उन्होंने पानी गर्म कर लिया पानी गर्म करके ऊपर उठ गया बाप बनकर बाप बनकर जैसे ऊपर उठा ज्यादा ऊपर पहुंचा ठंडा हो गया ठंडा हो गया संगणित हो गया संगणित होकर एकदम उसने बादल का रूप ले लाकर वो बरसात के रूप में नीचे आ गया जो सूर्य से महासागर ने गर्मी सोख ली अब गर्मी सोखने के बाद उसने भाप के रूप में उसे पानी को गर्म करके भाप के रूप में वो गर्मी उसकी बेचारे की ठंडी हो गई जब गर्मी ठंडी हो गई और पानी फिर से वो ऊपर बढ़ा भाप के रूप में और बादल बन बना के नीचे बेचारे फिर से हल्के होकर नीचे एकदम पानी के रूप में फिर गिर गए तो इससे क्या रहा वहां का ऐसे मान लीजिए कि अभी बहुत तेज गर्मी पड़े गर्मी पड़ती है एकदम बरसात का मौसम आ जाए बरसात का मौसम आते ही जो थी बूंदाबादी होगी तो गर्मी क्या होगी शांत हो जाएगी वैसे ही महासागरी क्षेत्र में होती है जितना अधिक तापमान होगा महासागरी क्षेत्र में उसका तापमान यानी कि जितनी वो गर्मी लेगा उतना ही उसका तापमान भी कम हो जाएगा समझ में आ गया चलिए तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि महासागरी क्षेत्र में बहुत अधिक यह व्यवस्था महासागरी क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है क्योंकि सौर ऊर्जा का ये <coughs> सॉरी सौर ऊर्जा का जो भाग ये महासागर में जाता है उससे महासागर बाष्पन करते हैं और बादलों का निर्माण करते हैं इसलिए महासागरों में तापमान थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इनकी जो काफी उसमा जो होती है वो बाषपन में खर्च कर लेते हैं या कहें बाष्प बनाने में या कहें उसे भाप के रूप में परिवर्तित करने में वो अपनी काफी ऊर्जा खर्च कर देते हैं यही है एक कारण है कि मेघा बड़े या कहें बादलों के निर्माण के कारण समान आक्षाशो पर भी महासागरीय ताप में अंतर पाया जाता है

जल के भार तथा उसमें घुले हुए लवड़ीय पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं मान लीजिए एक किलोग्राम पानी है यहां किलोग्राम किलोग्राम के के बारे के बारे में में बात कर रहा हूं मिलीलीटर नहीं ठीक है है ग्राम तो आपका क्या है? जल है उसमें क्या है कुछ नमक या कुछ लवण जो है वो या कहे कुछ पदार्थ हैं उसमें घुले हुए हैं उसको सम्मिलित रूप से हम सागरीय लवणता कहते हैं यानी एक किलोग्राम सागरी जल में घुले हुए ठोस पदार्थों के कुल मात्रा को लवणता कहते हैं अब यह पता कैसे करते हैं कि कोई सागरी जल है तो उसमें लवणता कितनी है या कैसे पता करते हैं कि उसका क्या किस तरह से होता है बिल्कुल साधारण तरीका होता है कि मान लीजिए जल है तो किसी जल में 50% परसेंट है तो इसका यह मतलब हुआ कि सागर के 1000 ग्राम जल में 50 ग्राम जो लबड़ है यानी कि 50 ग्राम नमक की मात्रा है इसका मतलब प्रतिशत नहीं बल्कि ग्राम से होगा यानी कि 50 है तो आपका कितना हो जाएगा 50 है तो आपका 50 ग्राम हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब प्रतिशत नहीं बल्कि एक मात्रा होती है सागरी जल में लवणता अधिक होने पर उसका क्वनांक जो होता है क्वनांक हम बोलते हैं वॉइलिंग पॉइंट जो होता है अधिक हो जाएगा यानी कि आपका पानी में अगर अधिक नमक है तो पानी क्या है अधिक नमक है तो पानी काफी देर तक गर्म करना पड़ेगा तो वो काफ़ी उसमा सोख लेगा पानी काफ़ी देर तक गर्म करना पड़ेगा यानी कि पानी वैसे साधारण रूप से मान लीजिए सौ डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छे से खोलना शुरू हो जाता है लेकिन अगर बहुत अधिक नमक है या बहुत अधिक लबड़ता है तो पानी जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा यानी कि अब वो एक सौ डिग्री सेल्सियस पर उसको जब हम गर्म करेंगे तब वो खोलना शुरू होगा भाई दूसरी ओर लबड़ता अधिक होने पर हिमांक जो होता है वह कम हो जाता है यानी कि देर से जमता है और देर से उबलता है अब कम होने का मतलब क्या होता है कैसे कम हो जाता है हिमांक मतलब मान लीजिए बर्फ मान लीजिए यह पानी है पानी जो है तीन डिग्री सेल्सियस पर तीन डिग्री पर बर्फ बन जाता है लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बॉइलिंग वो सॉरी हिमांक जो हो गया कम हो गया अब ये तीन डिग्री में नहीं होगा अब ये वो सॉरी माइनस माइनस तीन डिग्री की बात हो रही है अब ये क्या होगा माइनस तीन डिग्री की जगह क्या हो गया अब ये माइनस चार डिग्री हो गया यानी कि पहले तीन पे ही हो जाता था अब ये चार डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा बर्फ के रूप में ये बदलेगा ठीक तो जल में लवणता के कारण जल का जो घनत्व है या घनापन है वह बढ़ जाता है समझा गया गनापन जो है वह बढ़ जाता है अधिक लवणता के कारण जो कार्वीकर है या कहें जल का भाप बनने की जो क्रिया होती है वह भी न के बराबर हो जाती है समुद्र की ठीक है चलिए महासागरीय लवणता के प्रमुख घटक देख लेते हैं तीन चार इसमें इंपॉर्टेंट है बाकी जानकारी के लिए मैंने यहां पर लिख दी है एक सागर होता है उसमें जो लवण पाया जाता है लवण पाया जाता है उसकी मात्रा हम देख लेते हैं हल्की सी सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होगी कुल मात्रा प्रति ग्राम में यानी कि सत्ताईस ग्राम होगी प्रतिशत कितना होगा सेवेंटी सेवन यानी कि सबसे अधिक मात्रा किसकी होगी सोडियम क्लोराइड दूसरा क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड तीसरा क्या है मैग्नीशियम सल्फेट यहां पर सभी को मैंने बना दिया है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये जहां तक अंदाज है सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या इधर होना चाहिए यह आपका सोडियम क्लोराइड ठीक ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड ठीक है है ये है आपका मैग्नीशियम सल्फेट ठीक तो इस तरह से तो यहां पर मैंने जो मात्रा लिख दी है और उनका कुल प्रसिद्ध लिख दिया कि इसमें सागरीय जल के लवणता के प्रमुख घटक तो सोडियम किलो कितना हो गया एक किलोग्राम या कहें एक हजार, एक हजार ग्राम जो सागरी जल है उसमें कितनी मात्रा होगी सत्ताईस सत्ताईस ग्राम क्या होगा नमक होगा यानी सोडियम क्लोराइड तीन से चार ग्राम क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट कितना होगा एक से डेढ़ ग्राम होगा ठीक है मात्रा यहां पर लिखी हुई है आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं दो से तीन इंपॉर्टेंट सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट ठीक है कैल्शियम सल्फेट भी चाहते हैं तो एक से एक से सवा ग्राम इसकी मात्रा हो सकती है चलिए आगे समझते हैं इसी में ही तो आइए सागरों में लवड़ता देख लेते हैं पूरी दुनिया में जो प्रमुख सागर हैं उनकी जो लबड़ता है किस तरह से कहाँ पर कितनी है तो महासागरों की औसत लवड़ता कितनी होनी चाहिए पैंतीस ग्राम पैंतीस ग्राम प्रति एक किलोग्राम पर यानी कि जो एक किलोग्राम जल है उसमें ठीक है कितनी होनी चाहिए पैंतीस ग्राम होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर सबसे अधिक पूरी दुनिया में यहां पर है यह आपका तुर्की तुर्की में एक झील पड़ती है उसको हम कहते हैं बान झील तो तुर्की की जो बान झील है विश्व की सबसे लवड़ीय झील है इसकी लवड़ता की अगर बात की जाए तो 330 330 प्रतिशत यानी कि एक किलोग्राम जल में कितना निकलता है लवण तीन सौ ग्राम ठीक इसके बाद मृत सागर यानी कि डेथ सी जो है इजराइल में इजराइल जॉर्डन और फिलिस्तीन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एक झील पड़ती है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यही, फिलिस्तीन यहीं पर एक झील है इसको हम कहते हैं मिरथ सागर तो मिरत सागर में जो लबड़ता है वो है आपका तीन दो सौ अड़तीस ठीक इसके बाद आती है ग्रेट साल्ट लेक जो कि आपका यूएसए में है ग्रेट साल्ट लेक कहां पर है मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट साल्ट लेक ठीक ये है इस तरह से ये यहाँ पर ग्रेट यूएसए में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सिटी भी है साल्ट लेक सिटी ठीक तो ग्रेट साल्ट लेक जो है दूसरे नंबर पर आती है पूर्वी वो सॉरी तीसरे नंबर पर आती है यानी कि सबसे पहले आता है आपका मृत वो बानजीव दूसरे नंबर पर आता है मराव सागर मैंने मैंने कि मृत सी या डेट सी ठीक है तीसरे नंबर पर आती है ग्रेट साल्ट लेक जो कि आपका यूएसए में है मैंने आप लोगों को दिखा दिया चौथे नंबर पर आती है आपकी सांबर झील जो कि राजस्थान में है इसके बाद है आपका कैस्पियन सागर की भी लबड़ता देख लेते हैं कैस्पियन सागर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जूम करके कैस्पियन सागर की लबड़ता ये है आपका कैस्पियन सागर जो कि आपका कजाका कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान यहाँ पर है अजरबैजान और ये रूस इस तरह से कुछ देश हैं ये सीमा बनाते हैं ठीक है आगे हम झीलों के बारे में बात करेंगे वो तब हम देख लेंगे ठीक है कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग की जो लबड़ता है उसकी है एक प्रति एक हजार गिरा वो प्रति एक हज़ार ग्राम पर ठीक इसका कैश्तीन सागर का उत्तरी जो भाग है इसकी लवड़ता बहुत कम है उत्तरी सागर इसलिए कम है क्योंकि यहां पर कई सारी जो झीलें हैं इसमें आकर गिरती हैं इसका मतलब ये सीधा सा है कि जब वो सॉरी कई सारी इसमें नदियां आकर उत्तरी भाग से यहां पर गिरती हैं इसलिए यहाँ का जो लवड़ता है वो क्या हो गया है लवड़ता बहुत कम हो गई है क्योंकि जो नदियां होती हैं वो ताज़ा ताज़ा पानी लेकर आती हैं सीधे सीधे कहाँ से पहाड़ी क्षेत्र ऊपरी क्षेत्र से नदियां पानी लाती हैं तो उसकी जो लवड़ता होती है बहुत कम होती है यही कारण है कि इसका उत्तरी भाग जो है लबड़ता कम है और दक्षिणी भाग की लवड़ता एक सौ पिचानवे तक है ठीक इसका लाल सागर तो आप सभी लोगों को पता ही है। लाल सागर की जो लबड़ता है वो आपकी चालीस परसेंट है यानी कि एक हजार ग्राम एक किलोग्राम जल में लवड़ जो सागर का जल है उसमें कितनी कितना नमक बनेगा चालीस परसेंट यानी कि चालीस ग्राम ठीक चलिए लाल सागर में आप लोगों को दिखा देता हूं ये आपका रेड सी सऊदी अरब वाले क्षेत्र में चलिए तो ये हो गई कुछ प्रमुख चलिए आगे बात करते हैं तो ओ, लवड़ता के बारे में बात कर रहे हैं महासागरों की औसत लवड़ता कितनी होनी चाहिए सामान्य रूप से पैंतीस पैंतीस प्रति एक हज़ार ग्राम पर ठीक प्रशांत महासागर की लवड़ता के बारे में हल्का से देख लेते हैं ये आपका प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र ठीक तो प्रशांत महासागर की जो लवड़ता है वो इकतीस से पैंतीस परसेंट प्रति ठीक है इसके बाद अटलांटिक महासागर की देखें तो प्रशांत महासागर से अधिक है ये अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र इसकी कितनी है छत्तीस इसके बाद हिंद महासागर की देखें तो आपका पैंतीस पर आती है बंगाली खाड़ी की अगर बात की जाए बंगाली खाड़ी वाले क्षेत्र की तो आपका छत्तीस आती है खुले सागरों की लवरता की बात की जाए यानी कि जहाँ पर आसपास कोई ये नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं खुले सागर वाला क्षेत्र ये इस तरह से तो यहाँ की जो लवरता है वो 33 से सैंतीस के बीच में है बिस्में सबसे अधिक लवड़ता बाझील में पाई जाती है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बाद मृत सागर में आती है इसके बाद ग्रेट साल्ट लेक यानी कि सबसे अगर देखकर अगर पूछी जाए तो बानझील नंबर दो पर मृत सागर यानी कि मरा हुआ सागर इसको हम हिंदी में सागर वाला कह सकते हैं या इसको डेड सी हम कहते हैं डेड नहीं डेड ठीक है इसके बाद ग्रेट साल्ट लेको आपका कहां पर मैंने बताया यूएसए वाले में यहां पर एक सिटी भी है साल्ट लेक चलिए महासागरी लवड़ता के स्रोत के बारे में बात करते हैं कौन कौन से स्रोत होते हैं जो महासागरी लवड़ता को प्रभावित करते हैं या फिर महासागरी लवड़ता वहां से आती है तो सबसे पहला जो है इसको हम वास्वीकरण भी कहते हैं ठीक है जहां जा, जहां पर वास्वीकरण अधिक होता है लवरता अधिक पाई जाती है जैसे कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में यहाँ पर ये रेखा विश्वत रेखा को भूल जाए क्यों भूल जाएँ वो हम बात करेंगे ये आपका कर्क रेखा वाला क्षेत्र और ये है मकर रेखा वाला क्षेत्र यहाँ पर जो तापमान रहता है तापमान काफ़ी अधिक रहता है इस कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या है बहुत अधिक लवड़ता पाई जाती और है और मकर रेखा की तरफ अगर बढ़े यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर भी जो लवड़ता है काफ़ी अधिक पाई जाती है अब पूछेंगे कि भूमस सागर पे भी तो बहुत अधिक तापमान रहता है क्योंकि सीधा सीधा यहाँ तो साल भर जो तापमान है उच्च रहता है यानी कि ताप किरणें जो होती हैं सीधी सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर तापमान सागर का क्यों अधिक नहीं रहता उसका कारण यह है कि जितना ये तापमान लेते हैं उसके साथ ही ये बाष्प अधिक बनाते हैं जब बाष्प अधिक बनाती है यानी कि बाष्पीकरण अधिक होता है इससे क्या रहता बादल है बादल बनते हैं बादल बनते ही बादल बनने के बाद जमाझम बारिश हो जाती है इसलिए क्या हुआ जितना लिया उतना ही वापस कर दिया तो क्या हुआ अरे ऐसे मान लीजिए हमारी अम्मा ने क्या कहा कि बेटा खोया करना खोया करना यानी कि खोए में नमक मान लीजिए वो खोया में से मान लीजिए पानी का खोया करने के लिए दिया पानी का खोया करने के लिए हमें दिया यानी कि उसमें बहुत सारा नमक निकालना था तो हम ऐसे करके नमक उसमें खोया कर रहे हैं बहुत देर से बैठे हुए हैं अब उसमें से देखा कि 300 मिलीलीटर जो है कह तीन ग्राम जो पानी था उसमें से जल गया हमने उधर से बासपीकड़ का जो पानी जला वो हमने फिर से वापस उसी में डाल दिया तो भैया क्या हुआ न तो वो कम हुआ न ज्यादा हुआ बात वही की वही रही यही कारण है कि बाजपीगढ़ जहां अधिक हुआ वहां पर क्या था क्योंकि भूमस सागर में उत्तरी क्षेत्र यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा से काफी अधिक मिलता है समझ में आ गया इतना आगे धीमे धीमे जब इनको हम और पढ़ते जाएंगे तो दिमाग में अपने आप इमेज बन जाएगी अपने आप हम समझ जाएंगे समझ आ गया कि किस तरह से जो भूमस सागर है यहाँ की जो लवड़ता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यहां पर मैं फिर से बता दूं कि जहां पर वासीकड़ अधिक होता है लबड़ता अधिक पाई जाती है यही कारण है कि कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है यहां पर लबड़ता अधिक है मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है कर आपका लबड़ता अधिक है लेकिन कर्क और मकर के अलावा भूमध्य रेखा पर इतनी अधिक नहीं होती क्योंकि यहां पर बहुत अधिक वासीकड़ के कारण अधिक वर्षा भी होती है इस इससे लवरता यहां पर कम पाई जाती है भूमध्य रेखा पर यानी विश्व रेखा पर यानी जीरो डिग्री आछांश पर जिन क्षेत्रों में वर्ष भर वर वर्षा होती है वहां लवरता जो होती है वह कम हो जाती है चलिए आगे समझते हैं इसी में दूसरा वही जब तापमान में ज्यादा स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है तापमान किस तरह से आपकी लवरता को प्रभावित करता है क्योंकि जब तापमान अधिक होगा तो बासीगढ़ अधिक होगा बासीगढ़ अधिक होगा तो पानी बरसेगा जहां पर पानी बरसेगा वहां पर तापमान लवरता कम होगी लेकिन यहां पर तापमान बढ़ेगा तापमान अधिक है बासीगढ़ अधिक हो तो रहा है लेकिन वर्षा बरसाने ऊपर ही वहां पर क्या होगा आपका लवड़ता अधिक हो जाएगी ठीक है तो तापमान का सीधा संबंध बासीगढ़ से होता है यानी जितना अधिक तापमान होगा बासवीकरण भी उतना ही होगा यही एक कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पास वाले क्षेत्र में है वहां पर लवड़ता अधिक पाई जाती है लेकिन भूमध्य रेखा के पास लबड़ता अधिक नहीं पाई जाती क्यों नहीं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पानी जब ज्यादा भाप बनेगी बानते बनते वो बादल के रूप में आ जाएगा जब बादल के रूप में आ जाएगा फिर वहीं जमा आजम पानी भर जाएगा और लौट फिर के कहानी वहीं की वहीं रहेगी ठीक है चलिए एक और नदी के जल का समुद्र में मिलना इससे क्या प्रभाव पड़ता है लवणता पर या कहें जो नमक की प्रक्रिया होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है मान लीजिए ये आपका सागर है ठीक सागर है और मैं गया सागर के किनारे मैंने कुछ थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया सागर के कहा मतलब पानी मैंने कोई हरकत नहीं की मतलब यहां पर मैंने ए, मैं नहीं हूं यहां पर ये मान लीजिए सागर है सागर में बहुत सारी आकर नदियां मिल रही हैं नदियां आप लोगों को पता ही है ऊपरी क्षेत्र से बहती हुई आती हैं हिमानियों से निकलती हैं पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और महासागर या सागर में या फिर किसी झील में जाकर मिल जाती हैं तो जो सागर वो सॉरी जो नदियाँ होती हैं वो पानी कैसा लेकर आती हैं पानी एकदम ताज़ा लेकर आती हैं कैसा उनकी लबड़ता बिल्कुल ना के बराबर होती है क्यों क्योंकि वो हिमानियों से लेकर आती है एकदम फ्रेश वाटर होता है यानी कि पीने योग्य पानी होता है तो वो जब जब मुहाने पर पहुँचेंगी मुहाने पर पहुंचेंगी, पहुंचेंगी यानी समुद्र के किनारे जाकर मिलेंगी तो जिस क्षेत्र में वो नदियां मिल रही हैं वहां पर क्या होगी लबड़ता जो होगी वो कम हो जाएगी यही कारण है कि नदी का जो मुहाना होता है वहां पर ताजा पानी पहुंचता है इसलिए नदी के मुहाने पर कम लबड़ता पाई जाती है और आगे वो तो आप लोग पता ही है आगे वाले क्षेत्र में लबड़ता अधिक होती है क्योंकि मैंने जब कैस्पियन सागर के बारे में बताया था कि किस तरह से कैस्पियन सागर की जो उत्तरी भाग था उसकी जो लबड़ता थी बहुत अधिक वो बहुत कम थी और दक्षिणी जो भाग थी उसकी लबड़ता कम से कम चार गुनी थी यानी कि ऊपर चार से चार क्या कम से कम दस से बारह गुनी थी यानी कि ऊपरी वाले क्षेत्र में तेईस परसेंट लबड़ता थी और दक्षिण वाले क्षेत्र में एक सौ पिचानवे परसेंट लबड़ता थी यानी कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो कैस्पियन सागर था यहाँ से ऊपरी क्षेत्र से आती है क्या हुआ इसमें बहुत सारी आकर नदियां आकर करती हैं तो ताज़ा पानी लाती हैं तो इससे क्या हुआ लबड़ता कम हो जाती है ठीक है तो मैं यहां पर क्या लिखा मैंने नदियां अपने साथ साफ पानी लाती हैं और जब ये समुद्र मिलती हैं तो उससे नदी के मुहाने पर लवड़ता कम हो जाती है जैसे कि आपकी कांगो नदी हो गई नदियों के बारे में हम आगे बात करेंगे फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कांगो नदी कहां पर है यहां पर कांगो कांगोगढ़ वाला क्षेत्र तो आपकी कांगो नदी हो गई ठीक है नाइजर नदी कहां हो गई नाइजर नदी यहां से निकलती है इस तरह से अफ्रीका वाले क्षेत्र ये निकलती है और इस तरह से गिनी तट के पास नाइजर नदी आकर गिर जाती है नाइजर नदी हो गई गंगा नदी का माना होगा गंगा नदी पूरी दुनिया जानती है कहां पर है भारत देश में गंगा नदी है और गंगा बहुत डेल्टा बिस्का सबसे बड़ा डेल्टा भी है तो आपका कांगो नदी का कोई भी नदी ले लिए उसके मुहाने पर क्या होगा जो समुद्र में जाकर गिरती है वहां का मुहाने का जो लवरता होगी वो काफी कम होगी जैसे कि आपका काला सागर जो है काला सागर में और कैस्पियन सागर में काला सागर में पहले मैं आप लोगों को बता दूं काला सागर में उत्तरी क्षेत्र से आपका निस्टर हो गई डेन्यूब नदी हो गई नीपर हो गई और भी कई सारी नदियां हैं यहां पर आकर गिरती हैं इससे ऊपरी वाले भाग का जो इसका ऊपरी क्या है इसका पूरे काला सागर जो है इसकी जो लबड़ता है वो अठारह परसेंट ही रह गई कोई ज़्यादा बड़ा सागर नहीं है छोटा सा है इसके बाद आपका कैस्पियन सागर को मैंने बारे में बता दी कि, कि किस तरह से ऊपरी वाले क्षेत्र से नदियां आती हैं कैस्पियन सागर एक झीली है ठीक है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है इसलिए इसको हम सागर कह देते हैं तो कैस्पियन सागर का उत्तरी वाला जो क्षेत्र है इसमें आकर नदियां गिरती हैं और इसकी जो लवड़ता है वो काफी कम कर दी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें किस तरह से नदियां गिरती हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेन्यू का मुहाना है और यहाँ से ये इस तरह से निष्ठा नदी आ रही है नीपर नदी भी आ रही है और भी कई सारी इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर से उत्तरी वाले क्षेत्र से कई सारी नदियां आकर मिलती है यूराली इसमें मिलती है बोलगा नदी में इसी मिलती है इस तरह से कई सारी नदियां मिलती है इसका ऊपरी वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है उत्तरी क्षेत्र में लबड़ता कम और दक्षिण वाले क्षेत्र में लबड़ता अधिक है काला सागर में बहुत सारी नदियां गिरती हैं इसलिए इस, इस काला सागर की जो लबड़ता है वो काफी कम हो गई है चलिए ये हो गया लबड़ता के बारे में जो भी प्रमुख जानकारी थी चलिए आगे बात करते हैं महासागरी धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूज करने वाली समझ में न आने वाली उस बीमारी को समाप्त यहाँ पर कर दूंगा किस तरह से मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के हल्के से बेस बना दूंगा क्योंकि अगर मैं जो पुरानी चीज़ें हैं जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ाई थी वो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से जो जल होता है गर्म होकर ऊपर उठता है किस तरह से जो लबड़ता अधिक होती है तो आ, कम लबड़ता वाला जो जल होता है किस ओर जाता है किस तरह से जो हवाएँ होती हैं किस तरह से धक्का मारती हैं पवनों को वो जल को तो इस तरह की चीज़ें हम जब समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि महासागिरी धाराएं किस तरह से कार्य करती होता है ये समझते हैं महासागिरी धाराओं के बारे में ओसिन करेंट्स जिसको हम कह देते हैं महासागरी धाराएं क्या होती हैं उससे समझने से पहले हल्का सा ऊपरी क्षेत्र में आप लोगों को तैराऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ये इस तरह से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ कलाकृति की है मैंने तो आइए देखते हैं तो महासागर या सागर में जल का एक निश्चित दिशा में क्या होता है बहने की जो प्रकृति होती है समझ में आ गया महासागर या सागर में जल का एक निश्चित दिशा में बहने की धारा को हम महासागरीय धारा कहते हैं इन धाराओं को दिशा गति आकार प्रकार और प्रभा के आधार पर कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है इन छोटे छोटे भागों को आपका प्रभा एक होता है जिसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं ड्रिफ्ट दूसरा होता है धारा जिसको हम करंट कहते हैं विशाल धारा जिसको हम स्ट्रीम भी कह देते हैं तो एक एक करके तीनों चीजों को समझेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभा के बारे में प्रभा क्या होता है उसको समझते हैं जब पवन वेग से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर सागरीय जल का सागरीय सतह का जल बहुत ही धीमी धीमी गति से गाना भी बनाए ना एक कविता है धीमे धीमे तो बहुत ही धीमी धीमे या कहें बहुत मंद गति से आगे की ओर प्रभावित होता है या प्रवाहित होता है या बहता है उसको हम प्रवाह कहते हैं यानी कि मान लीजिए ये आपका महासागरी क्षेत्र है महासागरी क्षेत्र यानी कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोगों को बताया था कि वाला क्षेत्र है तो ये जो क्षेत्र है डिग्री के इस तरह से ये आपका व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र है व्यापारिक पवन किस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और पछुआ पवन जो होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं ठीक है तो जिस दिशा में वो बहती हैं जिस दिशा में पछुआ पवन ठीक है तो जिस दिशा से वो बहती हैं उनके हिसाब से उनका नाम रख दिया जाता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं उनको हम व्यापारिक पवन कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं उनको पछुआ पवने कहते हैं तो पछुआ पवन जब मैंने बताया था कि पछुआ पवनों वाला जो क्षेत्र था पछुआ पवनों की जो पेटी होती है उन पेटी का जो उन पेटी का जो भाग होता है उसमें समुद्र का पूर्वी भाग जो होता है उसका तापमान क्या होता है अधिक होता है और पश्चिमी भाग का जो तापमान होता है वो कम होता है जबकि व्यापारिक पेटी या कहीं ट्रेड विंड्स जिस क्षेत्र में बहती है यानी कि व्यापारिक पवनों की जो पेटी होती है उस क्षेत्र का पूर्वी भाग का जल जो होता है उसका तापमान कम होता है और पश्चिमी भाग का जो तापमान होता है वह अधिक होता है वो किस कैसे प्रभावित होता है वो हवाओं के हवाओं के हवाओं से प्रेरित होकर वो धीमे धीमे मंद गति से आगे प्रभावित होता है प्रवाहित होता है उसको ही हम प्रवाह या ड्रिप्ट कह देते हैं दूसरा नंबर आता है उसको हम कहते हैं ठीक है ठेके? इसको मैंने यहां पर लिखा है कि जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में जल के आगे बढ़ने की गति को हम प्रवाह कह देते हैं दूसरा है विशाल धारा या स्ट्रीम जब समुद्र का जल बहुत तेज गति से जिस तरह से नदी बहती है एकदम जिस तरह से नदी का जल बहता है उसी गति से यदि समुद्र का जल जाए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है जब समुद्र का जल बहुत तेज गति से एक निश्चित दिशा में धरातल की नदियों की तरह आगे बढ़ता है तो उसको हम विशाल धारा कहते हैं यानी कि धरातल वो सॉरी समुद्र का जल जब हवा के साथ जब धीमे धीमे बहता है तो उसको हम ड्रिप्ट या प्रवाह कहते हैं जब नदी की भांति बहुत तेज गति से जब आपका जल क्या कर रहा है प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम विशाल धारा या स्ट्रीम कहते हैं जैसे कि आपका गल्फ स्ट्रीम यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही धारा करंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पूछने वाली चीज है, ये है और आती भी है एग्जाम में समझते हैं इसको जब समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में थोड़ी तेज गति से ना तो विशाल धारा की तरह बहुत तेज ना ही ड्रिप्ट या कहें प्रवाह की तरह बिल्कुल मंद गति से यानी कि थोड़ी सी तेज होगा तो जब समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में थोड़ी तेज भाव से आगे बढ़ता है उसे हम धारा कहते हैं सागर में होने वाली गतिविधियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये धाराएं ही होती हैं ये जो धाराएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं एक धारा होती है गर्म जल धारा दूसरी जो होती है ठंडी जलधारा तो दोनों को हम एक एक करके समझेंगे और महासागर की धारा को हम बात करेंगे और इस तरह से समझेंगे जो हमें कंफ्यूजन पैदा न हो तो सबसे पहले बात करते हैं गर्म जलधारा के बारे में या वार्म करंट ठीक है तो विश्वत रेखा से यानी कि मान लीजिए विश्वत रेखा है इस तरह से ठीक तो यह मान लीजिए विश्वत रेखा तो विश्वत रेखा से रेखा से ध्रुवों की ओर क्यों गर्म जलधारा कहती है विश्व रेखा गर्म गर्म क्षेत्र है तो गर्म जब धारा होगी तो विश्व रेखा की ओर विश्व रेखा से जब उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जब धाराएं चलती हैं तो उसको हम गर्म जलधाराएं कहते हैं फिर से मैं बता दे रहा हूं विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर या उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं इसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि हो जाती है ठीक है जैसे कि आपका ब्राजील का जलधारा यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका ब्राजील की जलधारा ब्राजील की जलधारा है यहां रेखा से आ रही है 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 और दक्षिण की ओर आती इससे क्या होता है? का क्या होता होता क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती है ठीक इसको हम आगे समझेंगे इसके बाद दूसरी जो जलधारा उसको हम कहते हैं ठंडी जलधारा या कोल्ड करंट तो ध्रुवों से ध्रुवों से यानी कि जो ऊपरी क्षेत्र होता है ध्रुवों से ही नहीं ऊपरी क्षेत्र जो होता है ऊपरी क्षेत्र से बिस्वत रेखा की ओर चलने वाली धाराओं को हम या कहें ध्रुवों से रेखा की ओर चलने वाली धाराओं को ठंडी जलधारा कहते हैं या कहें ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलने वाली धाराओं को ठंडी जलधारा कहते हैं और गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्रों में चलने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं ठीक है तो जिस ओर से चल रही उस नाम पर रखते हैं मैं अपने घर से निकला हूं तो मेरा नाम मेरे घर के आधार पर होगा यानी कि यह नहीं कि मैं किसी और के घर पे जा रहा हूँ तो मेरा नाम तब पड़ेगा अब मैं जब घर से निकला हूँ तो सब कुछ मेरी मम्मी मेरी माँ काढ़ के मेरा मुँह मुँह पहुंच पाँच के एकदम मेरा नाम रख के राजा बेटा तो मेरा नाम रख दिया मेरा राजा राजा बेटा जा रहा है तो मेरा नाम कहाँ से रखा जिस जगह से मैं चला हूँ तो मेरा नाम है क्या राजा बेटा भले फिर बाद में मुझे कुछ भी कहे रास्ते में वो चीज अलग है लेकिन मेरा जिस जगह से चला हूं उस जगह का एक निश्चित नाम होगा तो मैंने क्या बताया रेखा से जो धाराएं चलती हैं है, है। चाहे वो ठंडे क्षेत्र की ओर जा रही हो चाहे किसी क्षेत्र के लिए जा रही हो लेकिन उसका नाम किस क्या कहा जाएगा कि भैया गर्म जल धारा है नाम कैसे आधार पर रखा जिस क्षेत्र से वो चला चलिए तो समझते हैं मैंने क्या बताया इसमें मैंने क्या बताया कि ध्रुवों से विश्वती रेखा की ओर चलने वाली धारा को चलने वाली धारा को ठंडी जल धारा कहते हैं इसके कारण विस्वतीय क्षेत्रों के जल के तापमान में क्या होती है कमी आ जाती है या वो जो क्षेत्र होता है वहाँ के तापमान में कमी आ जाती है जैसे कि आपका लेब्राडोर की धारा अब आ, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ जैसे कि आपका ये लेब्राडोर की धारा है ठीक ये लेबराडोर की तो ये ध्रुवी क्षेत्र से नीचे की ओर आ रही है इससे क्या है कि यहां का जो क्षेत्र है वो यहाँ के क्षेत्र का जो तापमान है वो कम कर देता है यानी कि घटा देता है इसको हम एक एक करके समझेंगे जब धाराओं के बारे में गर्म और ठंडी पड़ेंगे और क्षेत्रों के पड़ेंगे तब तो हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे चलिए देखते हैं सॉरी धाराओं को धाराओं के उत्पन्न होने के कारण समझते हैं इनकी उत्पत्ति कुछ प्रमुख कारणों से होती है कौन कौन से कारण है गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हमें यहाँ नहीं पढ़ना है जरूरत भी नहीं है पृथ्वी का घूर्णन पढ़ेंगे वायु वायुमंडली दाब पवन है सूर्य का प्रकाश तट की दिशा तथा आकार मौसमी परिवर्तन बर्फ का गिरना लबड़ता वायुदाब दाब ये कुछ कारक हैं जो कि आपकी धाराओं को उत्पन्न करते हैं ठीक है यानी कि धाराओं को बनाने का कार्य करते हैं मान लीजिए पानी बिल्कुल सालता है है वो सब कुछ लेकिन कुछ ऐसे कार्ड हो जाते हैं जिस कार्ड वो एक निश्चित दिशा में बहने को मजबूर हो जाते हैं चाहे फिर वो लबड़ता ले लो चाहे फिर वो पवन ले लो चाहे सूर्य का प्रकाश ले लो चाहे फिर वो मौसमी कोई भी प्रकार हो उनको हम समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं धाराओं के उत्पन्न होने कार्ड में सबसे पहले होगा प्रचलित पवन है जब मैंने आप लोगों को धाराओं के बारे में पढ़ाया था कि जो आपकी तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं मैंने बताया था कि अगर आप लोगों ने वो चीज़ समझ ली तो बहुत बढ़िया बात है ये बिल्कुल आसानी से आपके दिमाग में घुस जाएगा वो नहीं समझ में आएगा तो इसे समझेंगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा चलिए समझते हैं प्रचलित पवन प्रचलित पवन कौन कौन से होते हैं जैसे कि आपका ट्रेड विंड्स हो गया आपका वेस्टर्लीज हो गया यानी कि पुरवैया और पछुआ इस तरह की कुछ पवन है तो धाराओं के उत्पन्न होने में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण जो होता है वह प्रचलित पवने होता है प्रचलित हवाएं ठीक है प्रचलित हवाएं जो होती हैं उनकी दिशा क्या होती है सालवर एक निश्चित दिशा में चलती है यानी कि जो ट्रेड विंस है या जो पछुआ पवन है वो सॉरी व्यापारिक पवन है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ठीक है पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम वहीं आपके जो पछुआ पवन है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस जगह से वो निकल रही हैं जिस क्षेत्र से वो निकल रही हैं वहां से उनका नाम रख दिया जाता है हमने अपना कुत्ता छोड़ा है तो भैया कुत्ता जिसके पे छोड़ा है ठंडी है, तो तो है, तो तो है, 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 है तो हवा का नाम भी किस आधार पर रखा जाएगा जिस क्षेत्र से वो जाएगा मैंने टॉमी छू कहा टॉमी मान लीजिए हवा तो मैंने टॉमी छू कहा तो उसका नाम मैं रखूंगा ठीक है तो इस तरह से चलिए तो मैंने क्या बताया कि पश्चिम दिशा से अगर हवा बहती है तो उसको पछुआ पवन कहते हैं पूर्वी दिशा से अगर हवा बहती है पश्चिम की ओर तो पूर्वी दिशा के नाम पर ही उसका नाम रहेगा ठीक ये चीज हमेशा ध्यान रखें कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे तो मैंने क्या बताया धारों के उत्पन्न होने में सबसे बड़ा कारण प्रचलित पवनों का या प्रचलित हवाओं का होता है प्रचलित हवाएं हमेशा एक दिशा में चलती है इससे क्या होता है सागर की ऊपरी सतह ऊपरी सतह में सतह से हमेशा क्या होता है हवाएं घर्षण करती रहती हैं घर्षण मैंने बताया था साधारण भाषा में समझे रगड़ा रगड़ी ये हाथ जो कर रहा है मेरा रगड़ा रगड़ी कर रहा है यानी कि एक दूसरे में रगड़ रहा है इसको ही हम घर्षण कहते हैं ठीक है तो जब हवाएं चलती हैं तो सागरी जल में क्या करती हैं रगड़ मारती हैं इस तरह से जब रगड़ मारती हैं तो पानी क्या करती हैं जिस दिशा से हवा आ रही है या जिस दिशा में हवा जा रही है उस दिशा में पानी को भी धकेलने की कोशिश करती हैं ठीक है तो मैंने क्या बताया इससे सागर की ऊपरी सतह से हमेशा जो हवाएं होती हैं वो घर्षण करती हैं और ऊपरी जल को आगे की ओर धक्का देती हैं जिससे धाराओं का क्या होता है जन्म होता है ठीक है विश्व की सभी प्रमुख धाराएं हवाओं के दिशा के अनुसार ही बहती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक है तो उत्तरी उष्ण उस, कटबंध में उष्ण कटबंध में या गर्म क्षेत्र में कर्क तथा मकर रेखा के बीच में सनमार्गी पवन है या व्यापारिक पवन है या ट्रेड बिन्स कुछ भी इनका नाम ले लो एक ही बात है सनमार्गी पवन है ठीक है व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स चलती हैं कौन से क्षेत्र मैंने क्या बताया ये आपका कर्क रेखा और ये मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है यहां पर कौन सी पवने चलती हैं आपकी व्यापारिक पवने चलती हो व्यापारिक पवने मैंने क्या बताया था व्यापारिक पवने हमेशा पूर्व से चलती है इसको हम पुरवैया भी कह देते हैं क्यों क्योंकि ये पूर से जा रही है किसका कुत्ता वही नाम रखेगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस जगह से वो जा रही हैं किस जगह जा रही है? उससे मतलब नहीं है जिस जगह के लिए जिस जगह से चली हैं वहां से नाम रखा जाएगा उनका ठीक है चलिए तो मैंने क्या बताया उस गठबंधन में तथा मकर रेखा के बीच में व्यापारिक पवने चलती हैं ये हमारे हवाएं पूर्व की ओर चलती हैं यानी कि पूर्व की ओर ठीक है पूर्व की ओर से चलती है यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है इसलिए ये हवाएं कौन सी ट्रेड ट्रेडविंड या व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम में चलती रहती हैं शीत तटबंध में पछुआ पवने चलती हैं जिसको हम वेस्टइंडीज भी कहते थे हैं ये हवाएं पश्चिम दिशा से चलती हैं पूर्व दिशा की ओर उसी तटिबंध में हमेशा ध्यान रखें ट्रेड विंड चलती हैं व्यापारिक पवने चलती हैं और जो होता है वहां पर पछुआ पवने चलती हैं पछुआ पवने किस चीज से जा रही हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हैं ठीक और ये हवाएं भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं इसलिए इनका क्या होता है ये कुछ धाराओं को क्या करती हैं उत्पन्न करती हैं इनको हम आगे समझेंगे चलिए एक और कारण देखते हैं तापमान में भिन्नता तापमान में भिन्नता किस तरह से और किस तरह से ये करती हैं जब समुद्र का जल गर्म होता है मैंने बताया था कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो वह क्या होता है वह ऊपर फैलता है मतलब एकदम गर्मी पकड़ेगा तो एकदम अरे भैया ऐसे मान लीजिए मैं किसी लाइन में खड़ा हूँ पैसे निकाल रहा हूँ पैसे निकालते निकालते भैया बहुत अच्छा बच्चा बन अच्छा के गया एकदम काफ़ी देर तक तो हो गई लेकिन बात नहीं बन पाई और बहुत दिमाग की हट गई दिमाग की हट गई जब जैसी मेरी दिमाग की हटी मेरा दिमाग में जो पानी भरा हुआ था मतलब जो मेरा जो भी मान लीजिए वो गर्म हो गया जैसी गर्म हुआ वैसी हल्का हो गया मतलब हल्का मतलब हल्का यहां का मतलब है आप बुद्धि से हल्के हो गए अगर हल्के ही नहीं हो गए अगर बुद्धि कम होगी हल्का मतलब बुद्धि कम होना तभी तो गुस्सा पकड़ेंगे तभी तो काम करेंगे अगर आपकी बुद्धि अच्छे से काम करती है तो क्या होगा आप कोई गलत काम नहीं करेंगे गुस्सा आपका आएगा नहीं जैसे ही आप गर्म हुए आप क्या हुए हल्के हो गए हल्के होकर एकदम खड़े हो गए और आसपास में एकदम सीना चौड़ा करके खड़े हो गए और दिखाने लगे कि हम हमें जल्दी से हमारा काम करना इसी तरह से यहां पर क्या हुआ समुद्र का जैसी जल गर्म हुआ वैसे ही हल्का हुआ और फैलने लगा हल्का होकर फैलने लगा इसलिए क्या हुआ समुद्र का तल क्या था ऊपर हो गया मैंने बताया था कि समुद्र का तल जो था तल ऊपर हो गया इससे ठंडा जल जो था वह जो ठंडा जबकि क्या था ठंडा जल ठंडा जल भारी होता है इसलिए है, नीचे की ओर बैठ जाता है जब नीचे की ओर बैठ गया तो क्या हुआ नीचे की ओर बैठ गया तो भैया जगह बन गई अब भैया वो ठंडा हो गया अभी तो मैंने दो चार लोगों की जगह घेर ली थी अब मैं क्या हो गया ठंडा हो गया लोगों ने गया। तो मैं ठंडा हो गया जैसी ठंडा हुआ मैं आराम से से तमीज बैठ गया तमीज से बैठ गया अब भैया जिस जगह में तीन लोग जगह मैंने बना दी तो दो तीन लोग और बैठ गए ऐसे इसको समझते हैं समझते हैं मैंने क्या बताया जब समुद्र का जल गर्म होता है तो वह हल्का होकर फैलता है फैलकर क्या होता है काफी स्थान घेर लेता है जबकि इससे क्या होता है समुद्र का तल जो होता है काफी ऊंचा उठ जाता है ठीक है जब समुद्र का तल काफी ऊंचा उठ जाता है तो समुद्र का जब ऊंचा उठ जाता है तो पानी क्या होता है जब ऊंचा होता है तो ढाल की ओर बहेगा ऊंचा होकर ढाल की ओर जिस ओर ढाल बन जाएगा उस ओर तो अब चाहिए जब ऊंचा हो गया तो अब वो पानी जाएगा कहां जाएगा कहां जाएगा वहां जहां पर ढाल मिलेगा अब ढाल कैसे मिलेगा ढाल मिलेगा वहां पर जहां पानी ठंडा होगा अब पानी दूसरी जगह हो गया ठंडा मान लीजिए यहां का जो पानी था इस तरह समझे यहां का जो पानी था वो हो गया गर्म गर्म होकर ऊपर ऐसे चौड़ा हो गया गर्म होकर अब दूसरी तरफ वहां पर पानी हो रहा था ठंडा पानी जब ठंडा हुआ तो हल्का हुआ जब हल्का हुआ तो जगह बनी तो जहां पर गर्म पानी था वो फैला है हल्के की तरफ भगा पानी क्या था हल्के की तरफ बगा यही कार्ड है कि जब पानी गर्म हो जाता है रेखा पर तो वह किस भागता है ठंडे की क्षेत्र में भागता है क्योंकि वहां पर क्या होता है पानी ठंडा होकर बैठ जाता है ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि यही ये कार्ड है कि जो धाराएं होती हैं गर्म से ठंडे की ओर चलती हैं गर्म से ठंडे की ओर बहती हैं तो इस तरह से तापमान में अंतर के कारण महासागर में धाराओं का जन्म होता है क्योंकि ठंडा पानी है ऊपर उठ गया गर्म वो सॉरी ठंडा पानी है नीचे बैठ गया गर्म पानी है ऊपर उठ गया अब ठंडा ने जब बैठने के बाद जगह बनाई उसको भरने के लिए गर्म पानी इस तरह से आ रहा है तो इस तरह से क्या हो गया कई सारी धाराओं का जन्म होता है इसको हम आगे बात करेंगे जब धाराएं जानेंगे ठीक है, जाना है। इसके बाद लवरता में अंतर समझते हैं लवरता के अंतर के कारण क्या होता है कुछ धाराओं का जन्म हो जाता है क्या होता है जब मान लीजिए सागर में क्या है लवरता अधिक हो जाती है अधिक लवरता वाला जल क्या होता है भारी हो जाता है जब जल भारी हो जाता है तो वह नीचे बैठ जाता है जब नीचे बैठता है तो भैया जगह खाली हो जाती है इससे कुछ जगह जब खाली होती है तो इस जगह को भरने के लिए कम जो लबड़ता वाला जल है वो यहां पर आएगा कम घनत्व वाला जो जल है वह यहां पर आता है और यही एक धारा का रूप ले लेता है यानी कि जब हल्का होता है यानी कि लबड़ता अधिक हो जाती है तो पानी क्या होता है हल्का हो जाता है हल्का होने के बाद जो कम लबड़ता वाला पानी है इस ओर बढ़ेगा यानी कि बाहर यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया तापमान में क्या होगा तापमान में जब पानी गर्म हो जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा ठंडा हो जाएगा तो बैठ जाएगा तो गर्म से ठंडी क्यों हो जाएगा लबड़ता के बारे में बात की जाए तो लबड़ता ये है ज्यादा लबड़ता है तो पानी बैठ जाएगा बैठ गया कम लड़ता है पानी ऊपर उठ गया पानी कम लबड़ता से कम लबड़ता से वो कम लबड़ता वाला पानी कहां जाएगा ज्यादा लबड़ता की ओर ठीक तो कम ज्यादा लबड़ता की ओर जाता है ठीक है समझा गया चलिए तो मैंने यहां पर क्या बताया कि अधिक लबड़ता वाला जल भारी होता है इसलिए नीचे बैठ जाता है इससे कुछ जगह खाली होती है इस जगह को भरने के लिए कम लबड़ता कम तो वाला जल आता है और यह धारा का रूप ले लेता है जैसे कि भूमध सागर के जल की लबड़ता ब, लबड़ता जो है वह बहुत कम है और यही एक कारण है कि अटलांटिक महासागर का जो जल है वह भूमध सागर की ओर बहता है इसलिए अटलांटिक महासागर से भूमध सागर की ओर एक जलधारा बहती है जिसको हम आगे बात करेंगे चलिए इसके बाद बात करते हैं बाष्पीकरण के बारे में बास्पीकर तापमान से संबंधित होता है जिस स्थान पर बाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर जिस स्थान पर बाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर जल का जो तट सॉरी जल का जो तल होता है वह नीचे चला जाता है क्योंकि भैया बाष्पीकड़ हो रहा है बाष्पीगढ़ का मतलब होता है पानी का भाप में बन जाना जो पानी है तो उसी पानी में से ही भाप बनेगा जब पानी में से भाप बना तो उसमें से कुछ पानी कम हो गया पानी कम हो गया तो भैया क्या हुआ पानी नीचे बैठ गया अब पानी है अब हमने मान लीजिए नाली में पड़ोस में नाली है पानी क्या था पानी निकाल दिया पड़ोसी ने और छोड़ दिया खाली नाली देखी पानी और छोड़ दिया तो जैसे ही कम हुआ वैसे ही जहाँ लबड़ जलवाष्प अधिक के कारण पानी कम हुआ तो जहाँ पर तापमान कम है जहां पर तापमान कम है जलवाष्प वो सॉरी पर जलवाष्प कम बन रही है भाप कम बन रही क्योंकि भैया पानी गर्म होगा तभी तो जलवाष्प बनेगी तो जहां पर सॉरी अधिक है वहां पर क्या होगा जलवाष्प अधिक बनेगी तल क्या होगा नीचे नीचे बैठेगा ठीक या इससे क्या होगा आ, कम तापमान वाले क्षेत्र से अधिक तापमान की ओर जल बहेगा समझ में गया यानी कि ठंडे क्षेत्र से गर्म की ओर भी जल बहेगा गर्म से ठंडे की ओर ठंडे से गर्म की ओर यह भी प्रक्रिया चलती है ठीक है तो मैंने क्या बताया जिन स्थानों पर बाष्पीकड़ अधिक होता है वहां पर जल तक का जो तल होता है वह नीचे हो जाता है इसका संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरी जगह का जल जल होता है जहाँ पर कम बाष्पीकड़ हो रहा है वहां से जल आकर इकट्ठा हो जाता है जिससे भी कई सारी धाराओं का जन्म हो जाता है जैसे कि भूम सागर में बाष्पीकड़ भूमत सागर में जब बाष्पीकरण बहुत अधिक होता है इसलिए इस खाली जगह को भरने के लिए अटलांटिक महासागर से जलाता है जिससे कई सारी जलधाराओं का निर्माण होता है भूमत सागर कहां पर है यहां पर आपका भूमत सागर है और यह आपका अटलांटिक महासागर इससे भूमत सागर की ओर कई सारी जलधाराएं जाती हैं चलिए धारा के उत्पन्न होने के और भी कई कारण है पृथ्वी का घोड़न पृथ्वी का घूर्णन किस तरह से कार्य करता है उसको हम समझते हैं पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर घूम रही है अपने अच्छ पर किस तरह से घूमती है यानी कि इस तरह से ये इस तरह से ये इस तरह से ये इसको हम कहते हैं अपने अक्ष पर घूमना ठीक ये अपने अक्ष पर घूम रही है ठीक है चलिए अपने अक्षर पर जिस तरह तो से फुटबॉल को हम उंगली पर घुमाते हैं उसको हम कहते हैं अपने अक्ष पर घूमना ठीक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है इससे क्या होता है कोरियोलिस बल जो होता है भैपे? पैदा होता है जब पबने पढ़ेंगे तब तो हम इसको बहुत डिटेल में जानेंगे कोरियोलिस बल क्या होता है किस तरह से कार्य करता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है यहाँ पर ये यह घूम रही है यहाँ पर ये अपने अपने अक्ष पर घूम रही है ठीक है इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है कोरियोलिस बल पैदा होता है इसके कारण बहता हुआ जो जल होता है वह मुड़कर यहाँ पर आप देख सकते हैं मुड़कर ये इस तरह से मुड़कर दीर्घ वृत्ताकार मार बना लेता है यानी कि इस तरह से चक्र वो आपने देखी ना चरखी घुमाते हैं दिवाली वाली तो इस तरह से जल क्या होता है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग बनाकर चलता है जिसको हम क्या कहते हैं गायर कहते हैं यानी कि द, बल बल कोरियोलिस के कारण किगरी जल जब दीर्घ वृत्ताकार एक मार्ग बना लेता है तो उसको हम गायर कहते हैं कुछ प्रमुख गायर भी हैं जिनमें से आप एक दो तीन चार सबके नाम मैंने यहां पर लिख दिए हैं पांच गायर्स हैं आपकी पूरी पृथ्वी पर जिसको हमें यहां पर चर्चा नहीं करनी है जो इंपॉर्टेंट की है उसको है। इन गायर्स में जब उत्तरी महासागर में इन गायर्स में जल जो होता है इन गायर्स के कारण जो जल होता है उत्तरी महासागर में घड़ी की सुई के दिशा में यानी घड़ी किस तरह से चलती है इस तरह से इस तरह से ये घड़ी चलती है ठीक है तो घड़ी की सुई की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में जल गायर्स का कर निर्माण करता है और दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है जल इस तरह से इस तरह से जल घूमता है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह से दीर्घ वृत्ताकार का कार्य करता है इस तरह से ठीक तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है इससे कोरियल बल का निर्माण होता है इस कारण बहता हुआ जल मुड़कर दीर्घ वीरताकार मार्ग बनाकर चलता है जिसे हम गायर कहते हैं यहां पर देख सकते हैं ये इस तरह से ठीक है इस तरह से ये इस तरह से यहाँ पर दीर्घ वृत्ता कर जिसे हम घायरत हैं इन घायरत में जल उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में बहता है यानी चारों ओर इस तरह से चक्कर काटता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गायर गायर्स का जो जल होता है वह सुई की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है इसलिए फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपने दाई और मुड़ जाती है यहां पर आप देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में ये है आपका दाया और ये है आपका बाया ठीक यानी कि ये दाया ये बाया तो उत्तरी गोलार्ध में जो जल होता है वह अपने दाई और मुड़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये अगर इस तरफ मुंह करके हम खड़े हैं तो ये हो जाएगा आपका दाया और ये हो जाएगा आपका बाया तो उत्तरी गोलार्ध में आपके दाई और जल रुक कर लेता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाई और रुक कर लेता है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरफ अगर मुंह कर रखा है तो ये हमारा सीधा हो जाएगा ये

करती है उसके कारण का निर्माण होता है उसके आपका फिर नियम के अनुसार ठीक चलिए समझते हैं धाराओं के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं किस तरह से ये कार्य करती हैं किस दिशा से किस दिशा में बहती हैं ठीक है तो आइए समझते हैं अटलांटिक महासागर की दो प्रकार की मैंने बताई थी दो प्रकार की धारा होती है एक तो होती है गर्म जलधारा और दूसरी होती है ठंडी जलधारा ठीक है तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे गर्म जलधाराओं के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं काफी देर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से कौन से क्षेत्र की धाराएं क्या कहलाएंगी गर्म जलधारा कहलाएंगी और कौन से क्षेत्र की ठंडी जलधाराएं कहलाएंगी चलिए समझते हैं सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी विश्व धारा उत्तरी उत्तरी धारा ये आपका उरी धारा है ये गर्म क्षेत्र से बहती है ठीक है दूसरी धारा है ब्राजील की धारा ये आपका उत्तरी क्षेत्र से बहती है गर्म क्षेत्र से नीचे ठंडे की क्षेत्र से आ रही है इस तरह से इसको हम कहते हैं ब्राजील की धारा ठीक इसके बाद तीसरा नंबर आता है गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम भी यहां पर गर्म

प्रवाह कहते हैं ठीक है फ्लोरिडा कहाँ है आपका ये उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका का यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है यानी कि एक राज्य है इसको हम कहते हैं फ्लोरिडा तो फ्लोरिडा में जो धारा जाती है वो आप कहलाती है फ्लोरिडा धारा समझ आ गया ये मैं जूम कर दूँ आप लोगों को अच्छे से दिख जाए ये यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरिडा करंट ठीक चलिए इसके बाद दक्षिणी विश्वत रेखीय धारा यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी दक्षिण वाले क्षेत्र से दक्षिण वाले क्षेत्र से जब ऊपर की ओर बैठती है तो इसको हम कहते हैं दक्षिण विश्वतीय रेखीय धारा तो यह आता आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि गर्म जलधारा ये किस तरह से है ठीक है इसके बाद ए... 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 एंटीलीज धारा कहां पर है एंटीलीज धारा जो है वो आपकी मैं उम्मीद करता हूं यहां पर होनी चाहिए एंटी लीज ये मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ ये है आपका इस तरह से ये जाती है गर्म से ठंडी की ओर जाती है इसको हम कहते हैं एंटीलीज धारा ठीक यहाँ पर एक इरमिंगर भी है करंट इन इर्मिंगर भी है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही ये बहती है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बनाया नहीं है ठीक है चलिए इसका ठंडे के बारे में बात कर लेते हैं ठंडा आप लोगों को पता ही अब अपने आप चल गया होगा कि ठंडे क्षेत्र से नीचे की ओर जाएगा उसको हम ठंडी जलधारा कहेंगे चलिए तो देखते हैं सबसे पहले बात आती है लेब्राडोर लेब्राडोर कहां पर स्थित है आपका ठंडे वाले यानी कि ठंडक वाले क्षेत्र क्षेत्र में या है। में है शीत कटबंधीय तो इसको हम क्या कहेंगे लेब्राडोर की धारा या कहें ठंडी जलधारा ठीक तो लेब्राडोर की धारा किस तरह चलती है ऊपर से नीचे की ओर यानी कि ठंडे से गर्म की ओर चलती है दूसरी है आपकी कनारी धारा कनारी कहां पर है ये आप यहां पर देख सकते हैं कनारी इस तरह से थिक? मैं इसमें भी आप लोगों को दिखा दूं ये इस तरह से ऊपर से आती है टंड की ओर विषुत्र रेखा की ओर बहती है इसको हम कहते हैं कनारी जलधारा अपने आप समझ में आ गया ना ऊपर से अगर आ रही है तो क्या है ठंडी जलधारा इसके बाद आती है बेंग्वेला बेंग्वेला जलधारा या कहें बेंग्वेला करंट अब बैंगवेला कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं ये है आपका दक्षिणी गोराद वाला क्षेत्र यहाँ पर जब आप सभी लोग जानते हैं ये शीत कर्तुबंध वाला क्षेत्र है शीतकटबंध से जब कोई धारा निकलती है तो वो ठंडी होगी ठंडी होगी तो वो किशोर जाएगी वो गर्म क्षेत्र में जाएगी तो ये क्या धारा धारा कहलाती है बैंगवेला जलधारा कौन से क्षेत्र में है आपका ये आपका के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं फोकलैंड द्वीप है? फोकलैंड द्वीप के पास से एक धारा जाती है ठंडे से गर्म की ओर उसको हम कहते हैं फोकलैंड धारा यहाँ पर ये ब्राजील की धारा ऊपर से आई रही है दोनों का जब मिलन हो जाता है तो यहाँ पर मत्स्य मतलब क्षेत्र बन जाता है जिसको हम आगे बात करेंगे ठीक है इसके बाद दक्षिणी अटलांटिक धारा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दक्षिण वाला क्षेत्र यहां से एक धारा जाती है इसको हम कहते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर उसको हम कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक धारा इसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले इरमिंगर बताया था जो कि गर्म नहीं है ठंडी है मैंने ध्यान नहीं दिया था दिमाग से उतर गया था ये गर्म वाले क्षेत्र से ठंडी की ओर बहती है इसको हम क्या कहते हैं इरमिंगर धारा जो कि उत्तरी अटलांटिक वाले क्षेत्र में बहती है ठीक इसके बाद आर्टिक प्रवाह आर्कटिक प्रवाह क्या उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह ठीक है इसको हम क्या कहते हैं आर्कटिक प्रवाह यह इस तरह से बहती है इस तरह से यहां ठीक चलिए मैं आप लोगों को हल्के से जूम करके दिखा देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं ये लेब्राडोर की धारा कैसी है ठंडी जलधारा ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कैसी ठंडी जल धारा ठीक है इसके बाद नॉर्वेरियन करंट आपकी ठंडा थंड़, ठंडी जल रहा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपकी ठंडी जल रहा गल्फ स्ट्रीम गर्म है क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है फिरोडा आपकी गर्म है अटलांटिक करंट आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अटलांटिक करंट जो है आपकी गर्म है ठीक इस तरह से यहाँ पर कनारी जो है गर्म से नीचे की ओर जा रही है तो आपकी गर्म है ठीक है चलिए यहाँ पर आप मैं एक बार फिर से जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आप देख सकते हैं इस तरह से ठीक समझा गया चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं प्रशांत महासागर की धारा या करंट ऑफ ओशियन के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्म जलधाराओ के बारे में गर्म जलधारा जो है आपकी सबसे पहले जो है ठीक यहां पर आप लोगों को मैं आप लोगों को जूम कर हूँ यह आपका जापान वाला क्षेत्र ठीक है जापान जापान के यहां से गर्म जलधारा बहती है ऊपर की ओर ठीक इसको हम क्या कहते हैं क्यूरो पर लिखा है वैसे क्यूरोसिओ भी इसको हम पढ़ते हैं ठीक है दूसरा जो है उत्तरी उत्तरीय बिस्वत, धारा यहां पर है आपका ये बिस्वत रेखा विश्व रेखा से बहती हुई है इसको हम कहते हैं उत्तरी विश्वत रेखीय धारा इसके बाद आती है उत्तरी प्रशांत धारा यहां पर आप देख सकते हैं उत्तरी प्रशांत धारा कहां पर है ये आपका उत्तरी प्रशांत धारा ठीक ये येखा क्या ये कर्क रेखा से ऊपर की ओर बहती है ठीक है तो विश्व रेखीय उत्तरी प्रशांत धारा इसके बाद आती है अल धारा जो कि यहाँ पर जरूरी नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर पेर पेरू तट वाले क्षेत्र से ये जाती है अनिनों के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि ये धारा न होकर क्या है एक प्रभाव होता है ठीक है चलिए सुसीमा धारा के बारे में अगर बात की जाए तो सुसीमा कहाँ है आप यहाँ पर देख सकते हैं सुसीमा अलास्का धारा कौन सी है ये है आपका यहाँ पर ये अलास्का वाला क्षेत्र यहाँ से एक धारा जाती है उसको हम कहते हैं अलास्का धारा ठीक है इसके बाद दक्षिण विश्वत रेखीय धारा के बारे में अगर बात की जाए तो ये दक्षिण विश्वत रेखीय धारा कौन से कैसी जलधारा है गर्म जलधारा है इसके बाद आती है यहाँ पर आ, यह ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से ये पूर्वी क्षेत्र से एक जलधारा जाती है उसको कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा क्योंकि इस क्षेत्र की इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कौन सा जाता आ जाता है हिंद महासागर आ जाता है हम कौन से बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है गर्म जलधारा है क्योंकि ये मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है मकर रेखा से आकर गर्म क्षेत्र से नीचे की ओर बहती है चलिए अब चलिए ठंडी जलधारा के बारे में बात करते हैं ठंडी कौन कौन सी है यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे पेरू है की धारा पेरू कहां यह दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका का यह है, है, है पश्चिमी भाग ठीक पूर्वी है पश्चिमी तो पश्चिमी किनारे से एक धारा जाती है नीचे से मकर रेखा को पार करती हुई यह रेखा की ओर जाती है इसको कहते हैं या है पेरू की धारा दूसरा है कैलिफोर्निया की धारा कैलिफोर्निया कहां पर है ये है उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका का ये है पश्चिमी तट पश्चिमी तट से ऊपरी क्षेत्र से ये विश्वत रेखा कर्क रेखा को पार करती हुई विश्व रेखा की ओर एक धारा बहती है इसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया की धारा क्यों ये रेखा के ऊपर से आ रही है सॉरी कर्क रेखा के ऊपर से आ रही है इसलिए कैसी हो गई है ठंडी जलधारा हो गई

रेखा की तरफ इसको कहते हैं ओकष्टक या आ, यहां पर ओ ही लिखा की रेखा है ठीक है ओ की धारा ठीक है इसके बाद पश्चिमी पवन प्रभा पश्चिमी पवन प्रभा कहां है पश्चिमी पवन प्रभा ठीक ये है आपका यहाँ पर यह है आपका यहाँ पर यह पश्चिमी पवन प्रभा ठीक है तो आइए एक नजर डाल लेते हैं यहां पर मैं आप लोगों सब को सबको जूम करके दिखा देता हूं यह आपका ओ की धारा क्यूराइल या ओयासीओ या कमचट का धारा नॉर्थ पैसिफिक करंट अलास्का करंट कैलिफोर्निया करंट आपका क्यूरोसियो करंट ठीक है ईस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ठीक है ये पेरू करंट पश्चिमी पवन प्रवाह पश्चिमी पवन प्रवाह ये आप देख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं देखते हैं हिंद महासागर की धारा हिंद महासागर की धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें दी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर जो हिंद महासागर वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत दी हैं मैप में आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि विस्वत विरुद्ध बिस, विस्वत धारा नहीं होती है कोई भी ठीक है यहाँ पर नहीं होती है मैंने काट दिया ये आप लोग कहीं पर आप अगर आपको दिखता है तो ये गलत है ठीक है यहाँ पर चलिए हिंद महासागर के सबसे पहले हम गर्म जलधारा के बारे में बात करेंगे गर्म जलधारा मैंने आप लोगों को बताया ये है कर्क रेखा ये है विश्वत रेखा ये है मकर रेखा मकर रेखा की ओर से अगर इस और जाती है कर्क रेखा से और उस ओर और जाती है या विश्व रेखा की ओर नीचे ऊपर कहीं भी जाती है तो उसको हम गर्म जलधारा कहेंगे ठीक है तो अग्लू आशा कहाँ है यह आपका अगलू आशा जलधारा धारा यह है आपका अग्लू आशा जलधारा कहां पर है यह, यह मेड़ागास कर, मेड़ागास कर है मोजाम्बिक वाला ये मेडागास्कर मेडागास्कर के यहां पर मोजाम्बिक चैनल है यहीं से विश्व मकर रेखा की तरफ से यहां नीचे की ओर जाती है इसको हम कहते हैं अगलू आशा की धारा ठीक इसके बाद है दक्षिण विश्वत रेखीय जलधारा अब दक्षिण विश्वत रेखी कैसे हो गई ये है आपका दक्षिण विश्वत रेखीय यानी विश्वत रेखा के दक्षिण में एक धारा जाती है उसको हम कहते हैं दक्षिण विश्वत रेखीय जल धारा ठीक इसके बाद आता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा जिसको हम बाद में बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से धारा जाती है यहाँ पर ठीक इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून धारा मानसून मानसून धारा के बारे में हम आगे बात करेंगे ठीक है चलिए इसके बाद ठंडी जलधारा के बारे में हल्का सा हम देख लेते हैं ठंडी जलधारा इसमें एक प्रमुख है जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा यानी कि मैंने इससे पहले प्रसन्न महासागर के बारे में बताया था तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा क्योंकि प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में आता है ये वाला जो क्षेत्र है आपका हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आता है तो ये ठंडी जलधारा क्योंकि ये मकर रेखा से नीचे से ऊपर की ओर जाती है ठीक है तो इसको हम कहते हैं क्या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा यहां पर मैंने कुछ चीज लिखी है उत्तर पूर्वी मानसून धारा मेडागास्कर की धारा मोजाम्बिक मुझा, धारा ये तीनों की अभी यहां पर जरूरत नहीं है बाद में जब हम बात करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे चलिए ये हो गया महासागरीय धाराओं के बारे में या ओशियन करंट के बारे में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं एल नीनो और लानिनो के बारे में तो ये धाराएं होती हैं क्या नहीं इन्हें धाराएं हम नहीं कहते हैं सहूलियत के लिए यानी कि आसानी हो समझने के लिए इसलिए हम इनको धाराएं कह देते हैं थोड़ी सी बुक्स वगैरह में धाराएं लिखी मिलती हैं तो हम इसको धारा के रूप में पढ़ते हैं लेकिन होती नहीं है ये प्रभाव कहलाते हैं तो क्या होते हैं ये प्रभाव होते हैं तो चलिए समझते हैं एल नीनो और ला नीनो को तो सबसे पहले बात करेंगे एल नीनो के बारे में ये यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एल नीनो की जब धारा होती है तो किस तरह से कहाँ पर कौन सा क्षेत्र बनता है तो उसको समझते हैं ये क्या होती है एक गर्म जलधारा होती है कौन सी एल नीनो एक गर्म जलधारा होती है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है इसकी उत्पत्ति जो होती है ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये है पूर्वी और ये है पश्चिमी तट तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पेरू तट के पश्चिम में पेरू तट के पश्चिम में इसकी उत्पत्ति होती है यह उत्तर से उत्तर कौन सा होता है ऊपर वाला और नीचे तो उत्तर से दक्षिण की ओर यह धारा चलती है इस इसे विपरीत विपरीत धारा या काउंटर करंट के नाम से भी जाना जाता है यह समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटने वाली एक घटना है इसे धारा न कहकर क्या कहते हैं करंट कहते हैं फिर से मैं बता दे रहा हूं कि यह है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी पूर्वी तट यह है पश्चिमी तट पश्चिमी तट पर एक देश है उसको हम कहते हैं पश्चिमी तट पर एक देश है उसको हम कहते हैं पेरू तो पेरू के तट पर एक धारा उत्पन्न होती है एक विश्व विपरीत धारा उत्पन्न होती है इसको हम एल नीनो धारा या एल नीनो प्रभाव कहते हैं चलिए समझते हैं आगे इसी को ही इससे होता क्या है क्या शुरुआत होती है जब यह धारा की शुरुआत होती है यहां पर देख सकते हैं नॉर्मल यानी कि जिस वर्ष आपका एलिनो का प्रभाव नहीं होता है वो ऊपर मैंने यहाँ पर बनाया है तो क्या होता है यह धारा इस तरह चलती से, चलती से चलती है यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर धारा ये चलती है और साधारण रूप से चलती है यहां पर जो क्षेत्र होता है न ज्यादा गर्म होता है न ठंडा होता है क्योंकि ये यह यहाँ पर क्या है ठंडा जल उत्तरी अमेरिका के तट पर ठीक तो यहाँ पर नॉर्मल प्रक्रिया चलती रहती है सारा जीवन भर यानी कि जिस वर्ष एल नीनो का प्रभाव या एल नीनो वर्ष नहीं होता है और इस तरह से ये हवा जाती है यहाँ पर चलती चली जाती है लेकिन होता क्या है जब एल नीनो जब जिस वर्ष नीनो प्रभाव देखा जाता है उस वर्ष क्या होता है बिल्कुल उल्टी स्थिति हो जाती है कहें विपरीत स्थिति हो जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यह यहाँ पर गर्म क्षेत्र था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर गर्म की जगह कैसा हो गया यहाँ पर तापमान गिर गया यानी कि कुछ जो गर्म से काफ़ी ठंडा हो जाता है लेकिन इस क्षेत्र पर क्या होता है ठंडा था पहले क्या हुआ अब यहाँ पर गर्म हो गया और यहाँ पर गर्म हो गया और एक धारा ऊपर चली जाती है मैंने बताया था दक्षिण से उत्तर की ओर एक धारा उत्तर की ओर चली जाती है इस तरह से यहाँ पर ये बाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर सूखा की स्थिति पैदा हो जाती है और पेरू तट जो होता है वहाँ पर घनघोर बारिश होती है तो चाहिए चलिए समझते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पर जब पेरू के पश्चिमी तट के पास पेरू की जो ठंडी जलधारा होती है वह थोड़ी सी दक्षिण में यानी नीचे की ओर खिसक जाती है जिससे एल नीनो क्या होता है एल नीनो का निर्माण होता है यह एक गर्म जलधारा है इससे समुद्र का तीन से चार डिग्री तापमान जो है वृद्धि हो जाती है यानी समुद्र का जो सारण तापमान होता है उसमें तीन से चार डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि हो जाती है यहाँ पर मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ठंडा वाला क्षेत्र है लेकिन जब एल की स्थिति आती है तो यहां का जो तापमान है तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है जब यह प्रभाव देखा जाता है तो यह प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप है या कहें भारतीय जो क्षेत्र है भारतीय मानसून पर भी गहरा प्रभाव डालता है जिस वर्ष एल नीनो की स्थिति पैदा होती है या एल नीनो जिस वर्ष होता है ठीक है उस वर्ष नीनो जिस वर्ष शक्तिशाली होता है उस साल पेरू के जो तट तट होता है यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है वहाँ पर घनघोर बारिश होती है बहुत अधिक वर्षा होती है यानी कि चार से छह गुना तक बारिश हो जाती है जबकि इसके उत्तरी यानी कि जो भारतीय क्षेत्र है यहाँ पर जो क्षेत्र है यहां पर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है यहां उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में भी यहां पर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है फिर से मैं बता दूं कि जिस वर्ष एल नीनो शक्तिशाली होता है उस वर्ष पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में क्योंकि प्रशांत महासागर यह है पूर्वी पूर्वी और यह है पश्चिमी वाला क्षेत्र ठीक है ठीक है तो पूर्वी प्रशांत महासागर में सामान्य से चार से छह गुना बारिश होती है जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सूखे की स्थिति हो जाती है इसका प्रभाव आपका भारत बांग्लादेश इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है क्योंकि जिस वर्ष एलिनो का प्रभाव होता है उस वर्ष जो भारतीय क्षेत्र है वहाँ पर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है या कहें मानसून काफ़ी देर से पहुँचता है समझ तो में आ गया फिर से साधारण वास्तव में बिल्कुल समझा देता हूँ कि वैसे सामान्य स्थिति क्या रहती है कि जो दक्षिण अमेरिका है दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है वहां पर वैसे साधारण रूप से जो हवाएं कैसी होती है यानी कि जल कैसा होता है ठंडा होता है लेकिन जब एलोनो का प्रभाव होता है तो वहां का जो जल होता है वह है गर्म हो जाता है गर्म होने के कारण क्या होता है जो पश्चिमी तट होता है दक्षिणी अमेरिका का वहां पर सामान्य से पाँच से छः गुना बारिश होती है जबकि इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया भारत है बांग्लादेश है इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है किससे होती है एलिनो के कारण

तो ये मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाया किसी को इससे परेशानी हो सकती है ये रात में सर्दी का मौसम है तो मैं रात में वीडियो बनाता हूँ अभी दो से ढाई बज रहे हैं तो करीब दो से ढाई करीब दो से तीन घंटे वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो ये काफ़ी परेशान करती है मुझे काफ़ी अटपटा लगता है इसलिए सभी साथियों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि इसका मेरा इलाज नहीं है क्योंकि अगर मैं ढूंढ सकता तो इसको मैं मार देता लेकिन इनकी ये प्रकृतिक है इन्हें हम रोक नहीं सकते ये करते हैं इस तरह ठीक है तो सॉरी सभी साथियों से अगर किसी को परेशानी हो रही हो चलिए ये बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है ये आप ध्यान रखें मैंने क्या बताया कि नीनो में क्या होता है कि यह एक विपरीत यह भी एक विपरीत धारा है यानी कि जो एल नीनो का जब प्रभाव होता है इसका उल्टा होता है ला नीना इस इससे क्या होता है कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो भाग है पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति तब आती है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव जो होता है समाप्त होता है यानी कि एल नीनो का जैसी प्रभाव समाप्त होता है ला नीनो की जो स्थिति है वो कहें ला नीनो प्रभाव शुरू हो जाता है यह है एक ठंडी जलधारा है यानी कि एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है लेकिन जो ला नीना है वो कैसी है एक ठंडी जलधारा है छन ठंडी जलधारा इससे प्रशांत महासागर के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक क्या होती है कमी आ जाती है यानी कि एल नीनो में तापमान बढ़ जाता है और इसमें तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक तो तापमान में कमी आ जाती है लालीना है वह एल नीनो की पूरी तरह से विपरीत जलधारा यानी कि जो प्रक्रिया नीनो में होता है उसका उल्टा आपका इसमें लालीना में होता है क्योंकि इसके कारण पूर्वी प्रशांत महासागर में सूखे की स्थिति आ जाती है जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर क्या होता है पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर बहुत अधिक वर्षा होती है फिर से आप लोगों को कल की समझा देता हूं कि जो एल नीनो की जब स्थिति आती है यहां पर देख सकते हैं एल नीनो की जब स्थिति यहां पर पहले सामान्य वर्ष देख लें यहां पर क्या होता है दक्षिणी अमेरिका का ये पश्चिमी तट है यहां पर ठंडी जलधारा है ठीक और ये यहां पर जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहां पर गर्म जलधारा है लेकिन एल नीनो का जब प्रभाव होता है तो कब एल नीनो का जब प्रभाव होता है तो यहां पर जो पश्चिमी जो तट है किसका दक्षिणी अमेरिका का वहां पर से चार डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है और पेरू तट पर का दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर छह से गुनी बारिश होती है जबकि ला नीना क्या होता है इसका उल्टा होता है ला नीना में क्या होता है पेरू तट पर क्या होता है सूखे की स्थिति आ जाती है और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में यानी कि यह भारत है आपका इंडोनेशिया है बांग्लादेश इन क्षेत्रों में घनघोर बारिश होती है ठीक है तो एल नीनो जो है वो ला नीना की विपरीत स्थिति बोल सकते हैं या फिर हम ऐसे कह सकते हैं एलिनो जो है एल, वो एल नीनो की स्थिति लानीना है, है। चलिए समझते हैं आगे महासागरी धाराओं का प्रभाव क्या है अभी मैंने महासागरी धाराएं आप लोगों को बताई ओसियन करंट बताई तो उनका प्रभाव क्या पड़ता है महासागरी धाराओं का प्रभाव देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ ओशियनिक करंट तो समझते हैं इनको किस तरह से इसका हमारे जीवन पर हमारी पृथ्वी पर हमारे जो सागर हैं हमारी जो प्रकृति है उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है सबसे पहले जो है पृथ्वी की ऊष्मा संतुलन पर ऊष्मा जब बजट पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को यहां पर डिटेल में बताऊंगा यहां पर हल्के से आप समझ लें कि पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन यानी कि पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन कैसे होता है इससे क्या होता है यानी कि जो धाराएं होती हैं इससे न ज्यादा किसी क्षेत्र का तापन अधिक हो पाता है ना ही किसी क्षेत्र का कम हो पाता है इससे क्या रहता है कि वहां पर जीने लायक परिस्थिति बनी रहती है किनसे ओशियन जो करंट होती है या कहें जो धाराएं होती हैं उससे जीने लायक कंडीशन बनी रहती है ठीक है इससे समझ में आ गया मैंने क्या बताया जो महासागिरी धाराएं हैं तापक्रम में असमानताएं दूर हो जाती हैं इससे न तापमान ज़्यादा गिर पाता है ना ही तापमान कम हो पाता है क्या होता है कि जब गर्म जलधाराएँ होती हैं जैसे मान लीजिए वो बताऊंगा पहले यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ जब गर्म जलधाराएँ ठंडे क्षेत्रों में जाती हैं तो वहाँ का जो ठंडा क्षेत्र है वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ा देती हैं यानी कि बिल्कुल मान लीजिए अभी किसी क्षेत्र में तो माइनस टेन डिग्री या माइनस सेवन डिग्री या माइनस सिक्स डिग्री तापमान है तो वहाँ पर जब कर गर्म जलधाराएँ पहुँचती हैं तो वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ा देती हैं वहां पर तापमान कितना हो जाएगा दो डिग्री तीन डिग्री तो जब तापमान बढ़ा देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा वो एक कंबल की तरह कार्य करेगी मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूं कि गर्म जलधाराएं ठंडे क्षेत्रों में जब जाती हैं तो वहां पर तापमान कम हो जाता है यानी कि ठंड कम हो जाती है तो वहां पर अच्छा लगता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन वाला क्षेत्र है यहां पर आपकी ब्रिटेन वाला क्षेत्र है नॉर्वे वाला क्षेत्र है डेनमार्क वाला क्षेत्र है यहाँ से एक धारा जाती है जिसको हम कहते हैं गर्म जलधारा जो कि है गर, गल्फ स्ट्रीम गर्म गल्फ स्ट्रीम जब यहाँ जाती है गर्म जलधारा आपका नॉर्वे के तट पर आपका ब्रिटेन वाले क्षेत्र में आपका डेनमार्क वाले क्षेत्र में स्वीडन वाले क्षेत्र में तो वहाँ पर क्या होती है गल्फ स्ट्रीम जो है वहाँ पर ठंड जो है वहाँ पर कम कर देती है यानी कि ये वहाँ पर कम्बल की तरह कार्य करती है जबकि ठंडी जलधाराएं जो होती हैं गर्म क्षेत्रों में आती हैं तो वहाँ की जो गर्मी होती है उसको कम कर देती हैं इससे क्या होता है वहाँ पर भी जीने लायक स्थिति बनी रहती है जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा लिख, बोल देता हूँ ठंडी जलधारा गर्म क्षेत्रों में जब पहुँचती हैं तो वहाँ पर ये जो ठंड है काफी बढ़ जाती है यहाँ या कहें वहाँ पर जो गर्मी है उससे काफ़ी राहत मिलती है तो जैसे कि आपकी जो लेब्राडोर धारा है ये आपकी ठंडी जलधारा है तो लेब्राडोर जलधारा लेबराडोर जलधारा जब ठंडे गर्म क्षेत्रों पहुंचती है तो वहां पर क्या करती है ठंड बढ़ा देती है या कहें वहां पर तापमान में गिरावट महसूस होती है जैसे कि आपकी जो लेबराडोर की धारा है गर्म क्षेत्रों में पहुंचती है न्यू फोकलैंड की जो धारा है ठंडी जो जलधारा है यहां पर गर्म क्षेत्रों में पहुंचती है तो वहां पर क्या करती है लेब्राडोर की धारा फॉकलैंड की धारा जैसी धाराएं बहुत सारे क्षेत्रों में भारी हिमपात का कारण बनती है यानी कि इतना तापमान गिरा देती है तो कभी कभी वहां पर हिमपात भी हो जाता है यानी कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वहां पर कुल्फी नहीं खा सकते वहां पर इंसानों की कुल्फी बन सकती है इतनी कभी कभी ठंड कर देती है कौन समझ आ गया ना किस तरह से उषमा संतुलन करती है यानी कि गर्म जलधारा है ठंडे क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो वहां पर क्या करती हैं वहां पर ठंड कम कर देती हैं जब ठंडी धारा गर्म क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो वहां पर क्या होता है ठंडी गर्म थोड़ी ठंडक बढ़ जाती है यानी कि थोड़ी उमस वगैरह कम हो जाती है थोड़ी वहां पर ठंड महसूस होने लगती है तो वहां पर गर्मी से हमें राहत मिल जाती है चलिए दूसरा समझते हैं वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है जो, जो आपकी जो ओशियनिक करंट है या क्या महासागरी जो धारा है उस पर वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है मान लीजिए यह है आपकी फॉकलैंड की धारा ठीक और ये है ब्राजील की धारा ब्राजील की धारा आपकी गर्म जलधारा और फॉकलैंड की जो धारा है, है।, है, है, है तो बहुत सारा धुआं पैदा, पैदा कर देती है इससे क्या होता है मैं फिर से बता दे रहा हूं गर्म और ठंडी जलधाराओं का जहां पर मिलन होता है मिलन वाले स्थल पर भयंकर कोहरा पैदा हो जाता है जिससे क्या होता है समुद्र में आने जाने वाली नावें आने जाने वाले जहाजों को देखने में बहुत परेशानी होती है इससे काफी एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं, तो यह एक परेशानी वाली बात है लेकिन इन दोनों खुशी की भी बात होगी बता दूं, क्योंकि तो कुछ देता है तो कुछ ले भी लेता है जैसे कि आपके मैंने अभी बताया जैसे कि न्यू फॉकलैंड है यहाँ पर एक द्वीप है इस वाले क्षेत्र में तो न्यू फॉकलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है और लेब्राडोर की धारा जो कि एक ठंडी जलधारा है इन दोनों का जब मिलन होता है तो वहां पर भयंकर कोहरा पैदा हो जाता है लेकिन वहां पर कुछ फायदा भी होता है वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा फिर से मैं बता देता हूं कि गर्म बता ठंडी जलधाराओं का जहां पर मिलन होता है वहां पर कोहरे की स्थिति या भयंकर कोहरा पैदा हो जाता है जिससे समुद्र में आने जाने वाले जहाज नावों को परेशानी होती है जैसे कि आपकी न्यू फॉकलैंड के पास लेब्राडोर की जलधारा तथा गल्फ टीम जो है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो भयंकर कोहरा पे, पैदा होता है आपका फॉकलैंड फॉकलैंड की धारा और ब्राजील की धारा जब पैदा वो आपस में जब मिलती है तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब आपस में मिलती है तो वहां पर कोहरे की स्थिति आ जाती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं मछली उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है दो धाराओं का या कहें करंट है या कहें मांसागिरी धाराएं है मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब दो धाराएं है मिलती हैं तो वहां पर क्या होता है वहां पर कोहरा बन जाता है लेकिन उस कोहरा के अलावा भी एक चीज होती है जहां पर गर्म तथा ठंडी जल धाराएं है मिलती हैं वहां पर मछली पकड़ने का केंद्र बन जाता है क्योंकि वहां पर प्लैंकटन का विकास हो जाता है जो कि मछलियों का एक प्रमुख भोजन होता है यहां पर मछलियां बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती हैं क्योंकि जब ठंडी जलधाराएं गर्म जलधाराओं से मिलती हैं तो वहां पर जीवन जीने लायक परिस्थिति बन जाती है जीव जंतुओं के लिए तो वहां पर क्या होते हैं छोटे छोटे प्लैंगटन्स जो होते हैं उनके जब हम प्रवाल भित्तियां पड़ेंगे वहां पर प्लैंगटन के बारे में बात कर लेंगे और भी कई जगह प्लैंगटन का आएगा यहां पर अभी नहीं जानते हैं तो प्लैंगटन्स जो होते हैं पैदा हो जाते हैं उनका वो मछली होती है उन्हें खाने आती जब मछली उन्हें खाने आती हैं, तो हम जैसी जो प्रजातियां जो कि हर चीज खा लेती हैं, जानवर दी जीव जंतु सब खा लेते हैं मछलियों को हम खाते हैं तो मछलियों को खाने के लिए हम क्या करते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं और दूसरों को खिलाने के लिए यानी कि उनका व्यापार करने के लिए हम वहां पर अपना क्या करते हैं मछली मत्स्य क्षेत्र वहां पर बन जाते हैं जैसे कि आपका लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की जो धारा जहां पर मिलती है गर्म और ठंडी जल धारा मिलती है आप अपने आप पर अंदाज लगा सकते हैं कि जहां पर जो दो धाराएं अगर मिल रही हैं तो वहां पर क्या होता है आपका मिलन जहाँ पर दो धाराओं का होता है वहां पर मत्स्य मतलब क्षेत्र होगा ही होगा क्योंकि वहां पर प्लैंगटन की अच्छी स्थिति होती है जैसे लेब्राडोर की धारा मिल रही है गल्फ स्ट्रीम के साथ आपकी ब्राजील की धारा मिल रही है न्यू फोकलैंड के साथ ओयासियो ओया वाली धारा मिलती है क्यूरोसिओ के साथ तो इस तरह के यहाँ पर कुछ प्रमुख आपके मछली उत्पादन क्षेत्र है जो हम आगे बात करेंगे ठीक है वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका जो उसी करंट हैं यानी कि महासागिरी धारा हैं वर्षा पर प्रभाव समझते हैं गर्म जलधारा के ऊपर चलने वाली जो हवाएं होती हैं हवा पर जल से क्या करती हैं काफी नमी ग्रहण कर लेती हैं इससे क्या होता है जब वो ऊंचाई पर पहुंचती हैं हो जाता है जैसे ही संगणन हो जाता है उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है और उनकी कहानी खत्म हो जाती है और वो बारिश की बूंदों के रूप में नीचे आने आने लगती लगती है है इसको मैं हल्के समझा दूंगा आप लोगों को कि कि बारिश के के बूंदों रूप में आने लगती है। जैसे कि आपका ओया की धारा है जो कि एक गर्म जलधारा है वो सॉरी ठंडी जलधारा है और क्यूरोसिया की जो धारा है जो कि एक गर्म जलधारा है ये दोनों जब आपस में मिलती है तो क्या होता है आपके यहां पर मत शेत पाया जाता है लेकिन क्यूरोसिया की जो धारा यहाँ पर देख सकते हैं क्यूरोसिया की धारा से जो हवाएं बहती हुई जो हवाएं बहती हैं उसके ऊपर से जब जाती हैं क्या अरे गर्म क्षेत्र में जब होगा तो वाष्पन होता है वाष्पन जब होता है तो वहां तो से अगर हवाएं गुजरी तो उस भाप जो है उसमें ऐसे क्या करेंगी नमी को ग्रहण कर लेंगी जब नमी को ग्रहण कर लेंगी अरे ऐसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा कहीं पर धूप धूप पड़ रही है और जब बहुत ज्यादा आप धूप पड़ रही है और उस क्षेत्र से आप बैक जाते हुए जा रहे हैं तो बाइक चलाते हुए जब जाएंगे तो आपके शरीर की जो नमी होगी वो बिल्कुल सूख जाएगी यानी कि आपके होंठ वगैरह कैसे हो जाएंगे बिल्कुल प्लास्टिक जैसे महसूस होंगे क्यों क्योंकि वहां पर नमी नहीं है लेकिन किसी ऐसे क्षेत्र से जाएंगे जहां पर गर्मी भी है और पानी भी है।, पानी भी है पानी भी है गर्मी भी है तो वहां पर क्या होगा जब वहां से आप गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा चिपचिपापन इस तरह से आप वहां पर चिपचिपापन महसूस करेंगे क्यों वहां उमस सी महसूस हो रही है ठीक है समझ आ गया तो मैंने क्या बताया कि क्यूरोसिया की जो धारा है इसके ऊपर से जो हवाएं गुजरती हैं इससे क्या करती हैं नमी ग्रहण कर लेती हैं नमी ग्रहण करने के बाद जापान के पूर्वी क्षेत्र पर जैसी टकराती हैं पहाड़ी क्षेत्र पर वहाँ पर घनघोर बारिश कर देती हैं वो बहुत तो लाभदायक होती है जापान के लिए चलिए आगे तो साथियों ये हो गई आपकी महासागरीय धाराओं के बारे में जो भी जानकारी थी उसके प्रभाव उनकी उनकी स्थिति उनकी अवस्थिति कैसे इनका पैदा होती है इस तरह की सारी चीजें छोटी मोटी हर एक चीज यानी कौन कौन से इन पे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं सारी चीजें यानी चलिए समझते हैं आगे चलिए साथियों समझते हैं ज्वार भाटा को ज्वार क्या होता है भाटा क्या होता है इसको हम समझेंगे सबसे पहले बात करेंगे ज्वार के बारे में दोनों चीजों को एक एक करके समझेंगे तो ज्वार भाटा होता क्या है ज्वार होता है ऊपर उठना और भाटा मतलब घाटा हो जाना नीचे गिर जाना मान लीजिए आपको मैंने बीस रुपये उधार दिए बीस रुपए उधार देने के बाद आपने कही भैया ऐसा है हमने कोई बिजनेस किया बीस रुपए में मतलब आज से दो साल पहले की बात है उस समय बिजनेस हो जाया करता था आपने कहा कि भाई साहब ऐसा है बीस रुपए आपने जो हमें दिए थे अब हमें क्या हुआ हमें घाटा हो गया घाटा मतलब ये हो गया कि हमारी जो बीस रुपए की स्थिति थी अब वो हमें दस ही रुपए देंगे वो हमारी जो स्थिति थी क्या हो गई गिर गई तो ज्वार क्या हुआ उठना और भाटा क्या हुआ घाटा हो जाना यानी कि नीचे गिर जाना उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा ज्वार क्या होता है भाटा क्या होता है इतना काफी है क्योंकि कंफ्यूजन पैदा नहीं हो अब आगे की समझते हैं सूर्य और चंद्रमा क्या होता है आकर्षण बल पैदा करते हैं या कहें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है सागर का जल होता है जो पृथ्वी पर जो सागर है उनके जल का क्या होता है ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं फिर से मैं बता देता हूं कि सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वो क्योंकि सबका अपना अपना आ, क्या है गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो क्या करते हैं पृथ्वी का जो जल है पृथ्वी का जो जल है उससे उस पर क्या करते हैं अपना आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जल जो है ऊपर हल्का सा उठ जाता है ऊपर उठने के बाद वो जल नीचे जाता है और यही प्रक्रिया क्या, क्या कहलाती है जब यहां पर मान लीजिए यहां पर दोनों प्रक्रिया दिख रही है एक खाली स्थान यानी कि भाटा वाला और दूसरा भरा हुआ स्थान यानी कि ज्वार वाला तो जब पृथ्वी पर जो जल है समुद्र है उसका जल जब ऊपर उठता है तो हम उसको क्या कह देते हैं ज्वार कह देते हैं जब वही जल नीचे जाता है तो क्या कहलाता है भाटा कहलाता है किसके कारण होता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ठीक है और भी कई कारण होते हैं चलिए समझते हैं तो फिर से मैं बता देता हूं सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागर के जल का ऊपर तथा नीचे गिरने की घटना को ज्वार भाटा कहते हैं जब समुद्री जल एक तरंग के रूप में ऊपर उठता है तो ज्वार या ज्वार तरंग कहलाती है इस क्रिया से समुद्री जो जल है समुद्री जल तरंगों के रूप में ऊपर उठता है यानी कि समुद्री जल जो है तरंगों के रूप में ऊपर उठता है और आगे बढ़ता है लेकिन जब वही समुद्री जल फिर से पीछे हटता है यानी कि मान लीजिए समुद्र का तट है यानी कि जब ये ऊपर उठा तो क्या हुआ समुद्र के तट को भी पार कर गया और काफी अंदर तक तो घुस गया लेकिन यही जल जब नीचे झुकेगा तो जायसी बात है समुद्र के तल से क्या होगा तट जो है उससे पीछे चला जाएगा तो समुद्र का जो जल है समुद्री तट से जब पीछे हटता है यानी सागर की तली पर वापस लौटता है तो यह स्थिति भाटा कहलाती है समझ में आ गया चलिए ये पूछा जाता है तरंग और गर्त क्या होती है तो तरंग

जो ज्वार भाटा है सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की आकर्षक आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं लेकिन चंद्रमा क्या है पृथ्वी से कम दूरी पर है यानी कि सूर्य की, सूर की तुलना में पृथ्वी के पास है इसलिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है या का चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति आकर्ष शक्ति मतलब अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है अपनी ओर आकर्षण करना जैसे कि मैं कहीं पर जा रहा हूं और जाते जाते किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हूं या अपनी ओर आकर्षित करता हूं तो वो मेरी आकर्षक शक्ति हो गई उसको क्या कहेंगे उसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कह सकते हैं जैसे कि मैं अभी के कहीं जा रहा हूँ कोई स्पेशल बाइक चला के करीब तीन से चार लाख रुपए की और हूँ करते हुए जा रहा हूँ तो वो क्या है कि लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा क्यों मेरी औकात नहीं है बीस हजार रुपए की बाइक खरीदने के लिए एकदम मैं चार से पांच लाख रुपए की बाइक पे जा रहा हूँ तो क्या हुआ आकर्षण का केंद्र बन गया यानी कि अपनी ओर खींचा लोगों को अरे भैया अरे कहाँ से जरूर कहीं से जेबे काटा होगा अरे जरूर कुछ ना कुछ कांड कर दिया होगा तो ये समझ में आया ना आकर्षण किया यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यही होता है चंद्रमा क्या करता है अपनी ओर उस जल को आकर्षित करता है यानी कि खींचता है ठीक चलिए तो मैंने क्या बताया वैसे तो पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की आकर्ष शक्ति का प्रभाव पड़ता है लेकिन चंद्रमा सूर्य के मुकाबले पृथ्वी से ज्यादा पास में है या काफ़ी पास में है इसलिए चंद्रमा की जो सॉरी आकर्षण शक्ति है या आकर्षक आकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव काफी अधिक पड़ता है यानी कि लगभग दोगुना होता है किसके मुकाबले सूर्य के मुकाबले इसलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव क्या होता है दोगुना होता है इसलिए क्या होता है पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा का चंद्रमा पृथ्वी का पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा का भाग होता है उस तरफ क्या होता है ज्वार आता है लेकिन पृथ्वी के विपरीत भाग पर क्या होता है ज्वार पृथ्वी के किसके कारण आता है अप केंद्रीय बल के कारण तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं ये मान लीजिए ये आपकी पूरी पृथ्वी है ठीक पृथ्वी पर जल भी है ठीक है तो क्या हुआ अब ऐसे मान लीजिए ये मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं मेरे ये इस तरफ मुंह है तो मुंह जब है तो मैं ये कोई आदमी आया यहां पर लेके चंद्रमा मान लीजिए चंद्रमा तो चंद्रमा ने अब पानी भी है और ईश्वर भी है यानी कि पानी दोनों तरफ है यानी कि एक हाथ ये एक हाथ ये अब भैया जो शक्ति है चंद्रमा की केंद्र वाली वो उसने क्या कर दिया इस तरफ का जो पानी है वो खींचा तो क्या हुआ एक जो तरफ है इसका जो सामने वाला जिस तरफ चंद्रमा है उस तरफ तो ज्वार आया ही आया लेकिन दूसरी तरफ अपकेंद्रीय शक्ति के कारण यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण दूसरी तरफ यानी कि दूसरी तरफ चंद्रमा की कार नहीं आया है ज्वार किसके कारण आया है एक तरफ एक जिस तरफ चंद्रमा का तरफ जिस तरफ जिस पृथ्वी का मुंह है उस तरफ तो चंद्रमा के बल के काड़ और दूसरी तरफ किसके अपकेंद्रीय शक्ति या अपकेंद्रीय बल के कार फिर से बता दे रहा हूं कि पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा का मुख होता है या चंद्रमा का भाग होता है उस तरफ ज्वार आता है लेकिन पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी कि जिस तरफ चंद्रमा का भाग नहीं उसके ठीक विपरीत यानी कि एक तो इस तरफ का जो जल है वो तो चंद्रमा की शक्ति कारण ले दूसरी तरफ का जो जल है वो अपकेंद्रीय बल के कारण ऊपर उठा समझ में आ गया चलिए आगे समझते हैं ज्वार आने का समय देख लेते हैं किस तरह से ज्वार आता है कब-कब आता है तो ज्वार भाटा मैंने बताया था ज्वार भाटा है प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में दो बार आता है यानी कि जो पूरी पृथ्वी है पूरी पृथ्वी पर प्रत्येक 24 ग, 24 घंटे में के, कितने बार आता है दो बार आता है ठीक है एक बार तो एक बार तो मैंने बताया था एक बार जो आता है चंद्रमा का क्या है अपकेंद्रीय सॉरी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के या चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आता है लेकिन दूसरा क्या होता है उसके आकर्षण के कारण नहीं होता बल्कि अव केंद्रीय बल के कारण है प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन यानी कि मान लीजिए चाहे ये भारत वाला समुद्री क्षेत्र है चाहे अमेरिका वाला चाहे कोई सा भी क्षेत्र है प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट 12 घंटे 26 मिनट बाद एक ज्वार आता है और उस ज्वार के बाद उस ज्वार के कितने घंटे बाद 6 घंटे 13 मिनट बाद दूसरा ज्वार आता है पहला ज्वार कब आया बारह घंटे छब्बीस मिनट बाद और दूसरा ज्वार कब आया छः घंटे तेरह मिनट बाद आया ठीक चलिए चलिए आगे समझते हैं जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ मिलकर कार्य करता है इस कारण उच्च ज्वार या कहें बृहद ज्वार आता है मान लीजिए ये मेरा मैं खड़ा हूं यहाँ पर ठीक मेरा ये हाथ है इस तरफ तो हुआ क्या मेरा रोज हाथ जो है मैं एक लड़की हूं मान सकते हैं आप रोज मेरा जो हाथ है एक लड़का आता है जिसका नाम है चांद रोज मेरा हाथ पकड़ता है और खींचता है और छोड़ देता है लेकिन एक दिन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि सूर्य के साथ चंद्रमा भी आ जाता है तो जब दोनों लोग मिलकर जब हाथ खींचते हैं तो मेरा जो हाथ है उसमें काफी बल लगता है तो मेरा जो हाथ है वो काफी दूर तक ही लोग खींच लेते हैं समझ में आ गया किस तरह से मैंने क्या बताया कि मैं हूं या मान लीजिए ये कोई भी है आप अपना हाथ मान सकते हैं तो चंद्रमा जो है उसका रोज हाथ खींचता है लेकिन क्या होता है जब कभी भी ये आपका सूर्य है जब इसका जो एक साथ दोनों बल लगाएंगे तो क्या होगा ज्यादा शक्ति लगाएंगे तो इसलिए क्या होगा ज्यादा ऊपर तक जल उठ जाएगा इस स्थिति को हम क्या कह देते हैं बृहत ज्वार कहते हैं उच्च ज्वार कह देते हैं फिर से मैं बता देता हूं यहां पर मैंने आप लोगों को दिखा देता हूं ये चंद्रमा है और ये सूर्य है ठीक है तो मैंने क्या बताया कभी कभी सूर्य के साथ वो चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में आते हैं इस कारण क्या होता है चंद्रमा भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है और सूर्य भी लगा रहा है इसलिए डबल ताकत लग रही है इस कारण क्या होता है अमावस्या की रात को आपका जो स्थिति बनता है वह उच्च ज्वार की स्थिति बनती है ठीक है फिर से मैं बता देता हूँ यह स्थिति पूर्णिमा की रात को व्युति कहलाती है तथा अमावस्या की रात के को क्या कहलाती कहला है युति कहलाती है यानी कि अमावस्या तथा पूर्णिमा की रात को यह स्थिति आती है जब चंद्रमा और सूर्य एक ही सीध में होते हैं और इस स्थिति को क्या होता है उच्च ज्वार आता है इसका सीधा सा मतलब है कि महीने में दो बार उच्च ज्वार आता है यानी कि एक दिन पूर्णिमा की रात को और या कहें एक पूर्णिमा वाले रात को और दूसरा अमावस्या वाली रात को क्या होता है उच्च ज्वार आता है ठीक क्योंकि अमावस्या की रात को भी ये सूर्य चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में है और दूसरी जो है आपकी पूर्णिमा जब अमावस्या की जो रात होती है वह क्या कहलाती है युति कहलाती है यहाँ पर लिखा है युति कहलाती है और जब पूर्णिमा की रात की जो स्थिति होती है उसको व्युति कहते हैं भी युति कहते हैं ठीक है लेकिन कभी कभी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि जब चंद्रमा और सूर्य होते हैं तो 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं 90 डिग्री यानी कि समकोण की स्थिति बन जाती है समकोण कैसा होता है 90 डिग्री इस तरह से तो ये जो है आपका मान लीजिए पृथ्वी है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा जो हाथ है चंद्रमा तो रोज खींचता है लेकिन चंद्रमा और सूर्य अगर दोनों लोग मिलकर खींचे तो काफी ताकत उसी हाथ में लगा सकते हैं और वो मेरे हाथ में दर्द कर देते हैं क्योंकि जब काफी ताकत से खींचेंगे तो दर्द हो जाता है अगर दोनों लोग मिलकर खींचते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है चंद्रमा जो होता है वो चंद्रमा तो खींच ही रहा है मेरा हाथ लेकिन उतनी ताकत क्या हो रहा है इस ओर से भी लग रही है तो जब जो जोर लगा के ऐसा वाला खेल खेला ना आप लोगों के यानी कि उतनी चीज मेरी यहां पर रखी हुई है आधा वाले यहां पर लग रहा है और आधा वाले यहां पर लग रहा है तो क्या हुआ जब दो लोग खींच रहे हैं विपरीत दिशा में यानी कि एक उधर से और एक उधर से बीच की स्थिति रह जाती है ना तो ये ताकत अपनी लगा पा रहा है ना ज्यादा ये खींच पा रहा है मैं बीच में रह जाता हूं न ज्यादा इधर खींच पा रहा है कोई मुझे न इधर खींच पा रहा है तो इसलिए क्या होता है जो मेरा जल है या जो मेरा पानी है समुद्र का वो ज्यादा नहीं उठ पाता बल्कि हल्का उठता है यानी कि हल्का उठता क्यों क्योंकि यहां से भी पे ये पानी उठा रहा है मेरा और यहां से भी पानी भैया उतना ही है यानी कि एक गिलास पानी है अभी अब अभी मान लीजिए आप मेरे गली में निकले और मैंने क्या किया गिलास पानी भर के मैंने आपके मुंह पे मार दिया आपके मुंह पे उस गिलास को पानी को भर के मैंने मुंह पे मार दिया लेकिन क्या हुआ आपका पूरा मुंह पूरा पूरा आपका आप गीले हो गए लेकिन वही जो पानी है मैं आधा पानी आपके ऊपर डालूं और आधा पानी आप आ, आप पड़ोसी के ऊपर डालूं तो न तो आप गीले होंगे न पड़ोसी गीला होगा तो इससे क्या समझ में आया कि इसी तरह से यहां पर क्या हुआ उतना ही पानी इसके पास है और उससे क्या हुआ इधर चंद्रमा भी बल लगा रहा है और सूर्य भी बल लगा रहा है जब चंद्रमा और सूर्य जब बल लगा रहे हैं तो दोनों का जो बल है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं इसलिए ना तो चंद्रमा ज़्यादा ताकत लगाकर पानी को ऊपर उठा पा रहा है ना ही सूर्य पानी उठा पा रहा है इसलिए क्या होता है निम्न ज्वार की स्थिति बनती है यानी कि पानी जो है या कहें समुद्र का जो जल है वह कम ही ऊपर उठ, उठ, उठ पाता है यह महीने के दो दिन होता है पूर्णिमा की अष्टमी को चंद्रमा जो होता है इस तरह से कार्य करता है यानी कि पूर्णिमा की स्थिति को ये सूर्य तो यहाँ पर है ही हमेशा वादी स्थिति में सूर्य ऊपर से यहाँ पर चंद्रमा भी पानी खींच रहा है तो इतना ये भी खींच रहा है और ऊपर से यहां भी खींच रहा है तो न ये ताकत ज्यादा लगा पा रहा है नहीं ये लगा पा रहा है इसलिए क्या हुआ निम्न ज्वार की स्थिति हुई वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो अमावस्या की अष्टमी जो है शुक्ल पक्ष वाला जो है यानी कि अंधेरा पाक जिसको हम बोल देते हैं ठीक है चलिए समझ में आ गया ना तो अमावस्या की स्थिति को क्या होता है अमावस्या अमावस्या की की वो सॉरी रात को क्या होती है युति कहलाती है यानी कि इस समय उच्च ज्वार आ जाता है और पूर्णिमा की एक ही पूर्णिमा की स्थिति को जब एक ही सीध में होते हैं तब युति कहला कहलाती है यानी कि तब भी उच्च ज्वार आता है और जब ये समकोण की स्थिति बनाते हैं यानी कि इस तरह से समकोण यानी कि नाइन्टी डिग्री का कोण जब बनाते हैं तो निम्न ज्वार आता है ये कब कब आता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को और यानी कि पूर्णिमा की अष्टमी को और अमावस्या की अष्टमी को यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है चलिए आगे बात करते हैं चलिए ज्वार भाटा के लाभ के बारे में बात करते हैं ज्वार भाटा आने के लाभ यानी कि ज्वार जब भाटा आता है ज्वार आता है या भाटा जब आता है तो उससे हमें लाभ क्या होता है यानी कि प्रकृति हमें मैंने बताया था कुछ ना कुछ होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं तो उससे हमें लाभ क्या मिलता है सबसे पहला जो लाभ है वह ये होता है कि समुद्र में समुद्र का जब यानी कि ज्वार आने से क्या होता है समुद्र का जब जो जल है वह ऊपर उठ जाता है इससे क्या होता है समुद्र का जो जल है जब ऊपर उठता है तो जो जहाज होते हैं काफी अंदर तक यानी कि तट पर आसानी से आ जाते हैं इससे जो माल वगैरह है बहुत आसानी से उतार लिए जाते हैं ठीक है इसके बाद ज्वार आने के कारण नदी के मुहाने पर जो मलबा है वह जमा नहीं हो पाता क्योंकि सारा माल जैसे जल बढ़ा, कि उसको भी उसने क्या किया उस तक पहुंच गई उस तक पहुंच गई तो उसको क्या कर दिया खसा दिया या क्या उसको हिला दिया और जैसे ही वो पानी नीचे आया तो उस जो माल था वो अंदर समुद्र में उसने धके लिया यानी कि पहले पानी क्या किया ये इस तरह से अंदर घुस गया अंदर घुस के उसने हमारा जो माल वगैरह रखा था यानी कि जो नदियाँ वगैरह अपसाद वगैरह लेकर आई थी नदियों के अपसाद में घुस गई और जैसे ही वो पानी नीचे आया उस माल को उसने नीचे कर दिया और खुले समुद्र में पहुँचा दिया तो इससे क्या होता है भाटा की तरफ जो नदी का जो माना होता है वह हमेशा साफ बना रहता है ठीक फिर मैंने पर लिख दिया मैं बता ज्वार के समय ज्वार ज्वार के कारण नदी के मुहाने पर मलबा जमा नहीं हो पाता क्योंकि ज्वार के समय अवसाद कट जाता है और भाटा के समय वह अवसाद बहकर समुद्र में चला जाता है इस कारण नदियों का मुहाना ज्वार भाटा के कारण हमेशा साफ बना रहता है ठीक है चौथा जो प्रमुख कारण है वो तीसरा जो प्रमुख कारण है वह है ज्वार से जब ज्वार से जो जल है वह जब ऊपर चढ़ जाता है तो हम क्या कर ले मान लीजिए समझते हैं हल्का से कैसे नमक का, कार का था ये मान लीजिए ये समुद्र का ये है तट ठीक ये समुद्र का तट तो पानी है ये समुद्र वाला जैसे ज्वार आया समुद्र के तट को पार करके ये अंदर तक घुसाया अंदर तक घुसाया ये ठीक अब जैसे ही अंदर घुसा इस क्षेत्र में हमने क्या कर दिया इस पानी को हमने में जाने नहीं दिया और पर एक उस पानी को क्या, क्या कर दिया हमने सुखा लिया और जब पानी सुखाया तो उसमें से बहुत सारा नमक निकल आया समझ आ गया फिर से बता दे रहा हूं ज्वार से जब पानी ऊपर चढ़ता है तो उसको इकट्ठा करके सुखा लिया जाता है और उससे क्या प्राप्त हो जाता है सोडियम ट यानी कि नमक हमें या लवड़ हमें प्राप्त हो जाता है ठीक है ये आ गया समझ में आप लोगों को जो बटा चलिए आगे बात करते हैं चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग प्रवाल तथा प्रवाल भित्तियों के बारे में कोरल तथा कोरल रीफ के बारे में तो आइए समझते हैं इनको कोरल होता क्या है पहले तो ये समझेंगे यानी कि प्रवाल होता क्या है पहले इसको समझने के बाद फिर प्रवाल भित्तियों की ओर जाएंगे तो आइए समझते हैं एक नज़र में इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा क्लियर देखेगा ठीक है तो प्रवाल एक सागरी जीव होता है जो की उष्ण सागरों के छिछले तट के किनारे पाए जाते हैं ये सागर में या महासागरों में कॉलोनी बनाकर रहते हैं और इनका मुख्य भोजन क्या होता है चूना या कैल्शियम कार्बोनेट होता है इन्हें कोरल या मूंगा या कोरल पोलिप भी कहा जाता है जीव एक स्थान पर लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं ये जीव अपने चारों ओर चूने का एक खोल बना लेते हैं और उसमें रहते हैं मैंने क्या बताया कोरल जो होता है एक नन्ना सा बिल्कुल छोटा सा जीव होता है कुछ मिनी मिलीमीटर का होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मिलीमीटर यानी कि कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है और जो कोरल जो जीव होता है वो अपने ऊपर एक खोल बना लेता है उसको यहां पर आप देख सकते हैं ये जो जीभ है इसके अंदर है इसके अंदर तो जो का ये उन्होंने काय का खोल बनाया कैल्शियम कार्बोनेट का या कहें चूने का खोल बनाया है ये चूना ही खाते हैं और उसी के उसी के अंदर ही रहते हैं और एक के ऊपर एक एक के ऊपर ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं अकेले नहीं रहते और कहां पर रहते हैं उस कटबंधी सागरों के छिछले तटों पर यानी कि खुले सागरों में नहीं रहते बल्कि छिछला कैसा होता है मान लीजिए ये सागर होता है सागर में सागर ये इस तरफ सागर है ठीक है और ये मान लीजिए महाद्वीप है मान लीजिए ये महाद्वीप है ऐसे जूम करके मैं आप लोगों को

तो इतनी इतनी गहराई हो जाती है समझ में आ गया ना मैंने क्या बताया कि छिछले सागरों में पाए जाते खुले समुद्र में नहीं पाए जाते क्योंकि छिछले सागर में इसलिए पाए जाते कम गहराई होगी उनकी कुछ स्थितियां होती हैं इनके जो विकास के लिए उसके बारे में बात करेंगे तो कहां पर होता है छिछले समुद्र में यानी कम गहराई वाला समुद्र में इनका विकास होता है और ये कैसे रहते हैं एक समूह में रहते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में ठीक है चलिए आगे समझते हैं इसी सिम होता क्या है कि जब एक जीव ये कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाने जब एक जीव मर जाता है उस जो, जो जैसे कोई खोल वाला जो जीव है वो मर गया तो उसी जीव के ऊपर दूसरा जो जीव है वो आकर उसी खोल के ऊपर दूसरा जीव ने अपना घर बना लिया ठीक है तो मैंने क्या बताया जब एक जीव मर जाता है तो उसी खोल के ऊपर दूसरा जीव आ जाता है जब दूसरा मर जाता है तो तीसरा इसी तरह से उस पर कर लेता है जो तीसरा मर जाता है फिर ऐसे करते करते ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों में होती रहती है यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से चलती चली जाती है और इस तरह से ऊंचाई होती जाती है ये काफी किलोमीटर में कई किलोमीटर में होता है ये दो चार में मीटर में या मिलीमीटर में नहीं होता है बल्कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 150 किलोमीटर इस तरह से कई किलोमीटर में ही हो सकता है ठीक है यानी कि एक मूंगा जब मर जाता है तो उसकी जगह किसी और के द्वारा ले ली जाती है ऐसे ही एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक कई सारे खोल क्या करते हैं इस तरह से अपना घर बना लेते हैं और ढेर लगा लेते हैं उन्हीं के ऊपर जैसे मान लीजिए एक यहां पर पिपाल था उसके ऊपर वो वाला मर गया इसके ऊपर दूसरा आ गया फिर तीसरा आ गया इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे चलती चली जाती है और किसका रूप ले, ले लेती है एक दीप की तरह ये रूप ले लेती है ठीक है तो जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है जिससे एक लंबे समय में एक भित्ती या दीवार

ठीक है समझ में आ गया तो प्रवाल की विकास की दशाएं हम समझ लेते हैं प्रवाल किन परिस्थितियों में इनका विकास हो सकता है किस तरह से हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले प्रवाल जीव के लिए विकास के लिए एक उच्च तापमान होना चाहिए यानी कि एक ऊंचा तापमान होना चाहिए ऊंचा कितना होना चाहिए तेईस डिग्री से लेकर पच्चीस डिग्री के बीच में होना चाहिए तेईस हो सकता है चौबीस हो सकता है पच्चीस हो सकता है इससे ज्यादा नहीं हो तो ज्यादा सही बात है ठीक है इनका विकास अधिक गहराई में भी नहीं हो सकता है क्योंकि इनकी अधिक गहराई में सूर्य की जो रोशनी है वो गहराई तक नहीं पहुंचेगी और जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी फिर से बता देता हूं इनका विकास

एक नाजुक जीव होता है नाजुक जीव अगर उसका खोल निकाल दिया जाए तो ऐसे पिलपिला जीव होगा उसको जब आप दवाएं, जब दबाएंगे तो कैचू की तरह पिलपिला महसूस होगा तो ये एक नाजुक जीव होता है और ये एक बहुत सख्त खोल में रहता है और क्या करता है ये चलता फिरता भी नहीं है बल्कि एक जगह स्थिर रहता है समझ में आ गया को कोरल जो मैंने क्या बताया कोरल बहुत नाजुक जीव होता है अगर इसका खोल निकाल निकाल दिया जाए तो ये मांस के लोथड़े के अलावा कुछ नहीं होगा बिल्कुल मुलायम एकदम ऐसे पकड़ के ऐसे रबड़ की तरह से दबा सकते हैं तो मैंने क्या बताया ये बहुत सख्त खोल में रहता है एक नाजुक जीव होता है और एक जगह यह स्थिर रहता है चलता फिरता भी नहीं है जब ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई जीव है प्रवाल। तो वो चलता फिरता नहीं है अगर कोई माल आ गया इधर से उड़ता उड़ उड़ाता या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई भी किसी भी तरह से कोई चीज़ आ गई तो इन भाग के झपट के एकदम खा लेते ही हैं बल्कि क्या करते हैं ये चलते फिरते नहीं है ठीक है इनके लिए सागर का जल साफ होना चाहिए यानी कि साफ होना चाहिए लेकिन सागर का जल मैं फिर से मैं बता देता हूँ इनके लिए सागर का जल साफ होना चाहिए यानी सागर में ज़्यादा मलबा ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए इन इसलिए क्यों नहीं हो क्यों नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर इन ज़्यादा गंदगी होगी तो इनका मुंह होता है बिल्कुल बेचारे छोटे से तो होता ही है कई मिली मिल, 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 सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में इनकी लंबाई होती है तो ये बहुत छोटे से होते हैं तो इनके मुंह जो होता है वो भी बहुत छोटा सा हो जाएगा अगर कुछ इधर उधर से कचरा कचरा इधर से उड़ उड़ा रहा है तो इनके बेचारों के मुंह में घुस जाएगा मुंह में घुस जाएगा तो इनका मुंह बंद हो जाएगा और ये बेचारे सांस वगैरह नहीं ले पाएंगे इसलिए क्या होना चाहिए पानी या कहें सागर का जल साफ होना चाहिए ठीक है जिसमें मलबा या गंदगी नहीं हो चलिए ठीक है लेकिन पानी साफ तो हो लेकिन साफ इतना भी नहीं होना चाहिए साफ इतना भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादा साफ पानी में प्लैक्टन्स जो होते हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लैंगटन्स का विकास होना बहुत जरूरी है ठीक है प्लैंगटंस का विकास होना बहुत जरूरी है क्योंकि मूंगा का ये प्लैंगटन्स मुख्य भोजन होते हैं इसलिए इनका विकास भी बहुत जरूरी है कि इनका प्लैंगटन्स का भी विकास बहुत जरूरी है इसलिए बिल्कुल साफ पानी होगा एकदम फिल्टर किया हुआ प्योरिट वाला तो उसमें भी आपके प्लैंगटन्स जन्म नहीं ले पाएंगे उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का कुछ नहीं होना चाहिए यानी कि गंदगी बिल्कुल कचरा न हो लेकिन इतना मतलब थोड़ा बहुत तो हो जाए जिसमें वो जो प्लैंगटन वगैरह उनका विकास हो सके सही है तो प्लैटन क्या होता है प्ले, प्लेटन एक बहुत सूक्ष्म वनस्पति होती है, है जिससे बेचारे उनका चबूतरा जब सपाट आकृति होगी तभी तो उस पर घर वगैरह बनाएंगे घर गृहस्थी कहां पर बताएंगे कभी आपने चोटी पर घर गति बना बताते देखा है चबूतरा टाइप पठार टाइप एरिया होनी चाहिए जैसे कि आपका यहां पर देख सकते हैं ये इस तरह से कोई पहाड़ निकला है उसकी ऊपरी चोटी कैसी है सपाट होनी चाहिए पे ये क्या कर सके अपनी घर गृहस्थी बता सके ठीक है मैंने क्या बताया प्रवाल के लिए समुद्र के अंदर चबूतरा या एक सपाट भूमि होनी होना बहुत जरूरी है जिस पर ये अपना घर गृहस्थी बसा सके ठीक है ये कुछ विकास की इनकी दशाएँ होंगी इनका कहाँ का विकास हो सकता है ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए इतनी गहराई नहीं होनी चाहिए कि सूर्य का विकास न पहुँच पाए पानी साफ होना चाहिए इतना भी साफ नहीं हो पाए कि प्लैटस का विकास ना हो सके तापमान भी उच्च होना चाहिए छिछला समुद्र होना चाहिए इस तरह की कुछ चीज़ें हैं इसके लिए दशाएँ वो कुछ इनकी प्रमुख दशाएँ जहाँ पर इनका विकास हो सकता है चलिए प्रवाल के विकास में बाधाएं क्या क्या आती हैं यानी कि कौन कौन सी इनको चीज़ें हैं जो इनको प्रभावित करती हैं आइए उनको समझते हैं प्रवाल का विकास खुले सागर में नहीं हो सकता मैंने बताया था कि प्रवाल का विकास कहाँ हो सकता है छिछले समुद्र में हो सकता है खुले समुद्र में नहीं हो सकता तो क्योंकि ज्यादा गहराई में जमीन पर जाएंगे तो अब ज्यादा गहराई पर जब मैंने अभी बताया था कि 50 से 60 मीटर 50 से 60 मीटर इनकी गहराई हो सकती है लेकिन समुद्र कितना गहराई तक चला जाता है कभी कभी तो ग्यारह किलोमीटर तक गहरा चला जाता है तो भैया कहां से प्रकाश पहुंच जाएगा तो इनके लिए जरूरी है कि प्रकाश पहुंचना चाहिए वहां पर जिससे ये प्लैंगट वगैरह अपना भोजन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीजें ये ले सके ठीक है तो मैंने क्या बताया प्रवाल का विकास खुले सागर में नहीं हो सकता ठीक है खुले सागर में नहीं हो सकता खुले में नहीं हो सकता यानी कि ये नहीं कि आप प्रवाल को ले आए और अपनी छत पर पानी वगैरह उन्हें रख दें और आप सोचें वहां पर विकास हो जाए तो पिर, पिर, इनका विकास खुले में भी नहीं हो सकता ना ही इनका विकास किसी बंद क्षेत्र में हो सकता हो सकता है क्योंकि शांत या ठहरे जल में जैसे आप चाहें कि कोई झील है तो आप वहां पर एक दो बच्चा ले आए प्रवाल के या जोड़ा ले आए जोड़ा ले आते हैं ना तो वो एक दूसरे के साथ समझ रहे हैं ना तो उससे बहुत सारी प्रवाल हो जाएंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता इनके लिए शांत या ठहरा हुआ जल भी नहीं हो सकता किसी झील में भी इनका विकास नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि झील या शांत जल है तो उसमें प्लैंगटंस का विकास नहीं होता जो कि आपका प्रवाल का मुख्य भोजन होता है और जब प्लैंगटंस का विकास नहीं होगा तो ये प्रवाल जो जीव है वो खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा चलिए प्रवाल के प्रकारों के बारे में हम समझ लेते हैं यहां पर चार प्रकार दिए तटीय प्रवाल अवरोधक प्रवाल वलयकार प्रवाल और अवरोधक प्रवाल भित्ती यहाँ पर वलयकार प्रवाल भित्ती है तटीय प्रवाल भित्ती यहां पर कुछ आकृतियां बनाई सबसे पहली है तटीय प्रवाल भित्ती तटीय प्रवाल वित्ती ये सागर के तट के किनारे पाई जाती है यानी कि सागर होता है ये खुला सागर है यानी कि ये मतलब खुला नहीं मतलब छिछला सागर है और इसके सागर के ठीक किनारे हो सकती हैं इनको क्या कहते हैं तटीय प्रवाल कहते हैं अवरोधक प्रवाल कौन सी होती हैं ये भी सागर के ही किनारे होती हैं लेकिन सागर से थोड़ी दूर पर उसी के समानांतर होगी मैंने आप लोगों के यहाँ दिखा देता हूँ मैंने क्या बताया तटीय त्र, प्रवाल क्या होता है ये सागर ये सागर का किनारा है सागर के किनारे या सागर के तट पर यह प्रवाल हो जाएंगी आपका यह तटी प्रवाल हो गया अब अवरोधक प्रवाल क्या होता है सागर के किनारे ये भी होती हैं लेकिन सागर से कहीं दूर उसके समानांतर ऐसे लंबे या चौड़ाई में होती हैं उनको हम क्या कहते हैं अवरोधक प्रवाल कहते हैं ये भी सागर के तट के किनारे लेकिन कुछ दूर सागर से जाकर समानांतर स्थित होती हैं इन्हें अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं जैसे कि आपका ग्रेट वैरियर जो कि हम आगे बात करेंगे ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं ये तटीय प्रवाल हो गया

कभी कभी क्या होता है चार ओर फैल तो गए लेकिन कभी कभी इनके बीच में क्या होता है खाली जगह होती है कभी कभी इनके बीच में दीप निकल आते हैं इस तरह से दीप निकल आते हैं लेकिन कभी कभी ये खाली होते हैं मैं यहां पर बता देता हूं कभी कभी प्रवाल भित्ती समुद्र में डूबे वो पठार के ऊपर घोड़े की नाल की आकृति में या कहें के आकृति में या गोल आकृति में क्या करते हैं विकसित हो जाते हैं कभी कभी इनके ऊपर दीप नहीं होते बल्कि इस तरह से मान लीजिए ये समुद्र है समुद्र के अंदर ही गोल गोल ये बन गए इस तरह से गोल गोल ये बन गए जब गोल गोल बन गए तो क्या था यहां पर इसके ऊपर दीप नहीं निकले बल्कि इनके ऊपर यहां पर देख सकते हैं खाली गड्ढा था खाली गड्ढा है तो इसमें क्या भर गया पानी भर गया इस तरह से क्या बन गई ये झील वगैरह बन जाती है इस तरह की चीजें ठीक है चलिए आगे बात करते हैं

क्या होता है एल्गी इसको कह देते हैं काई भी बोल देते हैं ठीक है तो सहवाल प्रवालों का क्या होता है भोजन होता है जो कि हरे रंग के होते हैं यहां पर आप देख सकते हैं सहवाल हैं हरे रंग के हैं ये क्या करते हैं भोजन बनाते हैं या कहें अपना स्वयं का प्रकाश संश्लेषण किसके ऊपर चिपक जाते हैं जाके कोरल कोरल के ऊपर चिपक जाते हैं मूंगा जो जीव होता है उसके ऊपर चिपक जाते हैं ठीक है मैंने क्या बताया सहवाल प्रवालों का भोजन होते हैं जो कि हरे रंग के होते हैं हरे रंग के कार्य सहवाल क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्योंकि हर रंग हरा रंग जो होता है उस पर क्या पाया जाता है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो होता है उससे क्या होता है प्रकाश के सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वो भोजन बनाते हैं भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं ये भोजन जब बना लेते हैं तो आपके कभी कभी प्रवाल भी उसमें से थोड़ा सा गिरण वगैरह कर लेते हैं तो उनका भी जीवन चलता रहता है तो मैंने क्या बताया सेवाल प्रवालों का भोजन होता है जो कि हरे रंग के होते हैं हरे रंग के कारण शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं लेकिन जब अधिक तापमान के कारण या फिर किसी अन्य कारण जो सेवाल होते हैं जो काई होती है जो एल्गी होती है उनका रंग क्या होता है उड़ जाता है या सफेद हो जाता है इससे क्या होता है जो प्रवाल जो सेवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते जिस कारण जो प्रवाल के ऊपर जो शैवाल लगे होते हैं वो मर जाते हैं और जब प्रवाल के ऊपर ये सेवाल जो होते हैं मर जाते हैं तो शैवाल जो होता है शैवाल जब मर गया तो सेवाल को प्रवाल क्या करते हैं अपने ऊपर से छुटा कर या हटा कर दूर कर देते हैं इससे क्या रहता है कि शैवाल के शैवाल जब हटता है अरे शैवाल जब इसके ऊपर से हटता है तो इन्हें भोजन नहीं मिल पाता प्रवालों को यानी कि मूंगा होते हैं उन्हें जीव को भोजन नहीं मिल पाता है तो मूंगा भी शैवालों के याद में या उनके बिना मर जाते हैं मैं सम फिर समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा कि जब अधिक तापमान कार्य या किसी अन्य कार्य से शैवालों का रंग सफेद हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती जिस कारण ये भूखे मरने लग जाते हैं या भूखे मर जाते हैं इससे क्या होता है प्रवालों को भी भोजन नहीं मिलता क्योंकि आपके जो सहवाल हैं उन्होंने भोजन नहीं बनाया जब भैया आप मान लीजिए मैं बेकारी हूँ और किसी घर पे भीख मांगने जाता हूँ रोज़ जाता हूँ मोहल्ले में अब मोहल्ले में क्या था कि मोहल्ले में बेचारा खुद भूखा मर रहा है तो अब हमें क्या खिलाएगा क्योंकि मेरा तो मोहल्ले में खुद मांग के अरे भैया मैं जाता था कटोरा लेकर मोहल्ले में जाता था तब कहीं जाके मुझे मिलता था अब मोहल्ले में खुद भूखे मर रहे हैं उनका खुद का रंग उड़ गया उनका खुद का रंग सफेद हो गया है वो खुद भोजन नहीं बना पा रहे तो अब क्या है अब मैं भी भूखा मर जाऊंगा क्योंकि दूसरी जगह मेरे लिए है नहीं क्योंकि मैं चलना फिरना नहीं जानता हूं उतने मोहल्ले में घसीट के चलता हूं तो वहीं से आनंद ले आता हूं तो जब वो मोहल्ले वाले या कहें जब उस क्षेत्र में ही सूखा पड़ गया वहां पर खाने को नहीं है तो मैं भी उसके याद में या उसी के बिना मर जाऊंगा फिर समझ में आ गया मैंने क्या बताया प्रकाश थे जब सहवाल भोजन नहीं बनाते हैं अपने घर में या वो भोजन नहीं बना पाते हैं भोजन के बिना सेवाल जो है मर जाते हैं इस सेवाल मरते ही आपके प्रवाल उन सेवालों को अपने शरीर से दूर कर देते हैं जैसे उन्हें दूर करते हैं हटाते हैं वैसे सेवाल की में या सेवाल के बिना आपके पिवाल जो हैं वो भी जीव समाप्त होने लगते हैं और वो उनका भी रंग सफेद होने लगता है तो मैंने क्या बताया तो पिवाल भी इन मरे हुए सेवालों को अपने शरीर से निकाल कर अलग कर देते हैं जिससे प्रवाल बिना सेवाल के मरने लगते हैं इसे ही कूरल बलीचिंग या प्रवाल विरंजन कहा जाता है क्या क्योंकि जो सेवाल होते हैं हरा रंग होता है और उस रंग के कार्ड वो अपना भोजन बनाते हैं इसी तरह से वो रंग बिरंगे दिखते हैं हमें और जब सहवाल मर जाता है तो आपका प्रबाल भी वहां से समाप्त तो हो जाता है तो ये एक दूसरे के क्या है? इनसे बहुत संबंध है इनका बहुत गहरा वाला चलिए आइए समझते हैं प्रबाल व्यरजन के कार्ड प्रमुख रूप से क्या क्या हैं और कौन कौन से कार्ड हैं जिन कार्ड से प्रबाल का जो ब्लीचिंग या प्रबाल का जो व्यरजन हो जाता है उनका रंग उड़ जाता है तो उनको समझते हैं होता क्या है सबसे पहला चिर परिचित कारण ग्लोबल वार्मिंग उस बढ़ रहा है ये ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं जो जरूरी है उसको समझते हैं जब समुद्री जल के वो समुद्र के सतई जल का यानी कि जो ऊपरी जल है उसका क्या है तापमान में एक से दो डिग्री की वृद्धि होती है तो जो हरे सेवाल होते हैं उनका रंग क्या हो जाता है सफेद हो जाता है जिससे प्रवालों की मौत हो जाती है इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं इसको मैंने आप लोगों को बता दिया था किस कारण से होता है समुद्री जल की सतह का जब तापमान बढ़ जाता है उससे प्रवाल की मृत्यु हो जाती है ठीक दूसरा कारण समझते हैं जब औद्योगिक कचरा बड़े बड़े कारखानों से गंदगी समुद्र में डालते हैं तो सागर का जल गंदगी से भर जाता है इससे प्रवाल विरंजन होता है यानी कि जो मैंने बताया था कि जो बड़े बड़े सागर हैं यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े जो औद्योगिक जो दुकानें होती हैं मतलब जो कंपनियाँ होती हैं जो भी अपना कारखाने वगैरह चलाते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी गंदगी जो है कहाँ करते हैं समुद्र में डाल देते हैं समुद्र में जब डाल देते हैं तो कभी कभी उन विचारों का मैंने बताया था मुंह में कचरा फंस जाता है वहां पर सवालों का विकास नहीं हो पाता क्या होता है इन विचारों की मृत्यु हो जाती है इससे कारण भी प्रवाल विरंजन होता है ठीक तीसरा कारण है एल नीनो को भी प्रवाल विरंजन का कारण माना जाता है क्योंकि मैंने बताया एल नीनो से क्या होता है तीन से चार डिग्री सेल्सियस आपका तापमान बढ़ जाता है किसमें यहां पर ये इस तरह से पश्चिमी पश्चिम पश्चिमी तट पर किसके दक्षिण अमेरिका के चलिए सब साथियों ये हो गया प्रबाल व्यंजन प्रबाल भित्तियां और प्रबाल ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ये है आपका जल संधियां जिसको हम स्ट्रेट भी कह देते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं स्ट्रेट्स ठीक है जल संधियां देखते हैं जल क्या होती हैं जल पहले संधि क्या होती है फिर जल संधियाँ देखेंगे जल संधियाँ या संधि जल संधि या जल संधियाँ दो जल राशियों को जोड़ती हैं जबकि ये दो स्थल खंडों को अलग करती हैं यहाँ आप देख सकते हैं दो तो स्थल खंड स्पेन और मुरक्को जो है अलग हो रहा है जबकि दो सागरों का जल क्योंकि सागर का जल है वो खुले है वहां पर आप बांध नहीं बना सकते जाके उतनी गहराई पर इतना टाइम नहीं है तो उन्हें अपना जीवन जीने दो तो सागरों को क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रकृति व्यस्ती करते हैं तो ज़्यादा उंगली करना भी सही नहीं है क्योंकि फिर प्रकृति ज़्यादा गुस्सा हो गई तो आपके लेने के लेने पड़ जाएंगे बेकारी हैं हम सब लोग प्रकृति के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं और हम एहसान फरामोश एहसान नहीं मानते उसको हम कुछ नहीं देते हैं हम उसे लूटने में लगे हुए हैं चलिए वो बात की बात है ज़्यादा चलिए छोड़िए हाँ मैंने क्या बताया जो जल संधियां होती हैं दो स्थलखंड यानी कि जो जमीन या कहें भूभाग होते हैं उनको अलग करती हैं और जो दो सागर होते हैं दो जल के जो धाराएं होती हैं उनको क्या करती हैं जोड़ती हैं ठीक दो जलराशियां को जोड़ती हैं और दो स्थल खंडों को अलग करती हैं यहां पर मैंने दिखाया है स्पेन आपका अफ्रीका का सॉरी यूरोप का देश है और मोरक्को आपका अफ्रीका का देश है ये दो देश या दो स्थल खंड अलग हो रहे हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा ठीक है यहां पर है सी जो आपका जुड़ता है और यह है आपका अटलांटिक ओशन चलिए समझते हैं एक एक करके जल संधियों को सबसे पहले जो चल संधि है उनको हम देख लेते हैं यहां पर मैंने कुछ जल संधिया दी हैं जल संधि का नाम किस किस क्षेत्र को जोड़ती हैं और भौगोलिक स्थिति क्या है इनकी यानी कि किस क्षेत्र में ये स्थित है सबसे पहला जो है मलक्का जलसंधि मलक्का जल संधि आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ठीक है अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से अलग करता है या जोड़ता है चलिए हम देख लेते हैं यहां पर यहां पर देखते हैं मैंने क्या बताया अंडमान मलक्का जल संधि मलक्का ये यह दक्षिणी चीन सागर है और ये अंडमान सागर तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को क्या कर रहा है उन दोनों धाराओं को जोड़ रहा है जबकि यहां पर देश है आपका यहां पर इसको मैं आ, यहां पर है आपका इंडोनेशिया और यहीं पर एक देश है उसको हम कहते हैं मलेशिया तो इंडोनेशिया तथा मलेशिया दो देशों को अलग कर रहा है कौन सी मलक्का जल संधि जबकि कौन कौन सी दो राशियों को जोड़ रहा है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर की आपको नहीं दिख रहा होगा मैं फिर से दिखा देता हूं यहां पर यह है आपका अंडमान सागर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ठीक इस तरफ पूर्व की ओर जो सागर है उसको हम अंडमान सागर कहते हैं और यह है आपका दक्षिणी चीन सागर दोनों धाराओं को क्या कर रहा है जोड़ रहा है चलिए पाक जल संधि आप लोग को न, पता ही होगी लेकिन फिर भी मैं हल्के से जानकारी दे दूं पाक जल संधि कहा है मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है ठीक लाइए मैं जूम कर देता हूं मन्... ये है बंगाल की खाड़ी और यहां पर है मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में बीच में एक जल संधि हम कहते हैं पाक जल संधि तो पाक जल संधि मन... आ... बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी का जल को क्या करती है जोड़ती है जल बल जबकि कौन कौन से दो क्षेत्रों को अलग करती है भारत तथा श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है क्या है पाक जल संधि ठीक तो पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है जबकि कौन कौन सी दो धाराओं को जोड़ती है कौन कौन सी जो को जोड़ती है बंगाल की खाड़ी की ठीक है और यहां पर कौन सी है मन्नारी खाड़ी जबकि मलक्का वाला मैंने क्या बताया मलक्का वाले में कौन कौन सी दो राशियां अलग हो रही थी आपकी कौन कौन सी दो राशियां जुड़ रही थी आपकी दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर दोनों की धाराएं मिल रही थी जबकि कौन कौन से दो देश अलग हो रहे थे इन इंडोनेशिया तथा मलक्का के बीच में बोल इंडोनेशिया तथा मलेशिया के बीच में यह संधि है कौन सी मलक्का जल संधि चलिए बात करते हैं

तो यहां पर ये दो राशियां जो हैं आपस में मिल रही हैं, जबकि देश की यहां पर दिया नहीं गया है केवल जापान के बारे में जानकारी दी है तो यहां पर जापान में यह स्थित है ठीक है चलिए बाब बाब एल मंडप बाब एल मंडप कहां पर है लाल सागर को अरब सागर से लाल सागर की जो धारा है उसको अरब सागर की जलधारा से जोड़ती है आइए मैं जूम कर देता हूं चलिए यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पर है ये है लाल सागर और ये है अरब सागर तो लाल सागर और अरब सागर की धारा का क्या हो रहा है मिलन हो रहा है किसके द्वारा बाव इल मदाव करके है जल संधि ठीक है बाव अद यहाँ पर लिखे है कोई दिक्कत नहीं है आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में जो आपको समझ में आए वो पढ़ सकते हैं तो बेब इल यहां पर लिखा हुआ है तो किस कौन कौन किन किन, किन सागरों को जोड़ती है लाल सागर तथा अरब सागर को जोड़ती है किन किन देशों के बीच है यहाँ पर आपका एक देश है इसको हम कहते हैं यनम यहाँ पर एक देश है उसको हम कहते हैं यनम और इस तरफ एक देश है उसको कहते हैं हम जी भूति जी भूति में उम्मीद है

कहां पर स्थित है हिंद महासागर में स्थित यहां पर आप देख सकते हैं ये सॉरी यहां दो, दो जो आपका, आपका मेडागास्कर था इसको मालागासी भी कहते थे मालागासी आपको आज भी मिल जाएगा कहीं कहीं मालागासी क्योंकि मालागासी देख के आप कंफ्यूज ना हो मालागासी मेडागास्कर का ही नाम है ठीक तो यहां पर एक देश है देश है जो कि आपका आ, अफ्रीका महाद्वीप का ही है ठीक तो मोजाम्बिक है मोजाम्बिक देश, ठीक? अफ्रीका का और यह मेडागास्कर मेडागास्कर तथा मोजाम्बिक के बीच में आपकी एक चैनल है जिसको हम मोजाम्बिक चैनल कहते हैं किन किन दो स्तर खंडों को अलग कर रहा है मोजाम्बिक और मेडागास्कर को चलिए समझते हैं चलिए जापान जल संधि के बारे में देख लें जापान जापा जापान संधि को हम कभी कभी हम कोरिया जल संधि भी कह देते हैं ठीक है ये कहाँ पर स्थित है आपका प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में अब कोरिया कहाँ पर है स्थित आप यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है कोरिया और ये है जापान जापान तथा कोरिया के बीच में ये है आपका कोरिया स्टेट या कोरिया जल संधि मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ यहाँ पर नहीं है चलिए फिर भी कोई बात नहीं है आप मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर ये ये है कोरिया जल संधि ठीक इसको हम क्या कहते हैं जापान जल संधि कोरिया और जापान के बीच में ठीक इसके बाद है चलिए माकासार जो जल संधि है उसको देख लेते हैं यह क्या है जापान सागर सॉरी जावा सागर को सेली बीज सागर से क्या करती है दोनों की धाराओं को क्या करती है जोड़ती है चलिए हम देख लेते हैं यहां पर यहां पर यह यहां पर लिखा है, मकस, मकसार, मकसार या मकसार है पर सेली की, क्या कर रहा है जोड़ रहा है ठीक है चलिए हर की जल संधि देखते हैं फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से क्या करता है जोड़ता है कहां पर है किन कुं, दो देशों के बीच में ओमान तथा ईरान के बीच में आइए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कौन सी मैंने जल संधि बताई हर मुझ जल संधि यहां पर देख सकते हैं फारस की जल फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हर मुझ की जल संधि है कौन कौन से दो देशों के बीच में है यहां पर आपका है ईरान सॉरी यहां पर है ईरान या कहें आपका फारस या कहें परसिया ये क्षेत्र मैं आपको चूं कर देता हूं यह आपका ईरान वाला क्षेत्र और यहां पर एक देश पड़ता है उसको कहते हैं हम आ, ओमान ठीक कौन सी जल संधि हर जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के दोनों दलवासियों को जोड़ता है चलिए आगे बात करते हैं नेमुरो जल संधि नेमुरो जल संधि जो है प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में ये आपका प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र यहां पर एक जल संधि है इसको हम कहते हैं नेमरो जल संधि जो कि कहां पर है जापान वाले क्षेत्र में यहां पर होनी चाहिए इसमें नहीं है यहां पर है आपकी नेमरो जल संधि चलिए आगे बात करते हैं चलिए सुषीमा जल संधि देख लेते हैं सुशीमा जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर के क्या करता है दोनों की धाराओं को जोड़ता है ये आपका चीन सागर सॉरी जापान सागर जो कि जापान वाले क्षेत्र में और ये है आपका पूर्वी चीन सागर इसके बीच में कौन सी जल संधि है सुशीमा जल संधि ठीक है समझ में आ गया सुषीमा जल संधि जापान सागर तथा पूर्वी चीन सागर की धाराओं को जोड़ता है चलिए चलिए लुजोन जल संधि के बारे में बात कर लेते हैं लुजोन जल संधि कहां पर है यह दक्षिणी चीन सागर को फिलिपींस सागर से क्या करती है जोड़ती है दोनों की जल धाराओं को जोड़ती है दोनों जल राशियों को जोड़ती है तो आप समझते हैं ये कहां पर स्थित है ये स्थित है आपकी ताइवान में ताइवान और लुजोन लुजोन द्वीप को क्या करती है अलग करती है आइए समझते हैं ताइवान और लुजोन द्वीप कहां पर स्थित है आइए जूम कर देता हूं मैं यहां पर है ये ताइवान एक देश है और ये है आपका फिलीपींस एक देश है ठीक तो फिलीपींस में एक द्वीप है इसको हम कहते हैं लुजोन दीप तो लुजोन दीप और ताइवान के बीच में आपका सुसीमा सॉरी लुज़ोन जलसंधि है यह किन किन दो धाराओं को मिलाती है आपका दक्षिणी चीन सागर और यहां पर स्थित है हैीन सागर दक्षिणी चीन सागर और फिलिपीन सागर की दोनों धाराओं को जोड़ती है लुजोन जलसंधि जबकि दक्षिणी चीन सागर वो ताइवान तथा लुजोन द्वीप को या फिलीपींस को दो खंडों को अलग करती है ठीक है समझ आ गया तो आगे बात करते हैं चलिए बेरिंग जल संधि के बारे में बात करते हैं बेरिंग जल संधि किन दो धाराओं को जोड़ता है बेरिंग सागर को चुस्की सागर से जोड़ता है बेरिंग सागर को बेरिंग सागर कहाँ है ये आपका बेरिंग सागर है यहीं पर एक सागर है उसको हम कहते हैं चुक्सी सागर चुक्सी सागर ठीक तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है जबकि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है जबकि अगर पूछा जाए अलास्का को रूस से अलग करता है कौन सी जल संधि बेरिंग जल संधि जबकि उत्तरी अमेरिका का एक देश है अमेरिका अमेरिका का एक राज्य है जिसको हम कहते हैं अलास्का यहां पर ये यह अलास्का है और ये है आपका एशिया महाद्वीप का यहां पर इसको हम कहते हैं रूस तो रूस और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं हम बेरिंग जल बो सॉरी बेरिंग जल संधि कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये है चुक्सी सागर चुक्सी सागर है ठीक चुक्सी सागर में आप लोगों को जूम कर दूं यहाँ पर है बेरिंग सागर इसके बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे यहाँ पर है चुक्सी सागर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर मिल जाएगा तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के दोनों धाराओं को जोड़ने वाली संधि को हम बेरिंग जल संधि कहते हैं बेरिंग जल संधि कहाँ पर स्थित है अलास्का अलास्का किस महाद्वीप के देश में स्थित है तो उत्तरी अमेरिका का अमेरिका देश में ये स्थित है यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें एक देश है उसको हम कहते हैं यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एक राज्य यहाँ पर भी स्थित है जिसको हम कहते हैं अलास्का तो अलास्का और एशिया एशिया या कहें रूस से बीच में बेरिंग जल संधि स्थित है चलिए आगे बात करते हैं डेविड जल संधि के बारे में हम बात कर लेते हैं डेविड जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को बेफिन की खाड़ी से अटलांटिक सागर से जोड़ती है बेफिन की खाड़ी कहाँ है आइए समझते हैं जूम कर लेते हैं यह है आपका ग्रीन लैंड और यह है आपका कनाडा ठीक तो ग्रीन लैंड और कनाडा यह ग्रीन लैंड और वेफिन द्वीप के बीच में डेविस जल संधि है या दो देशों को यह अलग करता है ये कौन सी डेविस जल संधि कौन कौन सी दो धाराओं को जो कौन कौन सी दो समुद्र या दो जलराशियों को जोड़ रहा है तो लेब्राडोर सागर यहां पर है और यह है वेफिन की खाड़ी सागर यहां पर क्या है मैंने बताया वेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के यानी कि ये लेब्राडोर का सागर अगर आ जाता है तो आप कह सकते हो क्योंकि ये अटलांटिक महासागर में ही स्थित तो के है, है तो सी जल संधि है कौन कौन सी दो राशियों दा... दा... की जो जोड़ रहा है खाड़ी और लेबराडोर या बेफिन की खाड़ी और आपका अटलांटिक महासागर की धारा को ठीक है चलिए तीसरा देखते हैं फ्लोरिडा की जल संधि कहां पर स्थित है यह उत्तरी अमेरिका ठीक है एक महाद्वीप है इसमें एक देश है इसको कहते हैं अमेरिका महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप में एक राज्य है इसको हम कहते हैं फिलोरो फिलोरिडा रे, फिलो, राज्य फिलोरिडा जो है वो मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर की खाड़ी से जोड़ता है आइए दिखा देता हूं मैं जूम करके ये है उत्तरी अमेरिका का एक देश इसको हम है कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए यूएसए में एक राज्य है जिसको हम है कहते हैं फ्लोरिडा फ्लोरिडा में यहां पर एक खाड़ी आप देख सकते हैं ये है आपकी मेक्सिको की मेकस्को खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर का जो जल है दोनों को मिलाता है ठीक है लेकिन कौन कौन से दो क्षेत्र हैं जिनको अलग करता है तो उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका से क्यूबा को या अमेरिका को क्यूबा से या फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करने वाली संधि को हम फ्लोरिडा की जल संधि कहते हैं ठीक है तो यूएसए और क्यूबा के बीच में चलिए हरसन जल संधि देख लेते हैं हरसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि को हम हड़सन की जल संधि कहते हैं हरसन की जल संधि है आइए इसको हम समझते हैं कैनेडा में स्थित है कैनेडा कहां पर है ये आपका ये आपका हरसन हरसन की खाड़ी ठीक है हटसन की खाड़ी और ये लेब्राडोर का यहां पर सागर है लेब्राडोर भी कह सकते हैं क्योंकि ये भाग आपका अटलांटिक महासागर का ही है तो हटसन की जो जलसंधि है हटसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर या अटलांटिक महासागर की जलराशियों को जोड़ने वाली जलसंधि को हम हटसन की जल संधि कहते हैं कहां पर स्थित है आपका कैनेडा वाले क्षेत्र में चलिए ज्वान डी कूफा देख लेते हैं वैसे इसे कहीं कहीं फूफा भी लिखा मिलता है तो आप फूफा पे टेंशन ना लें कहीं कूफा मिल जाएगा कहीं फूफा मिल जाएगा मैं यहाँ पर फूफा पड़े दे रहा हूँ आप जो याद करना चाहते कर लें आसान नहीं रहेगी क्योंकि तो मैं बार बार बोलूंगा तो कहीं कूफा निकलेगा कहीं फूफा तो ज्वाणी फूफा की एक जल संधि है कहाँ पर स्थित है यहाँ पर एक महासागर इसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर में यहाँ पर एक देश है इसको हम कहते हैं कैनेडा तो कैनेडा में ये ज्वाणी फूफा की जल संधि है कहाँ पर है नेडा में ठीक बैंकूवर द्वीप और यहां पर यह स्थित है ठीक है महासागर में कनाडा में चलिए बात करते हैं मेघेलन की जल संधि मेघेलन की जल संधि कहां पर है प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो है यानी कि अटलांटिक का जो दक्षिणी क्षेत्र उन दोनों धाराओं को मिलाने वाली जो आपकी जल संधि है उसको हम मेघेलन की जल संधि कहते हैं कहां पर स्थित है चिली वाले क्षेत्र में यानी चिली किस किस महाद्वीप का देश है आपका दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप का यहां पर देश है ये आपका चिली देख रहा है ना इन दोनों को इस तरह से बीच में थोड़ा सा गैप है सॉरी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि को मैगलन की संधि कहते हैं ठीक है कहां पर स्थित है चिली में ये आपका चिली इस तरह से फैला हुआ है देश है यहां तक ठीक चलिए इसके बाद बात करते हैं यूटान यूकाटन यु, जल संधि यूकाटन की जल संधि जो है मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से अलग जोड़ती है और मेक्सिको तथा क्यूबा के बीच में मेक्सिको कहां पर है ये मेक्सिको नामक एक देश है और ये आपका क्यूबा देश है ठीक है तो आइए मैं जूम कर देता हूं यहां पर है यूका टन यूका टन चैनल या यूका टन जल संधि जो है यहां पर क्यूबा और मेक्सिको के बीच में स्थित है ठीक है किन दो दो सागरों के बीच में ये कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी के बीच में ये आपका स्थित है समझ में आ गया मैक्सिको की खाड़ी वाला जो सागर है और कैरिबियन सागर का जो दोनों की जलराशियों को मिलन करने वाली जो जल संधि है या जो चैनल है उसको यूकाटन चैनल या यूकाटन जल संधि कहते हैं समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं कहाँ पर स्थित है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में ये आपका स्थित है जिब्राल्टर जल संधि के बारे में देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली कंफ्यूज कर देने वाली तो आइए समझते हैं जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर जल संधि जो है आपका पहले तो ये मैं बता बना दूं आपका अफ्रीका महाद्वीप डिजाइन मेरी बहुत अच्छी है इस तरह से ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका यूरोप महाद्वीप है यूरोप में एक देश है इसको हम कहते हैं स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इसको हम कहते हैं आपका मोरक्को मोरक्को और स्पेन के बीच में एक संधि है उसको हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि समझ आ गया किन दो देशों के बीच में स्पेन और मोरक्को बीच में किन दो महाद्वीपों के बीच में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है किन दो जलराशियों को जोड़ रहा है तो वो आपका भूमत सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है चलिए देख लेते हैं जूम करते हैं समझते हैं जिब्राल्टर जल संधि है ये स्पेन है और यहाँ पर नीचे है आपका मोरक्को भूमध सागर ये है और कहाँ कहाँ जोड़ता है ये इधर महाद्वीप है वो इधर महासागर है ठीक है तो भूमध सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है किन किन दो देशों के बीच स्पेन और मोरक्को के बीच में चलिए एक सेकंड में कलर कर दूँ चेंज थोड़ा सा चलिए चलिए डेनमार्क जलसंधि देख लेते हैं डेनमार्क कहाँ है ये आपका आइसलैंड और ये यहाँ पर एक देश पड़ता है इसको हम कहते हैं सॉरी ये आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ ये आइसलैंड दीप है और ये आपका ग्रीनलैंड द्वीप है ठीक है तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में एक जल संधि है इसको हम क्या कहते हैं डेनमार्क जल संधि ठीक है तो कौन कौन से दो सागरों को जोड़ रही है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर अब आर्कटिक महासागर कहां है ये ऊपरी क्षेत्र में इसको हम कहते हैं आर्कटिक महासागर आर्कटिक महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं से जोड़ने वाली जल संधि को हम डेनमार्क जल संधि कहते हैं ठीक है चलिए चलिए समझते हैं डोबर जल संधि को देख लेते हैं डोबर में है आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में किन दो सागरों को जोड़ती है आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागरों को आई जूम करके दिखा देता हूँ यह आपका इंग्लैंड वहां बो सॉरी आपका इंग्लैंड नामक बो सॉरी आपका ब्रिटेन बे, ठीक है ब्रिटेन देश या कहें आपका इंग्लैंड ठीक है और यहाँ पर एक आपका एक देश पड़ता है इसको हम कहते हैं फ्रांस कहते हैं ठीक है तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जल संधि है इसको कहते हैं डोवर जल संधि डोवर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है जबकि किन दो धाराओं को जोड़ रहा है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल के जल से मिला रहा है ये इंग्लिश चैनल है और ये उत्तरी सागर आपका है ठीक है चलिए समझ आ गया इसके बाद करते हैं नॉर्थ चैनल के बारे में नॉर्थ नॉर्थ चैनल जो है आयरिस सागर को अटलांटिक सागर से मिलाता है आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में अब कहां पर स्थित है आइए मैं जूम कर देता हूं उत्तरी चैनल है उत्तरी चैनल एक जलसंधि है या कहीं एक छोटा तो तो सा यहां पर बहाव है तो ये किन दो देशों के बीच में है आपका यहां पर आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है किन दो सागरों को जोड़ रहा है आपका आयरिस सागर को आयरिस सागर कहां यहां पर आपको देखा जाएगा यह है आयरिस ठीक है आयर सागर को आयर सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि को या जोड़ने वाले चैनल को उत्तरी चैनल कहते हैं नॉर्थ चैनल कहते हैं किन दो क्षेत्रों के बीच में है किन दो क्षेत्रों को अलग करती है आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करने वाली जलसंधि को कहते हैं बास्पोरस जलसंधि को भी देख लेते हैं और जलसंधिया फिर एक दो और इक्का दो है उनको भी खत्म करते हैं बास्पोरस जल संधि जो है काला सागर को मरमरा यानी कि मारमरा या मरमरा पता नहीं क्या है मारमरा सागर को जोड़ती है कि कहां पर स्थित है तुर्की में अब ये तुर्की भैया कहां है तुर्की जो है यूरोप का यूरोप नामक देश है वो यूरोप नामक महाद्वीप है उसका एक देश है उसको यूरोप का मरीज कहते हैं यानी कि बीमार रहता है वो उसमें गंदगी बहुत ज्यादा है तो तुर्की नामक देश में एक जलसंधि है उसको हम कहते हैं बारपोरस या बॉसपोरस जल संधि बॉस पोरस जल संधि जो है यहां पर है मारमरा सागर तो मारमरा सागर को काला सागर से मिलाने वाली जलसंधि को बॉस पोरस या बॉस पोरस जलसंधि कहते हैं तुर्की में यह स्थित है समझ में आ गया चलिए आगे देखते हैं इसी में ही आगे है टारस जलसंधि किन -किन को पपुआ की खाड़ी से पापुआ या पपुआ कह सकते हैं अपने जो आसान लगे हमें तो पपुआ आसान लगा पापुआ की खाड़ी से आरफुरा सागर को जोड़ती है ठीक है ये कहां पर है जरूरत नहीं है चलिए हम जूम कर देते हैं इसको देख लेते हैं टारस की जल संधि आजा बेटा टारस की जलसंधि होनी चाहिए इधर क्योंकि ये है न्यू गिनी तो पापुआ न्यू गिनी जो है ये एक देश है यहाँ पर ठीक है इसमें और यहाँ पर एक देश है इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में एक संज, संज, जल संधि है उसको हम कहते हैं टॉरस जल संधि किन, किन किन दो सागरों को जोड़ता है ये है आपका यहां पर है आर्फरा सागर और यहाँ पर पापुआ की खाड़ी पापुआ की खाड़ी कहा है बेटा हो हां, ये है पापुआ की खाड़ी तो पापुआ की खाड़ी का जल और आरफरा सागर का जल जो है दोनों दोनों का इस संधि की संधि के द्वारा मिलता है यानी कि दोनों के द्वारा इस संधि का मिलन होता है और किन किन दो देशों के बीच में है न्यूजीलैंड बहुत सॉरी न्यू गिनी पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सॉरी ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में चलिए लास्ट और आखिरी देखते हैं फोवेक्स फोवेक्स जो भी है फोवैक्स जलसंधि जो है तस्मान सागर में स्थित है तस्मान सागर में फोवैक्स जलसंधि है आइए मैं आप लोगों को जूम कर देता हूं न्यूजीलैंड में ये स्थित है यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं फोवो यहां पर जलसंधि आप लोगों को दिख रही होगी फोवो जलसंधि तो ये यहां पर एक वैसे डीप है वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं जानना बस इतना जान लो तस्मान सागर में ये स्थित है ठीक है कहां पर ये फोवो जलसंधि यहां पे फोवेक्स लिखा है लेकिन फोवेक्स ही होना चाहिए हिंदी में गलत लिख दिया है ठीक है तो ये वैसे यहाँ पर है साउथ आइसलैंड ऑफ न्यूजीलैंड यानी कि ये आपका दक्षिणी आइसलैंड ठीक है यानी दक्षिणी द्वीप ठीक तो यहाँ पर ये है कोल्ड फिश आइलैंड कोल्ड फिश आइसलैंड और दक्षिणी द्वीप के बीच में एक जल संधि इसको हम कहते हैं फोवैक्स वो जल संधि ठीक है कहाँ पर स्थित है आपका तस्मान सागर में तो ये हो गई आपकी संधियों के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए साथियों आगे बात करते हैं जलवायु विज्ञान के बारे में इसमें हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे इसको हम कह सकते हैं वायुमंडल के बारे में क्योंकि जो जलवायु वगैरह ये सब सब वायुमंडल से संबंधित है उससे जुड़ी हुई घटनाएं और उससे से जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाएं हैं तो हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो होगा वायुमंडल के बारे में मुख्य रूप से तो आइए समझते हैं वायुमंडल क्या है किस तरह से ये करता है कौन कौन सी इसमें अंग हैं तो आइए देखते हैं वायुमंडल क्या है वायुमंडल एक प्रकार की गैस से बनी हुई चादर है जो कि कई सौ किलोमीटर की मोटाई में पृथ्वी के चारों ओर से पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए या कहें ढके हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है पृथ्वी के चारों ओर क्या है गैस से बना हुआ एक चादर है या एक परत है जो कि कई सौ किलोमीटर चौड़ाई में या कहें मोटाई में है ठीक है यह कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है क्या वायुमंडल जो है जो परत है वह कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी के आकर्षण बल कार के कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का इस कारण वो जो वायुमंडलीय जो स्थिति है जो गैसें हैं वो वायुमंडल है, यानी कि पृथ्वी के जो कच्चा है पृथ्वी का जो क्षेत्र है उससे दूर नहीं जाने देती क्योंकि उसकी आकर्षण शक्ति अपनी ओर खींचती ही रहती है यानी कि अपनी ओर खींचती रहती है, इसलिए ये जो गैस वगैरह है ये वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के चारों ओर बनी रहती है क्यों क्योंकि पृथ्वी का अपना खुद का क्या है गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ठीक है तो मैंने क्या बताया वायुमंडल एक प्रकार की गैस से बनी हुई एक चादर जो है जो कि कई सौ किलोमीटर की मोटाई में पृथ्वी के चारों ओर घेरे द... हुए या कर ढके हुए है कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है वायुमंडल की वजह से जो हमारा पृथ्वी है जो हमारा ग्रह है वायुमंडल की वजह से ही पृथ्वी पृथ्वी पर पर जीवन संभव हो पाया है। यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी पर जीवन का एक अंश या एक कण भी न होता यही एक कारण है कि वायुमंडल जो है हमारा पेड़ पौधों से लेकर यानी कि पेड़ पौधों के लिए तो जरूरी है ही यानी कि मैंने क्या बताया यही एक कारण है कि वायुमंडल पेड़ पौधों के साथ साथ सब जीव जंतु या कहें पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत ही आवश्यक आप, आप कहें मोस्ट 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 इतना कह सकें सबसे जरूरी आपका वायुमंडल ही है समझ आ गया यही कार्ड है कि वायुमंडल पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है वायुमंडल कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है लेकिन वायुमंडल का द्रव्यमान का अगर बात कर लिया जाए मैंने क्या बताया वायुमंडल है ऐसे करके ये पृथ्वी वाला जो क्षेत्र है ऐसे करके ऊपर की ओर जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं जैसे छो मंडल है समता मंडल है मंडल है तापमंडल है वायर मंडल है तो वायुमंडल का जितना भी भाग है जितनी भी उसकी मोटाई है उस मोटाई में जितना भी द्रव्यमान है

30 से बत्तीस किलोमीटर के बीच में जितना द्रव्यमान है पूरे वायुमंडल का कितना है नाइनटी नाइन परसेंट बाकी का एक परसेंट है ऊपर चलते चले जाएंगे ये सारी बात की है तो आइए समझते हैं इनको तो वायुमंडल का संगठन या कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर के बारे में हम बात कर लेते हैं बहुत जरूरी है यहां पर छोटी छोटी चीजें हैं हम बिल्कुल क्लियर करेंगे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखेंगे ठीक है तो आइए समझते हैं वायुमंडल का संगठन है कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर तो वायुमंडल में कई सारी या कहें बहुत सारी गैसें मौजूद हैं इन गैसों के अलावा वायुमंडल में आपका जलवाष्प भी है धूल कड़ भी है और इस तरह की कई सारी चीजें मौजूद हैं मैंने क्या बताया वायुमंडल में गैसें तो मौजूद हैं साथ में गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी मौजूद तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसों के बारे में गैसें कौन कौन सी हैं? तो उनको एक एक करके समझेंगे तो वायुमंडल में कई तरह की गैसें मौजूद है जिसमें सबसे अधिक मात्रा जो है वो नाइट्रोजन गैस की या कहें। पूरे वायुमंडल में जितनी गैसें हैं उनमें अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है ठीक है यानी कि नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है यह पूरे वायुमंडल के आयतन का लगभग सेवनटी एट एट पॉइंट जीरो एट या हम कह सकते हैं मोटा मोटी सेवन एट परसेंट भाग में फैला हुआ है इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती है वो है आपकी ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस जो है 20.94 परसेंट कुल वायुमंडल का द्रव्यमान घेरे गए घेरे हुए है यानी कि मोटा मोटी अगर हम इसको कहें तो मोटा मोटी या मोटा मोटा हम इसको कह सकते हैं मोटा मोटी हम इसको कहें तो कितना है 21 परसेंट समझ आ गया फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि जो वायुमंडल का कुल द्रव्यमान है है उसमें 78 नाइट्रोजन गैस उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस आती है यानी कि ऑक्सीजन गैस ट्वेंटी वन परसेंट घेरे हुए हैं यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं नाइनटी वन और ट्वेंटी वन को सॉरी और वन को तो पूरा जो द्रव्यमान निकलेगा लगभग लगभग नाइन भाग आ जाएगा तो फिर से वो बोल दे रहा हूं तो इस तरह से नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों गैस मिलकर वायुमंडल का 99% नाइन परसेंट आयतन या काइनटी नाइन परसेंट भाग घेरे हुए है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसी में तो बायोएनटाल में मौजूद कुल गैसों की मात्रा को हम यहाँ पर देख लेते हैं फिर एक-एक करके समझेंगे सबसे अधिक वाली देखेंगे सबसे अधिक जो है वो है नाइट्रोजन कितनी है 78.084 तो 084 भूल जाओ 784 याद रखने योग्य आंकड़ा है ठीक है दूसरे नंबर पर आती है आपकी ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस की अगर मात्रा की बात की जाए तो 20.99 बहुत सॉरी सॉरी 20.99 परसेंट यानी कि कुल इसमें आयतन है तो इसको हम मोटा मोटी ट्वेंटी कर सकते हैं इसको सेवेंटी एट और इसको हम ट्वेंटी मान सकते हैं ठीक है दूसरे नंबर पर आती है तीसरे सॉरी तीसरे नंबर पर जो गैस है वो है आर्गन गैस यहां पर मैंने लिखी है जीरो यानी मोटा मोटी हम इसको एक मान सकते हैं तो सबसे अधिक है नाइट्रोजन दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन तीसरे नंबर पर आप आर्गन मान सकते हैं ठीक है इसके बाद चौथे नंबर की अगर बात कर ली जाए तो चौथे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो है आपका कार्बन डाइक्साइड कितनी मात्रा है जीरो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है किसके लिए जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी न होता तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव न हो पाता क्योंकि इसकी भी मात्रा कुछ हद हाँ तक जरूरी है वायुमंडल की चलिए समझ समझेंगे एक एक करके उसके बाद नियन की हमें यहां पर जरूरत नहीं फिर भी मैं बता दे रहा हूं नियोन भी पाई जाती है हीलियम गैस भी है इसके बाद ओजोन भी है इसमें क्योंकि ओजोन आप सभी लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है ठीक है ओजोन इसमें गैस पाई जाती है हाइड्रोजन गैस है उसके बाद मीथेन की बात अगर की जाए तो इतू सा कह सकते हैं यानी कि बहुत बहुत ना के बराबर तो हम इसको साधारण भाषा में कहेंगे इतू सा सा है इतना सा है, या बहुत कम इसके बाद भी है, इसमें पाई जाती है ठीक है वो भी इतू सा इतुसाया अगर पैसे बात करें तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो, जीरो 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 एट सेवन परसेंट क्योंकि हमें यहाँ पर इसको याद नहीं रखना है इसलिए मैंने बोला हल्का सा है चलिए तो वायुमंडल में इन गैसों का अनुपात निश्चित नहीं पाया जाता लेकिन ऊंचाई पर जाने पर इनके अनुपात में अंतर पाया जाता है वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी हैं। जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया सीओ टू हो गया जबकि ऊपरी परत में हल्की हैं। जैसे कि हीलियम हो 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 गया 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 ठीक है तो इस तरह की जो गैसे हैं वो ऊपरी वायुमंडल क्यों हल्की गैसे होंगी तो ऊपर रहेंगी और जो भारी गैसे होंगी वो भारी वजन के कारण वो नीचे रहेंगी मैंने यहां पर लेखा है एनओ टू एन टू मतलब नाइट्रोजन O2 मतलब ऑक्सीजन CO2 मतलब कार्बन डाइन अच्छा ठीक है तो ये हो गई आपकी गैसें भारी और ये वाली हल्की गैसें चलिए आगे बात करते हैं इसी सबसे पहले एक कर, बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में नाइट्रोजन किस तरह से इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है हमारे बायोमंडल में तो यह गैस बायोमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है यह गैस जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी या बहुत तो महत्वपूर्ण गैस है जीव जंतुओं को नाइट्रोजन जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करते यानी वायुमंडल में ये नहीं कि वायुमंडल में जैसे भूख लगी है हमें जरूरत पड़ी तो हमने थोड़ा सा उठाया और इस तरह से हमने जेब में रखा और घर पे जाके हम ऐसे करके खा रहे हैं यानी कि सीधी सी बात है प्रत्यक्ष रूप से हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको कैसे ग्रहण करेंगे वो हम आगे बात करेंगे तो मैंने क्या बताया जीव जंतु नाइट्रोजन को अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करते यह अमीनो का संगठक होता है यानी कौन सा जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में यहां पर हम ज्यादा घुसेंगे नहीं उसमें नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी यह अमीनो का संगठक होता है जो कि पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि पेड़ पौधों में भोजन का एक प्रमुख अंग होता है गया? नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत तेजी से आग पकड़ने वाली चीजों को क्या करती है उसमें कमी लाती है या कहीं कहीं आग जल रही है तो वहां पर नाइट्रोजन का जब आप करेंगे, तो वो आग जो है कम हो जाएगी या कहीं बुझ जाएगी वायुमंडल में 120 से लेकर 130 किलोमीटर तक यानी कि जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 120 से लेकर 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैली हुई है यह अन्य गैसों के साथ बहुत मुश्किल से मिलती है या क्रिया बहुत मुश्किल से करती है ठीक है चलिए दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट अगर ऑक्सीजन न होती ठीक है तो वो तो सब लोग आप जानते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा ऑक्सीजन के बारे में समझते हैं यह गैस सभी जीवों के लिए जीवन दायनी का कार्य करती है यानी यदि सभी जीवों के लिए जीव जंतु पेड़ पौधे यहां पर देख सकते हैं यहां पर पेड़ पौधे और यहां यहां पर पर मनुष्य भी आप लोग देख सकते हो तो पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में मैंने यहां पर डाल दिया है तो ऑक्सीजन यह गैस सभी सजीवों के लिए यानी कि जितने भी सजीव हैं जो सांस लेते हैं जो जीवित होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन जो है बहुत जरूरी होती है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के पृथ्वी पर किसी भी जीव का अस्तित्व संभव ही नहीं होता इसके बिना हम सांस नहीं ले पाते जब सांस ही नहीं ले पाते हम निर्जीवों में आ जाते तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सांस लेने वाले जो होते हैं वो जीवित कहलाते हैं और जो सांस नहीं लेते वो सजीव नहीं कहलाते यानी कि वो मृत कहलाते हैं समझा गया इसके बिना हम सांस नहीं लेते यह गैस रासायनिक दृष्टि से बहुत सक्रिय होती है इसलिए बहुत ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से अन्य तत्वों के साथ तुरंत मिल जाती है और जो ऑक्सीजन गैस है वह चीजों को जलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है या कहें ऑक्सीजन न होती तो हम आग भी नहीं जला पाते समझा गया तो ऑक्सीजन क्या होता है सॉरी मैंने कहां पे था हाँ यह कार्बोहाइड्रेट बचा तथा प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्बोहाइड्रेट आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर मैंने कुछ डिजाइन बनाई है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के क्या स्रोत होते हैं और फैट्स के क्या स्रोत इन सभी के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही इनके निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को बनाते हैं हमेशा ध्यान रखें कि पौधे सांस किससे लेते हैं पौधे भी ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं यानी कि कभी कोई पूछा जाता है कि भैया जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं सांस लेते हैं पौधे भैया ऑक्सीजन ही लेते हैं लेकिन जब पौधे भोजन बना रहे होते हैं यानी कि जैसे मैं हूं मैं लेता ऑक्सीजन हूँ लेकिन जब खाना बना रहा हूं अपने घर में चूल्हा जला के तो उस समय जितनी देर मैं खाना बना रहा हूँ खाना पका रहा हूँ खिचड़ी बनाना या पूड़ी बनाना सब्जी बनाना जितनी देर में भोजन बना रहा हूं उतनी देर ही मैं सीओ का यानी कार्बन डाई का इस्तेमाल करता हूँ वो चलिए बाद में समझाऊंगा समझते हैं पर मैंने क्या बताया पौधे संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को बनाते हैं यह गैस अन्य गैसों के या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है ऑक्सीजन के बिना किसी भी वस्तु को जलाया नहीं जा सकता यह गैस वायुमंडल में चौसठ किलोमीटर तक फैली हुई यानी कि नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो चौसठ किलोमीटर क्षेत्र तक या चौसठ किलोमीटर की ऊंचाई तक यह वायुमंडल में फैली हुई है लेकिन चौसठ किलोमीटर तक फैली हुई है लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हमेशा

जो, जो सोलह किलोमीटर से ऊपर जाने पर इसकी मात्रा जो है काफी कम हो जाती है यानी कि बहुत अधिक मात्रा कब कहां तक बोलेंगे सोलह किलोमीटर तक इसकी मात्रा बहुत अधिक होगी उसके बाद इसकी स्थिति कम पर आ जाएगी चलिए उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में चलिए यह सबसे भारी गैस होती है यहां के हिसाब से सबसे भारी गैस है इस कारण वायुमंडल की सबसे निचली परत में ही मिलती है वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बत्तीस किलोमीटर तक ही फैली हुई है लेकिन इसकी ज्यादातर मात्रा पृथ्वी के धरातल के पास ही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग, लोग, लोग किलोमीटर है बत्तीस तो किलोमीटर कैसे नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो बत्तीस किलोमीटर तीस तीस के बाद टहलका का एक दो किलोमीटर जाए तीस से बत्तीस किलोमीटर तक फैली हुई है लेकिन इसका ज्यादातर भाग जो है धरातल के पृथ्वी के धरातल के पास ही पाई जाती है वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत ही कम है यानी कि जीरो पॉइंट जीरो थ्री होने के बावजूद बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यह दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है कौन से कौन से दो कारण हैं आइए समझते हैं सबसे पहला कारण है कि जब कब जब भोजन बनाता है कौन पेड़ पौधे तो किसके द्वारा बनाते हैं इसके द्वारा ही सीओ टू के द्वारा तो आइए मैं यहां पर पढ़ देता हूं उसके बारे में दाद समझा दूंगा यह गैस कौन सी CO2 पहला कारण यहां पर मैं बता रहा हूं यह गैस पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होती है जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं या कहें का है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पूरा करते हैं यानी पौधे अपना जब भोजन बनाते हैं तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका लाइट यानी कि सनलाइट की सूर्य का प्रकाश के साथ मिलकर ये क्या करते हैं भोजन बनाते हैं और जब ये भोजन बनाते हैं उस समय क्या करते हैं ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं वायुमंडल में लेकिन एक बात ध्यान रहे जितना जितना ये इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन जितना ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं उससे कम मात्रा में ये सी टू का निर्माण करते हैं क्योंकि अब ये मानोगे कि पेड़ जो है ऑक्सीजन पेड़ भी लेते हैं क्योंकि जितनी देर खाना बनाते हैं उतनी देर ही तो वो आ, सी ओ टू का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बाकी समय में ये तो सारा चूस लेते होंगे ऐसा नहीं ये जितना बनाते हैं यानी कि जितना ये वो सॉरी जितना ये कार्बन डाइ जितना ऑक्सीजन लेते हैं उससे बहुत कम मात्रा में ये सी ओ टू छोड़ते हैं ये बनाते ऑक्सीजन का काफी जब खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण काफी मात्रा में करते हैं जो कि हमारे लिए काफी जरूरी है ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये डिजाइन बनाई है जैसे कि आपका लाइट जो है लाइट यानी कि सूरज की रोशनी आती है और कार्बन डाई के साथ क्लो कार्बोहाइड्रेट

बो सॉरी यह गैस सूर्य की विकिरणों को पृथ्वी पर प्रवेश करने देती है लेकिन पृथ्वी से टकराकर जब ये विकिरणें वापस जाती हैं तो उन्हें ये वापस नहीं जाने देती इसके कारण ही पृथ्वी जो है गर्म होती है जैसे ग्र... यही गैस जो गैस है यानी कि सीओ जो गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मानी जाती है यही गैस वायुमंडल की निचली परत को गर्म करती है ये कारण जैव ईंधन यानी कि कोयला जलाते हैं डीजल का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल को जलाते हैं तो वायुमंडल में सीओ की मात्रा में बढ़ोतरी होती है जिसके कारण वायुमंडल में तापमान में वृद्धि हो रही है वायुमंडल के इससे जो चीजें हैं वो काफी प्रभावित करती है इसको ही हम भूमंडलीय

कार्य करती है अगर सीओ टू न होता वायुमंडल में तो पृथ्वी ऐसे होती जैसे हर व्यक्ति की कुल्फी जम जाना समझ रहा है ना सीओ टू में वातावरण में सीओ टू न होता तो पृथ्वी भी गर्म न हो पाती ये टूट वायुमंडल को गर्म करने में बहुत अधिक या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन सी की मात्रा भी ज़्यादा न हो पाए ये भी ध्यान रखें इसके लिए हम लोग अपना जो सी का जो उत्सर्जन करने वाली जो चीज़ें उनका प्रयोग कम करें लेकिन सोचते हैं भैया हम काय के लिए करें हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी हम तब तक आनंद ले लेंगे जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा तो ये सोच के हिसाब से आगे यही चलता रहा आज से पचास साल पहले भी यही लोग सोचते थे कि भैया

आने वाली हानिकारक विकिरण या कहें हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है लेकिन 100 परसेंट नहीं सोखती 93 से लेकर 99 परसेंट तक सोख लेती है ये बात मानी जाती है ठीक है कौन सी हानिकारक विकिरण किरणों को विकिरणों को ठीक है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा कम हो जाए तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पहुंचती हैं और पहुंचकर स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनती हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ गैसे भी हैं जिसमें आपका कार्बन हेलोजो नाइट्रोजन ऑक्साइड इस तरह के कुछ जो गैसे हैं जो कि आपका ओजोन परत की आका है ओजोन की जो गैस है उसको नुकसान पहुंचाती हैं लेकिन ध्यान रहे कार्बन डाइऑक्साइड आपका ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता यह बात ध्यान रखी जाए ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही जलवास के बारे में तो जलवाष्प जो है आपका वायुमंडल का ही अंग है वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है कुछ कितनी मात्रा होती है आइए समझते हैं वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है आप जलवाष्प मतलब पानी जो होता है गैस के रूप में उसको हम जलवाष्प कह देते हैं तो वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा चार जीरो से लेकर चार परसेंट तक हो सकती है यह भी सीओ टी की सी ओ टू जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाए लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि कार्बन जो पे उसकी मात्रा अधिक हुई हो और ये वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती हो अभी ऐसी स्थिति नहीं है ठीक है तो यह है भी मैंने क्या बताया हाँ पृथ्वी के धरातल से लेकर यानी कि पृथ्वी का एक धरातल कौन सा है ये पृथ्वी के धरातल से लेकर पांच पांच किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइन्टी परसेंट यानी कि नब्बे परसेंट जलवास मौजूद है यह पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती है क्योंकि यह न तो पृथ्वी को ज्यादा गर्म होने देती है और ना ही पृथ्वी को ज्यादा ठंडा होने देती है जलवास सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं यानी कि जो जलवास होती है, है सूर्य से जो किरणें आती हैं किरणें आने वाली कुछ किरणों को क्या करती है अवशोषित कर लेती है साथ ही जब सूर्य से कुछ किरणें आती हैं तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी से टकरा कर जब वापस जाती हैं सूर्य किरणें ऊपर की ओर जब जाती हैं वापस यानी है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है पृथ्वी इस तरह से जब सूर्य किरणें यहाँ पर टकराती हैं और टकराने के बाद जब ये वापस जाती हैं तो क्या होता है ये इन किरणों को रोक लेती हैं इस जलवाष्प के कारण यानी जलवाष्प के कारण सभी प्रकार के संचलन सॉरी सभी प्रकार के संघनन तथा बर्सण का निर्माण होता है यानी कि जलवाष्प के कारण ही ओस बनती है बादल बनते हैं तुषार होता है बर्फ होता है वर्षा हो होती है ये सारी घटनाएं आपकी जलवाष्प के कारण ही होती हैं। अगर जलवाष्प न हो तो वर्षा भी न हो ठीक है तो मैंने क्या बताया जल पूरी पृथ्वी पर जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं वो हर एक चीज सोच समझ के बनाई गई है उसकी मात्रा अपने हिसाब से लिमिटेड होती है यानी कि वो जितनी ज़रूरत है उतनी होती है लेकिन हम जो कीड़े हैं हम जो इंसान हैं वो उसमें हस्तक्षेप करते हैं यानी कि हम इतने अजीब तरह की प्रजाति हैं कि इस दुनिया में हर जानवर होता है चाहे वो कुत्ता ले लो सुअर ले लो कुछ भी हो कोई भी जो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सांप जितने भी तरह के जितने भी तरह के आप सोच सकते हैं जितने भी तरह के है, जीव हैं इंसानों को छोड़कर वो अपनी जो पर्यावरण होता है अपना जो वो अपना पारिस्थितिक जो उनका तंत्र होता है उसको बिल्कुल संतुलित करके रखते हैं उसको बिल्कुल संतुलित करके रखते हैं लेकिन इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो कि जिस जगह जाता है उस जगह का संतुलन क्या करता है ये बिगाड़ देता है वो इस तरह से करता है यानी कि उसका मैं बता भी चुका हूं कि वो जितनी उसको जरूरत है अगर उतना ले तो वहां से कभी कोई परेशानी ना हो लेकिन वो अपना गड्ढा नहीं भर पाता गड्ढा भरने के कारण वो गड्ढा दूसरी जगह कर देता अपना गड्ढा भरने के चक्कर में वो जमीन में गड्ढा कर देता है जब वो जमीन में गड्ढा कर देता है तो वहां पर आदमी गिरने लगता है यही एक कारण है कि पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जो जीव है वो इंसानी है इस पृथ्वी को वही खा जाएगा और इस दुनिया में या इस पृथ्वी को कभी आज तक नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया अभी से कब से चला आ रहा था कभी बताते हैं कि आज से बीस हजार या दो लाख साल पहले जीवन हो गया था कि तीन करोड़ साल पहले की जीवन महसूस हुआ तब से जीवन आ गया यानी कि तब से चलता चला आया और जब से इंसान समझदार हुआ यानी कि इंसान जो समझदार हुआ उसने क्या किया जब से वो समझदार हुआ तब से वो पृथ्वी के वो पीछे पड़ गया आज से 20 साल बीस लाख साल पहले मान लो कि पृथ्वी बहुत नाटन थी एकदम एकदम मस्त रहती थी लेकिन जब ये प्रजाति समझदार हुई है तब से इसने खून चूंसना शुरू कर दिया है चलो बाद में करेंगे बात किसी दिन ये पर सस्त ज्यादा गहराई में चला जाता हूं चलिए समझते हैं आइए धूल धूलकड़ के बारे में समझते हैं वायुमंडल में धूल के कड़ भी मौजूद होते हैं जलवास भी जैसे मैंने बताया गैस भी बताई तो उसके बाद धूल धूलकड़ भी होते हैं ये भी बहुत जरूरी होते हैं ठीक है तो वायुमंडल में धूल धूल के कड़ भी मौजूद होते हैं जो कि छोटे छोटे महीन कड़ होते हैं और ये कई सारे माध्यम से आते हैं जैसे कि मिट्टी से आते हैं आपका समुद्र में जो नमक होता है उसके कुछ कड़ हो जाते हैं धुएं की कालिक हो जाती है आपकी राख होती है उल्काएं जो होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर जाती हैं उनकी जो मिट्टी धूल धूलकड़ होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं समझ में आ गया कहाँ कहाँ से आते हैं महीन मिट्टी होती है धूल के कड़ आपके समुद्र के नमक से भी आ जाते हैं धूल की कड़ आपके धुएं के कालिक से भी बन जाते हैं राख से भी बन जाते हैं नमक के कड़ भी हो जाते हैं समझा गया चलिए तो ये धूल के कड़ वायुमंडल की निचली परत में पाए जाते हैं लेकिन कभी कभी क्या होती है ये संभिनी जो हवाएं होती हैं ये इनको काफी ऊंचाई तक उड़ाकर ले जाती हैं इनका महत्व तो क्या होता है उसको भी समझते हैं ये हमारे लिए क्या धूल कर जो होते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आद्रता गिराही का कार्य या कहें आद्रता गिराही के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनका जो ये कड़ होता है उस पर क्या होता है ये जो मिट्टी उड़ रही है ना मिट्टी जब उड़ रही है तो मिट्टी जब उड़ती है तो क्या होता है कि जलवास पर जैसे मिट्टी जलवास वाले क्षेत्र में क्षेत्र में जाएगी तो उस पर क्या होगा मिट्टी के जो कड़ है या किसी भी तरह का जो कड़ है उस पर पानी का बूंद जो होगा या पानी होगा उससे सोख लेगा आइए इसको समझते हैं मैंने क्या बताया ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आद्रता गिराही नाभिका रूप ले लेते हैं यानी ये कड़ नमी को सोख लेते हैं और इनके ऊपर जल वाष्प का क्या होता है संगनन होता है इस संगनन की प्रक्रिया से बादलों का निर्माण होता है और फिर सभी लोग जानते हैं बादल का निर्माण होता है फिर बाद में पानी भी बरसता है ये कण सूर्य के ताप को रोकने तथा उसको परावर्तित करने का भी कार्य करते हैं यानी कि सूर्य का जो ताप है ऊपर से जब आता है किरणें आती है तो उनको रोक भी लेते हैं और उनके ऊपर जब पड़ती है धूल के कणों के ऊपर तो वो चमक उत्पन्न करते हैं तो उनको परावर्तित करके वापस भेजने का भी ये कार्य करते हैं समझा गया ये कण सूर्य के ताप को रोकने तथा उनको परावर्तित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं धूल के कणों की वजह से सूर्योदय या जब सूर्य निकलता है तथा सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्य छुपता है यानी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसमान में लाल तथा नारंगी रंग की रोशनी पैदा करता है इससे आपकी धुंध बनती है इससे आपका कोहरा बनता है और भी कई तरह की इससे प्रक्रिया इससे क्रिया करके कई सारी चीजें बनती हैं धूल के कणों के कारण आसमान का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है चलिए तो साथियों ये हो गए वायुमंडल के संगठन यानी चलिए तो अब आगे समझते हैं बात करते हैं वायुमंडल की संरचना किस तरह से इसकी संरचना है स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर क्या क्या इसकी परतें होती हैं किस तरह से होती हैं आइए समझते हैं इसको वायुमंडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर के बारे में बात करते हैं साधारण भाषा में समझें तो वायुमंडल में चार प्रकार की जो परतें बनी नहीं है लेकिन उनको हमने काल्पनिक रूप से मान लिया है क्योंकि वहां पे हमने बॉर्डर नहीं खींचा है लेकिन हम चार प्रकार की जो है मानते हैं अब ये कहेंगे नहीं पांच होती हैं नहीं आप चार ही माने पांचवा वो एक ही के दो भाग है ठीक है वो कंफ्यूज करने के लिए हैं फालतू में केवल चार याद रखें अपने आप पांचवा अपने आप आपको याद हो जाएगा तो चलिए समझते हैं एक एक करके सबसे पहला जो मंडल है उसको कहते हैं क्षोभमंडल ठीक है ट्रोपोस्फीयर ठीक है ट्रोपोस्फीयर समतापमंडल ठीक है आपका यहां पर संताप मंडल देख सकते हैं उसके बाद है मध्यमंडल आप यहां पर मध्यमंडल देख सकते हैं उसके बाद है उष्ण मंडल या ताप मंडल जो कि चौथे नंबर पर आता है वह मंडल को आप छोड़ दीजिए बाद में मैं इसको समझाऊंगा कि ये किस तरह से ये भाग नहीं मानते चलिए देखते हैं एक एक करके तीनों को चारों को चलिए देखते हैं सबसे पहले बात करेंगे क्षोभ मंडल के बारे में यहां आप यहां पर ऋतु परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं देख सकते हैं ये कुछ कलाकृति मैंने की है उसको आप देख सकते हैं ठीक है तो बाहर, बाहर या बाहरी मंडल तापमंडल ठीक है मध्यमंडल समताप मंडल क्षोभ मंडल आइए सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के धरातल से लेकर धर से लेकर ऊंचाई की बात करें तो 10 से लेकर 18 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है यानी कि ये मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है यहां से जब ऊपर बढ़ेंगे तो 10 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है ठीक है तो क्षोभ मंडल की विश्वत रेखा पर ऊंचाई की अगर बात की जाए मैंने क्या बताया जो आपका ये आपका पृथ्वी का गोला है और ये आपका जीरो डिग्री से इसको हम रेखा कहते हैं रेखा पर अगर मंडल की बात की जाए तो अठारह किलोमीटर है जबकि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए तो ध्रुवों पर ऊंचाई इसकी कितनी है दस किलोमीटर पाई जाती है क्यों है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे क्षोभ मंडल की ध्रुव पर ऊंचाई आपकी दस किलोमीटर तथा विश्वत रेखा पर कितनी है अठारह किलोमीटर मीटर तक हो सकती है ठीक है चलिए आगे समझते हैं इसी में क्षोभ मंडल में सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं यानी कि जो शोभ मंडल है इसमें आपका बिजली भी कड़कता है छोभ मंडल के कारण ही आपका कोहरा भी बनता है छो मंडल के कारण बादल भी बनते हैं छो मंडल कारण बाद ओला होता है तुषार तो होता है आंधी होता है तूफान होता है बिजली होती है ये वो बो का सब चीज होती है आपकी क्षोभ मंडल में ही संपन्न होते हैं फिर से यहाँ पर मैं बता देता हूं कि क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं यानी जितनी भी ऋतुएं होती है उनसे संबंधित जितनी तरह की प्रक्रिया होती है वो इसी मंडल से संबंधित है जैसे कोहरा बादल ओला तुषार आंधी तूफान बिजली कड़कनाथ बिजली का चमकना इस तरह की सारी प्रक्रियाएं क्षोभ मंडल से संबंधित हैं। चलिए इसी में समझते हैं तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल की 95% गैसें परसेंट गैसे मौजूद हैं यानी कि पूरा जो वायुमंडल है उसमें जितनी गैसें हैं उन सभी गैसों में से 95% परसेंट जो भाग है वो आपकी क्षोभ मंडल में ही सारी गैसें पाई जाती हैं यही एक कारण है कि क्षोभ मंडल के, के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है यहाँ कहें सभी जीवों का अस्तित्व इसी मंडल के कारण है ध्रुवों को छोड़कर जो वायुमंडल है ध्रुवों को छोड़कर वायुमंडल में क्षोभ मंडल वाली जो क्षेत्र है वायुमंडल के क्षोभ मंडल में जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में एक डिग्री तापमान में क्या होता है कमी आती है कैसे होती है एक किलोमीटर जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपका 6.5 डिग्री की 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आ जाएगी या कहें एक किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर छह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी यानी कि अगर हम 1000 को मीटर में कन्वर्ट कर दें और उस मीटर को हम 6.5 से भाग दे दें तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि एक मीटर पर बढ़ने पर एक मीटर ऊपर जाने पर एक डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आ जाती है ये बात समझ में आ गई फिर से मैं बता देता हूँ कि ध्रुवों को छोड़कर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो तापमान वो वायुमंडल है या क्षोभ सीमा है या क्षोभ मंडल है उसमें जाने पर परिवर्तन नहीं होता वो वो बात अलग उन दोनों को छोड़कर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे यानी कि ऊपर जब बढ़ते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर शोभ मंडल में तापमान में कमी आती है यानी कि मान लीजिए एक किलोमीटर पर जब मान लीजिए दस पे है दस पे मान लीजिए तापमान तीस नहीं बीस मान लीजिए बीस डिग्री सेल्सियस है तो एक किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो उसमें छह माइनस सिक्स पॉइंट फाइव घटा दें ठीक और एक किलोमीटर जाएंगे फिर आपका थर्टीन डिग्री सेल्सियस यानी कि तेरह डिग्री सेल्सियस कम करते हैं इस तरह से ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी चलिए बात करते हैं इसी का दूसरा भाग क्षोभ सीमा के बारे में यानी कि क्षोभ मंडल के बाद आता है क्षोभ सीमा जो कि इसी का ही भाग है तो क्षोभ सीमा क्या है क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है ये है हैोभ मंडल का ही भाग लेकिन मंडल की ऊपरी परत है इसकी मोटाई की अगर बात की जाए तो डेढ़ किलोमीटर इसकी मोटाई है यानी कि शोभ मंडल के ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर कुछ मोटी परत है जिसको हम डेढ़ किलोमीटर तक मान सकते हैं तो इसकी मोटाई डेढ़ किलोमीटर है इसमें क्षोभ मंडल की सभी प्रक्रियाएं जो है वो बंद हो जाती हैं ध्यान रखें मैंने क्या बताया क्षोभ मंडल में सभी मौसमी प्रक्रियाएं चाहे वो बादल का बनना हो चाहे वो बिजली का कड़कना हो चाहे कोई भी हो वो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं क्षोभ सीमा तक आते आते सारी प्रक्रियाएं या सारी जो गतिविधियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं फिर से मैं बता दूँ इस मंडल की जो चौड़ाई है या कहीं इसकी मंडल की जो मोटाई है वो कितनी है डेढ़ किलोमीटर है जिसमें क्षोभ मंडल की सभी प्रक्रियाएँ बंद हो जाती हैं यानी न तो ऊपर बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है सॉरी तापमान न तो ऊपर जाने पर बढ़ता है ना ही है, ना, है, ना ही धारा चलती है तापमान माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक होता है वहीं भूमध्य रेखा पर जो तापमान होता है माइनस एटी डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है मैं फिर से बता दे रहा हूं इसी मंडल में क्षोभ मंडल में तो सॉरी क्षोभ मंडल की इस जो सीमा होती है ऊपरी जो परत होती है क्षोभ सीमा पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो तापमान होता है माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और विश्व रेखा पर या रेखा का जो क्षोभ सीमा है उस पर 80 डिग्री तक तापमान हो सकता है तो आपकी जो क्षोभ सीमा है यह भूमध्य रेखा पर बीस किलोमीटर की ऊंचाई पर है यानी कि जो भूमध रेखा है भूमध रेखा पर अगर खड़े हैं तो आपको बीस किलोमीटर ऊंचाई पर जाना होगा तब आपकी क्षोभ सीमा आपको मिलेगी उसके बाद अगर दुर्भव की बात की जाए तो 10 किलोमीटर की जब ऊंचाई पहुंचेंगे तो आपको क्षोभ सीमा दिख जाएगी यानी क्षोभ सीमा में आप प्रवेश कर जाएंगे क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच का संक्रमणीय ये क्षेत्र है या कहें यह सीमा बनाता है दोनों के बीच में यानी कि क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच में क्षोभ सीमा क्या है सीमा बनाता है ठीक है मैं यह सीमा है, वो है और यह मंडल तथा समताप मंडल के बीच में आपकी सीमा क्या करता है, है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा मंडल के बारे में बात कर लेते जो समताप मंडल समताप मतलब सम मतलब समान और ताप मतलब तापमान सब दुनिया जानती होगी और मंडल मतलब परत है ना ठीक है चलिए तो समताप मंडल के बारे में बात करते हैं तो इस मंडल की ऊंचाई सागर तल से 50 किलोमीटर तक है यानी कि 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक कुल 30 किलोमीटर मोती परत है इस मंडल की किसकी आपकी समताप मंडल की समताप मंडल मैंने क्या बताया कैसे बीस से लेकर पचास क्योंकि एक से लेकर बीस किलोमीटर तक तो आपका छोभ मंडल और छोप सीमा है ना तो उसके बाद ही तो शुरू होगी आपकी समता मंडल समझा गया तो बीस से लेकर पचास तक यानी कुल कितनी मोटी परत हो गई बीस तीस किलोमीटर की परत हो गई मोटाई में ठीक तो 20 किलोमीटर आपकी किसकी हो गई मंडल की और 30 किलोमीटर किसकी हो गई आपकी समताप मंडल की चलिए समझते हैं इसको इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक तथा विश्वत रेखा पर पतली पाई जाती है क्यों पाई जाती है उसको हम समझेंगे कहीं कहीं पर यह परत विस्वतरे रेखा पर या कहें रेखा पर बिल्कुल समाप्ति हो जाती है तो समताप मंडल का जो निचला भाग है निचले भाग में लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है यानी कि जो आपका छोप सीमा है वो आपकी 20 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाती है उसके बाद आपका समताप मंडल शुरू हो जाता है तो समताप मंडल कहाँ से शुरू होता है बीस किलोमीटर से लेकर पचास किलोमीटर यानी कुल तीस किलोमीटर की ये मोटी परत है तो बीस किलोमीटर से लेकर चालीस किलोमीटर तक जब ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है तापमान में यानी कि वह समान रहता है न कम होता है न ज़्यादा होता है यही ये कारण है समताप मंडल है उस परत को हम क्या कहते हैं स... वो सॉरी यही एक कारण है कि इस परत को हम तापमान समान होने के कारण समताप मंडल कहते हैं समझ में आ गया तो मैं फिर से बता समताप मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक कोई भी वृद्धि नहीं होती है तापमान में इसी के कारण इसको समताप मंडल कहते हैं इसके जब ऊपर जाएंगे यानी चालीस किलोमीटर के बाद पचास चालीस से पचास जब जाएंगे तो पचास किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है क्योंकि ताप वो समताप मंडल में बीस मिलो 20 किलोमीटर के ऊपर ओजोन गैस की क्या पाई जाती है परत पाई जाती है यानी इसी क्षेत्र में समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है तो ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक किरणों को सोख लेती है लगभग 93 से लेकर 99 तक सूर्य की किरणों का अब शोषण करने के कारण इस ओजोन परत का तापमान क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्षोभ सीमा है तापमान कितना तक हो जाता है छोभ सीमा पर रेखा पर रेखा हो सकता है लेकिन यह तापमान कम होकर यानी कि तापमान में बढ़ोतरी होकर कितना तक पहुंच जाता है क्योंकि प्रकाश को अवशोषित करती है, है। इसलिए तापमान कितना तक हो जाता है कभी कभी जीरो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है किस कारण से ओजोन तो परत के कारण तो समझ में आ गया किस मंडल में, में, परत है? तो में, में परत है। कितने किलोमीटर तो तो किलो कितने से कितने, कितने किलोमीटर तो किलो तापमान में कोई वृद्धि तो नहीं होती है बीस से लेकर चालीस किलोमीटर यानी तो कि कुल बीस किलोमीटर तो की मोटी परत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इसके लिए इसको क्या कह देते हैं समताप मंडल यानी कि तापमान में समानता होने के कारण चलिए तो समताप मंडल में किसी भी तरह की मौसमी घटना नहीं होती जैसे कि कोहरा का बनना बादल का होना ओला तो तुषार तो आंधी तूफान बिजली का कटना बिजली का चमकना किसी भी तरह की कोई घटना इसमें नहीं होती लेकिन समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसमें आप लोगों को पता ही है ओजोन की मात्रा अधिक पाई जाती है लेकिन इसकी जो नीची पर निचली परत है समताप मंडल का जो निचला भाग है वहां पर बादल नहीं बनते कभी कभी क्या होता है बादल नहीं बनते कोई मौसमी घटना नहीं होती बादल भी नहीं बनते लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी कारण से समताप मंडल की जो निचला भाग है उसमें जलवाष्प आ जाती है आ जाती है कभी कभी आ जाती है तो जलवाष्प आ जाने के कारण वहां पर मोतियों की तरह चमकदार बादल बनते हैं जिन्हें हम मदर ऑफ पर्ल कहते हैं कि इनको कहां पर बनते हैं मदर ऑफ पर्ल समताप मंडल की निचली परत में बनते हैं कब बनते हैं कभी कभी जलवाष्प आने के कारण ठीक है चलिए कोई मौसमी घटना होती है नहीं होती है ठीक है तो, तो आपका जो समताप मंडल है यहां पर बादल हवा जलवास न होने के कारण इस मंडल में क्या किए जाते हैं वायुयान उड़ाए जाते हैं ठीक है तो समताप मंडल के क्योंकि यहां पर देख सकते हैं वायुमंडल में कौन सी वाली परत में आपके समताप मंडल में क्या उड़ाए जाते हैं आपका वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं क्यों उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहां पर ना हवा है न बादल है ना ही जलवास होती है ठीक है कभी कभी मंदर बन जाते हैं लेकिन हमेशा नहीं बनते हैं ठीक है समताप मंडल के ऊपरी भाग में समताप सीमा पाई जाती है जो कि समताप मंडल को मध्य मंडल से क्या करती है अलग करती है बता देता हूं समताप मंडल की ऊपर ऊपरी सीमा पर क्षेत्र में समताप सीमा पाई जाती है यह समताप सीमा जो है मध्यमंडल और समताप मंडल को अलग करती है ठीक है चलिए समझते हैं चलिए मध्यमंडल देखते हैं समताप सीमा मैंने बताया था समताप सीमा के ऊपर मध्यमंडल शुरू हो जाता है इसकी मोटाई की अगर बात की जाए तो 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है यानी कि कुल कितने किलोमीटर हो गई इसकी मोटाई 40 किलोमीटर हो गई फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं शोभ मंडल की मोटाई कितनी हुई 20 किलोमीटर समताप मंडल की कितनी हुई 30 किलोमीटर इसकी कितनी हो गई 40 किलोमीटर हो गई समताप मंडल की कहां से कहां तक हुई समताप मंडल की 20 से लेकर 50 तक और इसकी मध्यमंडल कितनी हो गई पचास से लेकर नब्बे किलोमीटर तक इसकी क्या पाई जाती है मोटी परत पाई जाती है तो मध्य मंडल में ऊंचाई पर जाने में तापमान में क्या होती है गिरावट होती है नब्बे किलोमीटर तक तापमान सॉरी नब्बे किलोमीटर तक पहुंचने में लगभग जो तापमान होता है वो कितना हो जाता है माइनस नाइन्टी डिग्री से लेकर माइनस वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है मध्यमंडल में ऊंचाई पर जाने पर मध्यमंडल में ऊंचाई पर जाने में जो वायु दाब है वो क्या होता है कम हो जाता है क्योंकि जो गैसों की जो मात्रा है गैसों का जो घनत्व है या कहें घनापन है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है जब किसी का घनापन कम हो जाता है तो वो क्या है दबाव भी उसका काफी कम हो जाता है समझ आ गया ना क्योंकि ऊपर ऊंचाई पर जाने पर दबाव कितना हो जाता है कम हो जाता है दबाव कम होता जाता है ठीक है तो मध्यमंडल मध्यमंडल की ऊपरी भाग को मध्य सीमा कहते हैं ठीक है समताप मंडल ऊपरी भाग को समताप सीमा कहते हैं मध्यमंडल के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं नब्बे किलोमीटर के हल्का से ऊपर जाएंगे तो आपकी मध्यमंडल की सीमा शुरू हो जाती है मध्य सीमा के ऊपर जाने पर ताप में बढ़ोतरी होती है या तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है इसी सीमा को हम क्या कहते हैं मध्य सीमा को हम क्या कह देते हैं मेसोपोज भी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं मेसोपोज भी कहते हैं अन्य परत है जिसको हम कहते हैं मंडल उपमंडल या थर्मोस्फेर मैंने आप लोगों को बताया कि जो मध्य मंडल है मध्य मंडल की सीमा है या मेसोपोज पर जब जैसे हम पहुंचते हैं उसके बाद जैसी ऊपर शुरुआत होती है तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है यानी तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है काले के इस मंडल को हम क्या कहते हैं तापमंडल कहते हो क्योंकि तापमान बहुत अधिक तक हो सकता है यहां पर ठीक है मैं समझा देता हूं जो तापमंडल है या उष्ण मंडल है इसको दो भागों में बांटा जाता है कौन कौन से भाग है? समझते हैं तापमंडल को कितने भागों में बांटा जाता है तापमंडल को दो भागों में बांटा जाता है पहला जो भाग है उसको हम आयन मंडल कहते हैं दूसरा जो भाग है उसको हम बहेर मंडल या वाहरी मंडल या वाह मंडल भी इसको हम कह देते हैं आइए समझते हैं इस मंडल को दो भागों में बांटा गया तापमंडल की जो निचली परत है यानी कि जो तापमंडल है उसकी जो निचली परत है इस निचली परत को हम कहते हैं आयन मंडल जो कि कितनी है, 90 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली हुई है ठीक फिर से से मैं बता देता लेकर 20 तक कितना है आपका छो मंडल समताप मंडल कितना है 20 से लेकर 50 यानी कि कुल 30 किलोमीटर में क्या है समताप मंडल 50 से लेकर 90 आपका क्या है मध्यमंडल कितना हो गया 45, 40 किलोमीटर इसके बाद नब्बे से लेकर 400 किलोमीटर ये घटा लेना ये मुझ पे नहीं ये बड़ी काउंटिंग है मुझ पे नहीं घटाया जाएगा ये आप लोग घटा के मुझे बताना कि कितना हुआ तो नब्बे से लेकर नब्बे से लेकर 400 किलोमीटर कितना हो जाता है 310 सॉरी गलती से निकल गया चलो फिर भी अब नहीं आपको बताना निकल गया तो 90 से लेकर 90 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये क्षेत्र है कौन सा आयन मंडल वाला तो आयन मंडल कितनी क्षेत्र में फैला हुआ है 310 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है यानी 310 किलोमीटर की इसकी मोटाई है इसके बाद तापमंडल की ऊपरी परत है उसको हम कहते हैं बहिर्मंडल यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर से लेकर ऊपर तक जितना ऊपर चले जाएं आपको वहां पर अनंत अंतरिक्ष में आप प्रवेश कर जाएंगे तब तक ये खत्म नहीं होती है ठीक है तो 400 किलोमीटर ठीक चलिए समझते हैं आगे चलिए आयन मंडल के बारे में बात कर लेते हैं आयनो हम इसको कहते हैं तो मध्य सीमा के ऊपर 90 या 90 या 100 किलोमीटर से आ, लेकर आपका 400 किलोमीटर तक आयन मंडल की मोटी परत पाई जाती है यानी कि आपका छो मंडल उसके बाद समता मंडल तो उसके बाद मध्यमंडल मध्यमंडल के ऊपर चलेंगे तो नब्बे पचानवे के करीब करीब आपके नब्बे पचानवे किलोमीटर तक आपकी क्या पाई जाती है छो मध्य सीमा पाई जाती है मध्य सीमा से जब ऊपर जाएंगे तो आपका जो आयन मंडल है उसकी शुरुआत हो जाएगी आयन आयन मंडल की नब्बे या नब्बे या सौ के बीच में हो सकती है क्योंकि फिक्स नहीं बनी हुई है वहां पर कोई सीमा नहीं की गई है तो नब्बे या 100 से या नब्बे मान लीजिए तो नब्बे से लेकर चार सौ किलोमीटर तक आयन मंडल की मोटी परत जाती है जिसकी कितनी मोटाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी छो की मैंने कितनी बताई छो की एक से लेकर बीस किलोमीटर तक तो बीस किलोमीटर हो जाएगी समता मंडल बीस किलोमीटर से पचास किलोमीटर यानी तीस किलोमीटर हो जाएगा मध्यमंडल मैंने बताया था पचास से लेकर नब्बे तक यानी कि चालीस किलोमीटर हो जाएगा और जो आयन मंडल की कितनी हो गई आपकी तीन किलोमीटर की मोटी परत आयन मंडल की हो जाती है ठीक है आयन मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है इस मंडल में जो गैस के कण पाए जाते हैं वो विद्युत आवेशित कण होते हैं ऐसे विद्युत आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं यही एक कारण है कि इस परत का नाम आयन मंडल रखा गया है क्यों क्योंकि इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं क्यों उनका कार्य क्या होता है वो भी हम बात करेंगे जो आय इसी मंडल में यानी कि जो आपका आयन मंडल होता है इसी मंडल में आयनीकृत जो धूल होती है आयनिक कृत धूल की एक चादर होती है चादर पर जब प्रकाश पड़ता है या कहें सूर्य से जब रोशनी आती है तो चादर जो है या कहे वो जो आयनीकृत जो कड़ हैं वो चमकते हैं यानी कि आयनी कृथ धूल के कड़ एक चादर की तरह प्रकाश फैलाते हैं जिन्हें उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय ज्योति यानी कि ओरोरा बोरियालिस बोरियालिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति या ओरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है फिर से मैं बता दे रहा हूँ आयनीक्रत जो धूलकड़ होते हैं उससे क्या होता है जब मैं आप लोगों को सूरज के बारे में बताया था मैंने बताया था कि किस तरह से सूर्य की जो किरणें वगैरह आती हैं वो किस तरह से यहां पर टकराती हैं और प्रकाश उत्पन्न करती हैं जब प्रकाश उत्पन्न करती है तो उत्तरी गोलाद में हम उसे क्या कहते हैं उत्तरी गोलाद में हम इसको आ, और बोरियालिस और दक्षिणी गोलाद में औररा औटालिस और कहते हैं ठीक है तो आयन मंडल में जो उच्च विद्युत चालकता है वो सॉरी आयन मंडल में जो उच्च विद्युत चालकता पाई जाती है वो रेडियो की जो तरंगें होती हैं रेडियो की तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेज देती है जिसके तहत पृथ्वी पर रेडियो रडार टेलीफोन जैसे उपकरण कार्य करते हैं आयन मंडल में चार परतें पाई जाती उनके बारे में बात करने पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विद्युत जो विद्युत चुंबकीय जो कड़ हैं ठीक है तो इस पर क्या होता है कि जो आपके जब यहाँ से मान लीजिए पृथ्वी पर कोई मोबाइल वगैरह है तो वो सिग्नल जब पहले यहाँ पर भेजे जाते हैं इस तरह से ऊपर जाते हैं ऊपर टकरा वो जिस जगह भेजने होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं अगर ये आयन मंडल वाली परत ना होती या कहें आयन मंडल न होता तो जो पृथ्वी से यहां से अगर कोई सिग्नल ऊपर भेजते तो सीधा कहां पर पहुंचता ऊपर वो अनंत आकाश में खो जाता और वो वापस ना आ पाता अगर आयन मंडल ना होता यही एक कारण है कि आयन मंडल की उपस्थिति आयन मंडल जो परत है या आयन मंडल जो लेयर है उसमें जो विद्युत कण है उसके कारण ही पृथ्वी पर रेडियो का संचार आपका टेलीफोन का संचार आपका रडार टेलीफोन जैसी जो भी उपकरण है उनका क्या हो पाया है उनका कार्य करना संभव हो पाया है ठीक है तो आयन मंडल में चार परतें पाई जाती है कौन कौन सी चार परतें हैं डी लेयर ई लेयर और एफ वन और एफ टू इस तरह की कुछ लेयर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका जो यहाँ पर आयन मंडल है यहां से सीधी टकराती हैं और टकराकर यहां पर चली जाती हैं ठीक है थीके? तो यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया छो मंडल कितना किलोमीटर में फैला हुआ है समता मंडल कितने में मध्य मंडल कितने में आयन मंडल कितने में आइए बात करते हैं ताप मंडल मंडल के बारे में तापमंडल की मैंने बताया दो परतें हैं चलिए बाहर मंडल देख लेते हैं बहिर मंडल या बाहरी मंडल तो आयन मंडल से ऊपर जाने पर वहिर मंडल शुरुआत हो जाती है यानी कि नब्बे से लेकर कितना साठ नब्बे से लेकर चार सौ किलोमीटर तक लगभग लगभग क्या पाया जाता है आपका आयन मंडल पाया जाता है ठीक इसके आयन मंडल की जब ऊपर जाएंगे तो वहर मंडल शुरू हो जाता है इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें होती हैं क्यों होती हैं क्योंकि ये जो ही गैसें होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं इसलिए सबसे ऊपरी क्षेत्र में पाई जाती हैं परत अनंत अंतरिक्ष में जाकर मिल जाता है तो ये हो गई वायुमंडल की संरचना के बारे में समझ में आ गया कौन सी परत कितने किलोमीटर तक फैली हुई ये आपको क्लियर हो गया होगा किस परत में या किस मंडल में जाकर आपका तापमान में वृद्धि होती है किस में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है जैसे शुभ मंडल में ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या हो जाता है गिर जाता है समताप मंडल में तापमान में कोई अंतर नहीं आता है मध्य मंडल में और ये मैंने आपको आयन मंडल तापमंडल के दो भाग बताए थे तो आयन मंडल जो था उसमें भी तापमान में क्या होती है बढ़ोतरी होती है चलिए ये हो गया आपका वायुमंडल की संरचना चलिए मौसम तथा जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं वादर वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में तो आइए समझते हैं मौसम तथा जलवायु को किस तरह से इसमें क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बारे में उसके बाद जलवायु के बारे में मौसम क्या होता है पहले मैं शुरुआत कर दूँ साधारण में मौसम जैसे मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में जाते हैं किसी क्षेत्र में आप गए जो कि बहुत तो वहाँ पर गर्मी पड़ती है और बहुत कम बारिश होती है लेकिन जब किसी कार्ड से आप जहाँ वहाँ पहुँचे तो मानसून का मौसम चल रहा था भारत देश मानसूनी देश है तो वहाँ पर आपने देखी यार बरसात हो गई तो बरसात जब वहाँ पर हुई है मौसम जब बदल गया बरसात हुई फिर एकदम धूप निकल आई फिर एकदम क्या हुआ आंधी आ गई तो वहां पर जो छड़े अवस्था थी वो मौसम जो वायुमंडल की जो छड़े अवस्था है वहां पर एक ही दिन में दो तीन तरह से जो मौसम की जो बदलाव आया जो वायुमंडल की जो दशा बदली उसको हमने क्या कहा मौसम कहा यानी कि वायुमंडल की दशा बदली और एकदम बरसात होने वाली होने लगी तो हमने कहा कि यार आज तो मौसम कैसा है यार आज तो बरसात होने वाली है अरे थोड़ी देर बाद बहुत कड़कती धूप निकल आई आपने कहा यार कैसा मौसम हो रहा है कि भैया कुछ नहीं बहुत तेज धूप निकल रही है अभी तो बाहर लायक स्थिति नहीं है फिर थोड़ी देर बाद जब हम बाहर जाने के लिए तैयार हुए और देखा कि एकदम बरसात होने लगी लगी बहुत बहुत तेज बहुत तेज सॉरी आंधी आने हमने पूछा कि यार चले अब अरे यार अब तो मौसम गड़बड़ हो गया आंधी आ गई तो हमने क्या कहा हम इन इनने ये नहीं कहा हमने भैया अरे यार भारत जलवायु बहुत गड़बड़ है हम अब नहीं निकल पाएंगे भैया जलवायु नहीं उसको हम मौसम कहेंगे क्यों बहुत एकदम तुरंत बदल गया का अवस्था में क्योंकि वो घंटे दो घंटे की थी सबते दो सप्ते की हो सकती है दिन या दो चार दिन की हो सकती है तो दिन दो चार दिन या सप्ताह की वायुमंडली दशा को हम मौसम कहते हैं जबकि किसी लंबे समय में मौसम की स्थिति को यानी कि सप्ताह दो सप्ताह तीन सप्ताह महीने दो महीने की जो स्थिति होती है और वो साल दो साल यानी महीने दो महीने दो महीने बरसात होती है एक महीने कड़कती धूप निकलती है दो महीने सर्दी पड़ती है और दो महीने बसंत ऋतु रहती है तो इस तरह से जो महीने दो महीने की या सप्ताहों की जो वायुमंडली दशा है वो साल दर साल यानी कि बहुत समय तक के लिए यानी लगभग लगभग पच्चीस साल तक अगर वही स्थिति बनी रहती है उस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र को हम उस क्षेत्र को हम उसकी क्या कह देते हैं जलवायु कह देते हैं उस वायुमंडली दशा को की साल दो साल की नहीं कम लगभग लगभग पच्चीस साल की तो जैसे कि आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है राजस्थान में आप जब पहुंचे तो एकदम बारिश होने लगी इसका मतलब ये तो है नहीं कि वहां की जलवायु वहां पर काफी अच्छी वर्षा होती है वहां का मौसम है वायुमंडली जो दशा थी वो एकदम बदल गई और उसको हमने क्या कहा भैया क्या हो रहा है अरे यार बाहर निकलने की स्थिति नहीं है मौसम गड़बड़ है तो ये क्या समझ में आया कि यहां पर मैंने लिखा है कि किसी स्थान के लिए दिन या सप्ताह के वायुमंडली दशा को हम मौसम कहते हैं लेकिन किसी लंबे समय में मौसम की स्थिति को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का, का बोध कराता है जबकि मौसम की, की दीर्घकालिक का अवस्था को हम जलवायु कहते हैं जलवायु लगभग पच्चीस तथा जलवायु के तत्व देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट चलिए देखते हैं करके। कौन कौन से तत्व होते हैं मौसम के मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं तापमान वायुदाब हवाएं आद्रता तथा ये मौसम तथा जलवायु के क्या होते हैं तत्व होते हैं अब मौसम तथा जलवायु के नियंत्रक क्या क्या होते हैं उनको भी समझते हैं फिर एक एक करके इन सभी चीजों को समझेंगे मौसम तथा जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं आइए देखते हैं मौसम तथा जलवायु के तत्वों को परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों को हम क्या कहते हैं मौसम तथा जलवायु के नियंत्रक कहते हैं इनमें क्या क्या आ जाते हैं आजांश हो जाते हैं सूर से दूरी हो जाती है जल तथा थल का असमान वितरण हो जाता है एक एक करके सबको समझेंगे पर्वतीय अवरोधक हो जाता है धरातल का स्वभाव हो जाता है अलग अलग क्षेत्रों में चक्रवात और तूफान की स्थितियां हो जाती हैं ये मौसम तथा जलवायु में क्या करते हैं नियंत्रक का कार्य करते हैं यानी कि कहीं पर कम करते हैं कहीं ज़्यादा करते हैं अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो समान वायु या तो एक समान बरसात होती या फिर एक समान सब जगह क्या होता बिल्कुल पूरी पृथ्वी पर सूखा होता लेकिन आसानी ये नियंत्रण करते हैं इसको चलिए समझते हैं एक एक करके सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं सौर विकिरण क्या होता है पहले तो ये देखते हैं तो ये सौर विकिरण या सूर्य के विकिरण के बारे में बात करते हैं तो सूर्य अपने चारों ओर ऊष्मा का जो विकिरण करता है यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो चारों दिशा में जो फैलता है सारे ग्रहों तक जो पहुंचता है उसको हम सौर विकिरण या सूर्य की विकिरण हम कहते हैं ठीक है क्या कहा जाता है सौर्य की विक्रण कहा जाता है आइए समझते हैं सौर तप क्या होता है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को हम सूर्या तप कह देते हैं पृथ्वी पर सूर्य की विकिरण का या सूर्य की किरण का दो अरम्मा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है यानी कि जो सूर्य होता है सूर्य जब वहां से कोई किरण सूर्य की जो प्रकाश है वहां से निकला और ऊर्जा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचा तो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते उसका भाग कितना रह गया सूर्य की जो किरण निकली थी उसका दो अरब मान लीजिए एक किरण यहां से निकली जितना भी प्रकाश यहां से निकला उसमें दो अरब का भाग भाग दे दीजिए जो निकला वो आपका सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने वाला भाग हो जाएगा ठीक है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचने वाले सूर्य तब की मात्रा को हम सौर स्थरान कहते हैं समझते हैं इसको सीमित है बिल्कुल साधारण मैंने क्या बताया वायुमंडल की जो ऊपरी परत है वायुमंडल है ये आपका उसके ऊपरी परत पर जो सूर्य की किरण आती है की किरण जो आती है और उस किरण से जो भी ऊष्मा प्राप्त हुई एक की परत पर पहुंचने वाले सूर्या तप की मात्रा को सौर या सोलर कॉन्स्टेंट कहते हैं यह दो ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति मिनट के बराबर होती है फिर से बताऊंगा इसके बिल्कुल साधारण भाषा में आइए बिल्कुल साधारण समझते हैं तो पृथ्वी पर औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर दो कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा प्राप्त होती है यानी कि आपका ये मान लीजिए ये है पृथ्वी पर सौर वायुमंडल की सतह वायुमंडल की सतह पर जो ऊपर से जो किरण आई एक सेंटीमीटर एक वर्ग सेंटीमीटर क्या है एक वर्ग सेंटीमीटर पर कितने मिनट में एक मिनट में कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है दो कैलोरी दो कैलोरी हमें प्राप्त हो रही है कितनी देर में एक मिनट में कितने क्षेत्र में एक सेंटीमीटर एक वर्ग सेंटीमीटर ठीक है चलिए सूर्या, सूर्या तप जो होता है सूर्या तप की मात्रा रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है घटती है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा किस तरह से घटती है कि जो इस तरह से ये आपकी मान लीजिए रेखा रेखा है तो पर सूर्या तप जो है वो हमें सबसे अधिक प्राप्त होता है जबकि ऊपर या ऊपर या नीचे जाएंगे यानी कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जब बढ़ेगा तो सूर्य का प्रकाश जो है वो कम होता जाएगा यानी कि जो सूर्या तप है वो कम होता जाएगा चलिए देखते हैं एक एक करके चलिए सूर्या तप को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं सबसे पहला है आपतन आपतन का कोण या सूर्य की किरणों का झुकाव या एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है आपतन कोण या सूर्य की किरणों का ठीक है या एंगल ऑफ इंसिडेंस चलिए समझते हैं पृथ्वी की सतह तथा सूर्य की किरणों के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं ये मान लीजिए यहां पर सूर्य है ठीक सूर्य

तो ये अगर सीधा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो क्या हो रहा है आप सबसे अधिक सबसे अधिक आ, क्या प्राप्त कर रहे हैं सबसे अधिक सूर्य तक प्राप्त कर रहे हैं चलिए इसको समझते हैं तो पृथ्वी की सतह तथा सूर्य की किरणों के बीच बने कोण को हम आपतन का कोण कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं जब सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं तो आपतन जो कोण है वो बड़ा होता है जबकि सूर्य की, सूर की किरण तिरछी पड़ती है तो आपतन कोण क्या होगा छोटा होगा ठीक है समझा गया ना आपतन कोण कब बड़ा होगा जब सूर्य की किरण किरण सीधी इस तरह से 90 डिग्री के कोण पर जब इसको काट रही होंगी यानी कि सीधा पड़ रहा होगा तब यहां पर प्रकाश अधिक प्राप्त हो रहा होगा तो इसको हम क्या कहते हैं आपतन कोण बड़ा हो रहा होगा तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से कौन कौन से आक्षांशों पर सूर्य तप कितना प्राप्त होता है आइए देखते हैं यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है ये आपका जीरो डिग्री आक्षांश है दस डिग्री बीस डिग्री तीस डिग्री चालीस डिग्री पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे डिग्री आक्षांश ठीक तो सूर्य तप कितना कैसे प्राप्त हो रहा है उसको समझते हैं यह परसेंट लिखा है सौ परसेंट निन्यानवे पचानवे अठासी उन्यासी और अड़सठ सत्तावन सैंतालीस तैतालीस बयालीस ठीक है यानी कि हंड्रेड 95, नाइन नाइन्टी फाइव एटी एट 43, नाइन सिक्सटी एट फिफ्टी सेवन फोर्टी सेवन फोर्टी थ्री फोर्टी टू ठीक है तो इस तरह से आइए देखते हैं आचांस कितना है अगर जीरो डिग्री आचांस है तो विश्व यानी कि जीरो डिग्री आचान या विश्वत रेखा है तो वहां पर कितना परसेंट मिल रहा होगा आपका सूर्य तब हंड्रेड परसेंट पहुंच रहा होगा यानी कि सीधे सर पर मिल रहा होगा अगर दस डिग्री उत्तरी आचां और दस डिग्री दक्षिणी आचान की ओर अगर हम जाते हैं तो हमें कितना मिल रहा होगा नाइन नाइन बीस डिग्री उत्तरी आचान और बीस डिग्री दक्षिणी आचान पर अगर जाएंगे तो कितना मिल रहा होगा नाइन्टी फाइव तीस डिग्री उत्तरी और तीस डिग्री दक्षिणी आचां की ओर हम जाएंगे तो कितना मिल रहा होगा एट्टी एट 40 डिग्री उत्तरी तो 40 डिग्री दक्षिणी जाएंगे कितना होगा 79 ऐसे 50 यहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं 50 पे 68 ए, 60 पे 57 70 पे 47 80 पे 43 90 पे 42 परसेंट आपको क्या मिल रहा होगा सूर्य तप प्रभावित हो तब तो रहा होगा चलिए और सूर्य तप को क्या प्रभावित करते हैं चलिए देखते हैं सूर्य तब को और कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं आइए समझते हैं सबसे पहले दिन दिन की लंबाई और देख लेते हैं जब दिन बड़ा होगा तो सूर्य तब क्या होगा सूर्य ज्यादा देर तक चमकता है इससे क्या होता है उष्मा अधिक प्राप्त होती है ठीक है जबकि दिन जब छोटा होता है जबकि दिन छोटा होने पर हमें कम उष्मा प्राप्त होगी सीधी मतलब है दिन बड़ा तो सूर्य तब हमें अधिक प्राप्त होगा दिन छोटा होगा तो सूर्य कम देरी तक चमकेगा या सूर्य कम समय तक चमकेगा इससे सूर्य तब भी हमें कम प्राप्त होगा ठीक है पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में देख लेते हैं अपसौर के समय पृथ्वी कम ऊष्मा प्राप्त करता है तथा उपसौर के समय पृथ्वी अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है यानी कि जब सूर्य के पास पृथ्वी जब बास होती है तो हमें अधिक प्रकाश मिलता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो हमें सॉरी प्रकाश कम प्राप्त होता है सूर्य से दूरी से सीधा संबंध होता है सॉरी <क्रासं> चलिए आगे समझते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक ठीक है समझते हैं ऊष्मा बजट क्या होता है आइए देखते हैं पृथ्वी उस माँ को ना ही कहीं जमा करती है और ना ही उसका कहीं ह्रास होता है यानी कि जो मैं मेरा शरीर है मान लीजिए मेरे पास जो जो भी अंग आपको लोग देख रहे हैं ना तो मेरा ये कोई अंग कटता है इस्तेमाल होता है ना ही मेरा मैं अपने शरीर में कोई अंग जोड़ सकता हूँ बल्कि हमें जितने की जरूरत होती है जितना मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ जितना मैं और भी काम कर सकता हूँ उतने की ही मुझे आवश्यकता पड़ती है मेरा जितना विकास है उतना ही आवश्यकता है ना मैं अपने अंदर कुछ ज़्यादा कोई अंग आप

पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में वापस भेज दे मैं बोल दे रहा हूं कि पृथ्वी अपने तापमान को स्थिर रखती है ऐसा जब ही हो सकता है जब पृथ्वी सूर्य से जितनी ऊष्मा या जितनी गर्मी प्राप्त करती है उतनी ही ऊष्मा वह पार्थिव विकरण के रूप में अंतरिक्ष में या आसमान में वापस भेज दे यानी कि प्राप्त की गई ऊष्मा और वापस भेजी गई ऊष्मा क्या होनी चाहिए दोनों बराबर होनी चाहिए तभी ये सूर्य का तभी पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है यानी कि जो गर्मी है वो बराबर रह सकेगी ना वो ज्यादा पृथ्वी गर्म होगी ना ही ज्यादा ठंडी होगी जितने हमें आवश्यकता है उतना ही प्राप्त होगा ठीक है तो साधारण भाषा में अगर इसको समझें तो इस सूर्या तप तथा पार्थिव विकरण में संतुलन के कारण ही पृथ्वी का औसत तापमान समान रहता है इस संतुलन को ही हम ऊष्मा बजट कहते हैं यानी कि जितना लिया उतना ही दिया यानी कि मैंने जितना खाया उतना ही पचाया और वो छोड़ दिया मैंने आप लोगों ने मैंने कभी देखा पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना खाया पिया स्टोर करता हो सारा का सारा छोड़ देता है ना तो जितना खाया उतना पचाया और वो छोड़ दिया वापस तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी करती है ये प्रकृति का नियम है तो हम भी उसी के प्र, प्रकृति के ही जुड़े हुए हैं ना हम कहीं बाहर से तो आए नहीं है कहीं से हम दूसरे किसी और चीज़ से हम भी उसी प्रकृति के द्वारा ही जीवित है ठीक है तो हम भी वही कार्य करते हैं जो पृथ्वी करती है यानी कि जितना लिया उतना ही छोड़ दिया जितना लिया उतना छोड़ दिया तो क्या हुआ संतुलित हो गया दोनों चीज न लिया न तेरा न मेरा बीच का हो गया ठीक है चलिए आगे समझते हैं इसको अब ये ऊषमा बजट होता कैसे है ये काम कैसे करता है समझते हैं मान लीजिए वायुमंडल की मैंने बताया था कि स्थिर ऊषमा जो होती है आपका जो वायुमंडल की ऊपरी परत होती है उसका एक सेंटीमीटर एक से एक वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल होता है या क्या वर्ग सेंटीमीटर जो भाग होता है उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं एक मिनट में दो कैलोरी ऊर्जा को क्या कर लेती है अवशोषित कर लेती है उसी तरह से यहां पे समझते हैं मान लीजिए वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है उसने सौ यूनिट क्या किया सूर्य का तापमान प्राप्त किया या सूर्य या गर्मी कितने यूनिट प्राप्त की सौ यूनिट प्राप्त की अब वायुमंडल से गुजरते हुए इनमें से सौ में से पैंतीस जो सूर्य तप थे या 35 जो यूनिट थे वो परावर्तित हो गए यानी कि मैंने जो न, मतलब ऊपर से जो चला हंड्रेड पहुंचा ऐसे यहाँ पर वायुमंडल की जैसे पहुंचने वाला था तो वायुमंडल से क्या था कुछ जो माल था पैंतीस परसेंट सिक्सटी फाइव में से वो सॉरी हंड्रेड में से थर्टी फाइव जो था यानी पैंतीस जो था वो परावर्तित हो गया यानी कि आया और चला गया 35 ऊपर ही ऊपर चला गया पृथ्वी तक पहुंच भी नहीं पाया ठीक है कितना 35 जो यूनिट थे वो ऊपर ही ऊपर चला गया नीचे तक तो आ ही नहीं पाया अब कितना बचा 65 बताया यानी कि 65 यूनिट बचे ठीक है तो मैंने क्या बताया कि वायुमंडल से गुजरते हुए 100 यूनिट सूर्यतप में से 35 यूनिट सूर्य तप क्या था परावर्तित हो गया यानी सूर्य के पास से 100 यूनिट हमने कोरियर करवाए यानी कि फ्लिपकार्ट मान लीजिए सूर्य है फ्लिपकार्ट से हमने 100 यूनिट जो ताप माल था 100 यूनिट हमने मंगवाए 100 यूनिट कोरियर करवाए जिनमें से हमारे पास कितने साफ सही सलामत पहुंचे सिर्फ और सिर्फ पैंसठ कोरियर जो थे या कहें जो यूनिट थे वो हमारे पास नीचे पृथ्वी तक पहुंचे ठीक ठीक है तो पैंसठ यूनिट सूर्य तब में से इक्यावन यूनिट पृथ्वी ने अवशोषित कर लिए पृथ्वी जो थी पृथ्वी की सतह थी उसने अवशोषित कर लिए और पैंसठ में से चौदह जो थे वो वायुमंडल ने अवशोषित कर लिए परावर्तित नहीं किए मतलब खा लिए जैसे मुझे मेरी अम्मा ने मेरी मम्मी ने सौ यूनिट कोई माल दिया सौ यूनिट में से मेरे फेंक के मारा उन्होंने तो जैसे नहीं जैसे कोई भी चीज़ उन्होंने फेंक के दी उनमें से पैंसठ ही मेरे तक पहुंचे और मैंने पैंसठ में से क्या किया पैंसठ जो मेरा भाई था वायुमंडल इधर बैठा था पैंसठ में से चौदह मैंने उसको दे दिया तो उसने अपसोचित कर लिए से मैं उसके लीगल लिए कर लिया उसमें से जो ऊर्जा होगी उसमें से अफसोस कर लिया और फिफ्टी वन मैंने कर अब निकालने निकालने की भी, भी व्यवस्था बनेगी अब मैं सुबह कैसे निकालूंगा उसके बारे में अभी यहां पर बताता हूं तो सिक्सटी फाइव यूनिट थे उनमें से यूनिट पृथ्वी ने यानी कि मैंने अफसोषित कर लिए और चौदह यूनिट यानी कि मेरा भाई जो वायुमंडल बैठा था चौदह यूनिट उसने अवशोषित कर लिए ठीक अफसोषित कर लिए डकार मार ली उसने अब ये निकलेगा भी चलिए कैसे निकलेगा आइए देखते हैं तो देखते हैं तो अब पृथ्वी यानी कि मैंने जो इक्यावन यूनिट सूर्या तप या कहें इक्यावन यूनिट जो मैंने खाए थे अब उसे क्या कर दिया मैंने सुबह जाकर निकाल दिया यानी कि उसे मैंने परावर्तित तो मैंने पार्थिव विक्रण के रूप में उसे वापस भेज दिया यानी कि जो खाया वो तुरंत यूनिट मैंने सुबह की सुबह निकाल दी जितनी जरूरत थी उतना ही मैंने इस्तेमाल करके और बाकी का जो माल बचा वो निकाल दिया आइए समझते हैं तो पृथ्वी पृथ्वी से यूनिट जो तब था था अवशोषित किया ने उसे पार्थिव विक्रण के रूप में उसे वापस कर दिया यानी कि सूर्य जो था इसने इस तरह से यहां पर किरण आई वायुमंडल को पार करते हुए कितनी पहुंची थी पृथ्वी पर इक्यावन पहुंची थी इक्यावन पहुंचने के बाद यहां पर पृथ्वी पर टकराई जितनी जरूरत थी उतनी लेने के बाद इक्यावन के इक्याव

चौदह रुपए का माल पहले ही खा लिया था यानी कि पैंसठ जो चढ़े थे पैंतीस तो पहले ही परावर्तित हो गए थे पैंसठ जो बचे थे उसमें से इक्यावन मैंने खा लिए थे और चौदह से पहले खा लिए थे अब मैंने यहां से जो वापस भेजा अब मैंने जो यहां से वापस भेजा उनमें से सत्रह तो सीधे चले गए सत्रह में सत्रह सीधे चले गए इक्यावन में से इक्यावन में से चौंतीस बचे उसने वहीं रोक लिए उसने फिर उनको फिर अवशोषित किया फिर से उसको खाया जब फिर से खाया फिर से खाने के बाद उसको फिर से अवशोषित करने के बाद उसको फिर से ऊपर अब क्या कर दिया परावर्तित कर दिया वायुमंडल ने फिर इन्हें फिर से विकिरण के रूप में वापस भेज दिया ठीक है तो इस तरह से जितना खाया उतना छोड़ दिया फिर से साधा समझा देता हूं पृथ्वी पर सूर्य की किरण यानी कि पृथ्वी पर ऊपर से नीचे आ, आ रहा था सौ सौ कुरियर करवाए सूर्य के पास से सौ सूर्य के पास से सौ कोरियर करवाए कितने पहुंचे हमारे पास हमारे पास पैसठ पहुंचे पैंसठ में से चौदह किसने ले लिए पैंसठ में से चौदह ले लिए आपके वायुमंडल ने आने से आ रहे हैं तभी ले लिए ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं चौदह कितने लिए उसने ले लिए आपके वायुमंडल ने अब हमारे पास कितने बचे इक्यावन बचे इक्यावन को हमने खाना पीना बनाया खाना पीना बनाने के बाद फिर से हमने वो वाली जो गैस थी हमने ऐसे सीधा था खाना पीना बनाने के बाद हमने फिर इक्यावन ऊपर भेज दिए इक्यावन में से सीधा सा सीधा वायुमंडल ने पहले खा लिए चौंतीस चौंतीस और चौदह कितने हो गए फोर्टी एट यानी कि अड़तालीस हो गए, uh, गए ठीक तो है तो वायुमंडल ने कितने अवशोषित कर लिया अड़तालीस अवशोषित कर लिया ठीक अड़तालीस को जब अवशोषित कर लिया उसने उसको अवशोषित करने के बाद वायुमंडल ने उनको भी जो अवशोषित किया था उनको भी वापस आसमान में भेज दिया ठीक है तो पृथ्वी ने यहाँ से भेज दिया और वायुमंडल ने ऊपर जाने के बाद भेज दिया तो यही यही एक कार्ड है कि पृथ्वी जितनी गर्मी का लेन देन करती है यानी कि इतनी गर्मी का लेन देन करने के बाद भी पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म होती है और ना ही ज्यादा ठंडी होती है इसी को ही हम ऊष्मा का संतुलन ऊष्मा बजट या फिर हाँ क्या है? इसको हीट बजट भी कहते हैं ठीक है तो जो भी कह लेना आप ऊष्मा का बजट कहते हैं इसको ठीक है तो वैसे इस ऊष्मा संतुलन में एक समस्या बनी हुई है वो क्या है वो है ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बनी रहती है क्यों इसको मैं बता देता हूं मेरी जरूरत नहीं है मैं जूम कर देता हूं यहां पर मैं आपको जूम कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने बताया था कि ऊपर से कितना चला पैंसठ हमारे तक पहुंचा था पैंतीस हमारा रास्ते में खत्म हो गया था पैंसठ पहुंचने के बाद पर कितना आया था इक्यावन आया था इक्यावन में से सारा का सारा उसने पूरा का पूरा ऊपर भेज दिया लेकिन जो सी होता है सी की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य का जो प्रकाश है या क्या जो पार्थिव पार्थिवकिरण है उनको रोक लेगा इससे वायुमंडल अधिक गर्म होने के चांस रहेंगे अधिक होने गर्म होने की संभावना रहेगी इससे हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी पर काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं ठीक है चलिए वायुमंडल का तापमान तापमान या तापन के बारे में बात करते हैं ये ट्रांसफर इन एटमोस्फियर किस तरह से जो हमारा वायुमंडल होता है किस तरह से गर्म होता है उसको समझते हैं उसमें कुछ क्रियाएँ उनके बारे में बात करते हैं ठीक है तो वायुमंडल के तापन को प्रभावित करने वाले यहाँ कारकों के बारे में यहाँ कहें वायुमंडल की तापन को प्रभावित करने वाली क्रियाओं को संबहन संचालन अभिवहन और विकिरण कहते हैं इसमें तीन के बारे में जानेंगे संबहन संचालन और विकिरण के बारे में ठीक है तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे विकिरण विकिरण क्या होता है रेडिएशन या हम इसको कह सकते हैं तरंग ठीक है। तो जब ऊष्मा का ऊष्मा का चाहे वो वो सॉरी ज़, जब ऊर्जा का स्थानांतर ताप तरंगों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है तो इसे हम विकिरण कहते हैं ठीक है कैसे होता है क्योंकि ताप तरंगे कैसे हो जाएंगी या ताप या ऊर्जा की तरंगे या फिर चाहे ऊर्जा ठंडी हो चाहे गर्म हो कुछ भी हो वो ऊर्जा होगी ठीक तो गर्म तथा ठंडी वस्तुएं सभी जो भी वस्तुएं होती है चाहे गर्म हो चाहे ठंडी हो लगातार ऊष्मा का क्या करती हैं विकिरण करती रहती हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊष्मा का विकिरण हो रहा है यहाँ पर ये तवा है ठीक है तो ये डिजाइन बना दिया तो गर्म हुआ तभी तो, हमें इसकी जा रही है। तभी तो जा रहा है ये ऊपर की ओर जा रहा है ना तभी तो हमें महसूस हो रहा है कि हाँ भैया नीचे गर्म हो चुका है ठीक तो इस, इस तरह से चलिए तो साधार भाषा समझें तो किसी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के किसी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के उष्मा तरंगों के माध्यम से सीधे पदार्थ को गर्म होने को हम क्या कहते हैं बिकरण कहते हैं ठीक गर्म वस्तुओं में ऊष्मा या कहें ऊर्जा विकिरण की दर अधिक होती है जैसे कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं या कहें विकिरण होती हैं उनसे पृथ्वी तथा उनका वायुमंडल गर्म होता है फिर समझेंगे इसको कि सूर्य की जो किरणें होती हैं

किरणें लघु तरंगें होती हैं इसलिए ये किरणें वायुमंडल को ज्यादा गर्म किए बिना सीधे उसको आर पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और जब पृथ्वी से टकरा जाती हैं ठीक है समझाएंगे ना जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो ये किरणें फिर से वायुमंडल में जाने की कोशिश करती हैं लेकिन ये वायुमंडल से यानी कि पृथ्वी से आई हुई जो किरणें होती हैं वो लॉन्ग वेव्स होती हैं ना कि शॉर्ट वेव यानी कि सूर्य से जो आती हैं वो लॉन्ग शॉर्ट वेव्स होती हैं जो पृथ्वी से टकराकर ऊपर जाती है उनको हम लॉन्ग वेव कहते हैं तो यहां पर देखते हैं तो पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणें फिर से वायुमंडल में वापस चली जाती है। लेकिन पृथ्वी से आई हुई ये हैं। लंबी होती हैं। ये लंबी होती इसलिए वायुमंडल को पार नहीं कर पाती बल्कि वायुमंडल इनका क्या कर लेता अवशोषण कर लेता है जब मैंने आप लोगों को ऊष्मा बजट पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से ऊपर से यानी कि जो सूर्य होता है चमकता है वहां से 100 यूनिट भेजता है लेकिन 100 यूनिट में से पृथ्वी तक पृथ्वी के वायुमंडल तक कितने पहुंचते हैं पैसठ यूनिट ही पहुंचते हैं क्योंकि कुछ जो यूनिट होते हैं पैंतीस यूनिट जो होते हैं परावर्तित हो जाते हैं यानी कि वापस लौट जाते हैं अंतरिक्ष में ही तो पैंसठ में से एक पैंसठ में से चौदह जो यूनिट होते हैं वो कौन अवशोषित कर लेता है आपका वायुमंडल अवशोषित कर लेता है और चौसठ में से इक्यावन जो होते हैं वो पृथ्वी पर आ जाते हैं पृथ्वी पर आने के बाद ये शॉर्ट वेव जो होती हैं वो किस में बदल जाती हैं लॉन्ग वेव में बदल जाती हैं और जब वापस जाने की कोशिश करती हैं तो ये वापस नहीं जा पाती बल्कि क्या होता है आ, इनका वायुमंडल अवशोषण कर लेता है यानी कि पहले इनको खा जाता है जब इनको समान हो तो जाता है यानी कि वायुमंडल के अंदर तब वायुमंडल इनका आनंद लेने के बाद फिर

तब उसे अंतरिक्ष में भेजा ठीक, चलिए तो मैं फिर से बता देता हूं कि वायुमंडल इनका अवशोषण कर लेता है जिससे वायुमंडल क्या होता है गर्म होता है यही एक कारण है कि वायुमंडल की निचली परत ही ज्यादा गर्म हो जाती है ठीक है आ गया निचली परत ही क्यों गर्म होती है क्योंकि वायुमंडल की निचली परत में सीओ टू की मात्रा होती है जलवाष्प होती है और जो प्रमुख गैसें होती हैं वो सारी की सारी कहां पर होती हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत में ही सारी गैसें पाई जाती हैं ठीक है, है? चलिए दूसरा देखते हैं संचालन क्या होता है ठीक है तो आइए देखते हैं जब ताप दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली प्रवाहित होती है यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए समझते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में यहां पर आप देखते हैं जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कर रहा हूं पानी गर्म ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये इस तरह से ये आपका यहां पर पानी गर्म कर रहा हूं तो जब यहां पर डायरेक्ट आग पर लगा दिया ना तो पानी पहले नीचे का गर्म होगा और नीचे का गर्म होकर ये इस तरह से चक्र करेगा इस तरह से ये नीचे का जब गर्म हो तो जाएगा तो ऊपर जाएगा ठंडे की ओर और जो ठंडा वाला पानी होगा फिर नीचे आ जाएगा तो इस तरह से चक्र होने के बाद क्या होगा पानी गर्म हो जाएगा कैसे होगा क्यों तब तक गर्म होगा जब तक कि दोनों का तापमान कैसा ना हो जाए समान ना हो जाए हमेशा ध्यान रखना जब आप वो लगाते हैं ना हीटर पानी गर्म करने के लिए तो आप अगर ऊपर लगा देंगे ना ऊपर तो नीचे वाला पानी गर्म नहीं होगा ये ध्यान रखना क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर होता है पानी ये इस तरह से कार्य करता है यानी कि गर्म से वो गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा जाती है समझा गया ना गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा जाती है और तब तक चलती रहती है ये चक्र जब तक दोनों का तापमान क्या हो जाए बराबर ना हो जाए इसको और एक दूसरा एग्जांपल में समझते हैं मान लीजिए मैं बगल में एक अंकल के यहाँ बैठा हुआ हूँ अंकल की हटी हुई है थोड़ी सी और काफ़ी गर्मी पकड़े हुए हैं यानी कि उनका तापमान काफ़ी अधिक है और मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति इस पूरी दुनिया जानती है मुझसे सीधा साधा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है तो वहाँ पर जाके अंकल के पास बैठा वो उनका बहुत पारा हाई एकदम गर्म काफ़ी और वो गाली देने लगे देना शुरू कर दिया उन्होंने क्योंकि उन्हें वो शक्ति वाटर आता ना जिससे जिससे पीने के बाद शक्ति आ जाती है क्या बोलते हैं उसको देसी पौआ उससे शक्ति बाटर बोलते हैं उससे उन्हें ज़्यादा शक्ति आ गई तो काफ़ी छोड़ा छोड़ लगी तो काफ़ी उन्होंने एनर्जी हमें दिखाई मैं शांत बैठा उन्होंने दो तो तीन स्पेशल वाली गाली भी दी और कई बार कई चीज़ें उन्होंने मेरे बारे में कहा मैंने उनसे कुछ नहीं कहा जब हद हो गई तो मेरा भी थोड़ा तापमान क्या होने लगा गर्म मतलब थोड़ा तापमान ज़्यादा होने लगा यानी कि उनकी जो ऊर्जा थी वो जो उनका तापमान ज़्यादा था उनसे मेरी तरफ आ रहा है उनसे मेरी तरफ तापमान बढ़ रहा है और मेरा ठंडा था धीरे तो धीरे मेरा भी आखिर में उनने ज्यादा मुझे पकाया ज्यादा मुझे तो मेरी भी हट गई जब मेरी हट गई तो फिर क्या हुआ फिर हमने उनका जाग कॉलर पकड़ लिया अब होने लगी एक दूसरे में पटका पटकी जब पटका पटकी होने लगी जब दोनों को पटका पटकी होने के बाद जब दोनों का तापमान बराबर हो गया जब दोनों में हो गई तब उन दोनों का क्या हुआ वो प्यार से बैठ गए उनने कहा यार हम तो ताकत वाला वो इंजेक्शन लगवा के आए थे इसलिए हमें ये परेशानी हुई अब क्या हुआ दोनों में तापमान क्या हो गया समान हो गया और आखिर में दोनों ठंडे हो गए नॉर्मल बैठ गए ऐसे ही ये करता है यानी कि संचालन क्या हुआ जब असमान ताप वाले दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा क्या होती है प्रभावित तो, प्रवाहित होती है यानी कि जाती है या कम बहती है और यह तब तक चलता रहता है जब तक यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों का तापमान क्या ना हो जाए दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए या समान ना हो जाए समझ में आ गया संचालन चलिए संबंध समझते हैं ठीक है तो वायुमंडल में लंबवत क्या होता है लंबवत होता है ये इस तरह से ये खड़ा ठीक जब इसको खड़ा कर देंगे तो ये लंबवत कहलाएगा ठीक है ये मैंने कैसे खड़ा किया लंबवत अब हमने इसको ऐसे कर दिया तो इसको हम क्या कहेंगे ऐसा इसको क्या कहेंगे इसको हम छिज कहेंगे ठीक है चलिए ठीक चलिए तो देखते हैं यहां देखते हैं तो वायुमंडल में लंबवत या ऊर्ध्वा ऊर्ध्वाधर तापन की क्रिया क्या कहलाती है संवहन कहलाती है यानी कि इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जो ऊर्जा जाती है उसका यानी कि तापन की जो क्रिया होती है उसको हम संवहन कहते हैं तापन कैसे नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है समझ आ गया तो यानी जब वायुमंडल की निचली परत या कहें निचली परत जब पृथ्वी से किरणें जो ऊपर जाती हैं या कहें भौमिक पिकरण या संचालन के कारण गर्म हो जाती हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है इससे यह हवा जब ऊपर उठती है तो निचली परत की ऊष्मा को ऊपर ले जाती हैं और उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा आने लगती है कुछ देर बाद वह भी गर्म हो जाती है फिर ऊपर चली जाती है तो इस तरह से संभन प्रक्रिया से वायुमंडल की जो निचली परत होती है वह क्या हो जाती है गर्म होती है साधारण भाषा में समझें कि गर्म वायु जब ठंडी होती है तो हल्की होकर ऊपर जाती है जब वो हवा ऊपर गई तो की जो जो हवा जो स्थान छोड़कर गई वो जगह खाली हो गई अब उस जगह को भरने के लिए कौन सी हवा आएगी ठंडी हवा आएगी ठंडी हवा जब उस जगह पहुंची फिर से वो गर्म हो जाएगी फिर से गर्म होने के बाद फिर ऊपर चली जाएगी वो वाली गर्म वाली हवा जो ठंडी हवा गर्म हुई फिर वो खाली जगह बनेगी फिर उसको भरने के लिए दूसरी हवा आ जाएगी इस तरह से क्या हो जाएगा जो गर्म होगी ऊपर चलती चली जाएगी फिर ठंडी फिर इसके तो किस तरह से होगा गर्म होती जाएगी तो सबसे पहले कौन सी परत हो जाएगी गर्म सबसे पहले निचली परत गर्म हो जाएगी तो गरम हो फिर नीचे से ऊपर की ओर गर्म होना शुरू होगा इसको हम क्या कहते हैं समबहन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल का गर्म होना या ही ट्रांसफर ऑफ ये आपका कन्वेंशन ठीक है कन्वेक्शन होता है ठीक है बात करते हैं समताप रेखा क्या होती है इसको देखते हैं समान तापमान वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं ये रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं क्योंकि अक्षांशों पर ही समान सूर्या ताप प्राप्त होता है इससे ता, तापमान भी समान रहता है लेकिन समुद्र तट के पास इसकी जो समताप रेखा होती है वो टेढ़ी-मेढ़ी होती रहती है ठीक है फिर से मैं बता दे देता हूं ये आछांश रेखा के समानांतर क्यों क्यों होती है क्योंकि जो आछांश रेखा होती हैं वो इस तरह से होती हैं सूर्य का जो प्रकाश मिल रहा है तो सबसे पहले कैसे होगा सीधे आछांश रेखा पड़ रहा है तो पूरे आछांश रेखा जीरो डिग्री पर है तो जीरो डिग्री पूरा होगा अब ये कहो कि जीरो डिग्री देशांतर की बात करें तो भैया जीरो डिग्री देशांतर कैसे हो जाएगा क्योंकि यहां पर कम मिल रहा है प्रकाश यहां पर ज्यादा फिर विश्व रेखा पर आएंगे यहां पर आएंगे तो फिर ज्यादा फिर कम 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 फिर ज्यादा तो इस तरह से होगा तो आशांश के समानांतर होते हैं ना कि देशांतर रेखा के कौन सी रेखा है समताप रेखा है चलिए बात करते हैं तापमान का प्रतिलोमन। प्रतिलोमन होता है उल्टा प्रतिलोमन बिलोम जिस तरह से होता है उसी तरह से तो इसको हम कहते हैं उल्टा समझते हैं इसको जो तरीका होता है जब मैंने आप लोगों को छो मंडल की जो परतें थी या जो सॉरी छो मंडल नहीं वायुमंडल की जो परतें थी या कहें वायुमंडल की जो संरचना थी, उस थी उसके बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया तो बताया था कि किस तरह से जो शोभ मंडल में हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होगा गिरावट आती है यानी कि प्रति एक किलोमीटर पे सिक्स डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होता है घट जाता है समझ में आ गया ये क्या होता है साधारण रूप से तापमान का क्या होता है तापमान में गिरावट होती है समझा गया तो यहां पर क्या होता है कि जब मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है तापमान घटता है तो यह एक साधारण प्रक्रिया है लेकिन कभी कभी ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटने की जब वजह क्या हो जाता है बढ़ने लगता है तो इसे ही तापमान का बिलो प्रतिलोमन कहते हैं यानी कि मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ जितना मुझको आता है उतना ज्ञानी बाबा नहीं मैं जितना आता है उतना आप लोगों को देता हूँ तो आप लोगों का जो फर्ज है कि आपको जो मैं देता हूँ उसके बदले में आप लोग भी कुछ प्रक्रिया करते हैं ठीक है प्रक्रिया करते हैं बहुत एक नॉर्मल प्रक्रिया है लेकिन मैं आपको दे रहा हूं और आप मुझे गाली दे रहे हैं यानी कि मैं आपका भला कर रहा हूं आप मेरे साथ उल्टा कर रहे हैं तो इसको क्या कह देंगे प्रतिलोमन कह देंगे यानी कि जो प्रक्रिया होती आ रही है यानी कि साधारण रूप से ताप ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है तापमान गिरता है लेकिन कभी कभी तापमान गिरने की बजाय बढ़ने लगे तो इसे क्या कहेंगे तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं, हैं मैं पर बता देता पर कि सामान्य रूप से छो मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है यानी कि एक किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर सिक्स डिग्री सेल्सियस तक तापमान घट सकता है लेकिन कभी कभी क्या होता है तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है इसको ये तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं चलिए ये हो गया आपका तापमान हीट ट्रांसफर ऑफ एटमोसफियर चलिए साथियों बात करते हैं वायुमंडल तो में जल के बारे में तो समझते हैं वायुमंडल में जल की उपस्थिति किस प्रकार होती है और कौन कौन सी उसमें अवस्थाएं होती है। तो हैं तो आइए सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल में जल की एक अवस्था होती है उसको हम कहते हैं आर्द्रता आर्द्रता के बारे में हम समझते हैं इसको हम योमी भी कह देते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्द्रता तो आर्द्रता होती क्या है वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं आर्द्रता कहते हैं यानी वायुमंडल है उसमें जो जलवाष्प है उसकी जिस जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं आर्द्रता कहते हैं इसकी मात्रा बहुत कम होती है यानी कि जो जलवाष्प होती है उसकी मात्रा आपके वायुमंडल में बहुत कम होती है उसके बाद भी यह वायुमंडल में एक वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण क्या होता है अंग होता है जलवाष्प वायुमंडल में तीनों रूप में पाई जाती है यानी कि गैस के रूप में भी ठोस के रूप में भी और द्रव्य के रूप में भी वायुमंडल में जल के कि तीनों अवस्था क्या होती है पाई जाती है तीनों रूपों में पाया जाता है पहली अवस्था गैस की अगर बात की जाए तो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है द्रव या तरल की बात की जाए तो आपका पानी के रूप में पाया जाता है सीधा सीधा आप देखते हैं पानी कैसे नीचे आता है बरसात के रूप में ठोस के रूप में अगर देखें तो हिमकड़ के रूप में और देखते हैं कैसे पत्थर लगते हैं मतलब कैसे ओले करते हैं तो वो भी यानी कि यहाँ पर गैस द्रव और ठोस तीनों अवस्थाओं में आपका वायुमंडल में जल की उपस्थिति होती है गर्म हवा में जल को रोके रहने की अधिक क्षमता होती है जबकि ठंडी हवा में जल वाष्प को रोकने की शक्ति नहीं होती है यही एक कारण है कि जब गर्म होती है वायु और गर्म होकर वह ऊपर उठती है ऊपर उठने के बाद जैसे ही वो ठंडी होती है तो उसका पानी जो होता है उसका साथ छोड़ देता है यानी कि आद्रता को ग्रहण करने की जो उसकी क्षमता होती है या जलवास को थ, रोकने की जो क्षमता होती है ठंडे जल में या ठंडे पानी में नहीं होती ये कारण जैसे ऊपर पहुंचता है नीचे बरसात शुरू हो जाती है तो चलिए देखते हैं एक एक करके तो वायुमंडल में, में आ, कहां पर है हाँ तो वायु में जलवास की मात्रा ही वर्षा का वर्षा का निर्धारण करती है यानी कि वायुमंडल में जितनी ज्यादा जलवास होगी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर वर्षा भी बहुत अच्छी खासी होती है क्योंकि पानी जो जलवास है वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा पानी का रूप ही होता है ना जलवास तो वो कहीं जैसी बात है समुद्र होगा नदियाँ होगी तो किसी ना किसी से वो जलवास के रूप में ऊपर जाएगा किसी ना किसी साधन से जब जलवास के रूप में वह ऊपर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके समुद्र किनारे कोई शहर है या कोई देश है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर वर्षा अच्छी खासी हो जाती होगी उसके तट वगैरह के आसपास या समुद्र के किनारे कोई शहर है तो वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छे से वर्षा हो जाती है क्यों क्योंकि जलवाष्प वहां से ग्रहण करेगा और ऊपर जाएगा तो घनघोर बारिश करेगा ही करेगा ठीक है फिर से मैं बता दे रहा हूं कि वायु में जलवाष्प की मात्रा ही वर्षा का निर्धारण करती है जलवाष्प पार्थिव विकिरण को क्या करती है सोख कर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है मैंने जब आप लोगों को वायुमंडल बताया था कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसमें एक जलवाष्प भी था जलवाष्प किस तरह से वायुमंडल की जो पृथ्वी जब तो आपका सूर्य की विकर्ण जो होती हैं नीचे आती हैं तो क्या होती हैं शॉर्ट वेव्स होती हैं और जब पृथ्वी से टकराकर जब वो वापस जाती हैं तो क्या बन जाती हैं लॉन्ग वेव्स बन जाती हैं शॉर्ट वेव को बायोमंडल आसानी से जाने देता है नीचे लेकिन लॉन्ग वेव को ऊपर नहीं जाने देता यानी कि जो लंबी तरंगें होती हैं उनको नहीं जाने देता है तो वो आपकी जो जलवायु होती है वो भी उनको उस जो जो आपका होता है उसको या कहें पार्थिव जो विकरण होती है उनको सोखने का कार्य करता है क्या जलवास भी करता है ठीक है फिर से बता देता हूं कि जलवास पार्थिव को सोख कर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है इसके कारण या और, और भी गैस वगैरह होती है उसके कारण न पृथ्वी ज्यादा गर्म हो पाती है न ही ज्यादा ठंडी हो पाती है ठीक है तो वायुमंडल में आर्द्रता जितनी अधिक होगी ठीक है वायुमंडल में आर्द्रता जितनी अधिक होगी वायुमंडल में बिजली अधिक कड़केगी वायुमंडल में अस्थिरता बनी रहेगी अस्थिरता मतलब स्थिर नहीं रहेगा क्योंकि आर्द्रता जब रहेगी तो वो कैसे पहुंचती है उसको भी हम आगे जानेंगे क्योंकि जलवाष्प में क्या होती है गुप्त ऊष्मा होती है जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है जो कि वायुमंडल में इकट्ठी हो जाती है जिससे तूफान आता है आपका बिजली कड़कता है, है तूफान आता है बिजली कड़कता है और चक्रवात जैसी इ, 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 जो क्रिया होती है उसके लिए ऊर्जा कहां से लेता है ये वायुमंडल की जो गुप्त ऊष्मा होती है वहां से प्राप्त करता है अब गुप्त ऊष्मा जाती कहां से ये आपकी जलवाष्प की होती है क्योंकि जलवाष्प जो होता है कैसे गर्म होता है जैसी बात है जब पानी गर्म होगा तभी गर्म होगा ना तो जलवाष्प जिससे गर्म हुआ ऊपर जाकर वो ठंडा हो गया अब जो उसकी गर्मी थी अब वो उसकी ऊर्जा थी वो कहां जाएगी तो वहीं इकट्ठी हो जाती है वो किसके लिए काम आती है बिजली कड़काने के आपका चक्रवात जब बनता है तो उन सभी जो क्रियां होती है उसके लिए काम आता है चलिए आगे समझते हैं बात करते हैं आर्द्रता के बारे में आर्द्रता कितने प्रकार की होती है आर्द्रता तीन प्रकार की होती है ज़्यादा नहीं जानेंगे डीप में नहीं जाएंगे ऊपर ऊपर हम उसके ऊपर तैरेंगे ते तैरते तैरते आनंद लेंगे ज़्यादा डीप में जरूरत नहीं है चलिए समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थोड़ा कमजोर है हमारी अंग्रेजी तो क्षमा चाहूंगा अगर कोई आपसे मुझसे आपसे तो नहीं आप तो होशियारी होंगे तो कोई शब्द है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो सॉरी उसके लिए चलिए समझते हैं छात्रता क्या होती है किसी स्थान पर किसी को ऐसा भी स्थान ले लीजिए जहां पर हवा और जलवास मौजूद हो तो किसी स्थान पर किसी तापमान पर हवा में जितनी आर्द्रता मौजूद होती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं मान लीजिए आप राजस्थान में चले जाइए हवा जो है उसकी हवा में जितनी आर्द्रता मौजूद हो उसको क्या कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे चाहे फिर वो ट्वेंटी हो चाहे फिर वो फिफ्टी हो चाहे थर्टी हो अब आप चले जाएंगे चेरापूंजी में तो चेरापूंजी में लगातार जमाझम बारिश होती है और आप जानते हैं जब जमाझम बारिश होती होगी तो वहां पर अच्छी आद्रता मिलती होगी तो क्या हवा के बारे में बात हो रही है हवा हवा के बारे में, हवा में 50 हो, हो कि चाहे वो 40 के पर, के बारें बारें बात 20 डिग्री बात हो रही हो किसी भी तापमान में हवा में जितनी आद्रता मौजूद होती है जितनी नमी मौजूद होती है उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं ठीक है जैसे कि मान लीजिए चालीस डिग्री सेल्सियस पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक घन हवा में या एक जलवाष्प मौजूद होती है मौजूद होती नहीं है मतलब है कहीं पर किसी जगह की बात कर रहा हूं ठीक है यही वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्तया दर्शाया जाता है चलिए दूसरा देखते हैं दूसरा प्रकार दूसरा पे कहते हैं सापे चाद्रता सापे चाद्रता को समझते हैं सापे चाद्रता क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठीक है समझते हैं किसी तापमान पर वायु में मौजूद जलवाष्प तथा वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को हम क्या कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं बिल्कुल साधारण कुछ स्पेशल नहीं है इसमें डरावना लग रहा होगा कि क्या है ये फिर से मैं बोल दे रहा हूं किसी तापमान पर वायु में मौजूद जलवाष्प तथा वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को हम क्या कह देते हैं सापेक्ष आद्रता कहते है. आदर्ता हैं निरपेक्ष आद्रता क्या कहते हैं निरपेक्ष आद्रता वो कह रहा है कि किसी भी तापमान पर हवा में मौजूद आद्रता क्या कहलाएगी निरपेक्ष आद्रता कहलाएगी कह लेकिन सापेक्ष आद्रता क्या कह रहा है कि किसी तापमान में आद्रता के साथ ही उस 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 हवा में और धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं और धारण करने की क्षमता के अनुपात को हम आदर्ता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की या सोखने की क्षमता गुणा वो गुड़ा सो सार भाषा मैं आप लोगों को समझा देता हूं मैंने खाए दो लड्डू यानी कि मेरे पेट में मैं कहूं कि मैं एक हवा हूं और मेरे अंदर इतनी क्षमता है अभी अभी मैं अगर निकालू मैं अपने पेट में कितने लड्डू मेरे पेट में पहुंच गए कि मेरे पेट में दो लड्डू मौजूद है कितनी अभी क्षमता है मेरी मतलब निरपेक्ष चाद्रता मेरी कितनी अभी निरपेक्ष चाद्रता दो लड्डुओं की अगर मेरे पेट में कितने लड्डू पहुंच गए दो अब मैं कितने और धारण कर सकता हूँ कितने लड्डुओं को और सोख सकता हूं तीन लड्डुओं को चार लड्डुओं को पांच लड्डुओं हो सकता है दस लड्डुओं को सोख लूं तो इन दोनों की क्षमता को यानी कि आर्द्रता मेरे अंदर पेट में कितने लड्डू मौजूद हैं और मैं कितने और को सोख सकता हूं यानी कि जो आज हवा है हवा में कितनी नमी मौजूद है और दूसरी तरफ क्या है कितनी क्षमता उसमें और है सोखने की यानी कि मान लीजिए इसमें बीस मान लीजिए यहां पर बीस आपकी इसमें नमी है तो पूरी दुनिया को जानती है कि 100% परसेंट 20 पचास परसेंट नमी इसमें मौजूद है तो 50% परसेंट और क्षमता है इसमें ग्रहण करने की नमी या नमी सोखने की ठीक है तो इसको क्या कहेंगे और उसका क्या करते हैं दोनों का हम अनुपात निकाल दें तो वो क्या कहलाएगा सापे आर्द्रता ठीक चलिए विशिष्ट आर्द्रता को भी देख लेते हैं स्पेसिफाइड ह्यूमिडिटी के बारे में भी जान लेते हैं इसे इसको किसको विशिष्ट आर्द्रता को हम आर्द्रता मिश्रण अनुपात भी कहते हैं इसको समझते हैं विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है विशिष्ट आर्द्रता वायु की मात्रा कुल वायु की मात्रा तथा उसमें मौजूद जलवाष्प की मात्रा का अनुपात यानी कि कुल वायु की मात्रा तथा उसमें मौजूद जलवाष्प की मात्रा का अनुपात को हम क्या कह देते हैं सॉरी तो विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं तो आइए इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं इसका क्या क्या कह रहा है वो उसका ये कहना है मान लीजिए मैं गया किसी दुकान पर मैंने कहा कि सर मुझे ढाई ग्राम हवा चाहिए ठीक है उन्हें कही ढाई ग्राम हवा दे दूंगा लेकिन सुनो इसमें से मैं पानी नहीं निकालूंगा मैं पानी नहीं निकालूंगा मुझे मैं उसने कहा कि जलवास्प शरीद तो दे रहा हूं ठीक है मैं हवा निकाल, हवा ले आया और मैंने क्या किया हवा जब घर पे लाया तो मैंने तौली तो कितनी निकली ढाई ग्राम निकली हवा ठीक अब हवा जब ढाई ग्राम लेके आया तो मैंने क्या कर दिया कि हवा का जो कुल वजन कितना है हवा का कुल वजन है कितना हवा का कुल वजन है ढाई ग्राम अब उसमें से मैंने क्या कर दिया जलवाष्प जो है वो अलग कर दी अब मैंने जलवाष्प जो है अलग कर दी तो जलवाष्प ठीक ध्यान रखना जलवाष्प कितनी निकली उसमें पचास ग्राम निकली अब पचास ग्राम और ढाई सौ ग्राम तो किसका अनुपात बता रहा है जलवाष्प जो जो वो वो लेके आया कुल वायु लेकर आया कितना उसका कितना कितना वजन है ढाई सौ ग्राम ढाई सौ ग्राम बटे कितना हो जाएगा ढाई सौ ग्राम बटे कितना कर देंगे हम इसको पचास तो इन दोनों का क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा तो दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा विशिष्ट आर्द्रता कहलाएगा ठीक है किसका अनुपात निकाल रहा है वायु जल जलवासित है जल बाहित की बात कर रहा है यहां पर ठीक है जलवासित ढाई सौ ग्राम हवा ले आया और उसकी जलवास को उस हवा में से निकाल के अलग कर ली दोनों का क्या कर लिया फिर उनका अनुपात ज्ञात कर लिया तो यही क्या कहलाया विशिष्ट अनुपात कहलाया फिर से मैं साधारण भाषा में बिल्कुल एक तीनों चीजों को एक बार फिर से कर दे रहा हूं कि सबसे पहले था निरपे चात्र था किसी क्षेत्र में कहीं पर भी आप चले जाइए किसी तापमान पर हवा में मौजूद आर्द्रता को क्या कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता क्या कहलाता है किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाइए वहां पर जो हवा में जो जलवास मौजूद है और उसके अलावा उसको जो वो मौजूद होने के अलावा वो उसमें कितनी और क्या कर सकता है और कितनी जलवास को सोख सकता है या ग्रहण कर सकता है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता सापेक्ष चार्द्रता तीसरा जो आता है तीसरा आता है विशिष्ट आद्रता इसको कैसे कहते हैं कि हवा हवा कैसे जलवाष्प हवा का भजन ढाई सौ ग्राम से जलवाष्प अलग नहीं किए अब दूसरी तरफ उसने क्या कर लिया उसी हवा में से जलवाष्प निकाल लिया लेकिन उसका वजन वहीं का रह। हवा का रहा हवा हवा जलवाष्प सहित और जो जलवास उन दोनों का अनुपात क्या कहलाया विशिष्ट अनुपात विशिष्ट कहला, आर्द्रता कहलाया ठीक है तो ये हो गई आर्द्रता तीनों प्रकार की चलिए आगे समझते हैं संगणन समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एकदम बहुत जरूरी क्लियर करेंगे हम इसको संगन होता क्या है इसको हम कंडेंसेशन भी कह देते हैं ठीक है तो आइए समझते हैं क्या होता है सबसे पहले तो हम देखते हैं संगनन जल की गैसी अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में बनने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं फिर से मैं बोल देता हूं जो पानी है उसकी गैसी अवस्था यानी कि जलवाष्प है उसका किसमें बदलना तरल पदार्थ में यानि में में कि पानी बदलना या ठोस बदलने की क्रिया को हम संगनन कहते हैं यानी कि गैस का जो कहें है, गैस है वो पानी की जो गैस है या भाप है उसको अगर पानी में बदल दिया जाए यानी कि द्रव में बदल दिया जाए या उसकी बर्फ बना दी जाए तो क्या कहलाता है वो संगनन कहलाता है ठीक है चलिए इ... या फिर हम इसको जैसे समझ सकते हैं आर्द्र वायु के ठंडा होने से संगनन होता है फिर से समझ में आ गया आर्द्र वायु के ठंडा होने से संगनन होता है वायु के जिस तापमान पर पानी अपनी गैसी अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में बदल जाता है इस तापमान को हम या ड्यू पॉइंट कहते हैं फिर से मैं बता दे रहा हूं कि वायु के जिस तापमान पर यानी कि हवा है या कहें जलवाष्प पे वो जिस तापमान पर यानी कि मान लीजिए जीरो डिग्री सेल्सियस या माइनस वन माइनस टू जितने भी तापमान पर वह गैस से किसमें बदल जाए ठोस या द्रव में बदल जाए

ओस पाला कोहरा बादल बरसात जैसी कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ चीजें बनती हैं इन्हें ही संगनन के रूप कहते हैं कौन कौन संगणन के रूप हैं हैं ओस ओस पाला उस, पाला कोहरा बादल बरसात ये काय के के रूप है? संगनन के रूप हैं आइए एक एक करके सबके रूपों के बारे में बात करेंगे रूप की रानी चोरों का राजा नहीं यहां पर संगणन के रूप के बारे में बात करते हैं चलिए समझते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बारे में सबने सबने देखी होगी नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं यहां पर ये ओस है ओस मतलब किसी और मतलब अंग्रेजों की भाषा में इसको ड्यू कहते हैं चलिए समझते हैं ओस क्या होती है पृथ्वी दिन में गर्म सब दुनिया जानती है कि जब ऊपर से सूर्य की किरणें पृथ्वी पड़ती हैं तो वो दिन में गर्म हो जाती है और जब सूर्य जिस समय हमें दिखाई नहीं पड़ता यानी कि दूसरी ओर होता है तो हमें क्या होता है रात में ये पृथ्वी ठंडी हो जाती है ठीक है तो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल की जो निचली परत है इतनी ठंडी हो जाती है कि इसके इससे यानी कि इतनी ठंडी हो जाती है वायुमंडल की जो निचली परत होती है इतनी ठंडी हो जाती है कि पृथ्वी से जो जलवाष्प बनकर ऊपर जा रही होती है गर्म होकर वो उस उस किस से, उस परस से यानी कि फिर से बोल देता हूं कि इतनी ठंडी हो जाती है कि इस परस से छूने वाली वायु से नीचे गिर जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी के तल पर गिरने लगती है इसे ही हम ओस कहते हैं फिर से मैं बता देता हूं मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि संगन का संगणन कैसे होता है कि जो वायु है या जलवाष्प है वो एक ऐसे तापमान पर या तो जलवाष्प में बदल जाए या बर्फ में बदल जाए या ठोस या द्रव में बदल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे संगनन कहेंगे अगर जिस तापमान पर वह संगनित हो जाता है या आपका द्रव या ठोस में बदल जाता है उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं ठीक है या ऊषांग कहते हैं तो क्या होती है कि जो पृथ्वी होती है पृथ्वी है ये आपकी है ठीक है दिन में आपकी गर्म हुई दिन में जब गर्म हुई तो गर्म होने के बाद क्या हुई ये अब ठंडी भी हो रही है तो जब ठंडी हो रही जो भी इसने क्या किया जो समुद्र के किनारे या फिर जितनी भी पृथ्वी के धरातल से उसने नमी सोखी थी वो ऊपर जा रही होती है जब ऊपर जा रही होती है तो वहां पर तापमान क्या होता है जो आपका वायुमंडल होता है उसका कम हो गया होता है कितना ओसांग ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाता है जब ओसांग तक पहुंच जाता है तो उससे जैसे ही जैसे ही वो हवा छूती है या जैसे ही वो जलवाष्प छूती है आर्द्र वायु जैसी छूती है वो कायम बदल जाती है बूंदों में बदल जाती है पानी की बूंदों में बदल जाती है और वो धीरे 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 छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर सुबह आपको दिखेगी सब डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि आपको सुबह उठकर ओस को चाटना चाहिए मतलब उसको चाटना नहीं ओस पर चलना चाहिए नंगे पैर वही घास के ऊपर जो छोटी छोटी बूंदे दिखती है उसको हम ओस या ड्यू कहते हैं ठीक है जैसे कि हम पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर सुबह देख सकते हैं कभी कभी तो रात में जब आप सर्दी पड़ रही होती है तो आपने देखा होगा कि आप कहीं किसी मित्र के यहां कहीं पर भी आप बैठे हो तो आप बैठे बैठे जब चलने को होते हैं तो चलते हैं तो देखते हैं अरे यार छह बज रहे हैं और ये क्या है? जो सीट है आप जो बाइक लेकर आए हैं उसके ऊपर ड्यू यानी कि मतलब ओस तो आप वहां पर भी मौजूद महसूस कर सकते हैं वो ओस ही होती है चलिए ओस का ओस का दूसरा बिगड़ा हुआ रूप देखते हैं ओस समझते हैं दूसरा है तुषार पाला या फ्रॉस्ट इसको हम कह देते हैं गांव में इसको पाला या तुषार कहते हैं ठीक है तो समझते हैं साधारण भाषा में जमी हुई उसको ही हम पाला कह देते हैं तो स्पेशल इस इसमें कुछ बताना नहीं है कि जब वायु क्या होती है जो वायुमंडल है उसका जो निचली परत होती है यानी क्षोभमंडल होती है या कहें जो निचली परत होती है वो बहुत अधिक ठंडी हो जाती है या उषाक तक उसका तापमान हो जाता है यानी कि ड्यू पॉइंट से नीचे उसका तापमान हो जाता है तो वहां पर क्या होती है जब वायु छूती है वायु छूते छूते कभी कभी उसका जो तापमान होता है कुछ ज्यादा ही नीचे गिर जाता है जैसी हवा छूती है तो बर्फ में न बदलकर कायम बदल जाती है वो जो ओस की बूंदे होती है वो कायम बदल, बदल जाती है सॉरी जो ओस की बूंदे होती है वो कायम बदल जाती है ओस की बूंदे बर्फ में बदल जाती है नन्ने नन्ने कड़ों में बदल जाती है इसको ही हम क्या कहते हैं पाला कहते हैं कभी कभी आपने देखा हो जब सर्दी पड़ रही होती है तो आलू वगैरह की फसल कर देते हैं गांव में तो कहते हैं कि भैया पाला पड़ गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी तो वही पाला होता है उससे फसल की तहस नहस हो जाता है वो होता ओस ही है लेकिन ओस का बिगड़ा हुआ रूप होता है ओस किसके रूप में गिरती है बर्फ के नन्हे नन्हे कड़ों के रूप में गिरती है फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ साधारण वाता में जमु ही ओस को ही हम पाला कहते हैं यानी जब ओसांक यानी कि हिमांक से के या हिमांक जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है या नीचे चला जाता है तो ओस की जगह क्या होता है पाला गिरता है ठीक है समझ आ गया चलिए चलिए कोहरा या फॉक को समझते हैं तो मैंने आप लोगों को जब वायुमंडल में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वायुमंडल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है जैसे आपकी गैसें होती हैं धूलकड़ होते हैं जलवास होती है तो उसमें एक धूलकड़ मैंने आप लोगों को बताया था तो धूलकड़ भी वायुमंडल की संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो आइए समझते हैं इसको तो वायुमंडल की जो निचली परत होती है वायुमंडल की निचली परत में जो धूल करता था धुएं के कड़ जो मौजूद होते हैं इसके साथ जो संगणित जो जल होता है यानी कि जो मैंने बताया था उसंग नीचे जब आपका उषांग से नीचे जो परत होती है उससे

के बाद की जो चीज है वो हमें बिल्कुल नहीं दिखे दिखेगी यानी कि कोहरे में 800 या 900 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देखा जा सकता यानी कि इसकी जो दृश्यता होती है एक किलोमीटर से कम या 800 मीटर से कम ही होती है ठीक है एक किलोमीटर या 800 मीटर से या 900 मीटर से कम होती है ठीक है ये मोटा मोटी होती है कभी कभी ज्यादा भी होता है कभी जादे... कम भी होता है लेकिन एक हजार मीटर से ज्यादा किसी भी हालत में कोहरे में नहीं दिखता चलिए धुंधिया मिस्ट को समझते हैं हल्के फुल्के कोहरे को हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं धुंध के समय देखने की क्षमता एक किलोमीटर से अधिक लेकिन दो किलोमीटर से कम ही होती है यानी कि दो किलोमीटर से पहले ही इसकी जो दृश्यता होती है वो समाप्त हो जाती है यानी कि अठारह मीटर के बाद या उन्नीस मीटर के बाद हमें चीज़ें दिखना बिल्कुल बंद हो जाएंगी जबकि कोहरे में मैंने दृश्यता कितनी बताई थी आठ मीटर से अधिक की वस्तु हमें नहीं दिखेगी कभी कभी नौ मीटर की दिख सकती है ठीक है ये मोटा मोटी होती है यानी कि इस में ये नहीं कि इतना फिक्स ही होता है कभी बोधर बुक जो वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें हल्का पूरा एक दो दसवीं पचास मीटर आगे पीछे कर देते हैं इससे क्या रहता है बुक अच्छी लगती है देखने में लोग कहते हैं अरे भैया इसमें अलग लिखा है तो अलग बनानी होती है ठीक है तो अलग अलग, अलग, अलग बुक में दो सौ तो पचास मीटर अंतर हो सकता है ठीक है तो या धुंध जो होता है, सूर्योदय सूर्योदय आप लोग जानते हैं, सूर्योदय सूर्योदय कब होता है? सूर्य तो मतलब सूर निकलने का समय, तथा सूर्यास्त के समय नदियों तालाबों सागरों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जो नदी किनारे रहने, रहने वाले लोग होंगे किनारे रहने वाले लोग होंगे वो जानते होंगे किस तरह से हल्का हल्का आपको धुंध सा दिख रहा होगा ठीक है ये क्या होता है इसको मिस्ट या धुंध या कोहरा कुहासा कहते हैं इसमें आप एक किलोमीटर से दूर की तो, सॉरी 1500 मीटर 1800 मीटर से दूर की चीज नहीं देख सकते ठीक है चलिए जब एक और चीज़ हल्की सी बता देता हूं यहां पर नहीं पढ़ेंगे ये जब पर्यावरण परिस्थिति पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे जब कोहरा तथा धुआं मिलते हैं तो धूम्र कोहरे का निर्माण होता है यहां पर इसको नहीं जानना है आइए समझते हैं ओला के बारे में यह भी आपका संगठन का ही रूप है ओला देखते हैं ओला क्या होता है होता है जब जल की बूंदें जम जाती हैं और इनके कणों का आकार क्या होता है बड़ा हो जाता है और इनका आकार जब और बड़ा होता है यानी कि बड़ा होने के बाद जब और बड़ा हो जाता है तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है अपना बजन कि ही वजन वजन नहीं संभाल पाते यानी कि इन्हें ये हैं भैया तुम्हारा बजन कुछ ज्यादा हो गया है हम तुम्हें नहीं संभाल पाएंगे तुम यहां यहां से से निकलो जब ये निकलते हैं ऊपर से जब निकलते हैं तो किसी ना किसी पर हमला कर देते हैं ठीक है क्योंकि गुस्से में निकलते हैं ना अपने घर से मम्मी मना कर देती है कि बेटा यहां पर नहीं रुकोगे तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा खापी रहे हो फिर से मैं बोल दे रहा हूं जब जल की बूंदे जम जाती हैं और इनके कड़ों का आकार क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है जब इनका आकार बड़ा हो जाता है और बड़ा होता है तो

बादलों का निर्माण हवा में मौजूद महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जलवास के संगणनित होने से होता है मैंने बताया था कि जो धूल के कण है होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वायुमंडल के लिए, लिए अगर ये न हो तो आप क्या नहीं बना सकते बादलों का निर्माण बहुत मुश्किल हो जाता है फिर से मैं वो दे रहा हूं बादलों का निर्माण हवा में मौजूद महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जलवास के संगणनित होने से होता है ज़्यादातर ज्यादातर देखा गया है कि बादल जल की अत्यधिक छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है यानी बादल गर्म तथा आद्र हवाओं के ऊपर उठने से बादलों का निर्माण गर्म तथा आदर हवाओं के ऊपर उठने से होता है क्योंकि जब हवा गर्म होती है गर्म होकर वह हल्की हो जाती है हल्की होकर वह ऊपर उठती है और जब वह ऊपर उठती है तो क्योंकि निचली परत होती है कैसी होती है उसका कि तापमान कितना होता है कम होता है और जब वह ओषांक पर पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद जलवास्तु होती है या जो हवा में जो जितने भी जल की बूंदे सॉरी जितना भी जल होता है वो क्या हो जाता है वह संगनित हो जाता है वह जम जाता

ठीक है ये बर्फ के कड़ों से भी बने हो सकते हैं लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि तापमान हिमांक से भी नीचा हो क्योंकि भैया संगणित तो हो ही जाएगा संगणित होकर या तो पानी बन जाएगा या फिर वो बन जाएगी आपकी बर्फ बन जाएगी लेकिन बर्फ बनने के लिए या फिर बर्फ के कड़ बनने के लिए शर्त ये होनी चाहिए हिमांक से नीचा होनी चाहिए क्योंकि ओषांक से भी नीचा होता है हिमांक ठीक ऊषांक से तो ओस बनती है हिमांक से क्या बनता है हिम बनता है हिम मतलब बर्फ ठीक है चलिए चलिए साथियों बादलों के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हल्का सा इसको आप लोगों को बता दूं बादल तीन प्रकार के होते हैं ऊंचाई के आधार पर निम्न मेघ मध्यमेघ और उच्च मेघ ठीक है निम्न मेघ की अगर बात की जाए या निम्न बादल की बात की जाए तो आपके ये आपके मिल जाएंगे दो किलोमीटर की ऊंचाई तक कैसे होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक दो किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिल जाएंगे निम्न बादल इसके बाद दो से सात किलोमीटर आपके मध्य मेघ मिल जाएंगे इसके बाद उच्च मेघ की अगर बात की जाए तो सात किलोमीटर से चौदह किलोमीटर के बीच में आपके मध्य मध्यमेघ सॉरी उच्च मेघ मिलते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं बरसा या बरसड़ या रैन के बारे में समझते हैं रेन क्या होती है चलिए देखते हैं बात करते हैं वर्षा के बारे में जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो उनके साथ जो जल होता है या पानी होता है वो भी भाप बनकर या बाष्प बनकर वायुमंडल में पहुंचता है जब वह ऊंचाई पर पहुंचता है तो जल वाष्प या जो न, पानी था जो गैस के रूप में पहुंचा वह संगणित हो जाता है या कहें या तो के रूप में हो जाता है या फिर काय में बदल जाता है या हिम कणों के रूप में बदल जाता है फिर से मैं बता देता हूं कि जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो इनके साथ जल भी बाष्प बनकर या भाप बनकर वायुमंडल में पहुंचता है जब यह ऊंचाई पर पहुंचता है तो जल बाष्प का संगनन हो जाता है इसके तुरंत बाद यह बादल का रूप ले लेती है और फिर बादल की बूंदों का निर्माण होने लगता है जब बादल की बूंदों का आकार एक मिलीमीटर से लेकर तीन मिलीमीटर के बीच में हो जाता है तो यह पृथ्वी के धरातल पर गिरती हैं। जिन्हें वर्षा जिन्हें रेन या फिर रेनफॉल भी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं वर्षा रेन या रेनफॉल कहते हैं फिर से बता देता हूं मैं एक बार जब हवाएं गर्म होती हैं हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो अपने साथ जल को भी ले जाती हैं जल जब जल जब ऊपर संग्रहित हो जाते हैं संग्रहित होकर वह वर्षा की बूंदों के रूप में बदल जाता है जब वह वर्षा की बूंदों के रूप में बदल जाता है तो उसकी आकृति कितनी हो जाती है एक से लेकर तीन मिलीमीटर के बीच में हो जाती है तो वह पृथ्वी के धरातल पर गिरना शुरू हो जाता है जिसको क्या कहते हैं रेन या वर्षा या आपका रेनफॉल भी कहते हैं ठीक है चलिए चलिए वर्षा के प्रकार देख लेते हैं वर्षा कितने प्रकार की होती है टाइप ऑफ रेनफॉल तो जो वर्षा है हवाओं के ऊपर उठकर ठंडा होने के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं ठीक है और भी कई तरह की हो सकती है दो की रहा है। हमें तीन के बारे में जानना है तीन प्रकार की होती हैं कौन कौन सी है समी वर्षा से सबसे पहले आएगी उसके बारे में पहले बात करेंगे ठीक है तो देखते हैं सम बहनी वर्षा क्या होती है जब पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है यानी पृथ्वी की जो जमीन है वो गर्म हो जाती है और उसके संपर्क में आने वाली हवा जो होती है वह भी गर्म हो जाती है और वह हवा जब वह हवा जब गर्म होती है तो गर्म होकर क्या होती है ऊपर उठती है गर्म होकर क्या होती है ऊपर उठती है क्योंकि गर्म होकर वह हल्की हो जाती है हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है हल्की होने के साथ वह क्या होती है फैलती है यह हल्की होकर जब ऊपर उठती है जब यह ऊपर पहुंचती है तो ठंडी हो जाती है जब यह ठंडी हो जाती है तो इसमें जो मौजूद जो जलवास्तु होता है वह संगणित हो जाता है संगणित होने के कारण कपासी मेघों का निर्माण होता है या कपासी बादलों का निर्माण होता है जिससे ये घनघोर बारिश कर

गर्म होकर क्या होती है वो ठंडी हो जाती है वो सॉरी गर्म होकर वो हल्की हो जाती है हल्की होने के बाद क्या करती है हल्की होने के बाद ऊपर उठती है ऊपर होने के बाद फैलती है फैलने के बाद जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है वैसे ही उस क्षेत्र में पहुंचती है जहां पर क्या है ओसांक वाला

चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं चलिए पर्वतीय वर्षा को देखते हैं पर्वतीय वर्षा क्या होती है पर्वत पहले मैं अपनी भाषा सादार समयों की समझाते फिर एक दो बार और समझा दूंगा पर्वत जो होते हैं पर्वत इस तरह से ऊंचाई पर होते हैं यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं पर्वत इस तरह से हवाएं जब बहती हैं तो पर्वतों, है। पर्वतों हैं। तो पर चढ़ सं, सं, तो जाती है पर्वतों पर चढ़ती है तो ऊंचाई पर जाकर ये संगणित संतृप्त हो जाती है संतृप्त मतलब इनमें हंड्रेड परसेंट आपका सापे चाद्रता हंड्रेड हो जाती है अब इसमें बिल्कुल भी जल की जरूरत नहीं है जैसे ये और ऊपर बढ़ती है वैसे ये क्या होती है आपका संगणित हो जाती है यानी कि ड्यू पॉइंट पर जैसे पहुंचती है ओसांक वाले क्षेत्र में पहुंचती है वैसे ये संगित हो जाती है संगित होने के बाद ये बादल का रूप लेती है बादल का रूप लेते हैं ये झमाझम बारिश कर देती हैं जिस क्षेत्र से ये चढ़ रही होती हैं ठीक है इसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है जब जलवाष्प जलवाष्प से लदी हुई हवा गर्म होकर किसी पहाड़ी किसी पर्वत या किसी पठार की ढलान के सहारे ऊपर चढ़ती है तो यह हवा ठंडी हो जाती है और ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है यह जब यह ऊपर चढ़ती है जब यह ऊपर चढ़ती है तो इसकी जो जलवाष्प होती है वह संगणित होने लगती है और इससे ही वर्षा होती है इसे ही पर्वतीय वर्षा कहते हैं यह वर्षा उन क्षेत्रों में बहुत अधिक होती है जहां पर पर्वत श्रेणी जो है समुद्र के तट के किनारे यानी कि यहां पर देख सकते हैं समुद्र के तट के किनारे होता है वहां पर यह वर्षा बहुत अधिक होती है या फिर समुद्र के तट के किनारे हो या समुद्र के समानांतर हो तो यह पर्वतीय वर्षा खासकर उन्हीं क्षेत्रों में होती है क्योंकि भैया जब पर्वत के किनारे पानी होगा तभी तो वो ले जाएगा कि अगर पानी अभी आपका रावली वाला क्षेत्र है रावली क्षेत्र में दो चार मीटर दो चार किलोमीटर का और ऊंचा पर्वत कर दो अब वहां पानी ही नहीं है तो कहां से वो ले आएगा जलवाष्प आद्र जलवास क्योंकि पानी भी होना चाहिए तो पानी के लिए क्या है किनारे सागर होना चाहिए ठीक है इसमें क्या होता है ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ती है तो टकरा जाती है ये पहाड़ी वाले क्षेत्र से तो वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है चलिए आगे इसी में ही बात करते हैं इसी पर्वतीय वर्षा के बारे में ही तो इस प्रक्रिया में पर्वत का जो ढाल होता है पर्वत का जो जिस तरफ से मान लीजिए इस तरफ समुद्र है तो पर्वत का जो ढाल होता है इसके सामने वाले ढाल पर खूब वर्षा होती है फिर से मैं बोल देता इस प्रक्रिया में पर्वत का जो ढाल होता है हवा के सामने होता है वहां पर खूब वर्षा करता है इसे ही पवना विमुख ढाल कहते हैं यानी पवन के सामने का जो ढाल है उसको पवना विमुख ढाल यहां पर खूब झमाझम बारिश होती है या यहाँ पर खूब तेज बारिश होती है लेकिन जैसे ही यहाँ ये ऊपर चढ़ाई करता है चढ़ते 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 पवन के वो पर्वत की दूसरी तरफ पहुंचता है यानी कि पवन विमुख यानी कि पवन के दूसरी तरफ जब ये पहुंचता है तो हवाएं कैसी हो जाती हैं गर्म और शुष्क हो जाती है शुष्क का मतलब होता है जिसमें आर्द्रता ना हो जिसमें नमी बिल्कुल ना हो तो गर्म और शुष्क हो जाती है यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती फिर से मैं बोल देता हूँ कि इस प्रक्रिया में पर्वत का जो ढाल होता है पर्वत का जो ढाल होता है सामने वाला हवा के सामने वहां पर खूब वर्षा होती है इसको हम पवन विमुख ढाल कहते हैं जबकि हवाएं पर्वत की दूसरी तरफ की ढाल पर उतरती हैं, तो वह गर्म और शुष्क हो जाती हैं हवाएं यहां पर वर्षा बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं करती इसको ही पवन विमुख यानी कि पवन के विपरीत दिशा का ढाल कहते हैं इसको ही हम ब्रष्ट छाया जोन भी कह देते हैं जोन या दृष्टि छाया क्षेत्र भी कह देते हैं जैसे कि आपका जब आप लोग भारत में पढ़ेंगे तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है इस तरह से जो समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है पश्चिमी किनारे के ये पश्चिमी घाट के ये पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत ठीक पश्चिमी घाट पर्वत का जो पूर्वी ढाल है यहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती जो पश्चिमी ढाल है वहां पर वर्षा खूब होती है यही एक कारण है महाबलेश्वर जो है जो कि आपका पश्चिमी ढाल के पश्चिमी क्षेत्र में है यहां पर लगभग लगभग 600 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है वहीं इसके ठीक दूसरी तरफ दूसरी तरफ जहां पर पुणे स्थित है वहां पर मात्र 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है समझ में आ गया ना ये बात चलिए आगे बात करते हैं दूसरा देखते हैं

मध्य व उच्च अक्षांशों पर यह वर्षा करती है मध्य कौन से होते हैं मध्य मतलब बीच वाला अक्षांश यानी जीरो डिग्री अक्षांश ठीक है मध्य तथा उच्च अक्षांशों में वर्षा होती है ठीक है चलिए साधारण भाषा में हम इसको समझ लेते हैं वर्षा के बारे में कटवनी चक्रवात में गर्म तथा आर्द्र जो वायु राशि होती है हल्की होने के कारण ठंडी तथा शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है फिर से मैं बोल दे रहा हूं शीतोष कटबंधी चक्रवात में गर्म तथा आर्द्र जो वायु राशियां होती हैं हल्की होने के कारण ठंडी ठंडी तो और रोड पर गाड़ी चल रही है और लोगों की तो मेरी गाड़ी तो जो रोड पर चढ़ रही है उनके ऊपर चढ़ जाएगी क्योंकि इतनी गाड़ी है वो हवा में तोड़ती नहीं है हवाई हवा में उड़ता है हल्की सी ऊपर हो गई तो अन्य गाड़ियों के ऊपर चढ़ गई फिर से बताता हूँ शीतोष कटवंध चक्रवात में गर्म तथा आर्द्र वायु राशि हल्के होने के कारण ठंडी तथा शुष्क वायु राशि के क्या होता है ऊपर चढ़ जाती है इसके कारण गर्म हवा इसके कारण गर्म हवा में मौजूद जल वाष्प का संगन हो जाता है क्योंकि ठंडी से जाकर टकरा जाती है ना गर्म वायु यानी कि वो कहते हैं ना कविता जो मुझसे टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी वो वाली कविता है तो जो ठंडी वायु के साथ ये गलती से टकरा जाते हैं जैसे टकराते हैं वैसे ये संगणित हो जाते हैं संगनित होने के बाद ये बरसात करने लगते हैं इस तरह की बरसात शीतों कटबंधित चक्रवाती क्षेत्रों में होती है उस कटबंधित चक्रवातों में ना के बराबर होती है जैसे कि सर्दियों में उत्तर उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा चक्रवातों के द्वारा ही होती है आप लोगों को पता है जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तब तो वहां पर डिटेल से जानेंगे ठीक है वैसे तो उस कटिबंधित क्षेत्रों में बाताग्रहों की कमी होती है क्योंकि वहां पर बाताग्रह थोड़े कम होते हैं लेकिन उस कटिबंधित चक्रवातों में वायु चारों ओर वायु जो होती है चारों ओर केंद्र की ओर जाती है जिससे चक्रवात जिस क्षेत्र से गुजरता है उस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो जाती है उस कटिबंधी क्षेत्रों में क्योंकि आ, जो वर्षा होती है वो न के बराबर होती है किसमें उस कटबंधी क्षेत्रों में लेकिन शीतों कटिबंधी क्षेत्रों में बाताग्रों का ज्यादा ही निर्माण होता है समझ आ गया चलिए आइए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं बाताग्र तथा चक्रवात के बारे में सबसे पहले बात करेंगे बाताग्र के बारे में ठीक है उसके बाद साइक्लोन अलग अलग तरह की पढ़ पढ़ वायु दूंगा दो अलग तरह की वायु राशियां आसानी से आपस में नहीं मिल पाती क्योंकि दोनों के तापमान अलग होते हैं वायु दाभ अलग होता है और आर्द्रता अलग होती है और ये हवाएं अपना अपना अस्तित्व बनाए रखने की पूरी कोशिश करती हैं यही ये कारण है कि जब यही एक कारण है कि जब दो असमान गुणों वाली दो वायु राशियां एक दूसरे के पास आती हैं तो वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह नहीं मिल पाती इसलिए इन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए ढाल नुमा यहाँ पर आप देख सकते हैं ढाल नुमा क्या बन जाती है आकृति बन जाती है ठीक है ढाल नुमा सीमा सतह का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम बाताग्र कहते हैं ये बाताग्र का निर्माण हुआ अभी बात करेंगे पूरा बाताग्र पृथ्वी की धरातली सतह पर कुछ कोण पर झुका हुआ होता है कुछ कोण पर झुका हुआ होता है बाताग्र का ढाल पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है इनका ढाल बढ़ता ही जाता है बाताग्रों के प्रकारों के बारे में यहां पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं करूंगा यहां पर लिख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है चलिए मैं बता देता हूं साधारण राशा में मैंने अभी यहां पर क्या बोला मैंने बताया कि जो दो राशियां होती हैं दो वायु राशियां होती हैं अलग अलग गुणों की अलग वायुदाब होता है उनमें अलग आर्द्रता होती है अलग तापमान होता है यानी कि एक का गर्म तापमान है यानी कि एक गर्म है और दूसरी ठंडी है तो जब ठंडी और गर्म तो है तो दोनों जो वायु राशियां हैं एक दूसरे से जब टकराती एक मान लीजिए पूर्व से आ रही है पश्चिम से आ रही है जब एक दूसरे से टकराती है तो वो एक दूसरे का मिलन नहीं करने देती क्योंकि दोनों की जो प्रकृति है वो दोनों की अलग है यानी कि ये मान लीजिए किसी और जाति का है और ये किसी और जाति का है तो दोनों का मिलन होने में बहुत परेशानी होती है यानी कि दोनों के गुण अलग अलग है लेकिन होता क्या है ईश्वर जो है किसी भी काम में देर करता है अंधेर नहीं करता दोनों जब आपस में क्या करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं आपस में थोड़ी सी बातचीत होती है जब काफी देर बातचीत होता है थोड़ी जान पहचान हो जाती है तो फिर क्या होती है जब जान पहचान हो जाती है तो ये अपने घर में बुला लेता है ठीक है तो यहीं पर क्या होता है मैंने क्या बताया कि जब इनमें आपस में जान पहचान हो जाती है यानी कि जब, दो जब दोनों वायु राशियां अपने एक दूसरे से मिलने की कोशिश करती है तो दोनों क्या करती है अपना अपना ज्ञान पेलती है वो कहती है हम अपना वाना बनाने की रखेंगे सारा सब कुछ और गर्म वाली कहती है कि नहीं हम अपना करेंगे ठंडा वाला कहता है कि नहीं हम अपना करेंगे तो दोनों अपना अस्तित्व बनाए रखने के कारण क्या होती है वो अपना बल लगाता है वो अपना बल लगाता है तो इसके कारण क्या होता है कुछ डिग्री पर क्या करता है ये झुक जाता है ये डार बाल सीमा सतह का निर्माण कर लेता है जिसको हम क्या कह देते हैं बाताग्र कह देते हैं ठीक है यहां पर आप देखेंगे बाताग्र किस तरह से निर्माण होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ठीक है बाताग्र जो होता है बाताग्र त्रिविमीय होता है यानी थ्री थ्री डायमेंशनल होता है ठीक है चलिए जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ज्यादा बात करनी है यहां पर साइक्लोन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें बहुत जरूरी इसको समझना भी बहुत जरूरी है ठीक है आइए समझते हैं चक्रवात क्या मतलब होता है सबसे सरल भाषा में समझते हैं चक्रवात चक्रवात बात होती है हवा और चक्र होता है गोल गोल घूमना हवा का गोल गोल घूमना ठीक इसको ही हम कहते हैं चक्रवात ठीक है तो चक्रवात का मतलब होता है चक्रदार हवाएं चक्रदात कैसे होता है शक्तिमान देखा है, है? हमने पक 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 ऐसे करते घूमता है शक्ति शक्ति शक्तिमान तो वही शक्तिमान वाला जो ये इस तरह से जो बन रहा है इसी को ही हम कहेंगे ये शक्तिमान की आकृति जो बनी इसको हम क्या कहेंगे चक्रवात कहेंगे ठीक है यानी कि बात का चक्र बात मतलब होती है हवा ठीक चलिए अब समझते हैं इसको पूरा हवाओं का ऐसा चक्र जिसके अंदर की ओर क्या होता है वायुदाब कम और बाहर की ओर वायुदाब अधिक होता है फिर से मैं बता देता हूं मैं एक चक्रवात हूं बाहर जो मेरा दिख रहा है ये हिस्सा जब मैं आपसे टकराऊंगा आप कहीं पर खड़े हैं तो मैं आपको टक्कर मारूंगा तो क्या होगा आपको पहले अधिक वायुदाब से टक्कर मारूंगा यानी कि मैं अधिक वायुदाब से टक्कर मारूंगा और जब मैं अपने आप आपका इस तरह से सीना चीर दूंगा जिस तरह से भगवान हनुमान जी थे उन्होंने चीर दिया था जब मैं इस तरह से सीना चीर दूंगा तो अंदर से टक्कर मारूंगा तो क्या होगा निम्न वायुदाब क्यों अंदर की जो मेरी आत्मा है वो हल्की होगी फिर से यहां पे समझते हैं हवाओं का ऐसा चक्र जिसके अंदर की ओर वायुदाब कम होता है पर देख सकते हैं लो प्रेशर होता है निम्न वायुदाब होता है और बाहर की ओर जो वायुदाब होता है वो बढ़ता जाता है यानी कि बाहर की ओर वायुदाब अधिक होता है यानी कि चक्रवात एक निम्न वायुदाब का क्या होता है तंत्र होता है जिसके केंद्र से वायुदाब बाहर की ओर जब जाएंगे यहां से केंद्र में अधिक निम्न वायुदाब होगा केंद्र से जब बाहर की ओर जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा बढ़ता जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं नौ सौ चौरानवे नौ सौ छियानवे नौ सौ अट्ठानवे एक हजार एक हजार दो एक हजार तीन इस तरह से और ये ये इस तरह से चलता रहता है ये कई सौ किलोमीटर में हो सकता है क्या चक्रवात कई सौ किलोमीटर दो सौ किलोमीटर का भी हो सकता है सौ किलोमीटर का भी हो सकता है तो मैंने क्या बताया चक्रवात एक निम्न वायुदाब का एक ऐसा तंत्र होता है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और केंद्र से बाहर की ओर जब जाते हैं तो वायुदाब बढ़ता जाता है ठीक है तो चक्रवात पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में यानी कि घड़ी किस तरह चलती है इस तरह से घूमती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में यानी कि इस तरह से घूमेंगी किस तरह से इस तरह से जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं घड़ी की सुई की सीध में घूमेंगे यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में घूमती यहां पर आप डिजाइन देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में आपको इस तरह से घूमेगी चक्रवात ठीक इस तरह से और दक्षिणी गोलार्ध में आपका इस तरह से घूमेगा घड़ी की सुई की दिशा में चलिए तो उत्पत्ति के आधार पर अगर चक्रवातों की बात की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं आइए उनको समझते हैं चक्रवातों को सबसे पहला चक्रवात है शीतोष्ण कटवंधी चक्रवात ठीक है आइए देखते हैं तो चलिए शीतोष्क चक्रवातों के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को शीतोष कटवंध पहले दिखा दू शीतोष कटवंध होता कौन सा है जो आपका पहले तो मैं आप लोगों को दिखा उष्ण उध कौन सा होता है जो बिश्वत रेखा होती है विश्वत रेखा से उत्तर में चले जाइए आप तीस डिग्री तक ठीक है और विश्वत रेखा के दक्षिण में चले जाइए तीस डिग्री या हम इसको मोटा मोटी मान सकते हैं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं उष्ण कटवंधीय कहते हैं ठीक है जबकि से पैसठ डिग्री उत्तरी आचांश और 30 से पैंसठ दक्षिणी आचांश को हम क्या कहते हैं शीतोष्ण कटवंदी क्षेत्र कहते हैं यानी कि जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र है यानी कि आपका जो ट्रेड इंस्ट्यूट को हम कहते हैं और शीतोष्ठ कटवंदी क्षेत्र वाला जो है जो कि 30 से पैंसठ डिग्री वाला जो क्षेत्र है उसको हम पछुआ पवनों का क्षेत्र कहते हैं ठीक है चलिए तो आइए देखते हैं बात करते हैं शीतोष कटवंधी चक्रवात के बारे में तो शीतोष कटवंधी चक्रवातों की उत्पत्ति शीतोष कटवंधी क्षेत्रों से क्षेत्रों में ही होती है यानी कि इनकी उत्पत्ति पछुआ पवनों की पेटी में पछुआ पवनों की पेटी कितने में पाई जाती है तीस डिग्री उत्तरी आछांश से लेकर तीस डिग्री उत्तरी तीस से लेकर पैंसठ उत्तरी आछांत और तीस से लेकर पैंसठ दक्षिणी आक्षांशों के बीच में यहां से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है पछुआ पवनों का क्षेत्र है ठीक है पछुआ पवनों का क्षेत्र है पछुआ मतलब पश्चिम ठीक तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो हवाएं चलती हैं हैं इसको क्या कहते हम पवनों का क्षेत्र और जो ट्रेड जाती हैं हैं इस तरह से चलती है, ठीक है चलिए तो कौन सा क्षेत्र है पछुआ पवनों का क्षेत्र ये उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में आते हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग अधिक होने के कारण का साल भर चलते रहते हैं फिर से मैं बता दूं मैं फिर से बता दूं कि ये सर्दी के मौसम में बहुत ही उग्र हो जाते हैं यहां कहें सर्दी के मौसम में कुछ ज्यादा ही भयंकर हो जाते हैं इनकी कुछ गति ज्यादा ही हो जाती है इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में आते हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग अधिक होने कारण ये साल भर चलते हैं क्योंकि दक्षिणी भाग में जब आप लोगों को शुरू में बताया था तो मैंने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं क्योंकि जलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं क्योंकि एट्टी भाग में दक्षिणी गोलार्ध में क्या है जल ही जल है और नाइनटीन भाग में क्या है आपका स्थल है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जब आप मान लीजिए आपको खुला मैदान मिल जाएगा दौड़ लगाने

अगर थोड़ा रोक टोक मेरे थोड़ा आ, ब्रेकर वगैरह हो तो थोड़ी स्पीड धीमी रहती है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है एकदम पूरा समुद्र मिल जाता है ना तो एकदम आधी फैला देते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर कहाँ पर चलते हैं साल भर ये दक्षिण गोलार्ध में चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में कब चलते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ सर्दियों में आते हैं ठीक है तो ये अंडाकार या उल्टे बी आकार की इनकी आकृति होती है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करते हैं यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा पूर्व कौन सी है ये और पश्चिम कौन सी है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जब भारत देश में चक्रवात टकराते हैं तो किस दिशा से आ रहा होता है पूर्व दिशा से आ रहा और किस दिशा में टकराता है पूर्वी दिशा में ही आकर पूर्वी तट पर आकर टकराता है चलिए उत्पत्ति तथा जीवन चक्र के बारे में बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे बर्कनीज ठीक है उन्हीं के आधार पर हम यहां पर बात करने वाले हैं शीतोष्ण कटवंती चक्रवातों की उत्पत्ति का सिद्धांत बजरक ने दुर्वीय वाताग के सिद्धांत के आधार पर इस उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था तो शीतोष्ण कटवंती चक्रवातों की उत्पत्ति का संबंध दुर्वीय वातागनों से होता है दुर्वीय वातागर कहां पर आते हैं 30 डिग्री से 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में यह दुर्वीय वातागनों का निर्माण होता है इस सिद्धांत के आधार पर शीतोष कटिबंधी चक्रवातों की उत्पत्ति दो अलग अलग ताप तथा आर्द्रता वाली वायु राशियों के विपरीत दिशा से आकर मिलने से होता है यानी एक ठंडी व शुष्क जो कि पश्चिम दिशा से आती है और दूसरी उष्ण तथा आर्द्र होती है जो कि पूर्व दिशा से आती है जो दोनों आकर इस तरह से मिलन जब उनका होता है तो क्या होता है बाताग्रों का निर्माण होता है और फिर शीतोष्ठ कटबंधी चक्रवात की शुरुआत हो जाती है ये दोनों वायु ਲਗਭਗ 60 डिग्री पर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं यहां पर ये तुरंत ही एक दूसरे में नहीं मिलती बल्कि इनके इनके बीच में कुछ समय के लिए एक निश्चित सीमा बनी हुई होती है लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई किसी भी तरह का प्रेम नहीं है क्योंकि शुरुआत जब हुई है मिलन हुआ इनका तो इतना गहरा प्रेम नहीं दिखा रहे बाद में जब इनका दोनों का अच्छे से मिलन हो जाएगा तो बहुत भयंकर प्रेम होगा और प्रेम में इतनी तबाही कर देते हैं कि आसपास का पूरा शहर का शहर गायब कर देते हैं ये जो

Osionfish. क्या कहते हैं दुर्वीय बाताग्र कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं दुर्वीय चलिए उत्तरी में दुर्भी दुर्भी बाताग्र तीन पाए जाते हैं तीन क्षेत्रों में बाताग्र पाए जाते हैं कौन कौन से क्षेत्र में सबसे पहला क्षेत्र है अल्यूसियन दीप समूह के पास अल्यूसियन द्वीप समूह कहा है यहां पर बेरिंग जल संधि के ठीक नीचे ठीक अल्यूसियन द्वीप समूह दूसरा है आइसलैंड के पास आइसलैंड कहां है यहां पर आइसलैंड आप देख सकते हैं फेरो द्वीप समूह के ठीक ऊपर तीसरा जो बनता है भूमि सागर के पास यहां पर आप देख सकते हैं भूमि सागर के पास ठीक चलिए इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष कटबंधी चक्रवातों की छह किरमिक अवस्थाएं या स्थितियां बताई गई हैं प्रथम स्थिति में ठंडी तथा गर्म वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं इनमें इसको हम स्थाई बाताग्र कहते हैं या कहें जब एक गर्म एक ठंडी और दूसरी गर्म है तो वो एक दूसरे के क्या चलती हैं समानांतर चलती हैं ये इस तरह से और ये इस तरह से जब चल रही होती है तो क्या होता है दोनों के बीच में बाताग्र का निर्माण हो जाता है तो इसको हम स्थाई बाताग्र कहते हैं ठीक है पहली अवस्था में उत्तर से आने वाली उत्तर से आने वाली ठंडी हवा तथा दक्षिण से गर्म हवा एक दूसरे के क्या होती है पास आ जाती है लेकिन बल के कारण ये हवाएं एक दूसरे के लगभग क्या चलती हैं समानांतर चलती हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक दूसरे के समानांतर चलती हैं इन दोनों वायु राशियों के बीच में बाताग्र का जन्म होता है यहां पर आप देख सकते हैं ठंडी तथा गर्म हवा है और बीच में आप क्या देख रहे हैं बाताग्र देख रहे हैं ठीक है तो दोनों वायु राशियों के बीच में बाताग्र का जन्म हो जाता है इस बाताग्र में अभी इतनी शक्ति नहीं होती है अभी इतने इसमें इतनी ऊर्जा नहीं होती है ठीक है यह एक दूसरे से दूर हट सकें समझ में आ गया यानी कि अभी इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि अभी ये एक दूसरे से दूर हट सकें इनको या कहें इस अवस्था को हम प्राथमिक अवस्था कहते हैं यानी कि जब दो वायु राशियां हैं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं इस तरह से तो हम इसको बाता के बीच में जब निर्माण हो जाता है तो हम इसको प्राथमिक अवस्था कहते हैं चलिए दूसरी अवस्था देख लेते हैं दूसरी अवस्था में दोनों वायु राशियां क्या करती हैं? एक दूसरे को काटने की कोशिश करती हैं, यानी कि इस तरह से जब चल रही होती हैं, इस तरह से चल रही होती हैं, लेकिन मौका पाकर ही एक दूसरे का रास्ता काटने की को कोशिश करती हैं, कभी इसका कभी इसका तो दोनों मैंने क्या बताया दूसरी स्थिति में दोनों वायु राशियां यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों वायु राशियां एक दूसरे को काटने की कोशिश करती है जिसके कारण लहरदार बाताग्र का निर्माण होता है इस इसी अवस्था को हम बाल्या कहते हैं इस स्थिति में गर्म वायु राशि गर्म वायु राशि बाताग्र को ढकेल ठंडी वायु राशि में घुसने की कोशिश करती है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गर्म है गर्म हवा है वह है यहां पर गर्म जो है वह ठंडी यानी कि बाहताग्र को धक्का देकर ठंडी में घुसने की कोशिश करती है इस कारण क्या होता है लहरदार एक लंबी पट्टी बन जाती है ठीक इस है इस स्थिति में गर्म वायु राशि बाताग्र को धकेलकर ठंडी वायु राशि में घुसने की कोशिश करती है ठंडी वायु राशि भारी होने के कारण नीचे आने लगती है इसके कारण बाताग्र एक तरंग के रूप में फैल जाता है दोनों हवाओं के बीच में बने इस बाताग्र की तरंग की लंबाई लगभग सौ से डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ किलोमीटर तक हो सकती है इस तरंग के कारण इस चक्रवात को हम तरंग चक्रवात या वेव साइक्लोन भी कहते हैं इस स्थिति में बाताग्र को दो भागों में बांट सकते हैं एक होता है उत्तर उष्ण बाताग्र और दूसरा होता है शीतोष्ण बाताग्र बाताग्र ठीक है ये यहां पर देख सकते हैं उष्ण बाताग्र और नीचे जो बन रहा है वो है शीतोष्ठ बाताग्र ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसी में तीसरी अवस्था देखते हैं तीसरी स्थिति में उष्ण तथा यानी कि गर्म तथा ठंडी जो उष्ण तथा यहाँ पर मैं पिछले वाले में मैंने बताया था कि दो बाताग्रों का निर्माण होता है तथा उष्ण तो इस अवस्था में उष्ण तथा शीतोष्ण बाताग्र पूरी तरह से दोनों का विकास हो जाता है और इसमें चक्रवात पूरी तरह से तैयार हो जाता है इसमें चक्रवात अपनी प्राणा अवस्था को प्राप्त कर लेता है पूरी अवस्था नहीं अवस्था में कदम रख ही लेता है ठीक है इसमें ठंडी हवा बहुत तेजी से ठंडी हवा बहुत तेजी से घूमकर, इस तरह से घूमकर, तेजी से नीचे से उतरकर क्या करती है गर्म हवा को दूर धकेलने की कोशिश करती है उससे उष्ण उस भाग जो होता है गर्म भाग होता है वह छोटा होने लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गर्म भाग जो होता है वह छोटा होने लगता है फिर से मैं बता देता हूं कि इसमें ठंडी हवा बहुत तेजी से ठंडी हवा बहुत तेजी से नीचे उतरकर गर्म हवा को दूर धकेल कर उसके जो गर्म भाग होता है उसको छोटा कर देता है इसके बाद चौथी अवस्था आती है चौथी अवस्था में जो चक्रवात होता है पुराणा अवस्था में तीसरी अवस्था में प्रवेश तो कर जाता है लेकिन चौथी अवस्था में अवस्था जो होती है यानी कि जवानी का जोश भरा जो, जो समय होता है वह पूरी तरह से वह विकसित हो जाता है यानी कि मूछे तो उसकी निकलना शुरू हो जाती है तीसरी अवस्था में लेकिन मूछे अभी उसकी बड़ी नहीं हुई काटने लायक नहीं हुई है इस चौथी अवस्था में उसकी मूंछें काटने लायक हो जाती हैं और पता चल जाता है पापा को कि हाँ बच्चा अब जवान हो चुका है तो चौथी अवस्था में प्रौड़ावस्था पूरी तरह से विकसित हो जाती है उसकी की बातागर की ठंडी हवा क्योंकि बातागर में ठंडी हवा होगी ना तो शीत बाताग्र की ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर से धक्का मारती है जिसके कारण गर्म हवा जो होती है चक्रवात के गर्म हवा जो होती है चक्रवात के केंद्र में यहां पर चक्रवात के केंद्र में कर जाती है या चक्रवात के केंद्र में स्थापित हो जाती है इसके कारण चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है और इसलिए ठंडी हवा केंद्र की ओर चलने लगती है फिर से मैं बता देता हूं कि मैं हमेशा आप लोगों को बताया है कि जो गर्म वायु होती है गर्म वायु हमेशा कैसा होता है उसका दाब कैसा होता है उसका निम्न वायु दाब होता है गर्म हवा जो होती है उसका वायु दाब कैसा होता है निम्न होता है क्योंकि वो हल्की हो जाती है हल्की हो जाती है तो जब अः गर्म होती है हाँ, हवा तो वो ठंडी हवा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है क्योंकि गर्म हवा के बाद वह अपनी तरफ खींचने को सकती है तो जब इसकी केंद्र में निम्न वायुदाब बन गया तो निम्न वायुदाब बनने के कारण क्या होता है जो ठंडी हवाएं होती है वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है ये कौन गर्म निम्न वायुदाब वाला चीज ठीक है समझ में आ गया तो ठंडी हवा केंद्र की ओर चलने लगती है क्यों क्योंकि केंद्र में वायुदाब कैसा है निम्न है यानी कि गर्म हवाएं तो हवाएं कैसे चलती हैं ठंड ठंडी कहा किस ओर जाती है हमेशा गर्म की ओर हमेशा चलती है ठीक है क्योंकि गर्म क्या करता है जगह खाली कर देता है चलिए समझते हैं आगे पांचवी स्थिति समझते हैं पांचवी स्थिति में क्या होता है चक्रवात अपनी समाप्ति या अंत की ओर जाना शुरू कर देता है जो भी तवाही उसे करनी होती है वो कर चुका होता है तीन से दो अवस्था में यानी चक्रवात के अंत की ये पहली स्टेज होती है या पहली शुरुआत हो जाती है पांचवी अवस्था में इसके तहत ठंडी तो हवा होती है गर्म हवा को तब तक धक्का मारती है ठंडी हवा गर्म हवा को तब तक धक्का मारती है जब तक चक्रवात का संपर्क जो होता है धरती से न टूट जाए जैसे ही धरती से चक्रवात का संपर्क टूटता है आया ना जैसे ही चक्रवात का संपर्क धरती से टूटता है इसके कारण पृथ्वी के धरातल पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाती है ठंडी हवाई बचती है क्योंकि जैसे ही उसका संपर्क धरती से टूटा वह क्या हो गया बिल्कुल उसकी कटी पतंग की तरह हो जाता है और नीचे क्या रह जाता है सिर्फ और सिर्फ ठंडी हवा रह जाती है ठीक है इसके कारण पृथ्वी के धरातल पर क्या रह जाती है ठंडी हवा ही बचती है इसके बाद ठंडी हवा और गर्म हवा एक दूसरे में मिल जाती हैं इससे एक नए बात का निर्माण होता है क्योंकि जो नीचे वाला क्षेत्र था वो फिर से खाली हो गया बिल्कुल क्योंकि बरात नहीं होती है शादी होती है उसके बाद जब बराती चले जाते हैं तो जो चक्रवात बना था उसका धरती से कनेक्शन कट गया तो वहां जो बराती वगैरह थे वो सारे लोग चले जाते हैं अब वो फिर से अपनी नई प्रक्रिया में लग जाते हैं दूसरे बच्चे की शादी करने में लग जाता है तो फिर से व्यवस्था बनाते हैं फिर से वही हो जाती है, फिर से चक्रवात की शुरुआत होती है ठीक है? तो इसके बाद ठंडी हवा और गम, गर्म हवा एक दूसरे में फिर से मिल जाते हैं इसके बाद एक नए बाताग्र का निर्माण होता है जिसे हम अति विशिष्ट बाताग्र कहते हैं ठीक है छठवीं स्टेज देख लेते हैं लास्ट आखिरी इस इस, इस स्थिति में चक्रवात का अंत या अफसान हो जाता है अलग अलग बुक में अलग अलग नामों से दिया जाएगा कहीं छह लिखा होगा कहीं अफसान लिखा हो जाएगा होगा तो कहीं अंत लिखा होगा ठीक है है तो छठवीं अवस्था में क्या होता है? इसका अफसान या इसका अंत या छ हो जाता है अवशिष्ट बात आग्रह की शुरुआत होने के कारण ठंडी हवाओं की चक्रदार धाराएं बन जाती हैं यहां पर आप देख सकते हैं ठंडी हवाओं की चक्रधार धाराएं बन जाती हैं जिससे गर्म तथा ठंडी वायु राशियों के बीच में फिर से बाताग शुरू हो जाता है और बाताग प्रथम अवस्था में फिर से पहुंच जाता है या बाताग फिर से प्रथम अवस्था में आ जाता है यहां पर मैंने आपकी जो ड्राइंग वगैरह देख सकते हैं आप यहां पर आप आकृति बना सकते हैं चलिए चलिए बात करते हैं जब शीतों से कटबंधी चक्रवात है इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है यानी कि शीतों के समय ये मौसम पर क्या प्रभाव छोड़ता है चलिए समझते हैं इसको जब चक्रवात आने वाला होता है तो पूर्वी जो हवाएं होती हैं वो चलने लगती हैं समझ समझाए ना जब चक्रवात आने लगता है तो पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं और आशा आसमान में पच्छाव बादलों का सफेद पट्टी क्या होती है फैल जाती है सूरज और अधिक पीला दिखाई पड़ने लगता है यह हमें पहले से संदेश दे देता है ठीक है पहले से ही संदेश दे जाता है कि चक्रवात आने वाला है चक्रवात आते ही तापमान एकदम बढ़ जाता है और वायुदाब घट जाता है समझ में आया तापमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और वायुदाब क्या होगा घट जाएगा क्योंकि जानते हैं पूरी दुनिया जानती है जब तापमान बढ़ेगा तो हवाएं गर्म होंगी इससे क्या होगा वायुदाब कम हो जाएगा ठीक है हवाओं की दिशा बदल जाती है साथ ही लगभग 24 घंटे में हल्की हल्की 24 घंटे तक हल्की हल्की बौछार होती है कब शीतो कटबंदी चक्रवात के समय ठीक है इसके बाद जब उष्ण बाताग्र का निर्माण होता है तो वर्षा रुक जाती है इसके कुछ समय बाद उष्ण बाताग्र का असर जो होता है वो समाप्त हो जाता है समाप्त होने के बाद तापमान फिर से गिरने लगता है इसके कुछ समय बाद के आते ही कपासी बादल का निर्माण होने लगता है जिसके कुछ समय बाद बार जिसके कुछ समय बाद वर्षा होने लगती है वर्षा के साथ ओले और बिजली कड़कती है इसके कुछ समय बाद शीत बाताक्र भी गुजर जाता है और मौसम साफ साफ हो जाता है यानी कि ये इस तरह से जब शीतोटी चक्रवात आता है तो ये स्थिति बन जाती है यानी कि जैसे आने वाला होता है तो आसमान में क्या होता है पच्चा बादल बन जाते हैं पतली सफेद बादलों की पट्टी देखने लगती है सूरज में अधिक और, और अधिक पीला दिखाई पड़ने लगता है चक्रवात आते ही तापमान गिर जाता है वायुदाब घट जाता है ठीक है चक्रवात की वो हवाओं की दिशाएं बदल जाती हैं साथ ही 24 घंटे तक लगभग आपकी हल्की हल्की फुहार होती है बारिश की की समझ आ गया गया तो इस तरह की ये आपका चक्रवात हो गया। जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दी चलिए आगे बात करते हैं चक्रवातों से तो प्रभावित क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन तो से क्षेत्र जो चक्रवातों से प्रभावित रहे हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण गोलाद के बारे में यह है दक्षिण गोलाब वाला क्षेत्र ठीक इस तरह से चलिए देखते हैं तो ये क्या चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में, में पछुआ हवाओं के साथ 40 डिग्री सेल्सियस सॉरी 40 डिग्री से 7 डिग्री 40 डिग्री दक्षिणी आचांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी आचांश के बीच साल भर चलते हैं वहीं उत्तरी गोलार्ध की अगर बात कर ली जाए तो जो चक्रवात है वो सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही आते हैं ठीक है कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं सबसे पहले है उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर कौन था ये उत्तरी अटलांटिक वाला क्षेत्र है यहां पर आप देख सकते हैं उत्तरी उत्तरी अटलांटिक वाला क्षेत्र। पर चक्रवात जो है सर्दियों में आइसलैंड तथा सॉरी उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में बात करते हैं तो यहां पर चक्रवात सर्दियों में आइसलैंड आइसलैंड कहां पर है ये आइसलैंड है आपका और ग्रीनलैंड कहां है ये तो मैं फिर से बता देता हूँ यहां पर चक्रवात कि उत्तरी वाली, वाली गर्म पछुआ हवाओं से बता देता हूं कि ग्रीनलैंड से और आपका आइसलैंड से जो ठंडी हवाएं आती हैं और यहां पर आपकी एक धारा बहती है जिसको हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम के ऊपर से आने वाली गर्म पछुआ हवाओं के मिलन से इन क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं इन क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक महासागर से प्रभावित क्षेत्र कौन, कौन से हैं इन क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं आपका नॉर्वे वाला क्षेत्र हो गया ब्रिटेन वाला हो गया स्वीडन वाला हो गया उत्तरी पश्चिमी यूरोप के कुछ भाग हैं यहां पर ठीक है यहां पर नॉर्वे वाला स्वीडन वाला ब्रिटेन वाला क्षेत्र और पश्चिमी यूरोप के कुछ भाग हैं वहां पर ठीक है चलिए दूसरा देखते हैं भूमत सागर के बारे में अगर बात करते हैं भूमि सागर कहा है यहां पर ये भूमत सागर आप देख सकते हैं ये भूमस सागर है ठीक है तो इस सागर पर सर्दियों में आद्र पछुआ हवाएं चलती हैं पछुआ हवाएं आप लोगों को पता है किस ओर चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर आद्र पछुआ हवाएं चलती हैं इन हवाओं का मध्य मध्य यूरोप यूरोप से से आने वाली ठंडी व शुष्क हवाओं से संपर्क होने पर चक्रवातों का निर्माण होता है फिर से मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं वो सर्दियों में आते हैं पछुआ पवनों के आने से आते हैं इन हवाओं का किन हवाओं का आद्र पछुआ हवाओं का मध्य यूरोप से मध्य यूरोप कौन सा है ये वाला क्षेत्र मध्य यूरोप से आने वाली हवाओं से क्या होता है संपर्क होता है वो कैसी हवाएं होती हैं ठंडी व शुष्क हवाएं होती हैं संपर्क में आने से चक्रवातों का निर्माण होता है ठीक है यह सागर को पार करने के बाद मध्य पूर्व के देशों में सागर को पार करने के बाद मध्य पूर्व के देशों में मध्य पूर्व कौन सा ये वाला क्षेत्र मध्य पूर्व के देशों में होते हुए पाकिस्तान उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंच जाती है मैं फिर से दिखाती हूँ पूर्व कौन सा ये वाला मध्य पूर्व में जैसे भारत में इस तरह से करते हुए पाकिस्तान भारत में और उत्तर पूर्वी भारत वाले जो क्षेत्र उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां पर क्या करती है पहुंचकर वर्षा कर, कर देती है भारत में सर्दियों में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश इनमें इसके माध्यम से वर्षा होती है जो कि गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद होती है किस कहां से आती है भूम सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर के देखते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर कौन सा ये उत्तरी प्रशांत महासागर इसके बाद ?right? तो समूह के पास सेल्यूसियन द्वीप समूह कहाता हूँ यहां पर है बेरिंग संधि का ठीक नीचे आपका अल्यूसियन द्वीप समूह है कहां पर है तो अलुशियन दीप समूह के पास बनते हैं इसके बाद यह रॉकी पर्वत को पार करते हुए उत्तरी अमेरिका दि ठीक है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी कैनेडा में उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका मतलब उत्तरी यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही है यूनाइटेड अमेरिका यानी कि अमेरिका का उत्तरी भाग ये उत्तरी भाग और कनाडा के दक्षिणी भाग में यानी कि उत्तरी और दक्षिणी कनाडा का ये दक्षिणी भाग और यूएसए का उत्तरी भाग में क्या होती है वर्षा होती है फिर से मैं बता देता हूं कि उत्तरी प्रशांत महासागर में द्वीप समूह से चक्रवात उठते हैं और इनके बाद यहां पर रेड रॉकी के, के किनारे, किनारे 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 होते हुए ये कनेडा के दक्षिणी क्षेत्र में और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा

तो यहां से चक्रवातों का निर्माण होता है इस तरह से ही आते हैं और यहां पर प्रवेश कर जाते हैं तो बोल देता हूं यहां पर चक्रवातों का निर्माण सर्दियों में जापान सागर के पास से होते हैं यह चीन सागर में होते हुए उत्तर तथा मध्य चीन तक पहुंचाते हैं उत्तर कौन सा उत्तर कहां है चीन ये वाला उत्तरी चीन और मध्य चीन तक पहुंच जाते हैं इससे उत्तरी चीन में बहुत अच्छी खासी वर्षा होती है ठीक है तो समझ में आ गया उत्तरी प्रशांत महासागर के चक्रवात उत्तरी अटलांटिक महासागर के चक्रवात चक्र और यहां पर चीन सागर के चक्रवातों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है और भूमि सागर के बारे में तो आप भूलेंगे ही नहीं भूमि सागर के बारे में ठीक है चलिए तो ये हो गए प्रमुख आपके चक्रवात उसी तो कटिबंधी के बारे में चलिए बात करते हैं उस चक्रवातों के बारे में भी तो आइए देख लेते हैं उष्ण चक्रवात कौन से होते हैं उष्ण में पैदा होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटबंधी चक्रवात कहते हैं अब उष्ण कटबंध कौन सा होता है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है उसको हम उष्ण उस कटबंधी क्षेत्र कहते हैं जो कि व्यापारिक पवनों का या ट्रेड विंड्स वाला एरिया होता है ठीक है व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है उष्ण कटवंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटबंध कौन सा कहलाता है जो पछुआ पवनों वाला क्षेत्र होता है ठीक है पछुआ पवनों का क्षेत्र कौन सा होता है तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश तीस डिग्री से लेकर पैंसठ डिग्री तीस से पैंसठ या तीस से साठवी कर सकते हैं 30 पै, 30 से पैंसठ डिग्री उत्तरी आचांत और तीस से पैंसठ दक्षिणी आचांत वाला क्या हो जाएगा कटबंध वाला क्षेत्र हो जाएगा लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग क्या हो जाएगा आपका उष्ण कटबंधी वाला क्षेत्र चलिए समझते हैं उष्ण कटबंध में पैदा होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटबंधी चक्रवात कहते हैं या फिर इनको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कर्क रेखा कर्क रेखा दिखा दू कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को चक्रवात कहते हैं। समझ में आ गया इनके निर्माण के लिए जरूरी है कि दूर तक फैला हुआ समुद्र होना चाहिए यानी कि दूर तक फैला समुद्र होना चाहिए ठीक है समझ में आ गया ना दूर तक फैला समुद्र होना चाहिए और तापमान कितना होना चाहिए कम से कम आ, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए ऊर्ध्वाधर हवाओं की जो गति है उसमें अंतर कम हो ठीक यह स्थिति विषुवत रेखा के पास तथा उसके उत्तर तथा दक्षिण में मिलती यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में यह स्थिति पाई जाती है चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही अब इसका निर्माण कैसे होता इसको समझते हैं यानी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनका निर्माण किस तरह से होता है बहुत आसानी से समझेंगे आप लोग कोई घबराने वाली बात नहीं है जो चीज यहां समझ में नहीं आएगी आगे टॉपिक जो होगा उसमें भी क्लियर हो जाएगा मतलब इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है इसलिए मेहनत की है कि आपको एक टॉपिक में समझ में आए तो वही चीज जो मैं क्योंकि हर चीज को मैंने कनेक्ट करके रखा है कनेक्ट करके रखा है जो कि आपको आसानी रहे सारे टॉपिक जब आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपका ज्योग्राफी से वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं समझ में आया और इस जैसा वीडियो आपको मिलेगा भी नहीं मुझे एक परसेंट नहीं हंड्रेड परसेंट उम्मीद है कि इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है ठीक है तो चलिए समझते हैं आइए देखते हैं तो अब इनका निर्माण कैसे होता है इसको समझते हैं तो विश्वत रेखा के पास दोनों गोलार्धों में कहां पर विश्वत रेखा है ये आपकी विश्वत रेखा ठीक रेखा के दोनों गोलार्धों में दोनों गोलार्ध कौन से हो गए रेखा के उत्तर वाला एक गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध ठीक है तो रेखा के पास दोनों गोलार्धों में जहां पर व्यापारिक पवन पाई जाती हैं यानी कि जीरो डिग्री से तीस डिग्री उत्तरी आचांश और जीरो डिग्री से तीस डिग्री दक्षिणी आचांश में आपका व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र होता है या मैं आप लोगों को इस तरह से यहां पर बना के दिखा दू ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है पृथ्वी का यह है रेखा विश्वतरेखा रेखा के में जाएंगे तो अः करके देखा हम तीस तक तीस डिग्री तक मान सकते हैं उत्तरी आचांस और 30 डिग्री दक्षिणी आचांश के बीच की जो क्षेत्र है इसको हम व्यापारिक पवनों का क्षेत्र कहते हैं व्यापारिक पवन किस ओर से किस ओर चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर आपकी व्यापारिक पवने चलती हैं और पछुआ पवन किस ओर से चलती हैं शीत कटिबंधी वाले क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जिस दिशा से कोई हवा चलती है उस दिशा के आधार पर उसका नाम होता है ये नहीं कि जिस दिशा की ओर जा रही है उस आधार पर उसका नाम होगा उस आधार पर नहीं यहां से बन रही है गाड़ी क्योंकि जिस क्षेत्र से या कहें कोई ट्रेन चलती है उसके आधार पर होता है कहां पर जा रही है यह मतलब नहीं रखता है ठीक है चलिए समझते हैं आइए देखते हैं इस क्षेत्र में यह पवने आकर मिलती हैं और उसको क्या कहते हैं अंतर उष्ण कटवंधी बाताग्र या फिर अंतर उष्ड कटवंधी क्षेत्र या तल या तल जोन भी इसको कहते हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको जोन भी लिखा मिल जाएगा तल भी लिखा मिल जाएगा और आपको क्षेत्र भी लिखा मिल जाएगा ये कोई घबराने वाली बात नहीं है फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में ये पवने आकर मिलती हैं इनको क्या कहते हैं उष्ण कटवंधीय उष्ड कटवंधीय वाताग्र या फिर उष्ण कटवंधीय वो अंत है उष्ण कटवंधी क्षेत्र इसको हम कहते हैं इसको अंग्रेजों की भाषा में अगर बात करें तो इंटर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट आई टी सी डी सी जेड जो होता है आई गर्मियों में आई टी सी डी सी जेड जो होता है वह विश्वत रेखा से काफी दूर खिसक जाता है मैं फिर से बता देता हूं जो आई टी सी जेड जो होता है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं, तो कभी कभी क्या होता है ये उत्तर की ओर खिसक जाता है जुलाई के महीने में और जब जनवरी आती है तो जनवरी के समय यह दक्षिण की ओर खिसक जाता है इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं जो आई टी सी तरह से उत्तर और दक्षिण में यह खिसकता रहता है ठीक है चलिए समझते हैं तो मैंने क्या बताया गर्मियों गर्मियों में आई टी सी जेड जो होता है विश्वत रेखा से काफी दूर हो जाता है आई टी सी जेड के किसी भाग में जब हवा काफी गर्म हो जाती है निम्न वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है तो हवा गर्म होकर बहुत बड़े स्तर पर ऊपर की ओर उठती है तो बल के कारण निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर सभी दिशाओं से हवाएं चलने लगती हैं इससे ही चक्रवातों का क्या होता है निर्माण या जन्म होता है मैं फिर से बता देता हूं मैंने बताया कि ये आपका आई जो है विश्व रेखा वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम आई कहते हैं विश्व रेखा वाले क्षेत्र को क्यों वहां पर साल भर जो किरण होती है सूर्य की लंबवत पड़ती है वहां पर क्या होता है तापमान उच्च रहता है तापमान उच्च रहता है इससे क्या रहता है वहां पर निम्न वायु का क्षेत्र बना रहता है अब ये निम्न वायु का क्षेत्र है जब सूर्य की किरणें मैं आप लोग बता चुका हूं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये किरणें जो है ऊपर नीचे होती रहती है कभी कभी क्या होता है जो आई टी सी जेड जो होता है ऊपर खिसक जाता है कभी कभी ये आई टी सी जेड नीचे खिसक जाता है तो जिस क्षेत्र में ये आई टी सी जेड होता है उस क्षेत्र में क्या होता है वहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है मैं हमेशा बताता हूं जब हवाएं क्या होती हैं गर्म हो जाती हैं जब गर्म होकर वो ऊपर उठ जाती हैं यानी कि अपना स्थान छोड़ देती हैं तो जो स्थान खाली हुआ उसको भरने के लिए जैसे मान सकते हैं आप यहां पर हवाएं थी यहां की हवाएं जो थी ऊपर खिसक गई अब गर्म होकर ऊपर चली गई अब जो खाली जगह बनी उसको जगह कोई ना कोई तो भरेगा तो उसके लिए आसपास के क्षेत्र से क्या होता है आसपास के क्षेत्र से क्या होता है हवाएं आती हैं जब आसपास के क्षेत्र से इस खाली जगह को भरने के लिए हवाएं आती हैं तो इससे क्या होता है आपका चक्रवातों का जन्म हो जाता है समझ में आ गया इसको और धीरे-धीरे समझेंगे क्लियर करेंगे एक-एक पॉइंट यहां पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से चलिए

तीस किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है कभी कभी इनकी गति इससे अधिक भी हो सकती है ये शीत चक्रवातों की तरह गतिशील नहीं होते हैं क्योंकि शीत चक्रवात यहाँ शीत कत, कटिबंधीय कत, चक्रवात सॉरी शीत शीत कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो इस तरह से चलायमान होते हैं यानी कि इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर ये चलते रहते हैं लेकिन जो उच्च कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये कभी कभी एक स्थान पर कई दिनों तक बने रहते हैं कई दिनों या कई सप्ताह तक बने रह सकते हैं समझा है क्योंकि शीत कठबंधित चक्रवात क्या होते हैं चलते फिरते रहते हैं लेकिन ये कभी कभी एक जगह स्थित हो जाते हैं स्थिर रह जाते हैं ठीक है वैसे ये व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं क्या कौन से आपके जो शीतो कटबंधित चक्रवात हैं ये व्यापारिक पवन है क्योंकि व्यापारिक पवन कैसे चलती हैं पूर्व से पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवन चलती हैं उन उसी की तरह ये व्यापारिक पवनों के साथ साथ पश्चिम पूर्व से पूर्व कौन सा है? ये वाला क्षेत्र ठीक पूर्व और ये कौन सा है? पश्चिम तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये

समुद्र से जाते हैं पूरी ताक़त लगाकर और जैसे ही ये तट पर पहुंचते हैं इनकी जो शक्ति होती है वो छीड़ हो जाती है कम हो जाती है या ये बिल्कुल मरणासन हो जाते हैं ठीक है फिर से मैं बता देता हूं कि आप लोग अभी जैसे की स्थिति थी तो किस तरह से जो तटीय क्षेत्र में ये तहस नहस कर देती है तबैया मचा देती है तटीय क्षेत्र में में ठीक है 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 क्यों क्योंकि ये समुद्र में इनके लिए स्पीड चाहिए होती जो भी ऊर्जा मिल रही है। सब कुछ इन्हें समुद्र से मिल जाता है जब ये तटीय क्षेत्र में पहुंचते हैं या फिर स्थल में पहुंचते हैं तो इनकी शक्ति काफी कम हो जाती है ठीक है चलिए तो मैंने क्या लिखा लेकिन जब ये स्थल तक पहुंचते पहुंचते इनकी शक्ति काफी कम हो जाती है यही एक कारण है कि ये चक्रवात केवल तटीय क्षेत्र को ही प्रभावित कर पाते हैं ज्यादातर ये चक्रवात दोनों गोलार्धों के पांच डिग्री उत्तरी आक्षांश से लेकर तीस डिग्री उत्तरी आक्षांश पांच डिग्री दक्षिणी आक्ष से लेकर तीस डिग्री दक्षिणी आक्षांशों के बीच में ही आते हैं यानी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ ये मान लीजिए एक सेकेंड कहां पर गया बेटा हाँ ये मान लीजिए आपका गोला है यानी कि पृथ्वी का गोला है ये आपकी विश्वत रेखा है विश्व रेखा के थोड़े से पांच डिग्री ऊपर जाएंगे तो पांच डिग्री उत्तरी आछांश से लेकर तीस डिग्री उत्तरी आछांश के बीच में ये आपके क्या आते हैं चक्रवात आते हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो ये आपका पांच डिग्री है पांच डिग्री के ठीक नीचे जाएंगे तीस डिग्री तक तो पांच डिग्री से लेकर तीस डिग्री दक्षिणी आचां तक ये आपके उष्णु चक्रवात आते हैं ठीक है ये चक्रवात जो होते हैं इनकी उत्पत्ति हमेशा सागरों के पश्चिमी छोर से ही शुरू होती है या इनकी उत्पत्ति ज्यादातर कहां से होती है सागरों के पश्चिमी किनारे से ही होती है ठीक है इन इन चक्रवातों को घूम इन चक्रवातों की घूमने की अगर बात की जाए तो किस दिशा में घूमते हैं तो उत्तरी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं यानी घड़ी rat... की सुई किस तरह से घूमती है इस तरह से ठीक है इस तरह से घड़ी की सुई घूमती है तो ये किस तरह से घूमते हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं वहीं दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए इन चक्रवातों घूमने की तो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की जिस तरफ घड़ी की सुई चक्कर लगाती है उसी तरह से घड़ी की सुई की दिशा में ये घूमते हैं चलिए आगे बात करते हैं चक्रवातों की क्षेत्र संरचना के बारे में बात कर लेते हैं वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताया था चलिए समझते हैं छह क्या होता है

समझ रहे हैं ना तो 400 किलोमीटर हो सकता है यानी कि आपका भारत देश है तो भारत देश की चौड़ाई अगर नीचे किनारे की बात की जाए तो एक क्षेत्र में पूरा चक्रवात इस तरह से गुजर सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि चक्रवात का केंद्र कौन सा है समझ आया जब वो धक्का मारेगा ना जब आपका पूरा सामान सट्टा और पूरा दुकान उड़ा ले जाएगा तब पता चलेगा ये चक्रवात आया चक्रवात के केंद्र में आप तो आपको महसूस नहीं होगा कि भैया चक्रवात केंद्र में आप आराम से लस्सी पी रहे हैं जब गिलास पड़ा मिलेगा उधर आप पड़े मिलेंगे कहीं और तब पता चलेगा समझ रहे हैं ना तो मैंने क्या बताया चक्रवात की आंख बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है और हवाएं बिल्कुल शांत होती हैं या फिर बहुत ही धीमे होती हैं यहां पर आसमान बिल्कुल साफ होता है एकदम मनोरंजन करने लायक होता है किसी भी तरह का महसूस नहीं होता कि मौसम खराब है ठीक है हवाएं केंद्र से चारों ओर घूमती है केंद्र हवाएं जो केंद्र के चारों ओर घूमती है यानी कि आंख के चारों ओर घूमती है यानी कि आंख में कैसा दाब होता है निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है ठीक है इसकी आंख एक खोखले पाइप की तरह होती है जिसमें हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती इसकी आंख में तापमान अधिक और आर्द्रता कम होती है इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती यही एक कारण है कि जब कोई व्यक्ति चक्रवात के केंद्र में खड़ा हो तो उसके ऊपर वर्षा नहीं होती ना ही उसे एहसास होगा कि वह चक्रवात के बीचों बीच में खड़ा हुआ है समझ रहे हैं ना उसे महसूस भी नहीं होगा चलिए ठीक है चलिए आंख की दीवार समझ लेते हैं आंख तो समझ ली है ठीक है आंख समझ ली आपने अब आंख की दीवार समझते हैं आंख के बाद दूसरी पट्टी होती है ये आंख है आंख के बाद एक दूसरी पट्टी होती है ये इस तरह से ठीक ये इस तरह से तो आंख के ये तो आंख हो गई आँख के बाद दूसरी पट्टी होती है इसको हम आंख की दीवार कहते हैं यह 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक हो सकती है इसमें हवाएं सौ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती हैं कम ज्यादा भी हो सकती हैं कोई कमेंट नहीं करेगा कि ज़्यादा हो सकती हैं कम ज़्यादा हो सकती हैं ठीक है चलिए चक्रवातों को गठबंधी चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं एक दो तीन मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर आगे ए, उनके बारे में चर्चा होती रहेगी हर टाइफून विली विली टॉर्नेडो अब ये कहाँ कहाँ जाने जाते हैं उनके बारे में हम आगे जानते हैं चलिए समझते हैं एक एक करके प्रमुख चक्रवातों के क्षेत्र समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक तथा रेखीय बाला भाग यानी कि जो रेखा है ये यह, यहाँ पर यह इसके बारे में नहीं बात हो रही है यहाँ अटलांटिक क्षेत्र वाले की बात कर रहा हूँ अटलांटिक महासागर की और इस क्षेत्र की ठीक है तो आइए समझते हैं यहाँ पर अगस्त और सितंबर में चक्रवाती तूफान आते हैं किस क्षेत्र में इस क्षेत्र में ठीक इससे ठीक है इस तरह से अगस्त और सितंबर में चक्रवाती तूफान आते हैं इनके निर्माण के बाद ये तूफान यहां से निर्माण हो जाता है विश्ववती क्षेत्र से और पश्चिम पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग पर तहस नहस कर देते हैं या फिर तवहिया मचा देते हैं ठीक है फिर से मैं बोल देता हूं ये जो आपका क्या कटबंधित चक्रवात जो होते हैं यहाँ से निर्माण होता है यानी कि यहाँ से बनते हैं और पश्चिमी दिशा में चलते हैं या फिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी कौन सा क्षेत्र है यह है आपका दक्षिणी क्षेत्र तो दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं दक्षिण ये हो गया और दक्षिण पूर्वी तट कौन सा हो गया ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं कौन से चक्रवात

चक्रवात उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं क्या ऐसे यहां से पैदा हो गए और उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर और पश्चिम ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया क्योंकि ये उत्तर है और ये पश्चिम है तो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र में ये चक्रवात चलना शुरू हो जाते हैं ये चक्रवात कभी कभी पूर्वी प्रशांत महासागर पूर्वी प्रशांत महासागर कौन सा हो गया ये वाला पूर्वी प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है तो पूर्वी प्रशांत महासागर में आपका यहां पर स्थित है कुछ देश पूर्वी प्रशांत महासागर कुछ देश यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक देश इसको हम कहते हैं मेक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका का देश है यहीं पर एक देश है इसको हम कहते हैं ग्वाटेमाला इसके बाद है होंडुरास इसके बाद है निकारागुआ और यहां पर एक जगह पड़ती है उसको हम कहते हैं पनामा ठीक है तो पनामा होंडुरास निकारागुआ ग्वाटेमाला और मेक्सिको के तटीय क्षेत्रों में चलते हैं ठीक है और इन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं ठीक है ठीक है इन क्षेत्रों को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं कैरवीआई सागर में इन्हें क्या कहते हैं हरिकेन कहा जाता है यानी उत्कटी चक्रवातों को कैरवी सागरीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है हरिकेन कहा जाता है चलिए आगे बात करते हैं इसी में निम्न आचांसीय प्रशांत महासागरीय चक्रवात चलिए इनको समझते हैं निम्न आक्षांसी कौन सा हो जाएगा ये विश्व रेखा वाला क्षेत्र ये निम्न आक्षांसी क्षेत्र लेकिन प्रशांत महासागर का इसके बारे में दक्षिणी अटलांटिक के बारे में बात नहीं हो रही है हिंद महासागर के बारे में बात नहीं हो रही है किसके बारे में प्रशांत महासागर के बारे में प्रशांत महासागर यहां से शुरू होता है और यहां पर जुड़ जाता है ठीक है तो इन 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 में यानी कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति के कई क्षेत्र हैं सबसे पहला क्षेत्र आप लोगों को दिखा देता हूं सबसे पहला क्षेत्र है आपका मैक्सिको का तट मेक्सिको का तट जो कि प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है ठीक है तो मैक्सिको के तट के पास उत्तरी प्रशांत महासागर उत्तरी प्रशांत महासागर कहा तो जून से लेकर नवंबर तक ये चक्रवात बनते हैं मई से दिसंबर तक की अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर में ही फिलीपींस के बाद अब फिलीपींस कहा है यहां पर एक देश है एशिया महाद्वीप का फिलीपींस तथा चीन यहां पर ठीक फिलीपींस तथा चीन में चक्रवात बनते हैं ये चीन सागर में बनना शुरू हो जाते हैं और चीन जापान और फिलीपींस को प्रभावित करते हैं मैं आप लोगों को चीन सागर दिखा दूं यहाँ पर है ये आपका पूर्वी चीन सागर और ये दक्षिणी चीन सागर इसको सम्मिलित रूप से चीन सागर कहते हैं तो इसमें मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो है चक्रवात उत्पन्न होते हैं कब से लेकर कब तक मई से लेकर दिसंबर तक इन क्षेत्रों में चक्रवात शुरू होते हैं और चीन जापान और फिलीपींस को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं ठीक है चीन जापान और फिलीपींस में इन चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है हरिकेन कहा जाता है कैरियाई क्षेत्रों में फिर से मैं बता देता हूं उस तो चक्रवातों को कैरियाई क्षेत्रों में हरिकेन कहा जाता है ठीक है मेक्सिको के तट पर और यहाँ पर इन क्षेत्रों में इसको टोर्नेडो कहा जाता है वो आगे बात करूंगा कब कर और कैसे आता है ठीक है और इन क्षेत्रों में यानी चीन जापान और फिलीपींस में इसको क्या कहते हैं उसमें चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है चलिए आगे बात करते हैं इसी में हिंद महासागर क्षेत्र में देखते हैं हिंद महासागर कौन सा क्षेत्र है ये हिंद महासागर का क्षेत्र महासागर जब मैंने आप लोगों मैं लो को बताया तब मैंने आप लोगों को दिखाया था ठीक है यहाँ पर इन्हें चक्रवात ही कहा जाता है ये चक्रवात भारत बांग्लादेश और म्यांमार ऑस्ट्रेलिया के उत्तर उत्तरी तट के अलावा ये बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर को भी प्रभावित करते हैं आइए मैं दिखा देता हूं मैंने क्या बताया ये कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं आपका भारत ठीक बांग्लादेश ठीक म्यांमार ठीक और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों को खासकर प्रभावित करते हैं ठीक है ये चक्रवात भारत बांग्लादेश म्यांमार के उत्तरी तट के अलावा यह बांग्लादेश बांग्लादेश की खाड़ी है वो सॉरी बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर को भी प्रभावित करते हैं बांग्लादेश है यह बंगाली खाड़ी और ये अरब सागर का क्षेत्र इसको भी प्रभावित करते हैं बंगाली की खाड़ी में मई से लेकर दिसंबर तक और अरब सागर में अरब सागर कहा है यह अरब सागर वाला क्षेत्र अरब सागर में मई जून व अक्टूबर से लेकर सितंबर तक चक्रवात आते हैं ठीक है में बता देता हूं बंगाली खाड़ी में मई से लेकर दिसंबर तक तथा अरब सागर में मई जून ब अक्टूबर से दिसंबर तक चक्रवात बनते हैं इसके अलावा दक्षिणी हिंद महासागर कहाँ है यह है आपका दक्षिणी हिंद महासागर दक्षिणी हिंद महासागर में यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है इसको हम कहते हैं मेडा ठीक है या मेडागास्कर भी इसको पढ़ देते हैं तो मेडागास्कर में नाइन्टी डिग्री 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के क्षेत्रों में नवंबर से लेकर मई तक चक्रवात आते हैं यानी कि जो मेडागास्कर वाला क्षेत्र है 90 डिग्री कहां पर हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो यहां से नवंबर से लेकर नवंबर से लेकर मई तक क्या आते हैं चक्रवात आते हैं इन्हें यानी उत्त कटी चक्रवात जो कि हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं इनको ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहा जाता है यूएसए और मेक्सिको में क्या कहा जाता है इनको टॉर्नेडो कहते हैं टॉर्नेडो सबसे खतरनाक सबसे विनाशकारी चक्रवात होते हैं चलिए आगे बात करते हैं इन्हीं में ही प्रति चक्रवात देख लेते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है और इसके बाद चक्रवात समाप्त हो जाएंगे फिर छोटी चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे चलिए समझते हैं प्रति चक्रवात या इसको हम एंटी साइक्लोन कह देते हैं यानी कि साइक्लोन या का चक्रवात का ही उल्टा रूप ठीक है तो आइए देखते हैं ये चक्रवातों की विपरीत स्थिति है इसमें मौसम साफ होता है जहां चक्रवातों में मच जाती है बरसात हो जाती है इसमें मौसम साफ होता है इसमें उत्तरी गोलाद्ध में हवा घड़ी की दिशा में चलती हैं जबकि दक्षिणी गोलाद में घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं जबकि चक्रवातों में क्या होता है उत्तरी गोलाद्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्द में घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं ठीक है तो ये हो गया आपका पृथ्वी चक्रवात इतना ही जानना है ज्यादा कुछ नहीं जानना है जब कभी जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा चलिए तो चक्रवाती आपके समाप्त हो गए श्री और शीतोष कटी चक्रवात चलिए आगे बात करते हैं समझते <tles perfectly good makeấy> हैं चक्रवातों का नामकरण जैसे बच्चे का नामकरण होता है उसी तरह चक्रवातों का भी नामकरण जो साइक्लोन्स होते हैं उनका भी नामकरण किया जाता है क्यों किया जाता है उनके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे और किस कारण से किया गया था कब से शुरू किया गया था उसके बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट <tere� क्थ> क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा आपने नाम सुने होंगे जैसे कैटरीना लीसा लेरी ही काका बुलबुल फालीन होद होद, आपका फे, आपका फैनी और और भी कई सारे जो चक्रवात हैं आपने अलग अलग चक्रवातों के नाम सुने होंगे ठीक है तो ये नाम रखे कैसे जाते हैं इनको मैं आप लोगों को बताऊंगा तो नाम कर इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में अटलांटिक कौन सा क्षेत्र है ये वाला अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र था उसके आधार पर उन्नीस में एक संधि की गई उसके माध्यम से इन क्षेत्रों में कौन से पश्चिमी क्षेत्रों में जो तूफान आते थे, थे या चक्रवात आते थे, थे उनके नामकरण की व्यवस्था की गई ठीक है नामकरण की व्यवस्था की गई लेकिन अब हम लोग भी सोच रहे थे यार बहुत दिन बाद हमें भी याद आई कि हम लोगों को भी कुछ नया करना चाहिए तो हम लोगों को करीब पचास से साठ साल बाद याद आई कि आखिर में हम लोगों का भी जो वगैरह आते हैं हमारे क्षेत्र में भी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में भी तो उनके भी कुछ नाम होने चाहिए तो हम लोगों की आंखें खुली और दो में भारत की मदद से भारत की पहल पर हम लोगों ने भी नाम रखना शुरू कर दिया तो आइए समझते समझती इसको नामकरण की पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में उन्नीस में एक संधि के माध्यम से की लेकिन हिंद महासागर के क्षेत्र के जो आठ देश थे आठ आठों देशों ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की गई थी हिंद महासागर क्षेत्र के आठ देशों ने भारत की पहल पर 2004 में चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की यदि कोई चक्रवात यदि हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आता है जिसकी स्पीड 34 नॉटिकल मील से अधिक होती है 34 34 नॉटिकल या 34 नॉटिकल माइल पर ओवर या प्रति घंटे से ज्यादा होती है तो उसका एक विशेष नाम देना जरूरी हो गया था उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का 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 नामकरण भारतीय मौसम विज्ञान करता है भारत अन्य देशों जैसे आपका इसमें कितने देश हैं आठ देश हैं भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश मालदीव म्यांमार ओमान थाईलैंड इनको मैं अगर मैप में दिखाऊं तो आपको मैं दिखा सकता हूं यह भारत पाकिस्तान आपका यहां पर भारत पाकिस्तान ये भाग पाकिस्तान इसके बाद ये छोटा सा सा देश है श्रीलंका इसके बाद यहाँ पर ये एक देश है बांग्लादेश इसके बाद यहीं पर एक देश है इसको हम कहते हैं ये है मालदीप उसके बाद ये आपका पूर्व में है म्यांमार उसके बाद यहाँ पर एक देश है इसको कहते हैं ओमान ठीक है इसके बाद एक देश है यहाँ पर थाईलैंड ठीक है तो आठ देश इसमें हैं उन्होंने नामकरण की शुरुआत की चलिए समझते हैं इसके तहत इसके तहत क्या व्यवस्था की गई कि जो भारत भारतीय क्षेत्र के यानी हिंद महासागर के जो आठ देश हैं उनको अल्फाबेटिकल रखा जाएगा यानी कि सबसे पहले जिसका ए से नाम होगा वो नंबर वन पर आएगा बी से जिसका नाम है नंबर टू पर आएगा सी से जिसका नाम होगा नंबर फोर पर आएगा वो थ्री पर आएगा फोर डी से जिसका नाम होगा वो नंबर फोर पर आएगा तो इस तरह से व्यवस्था की गई नामकरण की तो मैंने क्या बताया इसके तहत अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सभी देशों का नंबर आता है तो जैसे मान लीजिए कि पिछड़ा चक्रवात एक था नानो ठीक है क्या नाम था नानुक था और नानुक का जो नाम रखने का नंबर था वो किसका नाम नंबर था एम का बारी था एम मतलब म्यांमार का म्यांमार ने क्या नाम रख दिया नानुक रख दिया इसके बाद दूसरा चक्रवात आया उसका नाम रखने का बारी किसका था एम के बाद एन आता है एन से कोई देश नहीं है तो ओ से है ओ से कौन है ओमान तो ओमान ने क्या रखा नाम रखा ओमान ने जब चक्रवात चक्रवात आया तो ओमान ने क्या नाम रखा हुड़ हुड़ नाम रखा अब ओ की बारी खत्म हो गई अब कौन नाम रखेगा अब नाम रखेगा टी क्यों ओ पी क्यू आर एस टी ठीक है क्योंकि ओ पी पीछे कोई देश नहीं है आर से कोई देश नहीं है किसका नंबर आता टी से टी कौन है थाईलैंड तो थाईलैंड का नंबर आया तो थाईलैंड ने क्या नाम रखा फालीन रखा ठीक है तो फालीन चक्रवात नाम रखा ठीक तो फिर से मैं समझा देता हूं कि नानु का नंबर था तो नानुक का नाम रखने की बारी किसकी थी म्यांमार की जो एम से था इसके बाद एम के बाद किसका नंबर आया ओ ओ का वो ने क्या नाम रखा वो नाम रखा ने नाम नाम हुड ठीक है इसके बाद टी का नाम था तो फालीन नाम रखा ठीक है इन चक्रवातों का नाम ऐसा भी होना चाहिए यानी कि जो नाम रखे जाते हैं इन चक्रवातों के नाम भी ऐसे होने चाहिए जो कि नैतिक और सांस्कृतिक सांस्कृतिक रूप से किसी को ठेस न पहुंचाते हो जैसे कि मान लीजिए हमारा भारत देश में उ, कोई नाम रखा जाता है जैसे पाकिस्तान है पाकिस्तान के जैसे चर्चित व्यक्ति हैं जो वहाँ के शहीद लोग हैं जैसे कि बिन लादेन है हाफिज सईद हैं तो क्या है पाकिस्तान के लिए वो हीरो लोग हैं वो पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान अपने वो हीरो जो उनके हैं उसके नाम पर रख सकता है लेकिन भारत के लिए वो आतंकवादी हैं अन्य देशों के लिए वो आतंकवादी हैं तो वो अपने जो देशभक्त लोग हैं उनके जो जैसे कि मैंने बताया उसामा सईद जैसे हैं जो वहां के आतंकवादी हैं वो उनके नाम पर नहीं रख सकते सा, वो सांस्कृतिक रूप से क्या है सही नहीं है यानी कि भारत देश में जैसे अभी पाकिस्तान है पाकिस्तान क्या नाम रख दे कि पाकिस्तान का नंबर जैसे आए तो पाकिस्तान का नंबर आई और तूफान कहां पर आया है भारत देश में अब पाकिस्तान को ऐसा नाम नहीं रख सकता जो कि भारत की क्षेत्रीय भावना चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की भावना हो चाहे सांस्कृतिक हो चाहे फिर नैतिक को किसी भी आधार से किसी भी व्यक्ति को ठेस न पहुंचाता हो समझ में आ गया कि ये नहीं कि आपका कोई तूफान आया तो आप उसका नाम राहुल गांधी रखने या फिर उसका नाम पप्पू रखने इस तरह की नहीं भारतीय लोगों लोगों के लिए, लोगों के लिए लिए भारतीय हीरो है राहुल गांधी तो उसके नाम नाम पर आप नाम नहीं रख सकते इस तरह से भारतीय लोगों के दिल में ठेस पहुंचेगी समझ रहे हैं ना तो कि किसी को दिल दुखाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा ठेस न पहुंचे ऐसे नाम रखे जाए ठीक है जैसे कि अभी दो में भयंकर तूफान आया जिसका नाम क्या था ओखी नाम था किसका नंबर था बांग्लादेश का नाम रखने का था तो बांग्लादेश में इस भाषा ओखी का नाम मतलब क्या होता है ओखी मतलब आंख बंग, बंगाली भाषा में ओखी का मतलब होता है आंख तो आंख मतलब है आंख आंख का मतलब बिल्कुल साधारण किसी भी दे, देश को किसी भी क्षेत्र को किसी भी तरह से कोई आपत्ति नहीं है जैसे कि हमारा क्षेत्र है जैसे हमारा ये मैनपुरी वाला क्षेत्र है तो हम लोग यहां पर बच्चों को लड़के को मोड़ा मोड़ी लोड़ा लोड़िया ये कह देते हैं तो हमने सुना कि जैसे दिल्ली वाला क्षेत्र है तो एक लड़का मुझे फोन कर रहा है कि भाई साहब ऐसा है आपकी तरफ जो लोड़ा लोड़िया कहते हैं हमारी तरफ तो गाली होती है तो इस तरह से मतलब आप ये नहीं कि जैसे हमारे क्षेत्र में क्या है कि उसको हम बहुत प्यार से कहते हैं कि लड़का है लड़की है तो उसको लोड़ा लोड़िया कह देते हैं अब वहां पे बताते हैं कि उसको गंदा मानते हैं तो अब हम हमें ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते कि हमारे क्षेत्र में तो उसको अच्छा मानते हैं अब वहां पर क्या है हमने कोई नाम रख दिया कोई अब वहां पर गाली समझते हैं उसको तो इस तरह से नहीं रख सकते ठीक है, है? समझ आ गया ना चलिए तो आगे बात करते हैं ऐसा नाम होना चाहिए जो सांस्कृतिक और नैतिक रूप से किसी को ठेस ना पहुंचाता हो इन चक्रवातों के नाम भी पहले से ही तय कर दिए जाते हैं ये नहीं कि भैया अगली साल चक्रवात आएगा तो एकदम चक्रवात आने वाला है ठीक है इस महीने तो खबर मिल गई है तो भैया नाम कैसे क्या सोचें, बोटिंग कर लो ऐसे नहीं चक्रवात अगर है तो आ, साल दो साल तीन चार साल में इकट्ठे एक दो बार में कर करा के मीटिंग वीटिंग कर करा लो और हाल के हाल उसके सेट कर लो जो पांच छह साल तक हमें बोलना ना पड़े मैं फिर से बता देता हूँ कि चक्रवातों के नाम पहले ही तय कर दिए आते हैं जैसे कि दो में जो चक्रवात आया तो उसका नाम कौन सा देश रखेगा यह पहले से ही तय कर दिया 2020 में कौन सा चक्रवात आएगा उसका क्या नाम रखा जाएगा चाहे चक्रवात कहीं पर भी आए नाम रखने का जिसका नंबर होगा वही रखेगा ठीक है दो में किसका नंबर आएगा तो कौन सा देश नाम रखेगा तो उसका है चाहे वो चक्रवात कहीं पर भी आए समझ आ गया तो जैसे कि मई दो में भारत में चक्रवात आया जिसका नाम क्या था फोनी फोनी था ना

फोनी रखा इसका मतलब क्या होता है हिंदी भाषा में या कह बांग्लादेश में इसका फोनी होता है और हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है सांप क्या होता है सांप यानी कि हमें पता चल गया कि सांप आने वाला है उत्तरी वो आपका उड़ीसा के तट पर या फोनी नामक चक्रवात आने वाला है समझ आ गया तो अब बी का नंबर आ गया ना बांग्लादेश में नाम रख दिया अब आप बताएंगे कि बांग्लादेश के बाद कौन सा चक्रवात आएगा और किस देश का नंबर आएगा तो वो किस देश का आएगा बी के बाद किसका नंबर आ रहा? बी के बाद सी देश नहीं है ए, 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 गया है 2020 में जो चक्रवात आएगा उसका क्या नाम रख दिया है वायु रख दिया सभी लोग इसका नाम जानते हैं क्या होता है ठीक है अर्थ सब लोग जानते हैं वायु हवा चलिए एक बार फिर से हल्की सी चीजें में और समझाता हूं एक बार जो नाम दे दिया गया है चक्रवात का किसी के द्वारा वो दोबारा नहीं रखा जाएगा क्योंकि एक बार आप सभी लोग जानते हैं कि फोनी ने जैसे कोई कहर बरपाया या फिर जो तबाही मचाई उससे हमारे कुछ लोग जानते हैं सब लोग जैसे किसी के परिवार का सदस्य गुम हो गया किसी का नुकसान हो गया किसी का घर चला गया किसी के परिवार के पूरे पूरे सदस्य चले गए किसी का रिश्तेदार चला गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई तो उससे क्या रहती है हमारी जो कुछ डरावनी यादें जुड़ जाती हैं तो हम उसको दोबारा नाम नहीं देते क्योंकि वो हमारे लिए दर्द भरी याद बन जाती है तो हम उसको दोबारा नाम नहीं लेना चाहते जो बीत गया सो बीत गया अब हम उसको दोबारा नाम लेकर अपने दर्दों को अपने जो चोट है उसको नहीं को देंगे समझ में आ गया मैंने क्या बोला एक बार किसी

ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखे जाते थे अमेरिका में महिलाओं के नाम पर रखे जाते थे चक्रवातों के तो महिलाओं थी वहाँ की काफी विरोध किया उन्होंने ये सब नहीं चलेगा कि महिलाएं क्या तबाही लाती हैं इस तरह से वहाँ की जब महिलाओं ने विरोध किया तो क्या वहाँ पर तय कर दिया कि ऐसा है आप चक्रवातों के नाम ऐसे रखते हैं एक बार एक महिला का नाम रखा जाएगा और दूसरी बार एक पुरुष का नाम रखा जाएगा ठीक है क्योंकि पहले महिलाओं के नाम कैसे रखे जाते हैं कैटरीना इर्मा नि निरमा इस तरह के कुछ चक्रवातों के नाम रखे जाते थे जो कि महिलाओं के ऊपर होते थे जो कि वहां पर कई बार आपत्ति जताते थे, थे ठीक है लेकिन उन्नीस के बाद अब ये चेंज कर दिया गया है मेल और फीमेल के हिसाब से रखा जाता है एक मेल का और एक फीमेल का वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि, कि किसी भी नाम अगर रखते हैं तो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे जैसे कि अभी एक विवाद हो गया था श्रीलंका के कोई मंत्री पता नहीं प्रधानमंत्री थे मुझे जानकारी नहीं है हल्का सा कभी मैंने पढ़ा था तो वहां के जो श्रीलंका के व्यक्ति थे राजा वगैरह था उनका कोई नाम था उसके नाम पर चक्रवात का नाम रख दिया चक्रवात का नाम जब नाम रख दिया तो वहां के लोगों ने उनका विवाद किया उन्होंने कहा कि चक्रवात जो होता है वो मचा देता है तहस नहस कर देता है संकट लाता है लेकिन जिनके नाम पर आपने रखा है नाम वो श्रीलंका में सुख शांति लाए थे इस तरह से किसी को ठेस न पहुंचे नैतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही आप समझते हैं चक्रवातों को बहुत देर से ये चक्रवातों की बीमारी पड़ी नाम देते हैं उसका ये होता है वो होता है फलाना होता है तो नाम देते के लिए है? कौन सा इससे फायदा होता है कौन सी तोप चलानी पड़ती कौन सा तीर मार लिया हमने नाम देख तो आइए समझते हैं, कौन सा तीर मारा देखते हैं चक्रवातों को एक निश्चित नाम क्यों दिया जाता है आइए समझते हैं चक्रवातों के नाम को एक निश्चित नाम इसलिए दिया जाता है ताकि भविष्यवाणी और चेतावनी जारी करने बाला मौसम विभाग सामान्य जनता को यह जानकारी दे सके कि चक्रवात किस दिशा से आ रहा है उसकी गति कितनी है लोगों को किस ओर जाना चाहिए समझ में ना किस किस दिशा में सुरक्षित स्थानों की ओर जाना चाहिए अगर किसी चक्रवात को भैया तो कौन सा आने वाला है कौन सा कहां पर क्या बीमारी कौन सा चक्रवात कहां पर कै, कैसे आ रहा है? क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो जान माल का ज्यादा नुकसान हो सकता है इसके अलावा अगर हमें चक्रवात की सही जानकारी मिल जाती है उसका नामकरण देते हैं तो हम जो आसपास के देश हैं पड़ोसी देश हैं अगर कभी कोई संकट में आ जाता है कोई परेशानी हो जाती है तो पड़ोसी देश उसे सहयोग देकर उस आपदा से आसानी से निपटा जा सके या उनकी मदद कर सके यानी कि चक्रवातों को नाम स्थानीय लोगों और मौसम विभाग के बीच संचार को आसान बनाने के लिए किया जाता है नामकरण फिर मैं बता देता हूं कि चक्रवात का नाम अगर नहीं दिया जाता है तो हम कैसे बताएंगे कि कि फलाना फलाना चक्रवात किस दिशा से आ रहा है क्योंकि हम उसका नाम नहीं रख रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया फलाना फलाना जो है चक्रवात फलानी फलानी दिशा से आने वाला है और फलानी फलानी दिशा में आपको जाना है तो आपको एक निश्चित नामकरण करना पड़ेगा कि फैनी वाला अगर चक्रवात है बीत गया है और हमने चक्रवात कहा तो हमने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हमने व्हाट्सएप पे अफवर्ड आ दी कि ये सीधे सीधे मैसेज आया है देवी मैया के पास से वहां से हिमालय की चोटी से सीधे आप लोग शेयर करें नहीं तो आपकी अम्मा मर जाएंगी ए भैया हम तो उसको तुरंत डिलीट कर देते और उसको ब्लॉक कर देते हैं जो ऐसा मैसेज करता है वैसे क्या है अभी हमने व्हाट्सएप पे अफवा आई ऐसे ऐसे फलाना फलाना दिशा से एक फलाना फलाना चक्रवात आने वाला है आपको फलानी फलानी दिशा में जाना है लोगों क्या कहेंगे यार ये तो पिछली साल से चला रहा है इसका कोई चक्रवात का नाम नहीं है तीन साल से जब मैं चक व्हाट्सएप चलाता था व्हाट्सएप चलाना जब मैंने शुरू किया था तब से वो वाला मैसेज चलता आ रहा और वो नीचे उसके नीचे लिख देते हैं मार्केट में नया है उसी तरह से क्या करेंगे चक्रवात का मैसेज टाइप किया ऐसे करके ये वाला चक्रवात इस तरह से चक्रवात आ रहा है और कर दिया तो इससे क्या रहेगा हड़कंप मच जाएगा क्योंकि हमें समझ में नहीं आया चक्रवात कब आने वाला है और पता चला कि चक्रवात तो आ चुका है समझ रहे ना अब हमने नाम रख दिया कि फैनी या हमने रख दिया कोई नाम वायु रख दिया तो हमने सीधी सीधी जानकारी दी मौसम विज्ञान मौसम विभाग जो था सामान्य जनता को क्योंकि नाम भी ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय जनता है वो आसानी से समझ सके ठीक है क्योंकि अब हम किड़बेड़ वाला कुछ नाम रख देंगे तो समझ नहीं पाएगी जनता तो हम वहां पर बताएंगे कि फैनी नामक एक चक्रवात है जो उत्तर पश्चिम दिशा से या पूर्व उत्तर पूर्व दिशा से या कोई सी भी दिशा से हम बोलेंगे कि वो उस दिशा से आ रहा है और आपको ये आ रहा है और इस तरह से पूर्व के यानी कि इस वाले क्षेत्र में पूर्वी तट पर आपका यहां पर आके टकराएगा कि आपको सुरक्षित स्थान पर जाना होगा तो सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए आपको पूर्व की ओर न करके किस ओर जाना पड़ेगा पश्चिम की ओर रुख करना पड़ेगा और अपना जो भी चीजें हैं जरूरत की चीजें हैं उसको लेकर आप सुरक्षित स्थान पर चले जाए हमने पूरी जानकारी दे दी दि, दिशा बता दी नाम बता दिया और ये ये डेट बता दी कि ये ये डेट पर ये आने की संभावना है अब इस समय इस जगह पहुंच चुका है चक्रवात इस तरह से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है यह कारण है कि चक्रवातों का एक निश्चित नाम हमें देना पड़ता है समझ में आ गया चक्रवातों का हमें एक निश्चित नाम देना पड़ता है चलिए आगे बात करते हैं एक छोटी मोटी चीज है जरूरत की है जेनेवा जो कि आपका स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड है यूरोपीय एक देश है स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय मौसम विभाग है यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है जेनेवा में कहां पर स्थित है स्विट्जरलैंड में ठीक है इसके अलावा चार मॉनिटर और भी बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है केरबीआई क्षेत्र कैबियाई क्षेत्र कौन से ये है कैरियाई सागर वाला क्षेत्र आइए इसको मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरवियन सागर आपको दिख रहा होगा ठीक है तो कैरवियन सागर वाला क्षेत्र यहाँ पर ठीक यहाँ पर एक बनाया गया दूसरा बनाया गया उत्तरी हिंद महासागर वाला क्षेत्र में उत्तरी हिंद महासागर आप लोगों को बताया हिंद महासागर है हिंद महासागर की यह उत्तरी हिंद महासागर वाला क्षेत्र ठीक है यहां पर बनाया गया है तीसरे की अगर बात की जाए तो उत्तरी प्रशांत महासागर उत्तरी प्रशांत महासागर यहाँ से शुरू होता है यहाँ पर खत्म होता है तो उत्तरी प्रशांत महासागर में यहाँ पर बनाया गया है और चौथा बनाया गया आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये इस तरह से ठीक है तो चार मोनीटर बनाया गया तो ये हो गया आपका चक्रवात चक्रवात के बारे में जो भी जानकारी थी उसका नामकरण क्यों किया जाता है किस तरह से क्या क्या उसमें प्रमुख पॉइंट थे वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं वायुदाब तथा पवनों के बारे में यानी हवाएं जिनको हम कह देते हैं प्रेशर एंड पिंट चलिए समझते हैं प्रेशर क्या होता है पहले तो हम समझते हैं वायुदाब क्या होता है ये वायुदाब किसका जो वायुमंडल दबाव डालता है ना उसको समझते हैं हर पदार्थ यानी कि इस दुनिया में जितने भी आप पदार्थ देखते हैं उनका क्या होता है वजन होता है यानी कि उसमें भार होता है तो हर पदार्थ की तरह हवा जो होती है उसका भी वजन होता है इसलिए पृथ्वी पर दबाव डालती है यानी कि जो वायुमंडल में जो हवाएं होती हैं वो पृथ्वी पर क्या करती हैं दबाव डालती हैं यानी कि वायुमंडल में मौजूद गैसों का एक निश्चित भार होता है और वायुमंडल में मौजूद इन्हीं गैसों का जो भार होता है वह क्या करती हैं पृथ्वी पर दबाव डालती हैं जब पृथ्वी पर दबाव डालती हैं ये गैसें ये हवाएं तो क्या होता है इसको ही हम वायु दाब कह देते हैं कोई फिर से बता दूं हर पदार्थ की तरह हवा का भी वजन होता है इसलिए पृथ्वी पर दबाव डालती है यानी कि वायुमंडल में मौजूद गैसों का एक निश्चित भार होता है और वायुमंडल मौजूद इन्हीं गैसों द्वारा डाले गए दबाव को हम वायु दाब कह देते हैं समझ आ गया इसको यानी कि जो वायु दाब होता है उसको हम बैरोमीटर से नापते हैं और बैरोमीटर में जो नाप कहते हैं उसके लिए इकाई है उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम मिलीवार या ए या फिर एमबी कहते हैं जैसे कि मैं जब आप लोगों को चक्रवात पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि किस तरह से चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है तो वहां पर जितना वायु दाब था जैसे कि 980 मान लीजिए 990 तो वो एमबी में लिखा था यानी कि मिलीबार लिखा हुआ था वहां पर समझ आ गया चलिए तो आगे बात करते हैं मैंने क्या बताया है वायु दाब को मापने के लिए मिली बार इकाई का इस्तेमाल करते हैं और यंत्र कौन सा होता है बैरोमीटर नामक यंत्र होता है चलिए आगे समझते हैं ठीक है तो जो वायुदाब होता है वायुदाब से मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है यानी कि मौसम के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी जाती है सही सही अनुमान लगाकर कि आने वाले समय में वायुदाब को देखकर के आने वाले समय में मौसम इस तरह का होगा या फिर इस तरह का होगा या फिर, तरह होगा। या फिर किस तरह का होगा आइए देखते हैं किस तरह का होगा यानी कि अगर वायुदाब एकदम गिर जाता है यानी कि जितना वायुदाब था और पारा उसका एकदम गिर जाता है और गिरने के बाद फिर धीरे 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 बढ़ने लगता है तो बताते हैं कि बरसात आने की संभावना है या कहें बरसात हो सकती है और इसके बारे में हम पहले ही लोगों को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना क्षेत्र में फलाना फलाना टाइम पर फलाना फलाना दिशा से बरसात आने की संभावना है तो हम क्या कहेंगे कि हम भी फोन कर देंगे हम भी लोगों को जब हमें ये जानकारी मिलेगी तो हम तुरंत तुन, फोन करेंगे अगर किसी नई जानकारी ली है तो, तो हम क्या करते हैं पूर्वानुमान लगा लेते हैं वहीं अगर वायुदाब एकदम बढ़ जाए वायुदाब एकदम बढ़ जाए धीरे धीरे न बढ़ के एकदम बढ़ जाए तो प्रति चक्रवात की स्थिति बनती, बनती है और इसमें मौसम साफ रहता है मैं फिर से बता देता हूं एकदम गिर जाए और एकदम गिरने के बाद धीमे धीमे उठता है तो बरसात होने होने की संभावना रहती है या कहीं बरसात हो सकती है और वहीं वायुदाब एकदम एकदम बढ़ जाए तो प्रति चक्रवात तथा मौसम साफ होने के बारे में हमें जानकारी मिलती है चलिए सम समदाब तथा संभार रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं यानी कि संभार मैंने जब आप लोगों को बताया था मैं तापमान के बारे में बताया था तब मैंने बताया समताप रेखाएं कौन सी होती हैं, वो रेखाएं है जिन जिन रेखाओं पर यानी कि वो आचान रेखाएं जिन पर तापमान समान होता है यानी कि एक समान होता है कहीं कम कहीं ज्यादा की बात नहीं मतलब थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता था तो मान लीजिए जैसे ये वाला है तो यहाँ पर तापमान कैसा रहेगा उच्च रहेगा तो इसको हमने क्या बताया था कि आपका इसको हम सम-सम समताप रेखाएं है कहते हैं इसी तरह से आपका समदाप रेखाए यानी कि वो क्षेत्र जहां पर वायुदाव एक समान रहता है उसको हम क्या कहते हैं समान वायुदाब क्षेत्र वाले को मिलाने वाली रेखा को हम समदाब रेखा या संभार रेखाएं कहते हैं इसको अंग्रेजी में आइसोबार्स भी कह देते हैं ठीक है तो वायुदाब की पेटियां समझते हैं

कि हेलो सर मैंने कहा बोलिए हेलो कौन तो फिर आपने कहा कि हेलो हेलो इस तरह से आपने दो चार बार हेलो हेलो कहा तो मैंने कहा ये दिमाग खराब हो गया कि नहीं सर दिमाग नहीं खराब हुआ है हम आपको बता रहे हैं वायु दाब यानी कि जो वायु दाब की पेटियां उसके बारे में बता रहे हैं आपका दिमाग खराब हो रहा है मेरा नहीं तो उन्होंने क्या उन्होंने ज्ञान पेला लेकिन कैसे शॉर्ट भाषा में तो कैसे मैंने बताया कि हेलो बोला तो हेलो कैसे बोला हमने एच एल फिर कैसे बोला एच एल यानी कि यहां पर मैं बता देता हूं मैंने यहां पर मैंने कलर चेंज करता हूं जो कि आपको हेलो सीधा दिमाग में पहुंचे मैंने क्या बताया मैंने आपसे बोला हेलो एच एल ठीक है फिर बोला एच एल फिर बोला एच एल ठीक है फिर बोला एच यानी कि एक व्यक्ति यहां से बोल रहा है कि हेलो 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 फिर बोला मैंने बोला कि हेलो हेलो और हेलो तो इस तरह से क्या हुआ हम लोगों ने फिर समझ में आया कि हेलो हेलो ये दिमाग खराब करने वाली बात नहीं है ये वायु दाव की पेटियां हैं यानी कि हेलो मतलब एच मतलब हाई प्रेशर लो एल एल मतलब लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर फिर, 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 फिर लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो हाई लो हाई लो हाई लो करते रहेंगे ठीक है फिर नीचे से उ, नीचे से ऊपर चलेंगे तो हाई लो, हाई लो हाई लो हाई लो करते चले जाएंगे जब हाई लो हाई लो करते चले जाएंगे तो हाई लो हाई लो अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं ठीक है, है समझ में आ गया तो क्या समझ में आया अब इसको हम समझते हैं मैं पहले सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैंने बताया कि चार उच्च दाब की पेटियां हैं तो चार कौन कौन सी हैं एल को छोड़ दीजिए मैं बोलता हूं आपका मान लीजिए लो प्रेशर है आपका नहीं बोलेंगे हम हम अपना वाला बोलेंगे हमने बोला हेलो तो हेलो का एच तो लगाया आपका एल नहीं बोला फिर एच एल आपका आइए ठीक है फिर मैंने बोला आ, मैं मैंने अपना एच बोल तो दिया फिर मैंने बोला हेलो ठीक है फिर मैंने बोला हेलो अब हमने अपना हेलो का एच गिन लिया तो एक दो तीन चार तो क्या समझ में आया हाई प्रेशर की कितनी पेटियां हो गई एक दो तीन चार अब क्या करते हैं अब आपका वाला रखते हैं अब हम रखते हैं यहां पर लो तो लो प्रेशर की देख लेते हैं एक पेटी ठीक लो नंबर दो एक पेटी नंबर चार यहां पर दो पेटी और नंबर छह पर है तीन पेटी तो कितनी हो गई एक दो और तीन तो क्या समझ में आया कि पृथ्वी पर सात वायुदाब की पेटियां हैं यानी कि पृथ्वी पर सात कटबंध पाए जाते हैं जिनमें से चार उच्च उच्च दाब की पेटियां हैं तथा तीन निम्न वायुदाब की पेटियां हैं तो फिर से मैं बोल देता हूं यहां पर उच्च दाब की अगर बात की जाए तो 90 डिग्री वाले क्षेत्र में ठीक है साठ से नाइन्टी आपका क्या कहलाएगा सा, से यहां से पहले देख लेते हैं चलिए मैं न, इसमें नहीं, मैं इस आगे बताऊंगा पेटियों एक एक करके सही है तो मैंने क्या बताया पृथ्वी पर सात वायुदाब की पेटियां हैं यानी कि पृथ्वी पर सात कटबंध पाए जाते हैं जिनमें से चार उच्च वायुदाब की पेटी तथा तीन निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं इनमें इन, इन सातों पेटियों को यानी कि जो सातों की सातों पेटियां हैं उनको हम चार भागों में बांटते हैं कितने भागों में बांटते हैं चार भागों में बांटते हैं उन चार भागों को देख लेते हैं आइए समझते हैं सबसे पहला भाग देखते हैं सात पेटियों में से सबसे पहला भाग देखते हैं उसमें देखते हैं कि भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय दाब भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी अब भूमध्य रेखा कौन सी है ये इसको हम क्या कहते हैं विश्वत रेखा इसको हम क्या कहते हैं इक्वेटर इसको क्या कहते हैं जीरो डिग्री अक्षांश कई नामों से जानते हैं लेकिन हम इसको यहाँ पर भूमध्य रेखा पढ़ेंगे तो मैंने क्या बताया भूमध्य रेखीय निम्न वायु पेटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तो आइए समझते हैं यह पेटी भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी आक्षांश और 10 डिग्री न... दक्षिणी आक्षांश जैसे मैं बता देता हूं यह है आपका भूमध्य रेखा यानी कि उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र जीरो डिग्री आक्षांश के 10 डिग्री उत्तर में चले जाइए और 10 डिग्री दक्षिण में चले जाइए तो ये 10 डिग्री उत्तर और द... दस डिग्री दक्षिण में चाहेंगे तो आपको किस कौन सा पेटी मिल जाएगा आपको निम्न दाब की पेटी मिल जाएगी जो कि क्या है भूमधरेखी निम्न दाब पेटी ठीक है कितने क्षेत्र में है दस डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दस डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कहां से जीरो डिग्री देशांतर में ठीक है वो में चलिए यह क्षेत्र कम वायुदाब होने के इस क्षेत्र में यानी कि जो दस डिग्री उत्तरी दस डिग्री दक्षिणी में निम्न वायुदाब होने के कई सारे कारण हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहला अगर कारण की बात की जाए तो यहां पर क्या है आप लोगों को जब मैंने बताया था कि विश्व रेखा पर वर्ष भर तापमान कैसा रहता है उच्च रहता है यानी कि लंबवत पड़ता है फिर से बता देता हूं यहां पर वर्ष भर वर सूर्य जो होता है लंबवत चमकता है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है सीधे सर पर पड़ता है इसलिए तापमान यहां पर अधिक रहता है तापमान जब अधिक रहता है तो वायु दाब कम रहेगा क्योंकि तापमान अधिक रहेगा धरातल गर्म हो जाएगा जब गर्म हो जाएगा तो वायु भी गर्म हो जाएगी जब वायु गर्म होगी तो उसका घनत्व तो कम हो जाएगा घनत्व तो जब कम हो जाएगा तो हल्की होकर वह ऊपर की ओर चली जाएगी इससे जब ऊपर चली जाएगी तो इससे क्या रहेगा पृथ्वी पर विश्व रेखा वाला क्षेत्र दस डिग्री उत्तरी आचंद दस

जलवाष्प अधिक होने से गर्म होने से घनत्व क्या होता है कम हो जाता। इसके उसका घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से कम होता है फिर से बता हूं, नमी शुष्क कौन सी होती है जिसमें नमी या आर्द्रता न हो चलिए दूसरा कारण समझते हैं दूसरा क्या एक और कारण समझ लेते हैं कि पृथ्वी पर जो ये वाला क्षेत्र है यहां पर क्यों निम्न वायु का क्षेत्र रहता है तो यह है आपका रेखा रेखा वाला क्षेत्र है इसको जब अगर काट देते हैं तो क्या बनता है? बनता है है वृत्त जो कि पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है तो आइए समझते हैं भूमध्य रेखा पर यानी कि जीरो डिग्री आशांश पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है जिसके कारण जो अपकेंद्रीय शक्ति होती है या अपकेंद्रीय बल जो होता है वह है वल हवा को धकेलता रहता है यानी पृथ्वी से दूर धकेलता रहता है इससे क्या रहता है यहां पर हवाएं जो होती हैं ऊपर चली जाती हैं और वायुदाब क्या हो जाता है निम्न हो जाता है ठीक है अब केंद्रीय बल का क्या मतलब होता है अब केंद्रीय मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर और।, और यहां पर दूसरा जो बल होता है उसको क्या कहते हैं केंद्र की ओर यह धक्का मार रहा है केंद्र की ओर जाता है तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अब केंद्रीय बल के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है चलिए समझते हैं यहां पर हवाओं में यहां पर यानी कि ये जो रेखा वाला क्षेत्र होता है यहां पर हवाओं में गति बहुत कम होती है या कहें ना के बराबर होने के कारण यहाँ पर वातावरण या कहें मौसम या कहें यहाँ पर क्षेत्र जो होता है काफी शांत रहता है या कहें वातावरण बिल्कुल शांत रहता है इस कारण इस कटबंध को भूमध रेखी शांत भूमधरे शांत कटबंध या डोल ड्रम कहते हैं कौन से क्षेत्र को दस डिग्री उत्तरी आचांत से लेकर दस डिग्री दक्षिणी आचांत वाले क्षेत्र को भूमधरेखीय शांत कटबंध कहते हैं यहाँ पर कैसा प्रेशर पाया जाता है यहाँ पर लो प्रेशर जोन या कहें

कर्क रेखा से म, कर, मैं ऐसे पहले आप लोगों को बना दूं डिजाइन बना दूं ये आपकी कर्क रेखा यानी साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी आचांश और ये है मकर रेखा साढ़े तेईस दक्षिणी ठीक है तो इस पर मालूम नहीं पड़ रहा कलर में चेंज कर दूं इसका है? आप लोगों को हाँ मैंने क्या बताया ये है आपका साढ़े तेईस उत्तरी आचांश और ये साढ़े तेईस दक्षिणी आशांश साढ़े तेईस उत्तरी आचांश कर्क रेखा कहते हैं और इसको हम कहते हैं मकर रेखा ठीक है तो कर्क रेखा के कर्क रेखा से लेकर पैंतीस डिग्री उत्तरी आचांश ठीक और नीचे जाएंगे तो मकर रेखा से 35 डिग्री दक्षिणी आक्षांश के बीच में बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं शीतोष्ण बो सॉरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी कि ना तो यहाँ पर मौसम ज्यादा गर्म होता है ना ही यहाँ पर मौसम ज्यादा ठंडा रहता है यानी कि बीच का होता है ना उष्ण ना शीतोष्ण कहता होता है उपोष्ण होता है यानी कि न तेरा न मेरा कैसा उपोष्ण हो गया वो मेरा है न तेरा न मेरा किसका उसका आ गया तो यहां पर कैसा रहता है ना ठंडा ना गर्म कौन से क्षेत्र में फिर से मैं बोल दे रहा हूं बीस से या साढ़े तेईस से लेकर पैंतीस डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा बीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश लेकर पैंतीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के क्षेत्र में क्या होता है उपोष्ण क्षेत्र होता है यानी कि ना तो यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही यहां पर ज्यादा ठंड ठीक है बीच का रहता है ठीक है आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है यह पेटी दोनों गोलार्धों में यानी कर्क रेखा और मकर रेखा से 35 डिग्री लगभग 20 से 35 डिग्री तक

इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब होने के कुछ प्रमुख कारण हैं उसको समझ लेते हैं यहां पर भर तापमान ऊंचा रहता है समझना यहां पर यहां पर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है तो सामने वाले अपने आप समझ जाएगा कि भैया ऊंचा रहता है तो तापमान जब ऊंचा रहता है तो कैसा होना चाहिए दाब यहां पर निम्न वायु दाब क्षेत्र होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा क्यों नहीं है उसको समझते हैं मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि यहां पर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है या उच्च रहता है ठीक है बस सर्दी के सर्दियों के दो से तीन महीने छोड़कर सर्दियों में थोड़ी सर्दी हो जाती है सर्दियों के महीनों को छोड़कर तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं यहां पर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है इसके बावजूद यहां पर उच्च वायु दाब पाया जाता है जो कि नियम के बिल्कुल विपरीत है या नियम के बिल्कुल खिलाफ है इसका संबंध तापमान से न होकर किससे है ये तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति या कहें घूरन तथा वायु के अवतलन से संबंधित है। समझ में आ गया विश्व रेखी या निम्न वायुदाप पेटी जो थी दस डिग्री उत्तरी से लेकर दस डिग्री दक्षिणी वाला जो क्षेत्र था यहां पर जो तापमान था वो सॉरी यहां पर जो वायुदाब तो कम है लेकिन उप, उपोष्ण क्षेत्र की बात हो रही है यहां पर तापमान काफी अधिक रहता है उसके बावजूद भी यहां पर उच्च वायुदाप पाया जाता है क्यों क्योंकि ये नियम के विपरीत है ये किन कारणों से है क्योंकि यहां पर घूर्न या कहें दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित इसको आगे हम समझेंगे समझेंगे क्या होता है उसको ठीक है इस इस को क्या कहते हैं है, क्योंकि ये कर देता है। रेखा पर आपका ताप है, लेकिन क्षेत्र में किस, कैसा वायुदाब है आपका गतिजन यानी कि जो गतियां हैं पृथ्वी की उसके कारण यहां पर वायुदाब है ठीक है समझ में आ गया तापजन्य नहीं है कभी भी पूछता है कि ऊंचा ऊंचा तापमान होने के कारण या कहें का तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायु का क्षेत्र बनता है हाँ भैया बात सही है आपका विश्व रेखा पे बनता है लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बनता है भैया यहाँ पर इसलिए नहीं बनता है कि अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पर दैनिक गति का प्रभाव अधिक हो जाता है या कहें घूर्णन गति तथा वायु के अवतलन के कारण यहाँ पर गतिजन्य वायुदाब है ना कि तापजन्य कौन से क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध वो सॉरी उष्ण पोषण उष्ण प्लत तो शीतोष्ण यानी कि थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा दोनों को मिलाकर बन गया ठीक है चलिए समझ में आ गया ना कौन कितने कौन से कौन से क्षेत्र में पाया जाता है ये अभी बता दूंगा इसको भी खत्म कर लेते हैं इस पेटी को हम किस पेटी को फिर से वो बोल दे रहा हूं किस पेटी को मैं बात कर रहा हूं कर्क कर रेखा के उत्तर में चले जाइए पंद्रह डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि बीस से लेकर पैंतीस डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा से नीचे चले जाइए पंद्रह डिग्री सेल्सियस पंद्रह डिग्री आचांश ठीक है तो बीस से बीस से अब ये मत कहना कि ये कर्क रेखा बिल्कुल साढ़े तेईस होती है मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ठीक है वायुदाब की में कर्क रेखा ऊपर नीचे नहीं होती है वायुदाब ऊंचा नीचा हो जाता है कठबंध ऊंचा नीचा हो जाता है हल्का सा ठीक है तो बीस डिग्री दक्षिणी आसान से लेकर पैंतीस डिग्री दक्षिणी आसान के बीच की बात हो रही है ठीक है फिर से मैं बोलते इस पेटी को हम घोड़ा आछांश कहते हैं या अश्व आश कह देते हैं या फिर हॉर्स लैटीट्यूड कहते हैं अब भैया घोड़ा आक्षांश क्यों कहते हैं आइए मैं यहां पर दिखा देता हूं तीस डिग्री आछांश को हम तीस डिग्री दक्षिणी आक्षांश और तीस डिग्री उत्तरी आछांश को हम घोड़ा आछांश कहते हैं या अश्व आक्षांश कहते हैं या हॉर्स लेटिट्यूड कहते हैं तो इसे घोड़ा आछांश क्यों कहते हैं उसको समझते हैं होता क्या है यहाँ पर मैं पहले पढ़ उसको फिर अपनी भाषा में 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 कन्वर्ट कर दूंगा प्राचीन काल में, यूरोप में, खेती करने के लिए जहाज पर लाद कर घोड़े लाए जाते थे दूर से कहां से यूरोप में घोड़े लाए जाए करते थे यानी कि जैसे अरब वाला क्षेत्र से घोड़े लेकर जाते थे यूरोपीय लोग काय में जहाज में लाद कर लेकिन जब जहाज इस पेटी में पहुंचता था यानी कि तीस डिग्री आशांश के आसपास पहुंचता था तो यहां हवा बिल्कुल शांत होने के कारण जहाज या नाव या जिसमें घोड़े रखे हों वो आगे नहीं बढ़ता था क्यों वजन ज्यादा हो जाते थे घोड़े उसमें रहते थे इसके लिए क्या करते थे कुछ घोड़ों को पानी में फेंकते थे यहां पर आप देख रहे हैं पानी में फेंक दिया करते थे पानी में जब फेंकते थे तो वो क्या करते थे बेचारे उसके पीछे पीछे तैरते हुए चले आया करते थे पानी में जब फेंकते थे, थे तो वो तैरते हुए आगे बढ़ जाते थे इस इस कार्ड इसको हम क्या कहते हैं इसको जब हम घोड़ों को फेंकते थे बाद में नाप जब हल्की हो जाती थी आगे बढ़ जाती थी और फिर बाद में जब घोड़े उनको जब पहुंचते थे तो घोड़ों को फिर से उस पर चढ़ा लिया जाता था यही एक कार्ड है कि इसको तीस डिग्री उत्तरी आक्षांश और को हम क्या कह देते हैं हम घोड़ा आचांश कह देते हैं चलिए समझते हैं आगे पता चल गया ना घोड़ा चांस क्या होता है तीसरी पेटी देखते हैं तो यह पेटी कौन सी आपकी जो उपद्रुवीय निम्न दाब पेटियों वाला जो क्षेत्र है यह पेटी दोनों यह पेटी भी गतिजन्य है ना ताप जन्य। कि तापजन्य तापजन्य यानी कि अभी तक कौन सी हुई है सिर्फ रेखीय रेखीय या भूमध्य वायु दाप पेटी आपकी तापजन्य है आपकी यह भी तापजन्य नहीं है बल्कि कैसी है गतिजन्य है क्योंकि गतिजन्य क्यों है आइए समझते हैं यह पेटी भी गतिजन्य है क्योंकि यहां पर तापमान साल भर निम्न रहता है या कहे ताप तापमान साल भर कम रहता है इसके बावजूद यहाँ पर निम्न दाब की पेटियां पाई जाती हैं क्यों पाई जाती हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है जब तापमान कम होता है तो हवाएं ठंडी हो जाती हैं ठंडी होकर क्या होती हैं बोझ नीचे बैठ जाती हैं इसलिए तापमान दाब कैसा होना चाहिए अधिक होना चाहिए उसके बावजूद यहाँ पर दाब कम है ये आप लोगों को क्यों है क्योंकि ये तापजन्य वो सॉरी ताप जन नहीं है बल्कि क्या है गति है सॉरी गति जन है जन आप लोगों को बताया था गति जन क्या है घूर्णन गति कार्ड और के कारण ठीक है समझ में आ गया गति जन कौन सी गति आपका सिर्फ और सिर्फ घूर्णन गति कांड और भी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हवाएं पढ़ेंगे चलिए तीसरा चौथा पेटी देख लेते हैं जो कि है ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी यह पेटी यह पेटी ध्रुवों पर पाई जाती है यानी कि उच्च वायु ध्रुवों पर उच्च वायुदाव पेटी पाई जाती है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर तापमान यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो तापमान होता है वह जीरो डिग्री सेल्सियस से हमेशा कम ही रहता है या कहें जीरो डिग्री से ऊपर जीरो डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं हो पाता यहाँ तक कि गर्मियों में भी जीरो डिग्री से या कहें माइनस वन माइनस टू से ज़्यादा नहीं हो पाता है इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर जो पेटी जो है वो गतिजन्य नहीं है बल्कि तापजन्य है क्योंकि तापमान कम होने के कारण जो वायुदाब है वो कैसा है उच्च वायुदाब क्षेत्र है समझ में आ गया मैं फिर से एक बार रिवीजन आप लोगों को करा देता हूं कि रेखा में विश्व रेखी जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है 10 डिग्री उत्तरी से दस डिग्री दक्षिणी आचान वाला जो क्षेत्र है यहां पर निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है ये पेटी आपकी तापजन्य है ना कि गतिजन उसके बाद उस उच्च वायुदाब पेटी जो है यहां पर कहां से कितने बताई थी मैंने 20 से पैंतीस और दक्षिणी गोलार्ध में भी 20 से पैंतीस आक्षांशों में आपका उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है ये नियम के विपरीत थी ये किस पर आधारित थी ये ताप्यजन्य नहीं थी बल्कि गतिजन्य थी इसके बाद उपद्रुवीय के बारे में हमने बात की 60 से पैंसठ उत्तरी ध्रुव उप साठ से पैंसठ उत्तरी आक्षांश और 7 से पैंसठ दक्षिणी आक्षांशों के बीच में उत, निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है जो कि नियम के विपरीत थी यानी कि पे आधारित थी गतिजन्य थी ठीक है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि चार पेटियां यानी उप ध्रुवीय निम्न पेटी वायु उच्च वायुदा पेटी और ठीक है तो चार पेटी कौन सी हो गई गतिजन्य हो गई जबकि तीन पेटियां जो हैं यानी कि भूमतरेखी निम्न वायुदा पेटी और पोलर यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी यानी कि तीन वायुदा पेटियां कैसी हो गई तापजन्य हो गई तो ये हो गई आपकी वायुदाप की पेटियां समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं चलिए हवाओं के बारे में बात करते हैं जिनको हम बिंट्स कहते हैं तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख हवाएं होती हैं एक एक करके समझते हैं ठीक है पहले पवने और हवाएं इनको एक ही बात होती है और बिंट्स भी हम इनको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं तो आइए समझ लेते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में कोई स्पेशल ड्रामा नहीं ठीक है तो आइए देखते हैं पृथ्वी की सतह पर चलने वाली वायु को हम पवन कहते हैं पवने चलने का कारण पृथ्वी के वायुमंडल के वायुदाव का पृथ्वी के वायुमंडल के वायुदाव का एक समान न होना यानी कि वायुदाब में भिन्नता पाई जानी कहीं पर वायुदाब उच्च होना कहीं पर वायुदाब निम्न होना ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ाई ना मैंने कि किस तरह से आपका वायुदाब रेखा वाले क्षेत्र में निम्न होता है फिर किस तरह से उच्च वायुदाब होता है फिर किस तरह से निम्न होता है फिर किस तरह से उच्च हो जाता है यानी कि हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई लो हाई लो इस तरह से हाई लो हाई लो करते हुए आपका उच्च हाई उच्च हाई ये चलता रहता है यही एक कारण है कि पवने चलने का ये प्रमुख सबसे बड़ा कारण यही होता है यही एक कारण है कि वायुदाब में जितनी भिन्नता होगी हवाएं भी उतनी तेज चलेंगी ये भी ध्यान रखना ठीक है हवाओं की गति हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायु दाब की ओर होती है हवाओं की गति दाब पर दाब प्रवड़ता पर निर्भर करती है फिर से बता देता हूं कि मैंने क्या बताया कि हवाएं क्या होती हैं पृथ्वी की सतह पर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं पवन चलने का कार्ड मैंने आप को क्या बताया जो वायु दाब होता है उसका जो दाब है वो एक समान न होना कहीं पर भी कहीं पर दाब कम तो कहीं पर दाब ज्यादा यही एक कार्ड है सबसे बड़ा जो कि पृथ्वी पर हवाएं चलने का प्रमुख कार्ड होता है हवाएं या पवन चलने का प्रमुख कार्ड होता है क्योंकि जो हवाएं होती हैं हवाएं जो होती हैं उच्च दाब से उच्च दाब से हमेशा निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं बहुत जरूरी है इसको ध्यान रखना हवाएं हमेशा उच्च यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं समझ में आ गया ठीक है चलिए समझते हैं हवाओं को मैंने क्या बताया हवाओं की गति हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है हवाओं की गति दाब प्रवणता पर निर्भर होती है अब ये भैया दाब प्रवणता क्या होती है उसको हम आगे समझते हैं तो आइए समझते हैं आगे हवाएं या हम इसको पवन कहते हैं हवाएं या पवन की दिशाओं बेग को प्रभावित करने वाले बलों को समझते हैं कौन कौन से बल होते हैं जो हवाओं की दिशाएं और उनका जो बेग होता है या उनकी जो गति होती है उनको प्रभावित करते हैं तो आइए समझते हैं पवन की दिशाओं तथा बेग को दाब प्रवणता कोरियोलिस बल अव त्वरण या अव केंद्रीय बल पृथ्वी के तल से घर्षण पृथ्वी के तल से घर्षण जैसे कुछ बल होते हैं ये आपके पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं का वेग तथा दिशाओं को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं या उनका उनमें बदलाव लाते हैं चलिए आगे बात करते हैं समझते हैं दाब प्रवर्ता क्या होता है दाब प्रवर्ता बहुत सरल भाषा में समझेंगे वायु दाब आप लोगों को पता है वायुमंडल का दाब में जब क्या होती है भिन्नता होती है भिन्नता मतलब कहीं पर कम एक समान ना होना कहीं कम तो कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं कहीं पर ज्यादा ठीक है, है तो इस दाब इस दाब के परिवर्तन की दर को हम दाब प्रवता कहते हैं यानी कि दाब में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को हम दाब प्रवर्ता कहते हैं यानी कि एकदम दाब आपने देखा कि कहीं पर कम हो गया कहीं ज्यादा हो गया तो इसकी दर को हम क्या कहते हैं दाब प्रवर्ता कहते हैं यदि समदाब रेखाएं समदाब रेखाएं अगर पास पास होती हैं तो ढाल धा, क्या होगा हवाओं का तेज होगा और इससे हवाएं बहुत तेज चलती हैं यहां पर आप देख सकते हैं हवाएं बहुत तेज चलेंगी कब जब समदाब रेखाएं पास पास होंगी ध्यान रखें क्यों समदाब रेखा क्योंकि एक समान दाब वाली ठीक है अगर समदाय समदाब रेखाएं दूर दूर होगी तो ढाल जो होगा इसका मंद हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ठीक है ढाल क्या हो जाएगा मंद हो जाएगा इससे हवाएं क्या होगी बहुत धीमे धीमे चलेंगी क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर गाड़ी आप ऐसे करके मान लीजिए कहीं पर आपको ढलान ऐसा मिला ये मान लीजिए ये रोड है रोड पर आप अपनी स्प्लेंडर प्लस लेके आ रहे हैं स्प्लेंडर मतलब जिसके पास जो गाड़ी हो अपनी मान सकते हैं तो स्प्लेंडर प्लस चले आयाबूसा मान लेते हैं आप इस तरह से लेकर आते हैं प्यार से बाइक क्यों तो आपका जो ढाल है वो कम है रहा? क्यों? समदाब रेखाएं है जो हैं वो दूर दूर हैं। तो ढाल कम है तो क्या होगा आपका हवाएं धीमे धीमे चलेंगी आपकी जो बाइक है वो धीरे चलेगी अब भैया जो समदाब रेखाएं वो पास-पास हो गई पास-पास हो होने से क्या हुआ ढाल जो हुआ अधिक हो गया

इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं क्योंकि घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं समझ आ गया तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवने पवने पवन मतलब हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं अपने मूल स्थान से मूल स्थान से हट जाती हैं इनको ही हम कोरियोलिस कोरियोलिस बल कहते हैं समझते हैं इसको जो आपका कोरियोलिस बल होता है वह घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल का परिणाम होती है उसको भी समझेंगे आगे यह है, यह है मतलब ठीक है तो यह है उस उन उन होगा उसकी उनकी जगह ठीक है तो उन सभी गतिमान वस्तुओं को प्रभावित करती है जो कि पृथ्वी के धरातल से जुड़ी न हो जैसे कि हवाई जहाज हो गया मिसाइल हो गई ये सभी क्या होती हैं कोरियोलिस बल से प्रभावित होती हैं समझ में आ गया तो चलिए समझते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आइए तो को अच्छे समझते हैं साधारण भाषा में बिल्कुल पृथ्वी अपने पर जानते हैं आप लोग घूर्णन कर रही है इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा दू मेरे पास अभी मैप नहीं है वो ढूंढता हूँ पृथ्वी पृथ्वी अपने पर किस तरह से घूम रही है इस तरह से पृथ्वी अपने पर घूम रही है इसको हम क्या कहते हैं घूर्णन कहते हैं यानी कि अपनी उंगली पर अगर बॉल घुमाएंगे तो उसको क्या कहेंगे अपने पर घूमना जिसको हम क्या कहते हैं रोटेशन रोटेशन कहते हैं ना उसको हम घूर्णन कहते हैं तो पृथ्वी अपने अक्षर पर बहुत तेज गति से घूम रही है लेकिन जिस गति से पृथ्वी घूम रही है उस गति से पृथ्वी के अंदर जो हवाएं होती हैं पृथ्वी के साथ साथ नहीं घूम पाती जिसके कारण पृथ्वी की जो हवाएं होती हैं पृथ्वी के घूर्णन के साथ नहीं दे पाती मैं बता रहा हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेज गति से घूम रही है लेकिन जिस गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उस गति से आपकी जो हवाएं होती हैं वो नहीं घूम पाती समझ आएगा हवाएं नहीं घूम पाती जिसके कारण पृथ्वी की जो हवाएं होती हैं घूर्णन का साथ नहीं दे पाती इसके कारण आती हुई हवाएं आती हुई हवाएं पहले से मौजूद हवाओं को धक्का देती हैं जिसके कारण बिछेड़ बल उत्पन्न होता है यह बल विस्वत रेखा पर शून्य होता है विस्वत रेखा पर यह बल शून्य होता है तथा ध्रुव पर यह सर्वाधिक होता है इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाई ओर मुड़ जाती हैं दाया इनका कौन सा हो गया मान लीजिए आप यहां पर खड़े हुए हैं और आप इस तरह से नीचे अगर मुंह किए हुए हैं तो आपके दाया किधर हो जाएगा इस तरफ यह दाया हो जाएगा ठीक है आपका इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में आपकी हवाएं जो होंगी दाई तरफ हो जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी तरफ हो जाएंगी ठीक है समझ आ गया मैं फिर से साधारण भाषा में बता देता हूं मैंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ऐसे आप मान लीजिए जैसे कि आप झूला झूल रहे हैं मान लीजिए आप किसी में झूला झूल रहे हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आप बाइक चला रहे हैं बाइक चला रहे हैं ना बाइक आपके पीछे भी आ रही है बाइक आपके पीछे भी आ रही है बहुत सारी बाइक और आप बहुत स्पीड से चल रहे हैं आप जितनी स्पीड आपकी है उतनी पीछे वाली बाइक की भी है आपने गलती से स्पीड हल्की सी कम कर दी तो जो पीछे वाली स्पीड फुल स्पीड में आ रही ना वो आपके पीछे से धक्का मार देगी जब धक्का मार देगी ना तो क्या हो जाएगा आप तितर बितर हो जाएंगे आप अलग बाइक अलग आपकी सवारी अलग आपका हाथ पैर अलग हेलमेट अलग आपका पेट्रोल अलग क्या होगा बिछे पर हो जाएगा बिखर जाएगा सब कुछ समझ में नहीं आएगा किधर जाए तो ये एक निश्चित दिशा में करती है है तो 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 होता क्या है? तो इसी तरह से क्या होता है कि जो पृथ्वी अपने पर घूम रही बहुत तेज घूम रही घूमती रही घूमती रही तो उसमें जो हवाएं हैं वो पृथ्वी का साथ नहीं दे पाती यानी कि जो उसमें माल रखा हुआ है वो उसका साथ नहीं दे पाता वो उसके साथ नहीं घूम पाता तो इससे क्या होता है कि जैसे ही अब ये वाली इसके जैसे ये वाली हवा यहां पर खड़ी है ये हवा यहां पर है ये ऐसे इस तरह से घूम रही है पृथ्वी का वो बहुत तेज घूम रही है तो इस तरह से घूमती घूमती क्या है अब पृथ्वी ने क्या कहा ऐसे पृथ्वी एक अपना चक्कर पूरा लगाती हुई आ गई और ये वाली हवा यहीं पहुंच पाई अब ये जब हवा नहीं आगे नहीं बढ़ पाई तो पीछे से और हवा आई उसने धक्का मार दिया इस तरह से इस तरह से धक्का मार दिया जैसे धक्का मारा ये तितरबितर हो गई बिछे पड़ हो गया ठीक है चलिए समझते हैं फिर ठीक है तो मैंने क्या बताया यह बल विश्व रेखा पर शून्य यानी कि विश्व रेखा पर हवाएं इधर उधर नहीं होती हैं दुर्वों पर यह बल सबसे अधिक होता है इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती हैं अपने बाएं वो दाई मुड़ जाती हैं हवाएं अपनी दाई ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं बाई तरफ मुड़ जाती हैं क्योंकि आप मान लीजिए इस ओर खड़े हुए हैं और आपका मुंह अगर इस ओर है तो आप इस इस तरफ देख रहे हैं इस तरह से ठीक है इस तरफ अगर देख रहे हैं तो आपका ये सीधा हाथ होगा यानी कि दाया और ये बाया होगा समझ में आ गया और आप अगर दक्षिणी गोलार्ध में खड़े हो आपका मुंह ईश्वर है इस तरह से आपका मुंह ईश्वर है तो आप क्या है आपका ये सीधा हो जाएगा और ये डेढ़ा हो जाएगा यानी कि लेफ्ट राइट लेफ्ट तो आपका ये बाया हाथ हो जाएगा समझ आ गया चलिए

जो कोरियोलिस बल होता है, वह फेरल नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ने क्या किया था सिद्ध किया था या दिया था इसलिए के के है, है? इस, और देख लेते हैं एक व्यक्ति थे वाइज वैलेट इन क्या नियम दिया था क्योंकि भैया ऐसा है नियम क्या था कि पुराने जमाने में आप लोगों को कम ज्ञान था तो हल्के से आपने नई कोई चीज खोज ली तो वो एक आविष्कार हो जाता था तो ये मैं भी बता देता तो अगर उस टाइम पे मैं पैदा होता तो मैं ये वाला खोद कर लेता तो ये बहुत आसान वाला था लेकिन मैं चूक गया करूँ क्या यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों के सामने तो आइए इस वाले नियम को समझते हैं तो आइए समझते हैं इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में मुँह करके या कहीं चलती हुई हवा की दिशा में पीट करके खड़ा हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे उत्तरी गोलार्द में हमारे बाई और बाई मतलब डेढ़ा तरफ या कहें लेफ्ट की तरफ हमें लो प्रेशर महसूस होगा यानी कि लेफ्ट की तरफ हमें लो प्रेशर महसूस होगा और दाई और यानी कि राइट की तरफ हमें उच्च वायुदाब महसूस होगा जबकि दक्षिणी गोलाद में इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि आपका दक्षिणी गोलाद में क्या हो जाएगा यहां पर हाई हो जाएगा और यहां पर लो हो जाएगा यानी कि आप मान लीजिए इसको समझने का सीधा तरीका मान लीजिए कि मैं जब छोटा था मैं सौ ग्राम का था सौ का सौ क्या मान लीजिए अब मैं, मैं जब मान लीजिए पचास ग्राम का था तो मम्मी या पापा मेरे जब जाया करते तो मान लीजिए बाइक से या साइकिल से या फिर वो पैदल कभी बाहर जाते थे तो मैं उन्हें जाने नहीं देता था अब सौ ग्राम का हूँ इतना बड़ा हूँ मैं कैसे रोक लूंगा उन लोगों को तो ऐसे करके मैं दोनों हाथ करके खड़ा हो जाता था अब मम्मी पापा मेरे इस तरह से आ रहे हैं जिस तरह से मान लीजिए हवा आ रही है तो हवा मेरे सामने आ रही है मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूं इस तरह से। और रोकने की कोशिश कर रहा हूं तो एक तरफ यानी कि लो प्रेशर कौन हो जाएंगी लो प्रेशर मेरी मम्मी हो जाएंगी क्योंकि उनका मतलब पापा हाई प्रेशर में रहते हैं मम्मी लो प्रेशर तो मम्मी मेरी जो रहेंगी वो समझ रहे ना लो प्रेशर हाई प्रेशर के बारे में मतलब दोनों हवाएं हैं दोनों मिलकर एक हवाओं का रूप है तो उनका जो एक दोनों लोग मुझे क्या करेंगे लो प्रेशर वाला उठाएगा और हाई प्रेशर वाला उठा के अलग कर देगा और वो दोनों लोग निकल जाएंगे मैं बता दे रहा हूं कि मैंने ऐसे करके बाइक को रोका ऐसे करके अब सौ ग्राम का हूं तो मेरे मेरे बाया हाथ कौन सा है बाया मतलब ये वाला और दाया कौन सा है ये वाला यानी कि राइट ये और लेफ्ट ये तो राइट वाला जो होगा राइट वाला उसमें हमें क्या महसूस होगा राइट वाले में हमें उच्च वायुदाब महसूस होगा यानी कि हमारे पापा ने मुझे उठाया और यहां पर क्या हुआ निम्न वायुदाब कौन थी मम्मी ने मुझे उठाया और उठा के मुझे दूर रख दिया तो उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल दिमाग में घुस गया होगा मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यदि उत्तरी गोलार्ध में व्यक्ति खड़ा है उत्तरी गोलार्ध में हवा चल रही है यानी कि दो लोग उधर से आ रहे हैं मेरी मम्मी आ रही पापा आ रहे हैं और मैं यहाँ से इस तरह से उन्हें रोकने की को कोशिश कर रहा हूँ तो पापा मेरे हाई प्रेशर हो गए उन्होंने मेरे सीधे हाथ को उठाया यानी कि सीधे हाथ की तरफ मुझे हाई प्रेशर महसूस हुआ और डेढ़े हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट की, की तरफ हमें लो प्रेशर महसूस हुआ यानी कि हमारी अम्मा ने किधर से उठाया लो प्रेशर और पापा ने किधर से उठाया हाई प्रेशर की समझ में आ गया लो प्रेशर हाई प्रेशर हवा कैसे आ रही है ठीक सामने चलिए आइए समझते हैं आगे चलिए पवनों के प्रकार समझते हैं हवा हवाएं या पवनों के प्रकार टाइप ऑफ आइए देखते हैं पवन या या हवाएं कितने प्रकार की होती हैं पवनों के दो प्रकार होते हैं हवाओं के दो प्रकार होते हैं और विंड्स जिन्हें हम कह देते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं पहला जो हो गया प्रचलित पवन है दूसरा हो गया सामयिक पवन साम या फिर इनको सीजनल विंड्स भी हम कह देते हैं तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले होगा प्रचलित पवन ठीक प्रचलित पवने देखते हैं प्रचलित पवन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं प्रचलित हवाएं को तीन भागों में बांटा जाता है कितने भागों में वो सॉरी चार नहीं थे ये तीन भागों में बांटा जाता है कौन कौन से आइए देखते हैं पृथ्वी सॉरी एक सेकंड हाँ, पृथ्वी पर साल भर एक ही दिशा में बहने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं प्रचलित पवने कहते हैं ये एक कटबंध से दूसरे कटबंध में या एक दाब एक यानी कि मैंने आप लोगों को जब दाब बताया था मैंने कि सात कटवंध पाए जाते हैं सात पेटियां पाई जाती हैं यानी कि एक पेटी से दूसरे पेटी की ओर बरस भर चलती रहती हैं इन हवाओं को स्थाई पवने यानी कि हमेशा चलने वाली पवने है बारहमासी पवने सनातनी पवने भूमंडलीय पवने इनको हम कह देते हैं क्या क्या कहते हैं आपको अगर सनातनी पवने कहीं दिखती हैं आपको स्थाई पवने कहीं दिखती हैं आपको भोमंडली पवने दिखती हैं आपको प्रचलित पवने दिखती हैं तो हम क्या कहेंगे आपका ये जो पवने होती हैं एक कटबंध से या एक पेटी से दूसरी पेटी में चलने वाली पवनों को हम प्रचलित प्रचलित पवने कहते हैं ठीक है ये हवाएं तीन तरह की होती हैं फिर से मैं बता दे रहा हूं कि हवाएं जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं आपका प्रचलित पवने और सामयिक यानी कि सीजनल याकाएँ मौसमी हवाएं प्रचलित पवनों को दो तीन भागों में बांटा जाता है सनमार्गी पवन है इनको हम व्यापारिक पवन कहते हैं ट्रेड विंड भी कह देते हैं इनको ठीक है दूसरी जो है पछुआ पवन है इनको लीज भी कहते हैं पछुआ पवनों के बाद हमारा आता है ध्रुवीय पवन है इनको पोलर विंड्स भी कह देते हैं तो ये कितने प्रकार की हो गई तीन प्रकार की हवाएं हो गई मैंने आपको हेलो हेलो सिखाया था, हेलो हेलो सिखाया था बोल कोई कविता मैंने आप लोगों को बताई थी तो हेलो हेलो से मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आपका यहां से शुरू होता है ह, ल, एच एल एच एल एच एल एच ठीक है तो हाई लो हाई लो हाई लो यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर और हाई प्रेशर तो इस तरह से एक कटबंध से दूसरे कटबंध में जाती हैं हवाओं का मैंने आप लोगों को नियम बताया था कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं हमेशा चलती हैं इन्हें कोई नहीं रोक सकता चाहे फिर आप इस तरह से रोकने की कोशिश करें फिर भी नहीं रुकेंगी चलिए समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं पहला वो है ट्रेड विंड्स इनको हम व्यापारिक पवनें भी कहते हैं देखते हैं इनको इनको हम सन्मार्गी पवन है व्यापारिक पवन है या ट्रेड विंड्स भी कहते हैं ये उपोषण उच्च दाव कटबंध में फिर से मैं बोल दे रहा हूं ये उपोषण उच्च दाब कटबंध से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटबंध की ओर चलती है मैंने हमेशा बताया बताया कि वायु जो होती है या हवा जो होती है वह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैंने जब आप लोगों को बताया था कि भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की जो पेटी होती है विश्वत रेखा में पाई जाती है जो कि कहां से कहां कान्स तक होती है आपकी दस डिग्री उत्तरी आचांश से लेकर दस डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में यह आपकी रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है और यह है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी कि लो प्रेशर यह है और यह हाई प्रेशर है तो आप अंदाज लगा सकते हैं ये हाई हाई वाले प्रेशर वाले जब लोग हैं तो ये दोनों किस पर हमला करेंगे हमेशा लो के ऊपर हमला करेंगे आप हमेशा ध्यान रखें मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ आप ऐसे मान लीजिए अभी मेरे ऊपर ही मान लीजिए उदाहरण में ऐसे मान लीजिए अभी मेरे पास एक व्यक्ति ने कमेंट की तो उसने मेरे बारे में थोड़ी तारीफ की अपनी माँ बहन के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया तो हमने उसको हमने उसको रिस्पॉन्स किया और करने के बाद उसको अच्छा लगा उसने कहा कि तेरी औकात है तूने अपनी सब्सक्राइबर देखें तुझे तेरी औकात पता है तू सब्सक्राइबर देख तब अपनी औकात के हिसाब से बोल मुझसे समझ रहे हैं ना आप इसका मतलब इसका मतलब है कि निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है मेरा भी निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है और कोई उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र वाला जो है वो व्यक्ति क्या कर रहा है हमला कर रहा है यानी कि अभी मेरा निम्न वायुदाब का क्षेत्र चल रहा है तो उसने मुझ पर क्या किया हमला किया हमेशा जो कमजोर पड़ता है उसको ही लोग घेर के मारते हैं तो आपको यह अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हवाएं किसोर से किसोर चलेंगी हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी तो किस तरह से हवाएं बहेंगी आपको यह भी पता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाई ओर चलेंगी इस तरह से और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाई ओर चलेंगी तो आप लोगों को अपने आप अंदाजा लग जाना चाहिए कि हवाएं किस तरह से चल रही है उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से तो ये जो हवाओं की दिशाएं हो गई ये आपकी व्यापारिक पवनों की अपने आप आपको आंखें बंद करके महसूस कर लेंगे दो तीन चार टॉपिक है यानी कि तीन चार चीजें भी आपको अंदाजा हो गया कि हवाएं किस ओर से किस ओर चलती हैं उत्तरी और, और इस वर्ग में जो हवाएं होती हैं किस से किस जाती हैं फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है आप अपने आप बता दें कि भैया ट्रेड विंड्स वाला यानी कि जो आपकी व्यापारिक पवनों का क्षेत्र कौन सा है ठीक है तो चलिए टॉपिक की ओर समझते हैं मैंने क्या बताया उच्च बायुदाब उच्च वायुदाब वायुदाब वाला 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 क्षेत्र 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 कौन सा है ये इसका कितना आचांस है डिग्री से पैंतीस डिग्री और ये वाला आचांश कितना है बीस डिग्री से पैंतीस डिग्री उत्तरी आचांश ये दक्षिणी आचान ठीक है तो उपोषण उच्च वायुदाब सॉरी उच्च दाब कटबंधों से भूमधरेखीय निम्न दाब कटबंध

30 के बीच में साल भर रहती है। ठीक है, ये रहे कि जो वाला होता है इसमें हवाएं नहीं चलती नहीं कि जीरो डिग्री की बात करें ठीक है इसे डोल्ड्रम क्षेत्र कहते हैं ठीक है तो फिर से मैं बता दे रहा हूं कि पांच डिग्री से लेकर तीस डिग्री वाले क्षेत्र तक ये हवाएं चलती है तो इस तरह से ये व्यापारिक पेटी वाला क्षेत्र कहलाएगा ठीक है वैसे तो ये हवाओं को उत्तर से क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि उच्च से निम्न की ओर चलना था ना इस तरह से क्योंकि उच्च वायुदाब अरे मैं फिर से यहां पर बना हो गया तो ये निम्न हो गया तो किस तरह से हवाई चलने थी? मैंने बताया था, से निम्न जाना था ना तो उत्तर से दक्षिण हवाएं चलने थी गया? उत्तर से दक्षिण हवाएं चलने थी लेकिन अब लेकिन आगे मैं हमेशा कहता हूं अगर लेकिन शब्द आता है तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए आपका बेड़ापार सिर्फ लेकिन ही सुनने से हो जाएगा आप पूरा टॉपिक छोड़ दीजिए आप लेकिन लेकिन सुनिए और यानी यानी सुनिए लोग कहते हैं भैया आप यानी बहुत करते हैं नहीं कोई बात नहीं ज्ञानी लोग नहीं सॉरी मैंने आपको ज्ञानी कहा ज्ञानी नहीं हूं मैं लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता है ज्ञानी लोग यानी बहुत करते हैं और लेकिन से आपका बेड़ा पार हो जाएगा तो मैंने क्या बताया कि इन हवाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर चलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये हवाएं फेरल के नियम के अनुसार कोरियोसिल कोरियोलिस बल के कारण यहां पर समझना फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाई और मुड़ जाती है दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाई और मुड़ जाती हैं फिर से मैं बता दे रहा हूं मैंने बताया कि इन हवाओं को उच्च वायुदाव से निम्न वायुदाव की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर जाना था लेकिन ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है फेरल के नियम के अनुसार फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किसके कारण फेरल के नियम के अनुसार फेरल के नियम के अनुसार कोरेल वल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं अपने उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाई और, और मुड़ जाती है यानी कि राइट की तरफ मुड़ जाती है यानी कि सीधी ओर मुड़ जाती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अब मुंह किसोर होगा मुंह हमेशा ध्यान रखें मुंह नीचे की ओर होगा आपका ठीक है किसोर देख रहे हैं रेखा की ओर अब दक्षिणी गोलार्द से भी देख रहे हैं ना आप रेखा की ओर देख रहे हैं तो आपका ये डेढ़ा हो जाएगा ये सीधा हो जाएगा ये डेढ़ा हो जाएगा ये सीधा हो जाएगा ठीक है ये सीधा हो जाएगा इस ओर तो ये डेढ़ा हो जाएगा तो दाया बाया

अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं समझ में आ गया समझ में आ गया तो चलिए फिर से समझते हैं कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़कर ये उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ जाती हैं या कहें उत्तर पूर्वी दिशा में चलती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर ये हवाएं चलती हैं तो ठीक है किस ओर चलती हैं उत्तर पूर्व की उत्तर पूर्व की ओर और, और ये दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं ठीक है समझ में आ गया तो पूर्व दिशा में चलने के कारण इनको पूर्वैया कह देते हैं पूर्वा पवन भी कहते हैं या इस, इनको हम ईस्टरलीग भी ईस्टरलीज भी कह देते हैं ठीक है समझ आ गया चलिए फिर से मैं बता देता हूं कि अपने किस ओर जाती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहने के कारण इनको पूर्वैया कह देते हैं पूर्वापने भी कहते हैं समझ में आ गया चलिए आगे समझते हैं सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो मैंने इसमें थोड़ा सा रिपीट कर दिया है दो तो चार पॉइंट मुझे रिपीट करना जरूरी लगा इसलिए मैंने रिपीट कर दिया इन पवनों की विशेषता समझते हैं यानी कि ट्रेड विंड की विशेषता समझते हैं ये पवन है साधारणतः वर्षा नहीं करती लेकिन जब ये हवाएं समुद्री क्षेत्र से गुजरती हैं यानी कि इस तरह से जब ये समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं इस तरह से जब ये समुद्री क्षेत्र से जब ये समुद्री क्षेत्र से बहती हुई आती हैं तो महाद्वीप महाद्वीपों पर जब पहुंचती हैं तो पूर्वी किनारों पर पूर्वी किनारे कौन से हो जाएंगे ये आपका पूर्वी किनारा हो जाएगा क्योंकि पूर्व की ओर चलती है ना तो पूर्व के किनारे से ही टकराएंगे इस तरह से तो ये पूर्वी किनारे पर झमाझम जम, पूर्वी किनारे पर खूब बारिश करते हैं लेकिन इन हवाओं से इन हवाओं से होने वाली वर्षा से पश्चिमी जो किनारे होते हैं या पश्चिमी जो भाग होता है वह वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता या वहां पर वर्षा नहीं होती पृथ्वी बता दे रहा हूं साधारता ये पबने जो होती हैं वर्षा नहीं करती लेकिन हवाएं समुद्र के ऊपर से जब बहती हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए समुद्र के ऊपर से बहती हैं तो वहां से क्या करती हैं नमी ग्रहण कर लेती है या आद्रता ग्रहण कर लेती हैं जब ये नमी ग्रहण करती हैं तो माध्यम पर पहुंचती हैं तो वहां पर बारिश करती हैं लेकिन कहां पर करती है हमेशा पूर्वी क्षेत्र में ही बारिश कर पाती हैं जबकि इनसे पश्चिमी क्षेत्र जो होता है वो क्या रहता है अछूता रह जाता है या वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है चलिए इनका बेग की अगर बात की जाए तो इनका बेग पंद्रह से लेकर पच्चीस किलोमीटर तक हो सकता है इनका ज़्यादातर विस्तार महासागरों में ही होता है क्योंकि महासागरों में इन्हें इन हवाओं को चलने की क्या मिल जाती है आज़ादी मिल जाती है ठीक है चलिए ये पवने हिंद महासागर में मानसूनी पवनों में बदल जाती हैं इनको जब हम भारत में मानसून के बारे में पढ़ेंगे तभी मैं कहता हूं इसको मैंने इसलिए बताया कि इस वीडियो के देखने के बाद भारत का वीडियो दूसरा वाला पार्ट देखना क्योंकि तो आपको इसमें पूरी चीजें क्लियर होंगी तब बहुत आसान लगेगा ठीक है तो मैंने क्या बताया इसका ज्यादातर विस्तार महासागरों में ये पवने हिंद महासागर में हिंद महासागर में आप लोग जूम करके दिखा दूं हिंद महासागर में ये आपकी मानसूनी पवनों में बदल जाती हैं कहां पर ये आपका हिंद महासागर वाला क्षेत्र है ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है है, ये मानसूनी पवनों में बदल जाती हैं, ठीक है तो ये मानसूनी पवन है कि, किस दिशा आ रही हैं? आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र से बहती हुई आ रही हैं, जा आ रही हैं? दक्षिण पश्चिम में जा रही हैं ठीक है लेकिन ये ध्यान रखें पवनों को किस दिशा में जा रही है उस पर ध्यान आपको नहीं देना है नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये बिल्कुल ध्यान से गढ़ा लें आप ये बिल्कुल भूल जाएंगे वो किस दिशा में जा रही हैं किस दिशा तो से आ रही हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या कह रही हैं किस दिशा से आ रही हैं ना उसके आधार पर ही इनका नाम होता है ठीक है क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ किस तरह से ये होता है चलिए व्यापारिक पवनों की असली कहानी भी समझ लेते हैं एक कुछ राज है तो उसको थोड़ा सा दिमाग में गड़ा लेते हैं कि इनका राज क्या है तो इन्हें अंग्रेजी भाषा में ट्रेड विंड्स कहते हैं आप सभी लोगों को पता है जिसके आधार पर इनको व्यापारिक पवने सभी लोग कहते हैं लेकिन यहाँ पर ट्रेड शब्द का अंग्रेजी ट्रेड जो है अंग्रेजी का शब्द नहीं है बल्कि जर्मन भाषा का शब्द है ट्रेड इस ट्रेड का मतलब ये होता है ट्रैक ट्रैक का मतलब होता है निश्चित मार्ग तो अंग्रेजी वाले ट्रैक का इससे यानी कि इन हवाओं से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है ये नहीं कि इनमें ज़्यादा व्यापार होता है इसलिए व्यापारिक पवने कहते थे ऐसा नहीं वो कंफ्यूज है लोग इसलिए सब लोग व्यापारिक पवने मानते आए हैं ट्रेड विंड्स कहते आए हैं इसीलिए सब लोग इसको बोलते हैं इसमें किसी भी तरह की कोई, कोई सच्चाई नहीं है लेकिन सच्चाई कभी कभी नहीं मानी जाती है जो झूठ प्रचलित हो जाता है उसी पर ही आधारित होता है तो इसको हम क्या कहते हैं व्यापारिक पवने या फिर आपका कहते हैं इनका व्यापार से कोई लेने देने नहीं है लेकिन फिर भी इनका व्यापारिक पवन नाम है चलिए समझते हैं पछुआ पवनों के बारे में ठीक है आइए देखते हैं पछुआ पवन कछुआ नहीं पछुआ बोल रहा हूं चलिए देखते हैं पछुआ पवन क्या होती है ये पवन उपोषण उच्च वायुदाब से उपद्रवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पृथ्वी का जो ग्लोब है उस पर सात वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं उनमें से मैंने आप लोगों को भी बताया कि किस तरह से ये वाला जो भाग है आपका हेलो कहलाता है यानी कि हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर और हाई प्रेशर और यह बात भी मैंने आप लोगों को बताई कि हवाएं हमेशा हाई से लो चलती हैं हमेशा हाई से लो चलती हैं तो आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि अब हवाएं कहाँ से कहां चल रही होंगी क्योंकि ये वाली जो थी उपोषण उच्च वाली जो पवनें थी यानी उच्च वायुदाब वाली पवनें लो की ओर गई इस तरह से लेकिन अब कहाँ जाएंगी ये निम्न वायुदाब की तरफ इस तरफ चलेंगी ठीक है इस तरह से चलिए इस तरह से ठीक है तो ये पवने दोनों गोलार्ध में से तक चलती हैं? दोनों गोलार्ध में तीस डिग्री उत्तरी आचांश से लेकर तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर साठ डिग्री उत्तरी आचांश के बीच में तथा तीस डिग्री दक्षिणी से लेकर साठ डिग्री दक्षिणी आचांश तक ये पवने चलती हैं कभी कभी आपको तीस से साठ मिल सकता है या चालीस से पैंसठ भी मिल सकता है तो आप घबराने की टेंशन घबराए ना वो बिल्कुल सही है क्योंकि बुक पकेरा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि ऐसा है ना कभी कभी हवाएं चलती हैं तो वो एक दूसरे का अतिक्रण कर देती हैं एक दो अछांश ऊपर नीचे हो जाती हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है तो फिर से बता देता हूँ कि ये पवने दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री उत्तरी आछांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी आक्षांश तक और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी आछांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी आक्षांश के बीच चलती हैं लेकिन ये पवन दक्षिणी गोलार्ध में लेकिन ये पवने दक्षिणी गोलार्ध में 40 से लेकर 60 के बीच में बहुत अच्छे से चलती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जब आप जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको हम जलीय गोलार्ध कहते हैं

चालीस से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी आक्षांशो के बीच में ये जो पवने होती हैं या पछुआ पवने होती हैं बहुत अच्छे से चलती हैं क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड बहुत कम है इसलिए ये बिना रोक टोक के चलती हैं इस कारण ये कभी कभी प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं समझ में आ गया ना जब ये प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं, तो ये तांडव मचा देती हैं। इसलिए इन पवनों को कई क्षेत्रों में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में कई क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है जिन क्षेत्रों में कम जो आपका स्थलखंड जो है वो बहुत कम हो जाता है तो वहां पर क्या होता है बहुत तेज हो जाती हैं, ठीक है तो 40 डिग्री पर जब हम दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री पर जब हम पहुंचते हैं तो इनको दक्षिणी इनको गरजती चालीसा कहते हैं फिर जब 50 डिग्री पर हम जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या कहलाता है ये 50 डिग्री पर इसको हम भयंकर पचासा या प्रचंड पचासा कहते हैं जब सात डिग्री दक्षिणी आचां पर यह पहुंचता है तो इसको हम चीकती साठा कहते हैं ये जो नाम है इन तीनों को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो तीनों पवनों को यानी कि जो तीन नाम है उन तीनों को सम्मिलित रूप से बहादुर पछुआ पवने भी कह देते हैं यानी कि आपके गज चालीसा भयंकर पचासा और साठा जो है चालीस पचास साठ यानी कि चालीस पचास साठा जो है सबको मिलाकर बहादुर पछुआ पवने कहते हैं ठीक है ये नाम जो है किन्नी वैज्ञानिकों के द्वारा खोजकर्ताओं के द्वारा नहीं दिया गया बल्कि वहां पर जो स्थानीय जो आपके समुद्र में जो यात्रा करने वाले जो नाविक वगैरह होते हैं उनके द्वारा दिए गए हैं क्योंकि जब वो वहां पहुंचते हैं तो जब चालीस पार कर जाते हैं तो उनकी ऐसी होने लगती है क्योंकि वो देखते हैं चंड प्रचंड एकदम जैसी रूप धारण करते हैं हवाएं जो होती हैं तांडव करने लगती है नाम एकदम अंदर से निकलता है कि हाय दया आ गया चालीस फिर चिल्लाते हैं हाय दैया आ गया पचासा और हाय दया आ गया साठा तो इस तरह से आवाजें जब आती हैं तो वहां पर लोगों ने अपने अपने नाम के हिसाब से वहां पर एडजस्ट कर लिया

ठीक है अपनी दाई ओर मुड़ जाती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाई ओर मुड़ जाती हैं अब ये दाई बाई कैसे हो गया इनका अब ये कह रहे हैं कि ये दाया बाया मड़ गए इस तरह से ठीक है तो ये कैसे दाया हो गया हम यहां पर खड़े हैं जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में देख रहे हैं ठीक है तो हमारा ये दाया हो गया और ये बाया हो गया अब हमारी हवा किस ओर ओर चल रही है इस उर. तो जिस दिशा में हवा चल रही ना उस ओर देखेंगे तो वहां का दाया बाया लेंगे जैसे जिस इस ओर हवा चल रही है ना तो इस ओर का हम दाया बाया लेंगे इस ओर हम देख रहे ले हैं तो ये हमारा दाया हो जाएगा ये बाया हो जाएगा अब हवा ओर चल रही ना इस ओर तो हम अब ईश्वर मुंह कर खड़े गए तो हमारा ये दाया हो जाएगा और ये बाया हो जाएगा ऐसे यहां पर मैंने क्या बताया उत्तरी गोलार्ध में ये आपकी दाई और चलती हैं और दाई और, और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाई और मुड़ जाती हैं चलिए इन पवनों की विशेषता समझते हैं यानी पछुआ पवनों की विशेषता समझ लेते हैं तो ये पवन फेरल के नियम अनुसार कोरियोलिस वन के कारण उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध कौन सा है ये वाला क्षेत्र ठीक तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम दिशा से कौन सी उत्तर पश्चिम ये उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम दिशा से ये दक्षिण पूर्व की ओर बहती तो हैं यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाई ओर मुड़ जाती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बाई ओर मुड़ जाती है के उत्तरी गोलार्ध में दाई और मुड़कर उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये फेरल नियम के अनुसार कोरियल बल के कार्ड दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाई ओर मुड़ जाती हैं ठीक है दाई ओर मुड़ जाती हैं किस दिशा से दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती हैं ठीक है ये पवन गर्म आछांशों से ठंडे आछांशों की ओर बहने के कारण ये हवाएं शीतोष्ण तटबंधी क्षेत्रों में जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं क्योंकि ये किस ओर जाते हैं पश्चिम की ओर जाती हैं हमेशा ठीक है तो शीतोष्क जो क्षेत्र होते हैं उनके पश्चिमी महाद्वीप के किनारों पर या पश्चिमी तट वाले क्षेत्र पर क्या करती हैं ये बारिश करती हैं जबकि आपका पश्चिमी यूरोप हो गया क्योंकि ये पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र है पश्चिमी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है यानी कि जो कैनेडा वाला पश्चिमी कैनेडा पश्चिमी यूएसए ये वाला जो क्षेत्र है इसके बाद यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में अगर बात करें तो यहाँ पर चिली वाला जो क्षेत्र जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है ठीक है तो ये इस तरह से यहाँ पर वर्षा करते हैं चलिए आखिरी देखते हैं इसमें ध्रुवीय पवन देखते हैं ज्यादा नहीं है सिंपल सिंपलता है ध्रुवीय ये बहुत ही ठंडी होती हैं ये पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप दुर्वीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं यहां से इस तरह से चलती हैं ठीक है इस तरह से ये इस तरह से ये आप लोगों को अब पता चली गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाया राइट हैंड पे और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी कि लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाती हैं, ठीक है, तो है उपद्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी ठीक है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं ये वर्षा नहीं करती क्योंकि ये बिल्कुल ठंडे क्षेत्रों में होती हैं ये कभी कभी वर्षा के रूप में क्या करती हैं हिमपात के रूप में बारिश करती हैं यानी कि बर्फ गिरती है इसके इसके अलावा वो इसकी जगह जगह वर्षा की क्या होता है हिमपात होता है ठीक है तो साथियों ये हो गई आपकी प्रचलित पवनों के बारे में तीन प्रकार की मैंने प्रचलित पवने बताई आपका कौन कौन सी तीन प्रकार की प्रचलित पवने थी मैंने आपको बताया ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवने पछुआ पवन है और आपका ध्रुवीय पवन है किस तरह से मैंने बताया था कौन कौन सी यहाँ पर पवनें चलती हैं जो व्यापारिक पवनें हैं वो हमेशा पूर्व से चलती हैं पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम जो पछुआ पवनें होती हैं पश्चिम से पूर्व पश्चिम से पूर्व ठीक है और ये जो ध्रुवीय पवनें होती हैं पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम ठीक है तो ये गई आपकी पृथ्वी पवन चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथियों बात करते हैं सामयिक पवने या सीजनल बिंड इसको हम मौसमी पवनी में पवन भी कह देते हैं मौसमी हवाएं भी कहते हैं इनके इनको तो चलिए समझते हैं इनको और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन करा दूं कि मैंने पवने तीन, तीन प्रकार की बताई थी पहली जो था पर्टने 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 मैंने प्रचलित पवने बताई दूसरी पवने मैंने सामयिक पवने बताई तीसरी जो पवने बताई तीसरा प्रकार जो बताया था मैंने बताया था स्थानीय पवने मैंने को तीन प्रकार बताए थे यानी कि आपका ट्रेड ट्रेड्स यानी कि व्यापारिक पवन है दूसरा बछुआ पवन और तीसरी जो बताई थी मैंने धोबी हवाएं बताई थी ठीक है इसके भी तीन प्रकार हैं वो भी आप लोग को दिखा देता हूं कि सबसे पहले बात करते हैं सामूहिक पवन क्या होती हैं ठीक है थीके? तो जिन हवाओं की दिशा मौसम या स्थानीय कारण या समय के आ, समय के कारण बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन स्थानीय पवने या सामयिक पवने भी कहते हैं ठीक है ठेके? ये तीन प्रकार की होती हैं मानसूनी पवने इन्हें कहते हैं ठीक है ठेके? इनको हम दूसरा जो प्रकार है वो आपका समुद्र तथा स्थलीय समीर होता है तीसरा प्रकार जो है पर्वत तथा घाटी समीर हम इसको कहते हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रकार देख लेते हैं इसमें इसमें जो है वो है मानसून बिन्स ठीक है मानसून यानी कि मानसून मतलब मानसूनी होता है तो आइए देखते हैं मानसूनी पवने समझते हैं इनमें इनमें उन सभी हवाओं को रखा जाता है जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल ही बदल जाती है ये हवाएं गर्मी की ऋतु में छह महीने के लिए गर्मियों में समुद्र की ओर चलती, चलती है और सर्दियों में आपका समुद्र से स्थल की ओर चलती यानी छह महीने स्थल से समुद्र की ओर और छह महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है ठीक है ये हवाएं या ये पबने सामान्यतः आपकी भारत देश में पाकिस्तान बांग्लादेश चीन म्यांमार श्रीलंका अरब सागर बंगाल की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया और जापान के आसपास के क्षेत्रों में ये हमें देखने को मिल जाती है मैं फिर से बता देता हूँ आपका भारत पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार चीन आपका यहाँ पर है ये इस तरह से अगर मैं जूम कर दूँ इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये है जापान ये है आपकी बंगाली खाड़ी ये है आपकी अरब सागर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो ऐसे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं इनमें ये पवनें प्रमुख रूप से देखी जा सकती हैं चलिए चलिए मानसूनी पवनों की उत्पत्ति समझ लेते हैं कैसे उनके कारणों से होती है तो जानते हैं मानसूनी पवन को अभी यहां पर समझ लेते हैं उसके बाद भारत देश का जब हम भूगोल पढ़ रहे होंगे अभी उसका उसका चल रहा है उसका, इसके बाद उसी का नंबर लगेगा तो उसमें भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे और क्लियर हो जाएगा हमारा मानसून ठीक है तो इनकी उत्पत्ति जानते हैं इसमें विश्व के हिसाब से पढ़ेंगे तो होता क्या है कि जनवरी में जनवरी में ये आपका पहले यहाँ पर देख सकते हैं एशिया वाला और ये है आपका यहाँ पर साइबेरिया क्षेत्र साइबेरिया आपका ठंडा प्रदेश है इसलिए यहाँ पर ठंडा प्रदेश होने के कारण यहाँ पर क्या बनेगा उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा ठीक है तो आइए समझते हैं जनवरी में एशिया के आंतरिक भाग के ऊपर यानी कि आंतरिक भाग के ऊपर यानी कि साइबेरिया क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है यह दक्षिण एशिया के जाकर भाग के लिए उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी स्त्री पवनों को जन्म देता है और इन पवनों में ठंडे महाद्वीप से ये जो पवने हैं ठंडे महाद्वीपों से आने के कारण ये बहुत कम जलवाष्प ग्रहण कर पाते हैं क्योंकि जलवाष्प जब ही ग्रहण कर पाएंगी जब वो हवाएं गर्म होंगी या फिर गर्म क्षेत्रों से होकर आएंगी क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों प्रदेशों से आ रही क्योंकि साइबेरिया तो आप जानते ही सबसे ठंडा प्रदेशों में से एक है क्योंकि दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र आपका साइबेरियाई क्षेत्र में ही पड़ता है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं यहाँ पर साइबेरियाई उच्च दाब का क्षेत्र है ये ठीक तो मैंने क्या बताया इन पवनों में ठंडे महाद्वीप से आने के कारण बहुत कम जलवाष्प होती है इस कारण सर्दी के मौसम में ये बहुत कम वर्षा करती हैं लेकिन गर्मी के मौसम में साइबेरिया जो उच्च दाब होता है वह समाप्त हो जाता है या कहीं लुप्त हो जाता है या कहीं गायब हो जाता है क्योंकि ये जो आपका आई जो होता है वह उत्तर की ओर खिसक जाता है किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फिर से बता देता हूं कि गर्मी के मौसम में साइबेरिया दाब होता है यानी कि ये जो आपका साइबेरिया क्षेत्र का जो उच्च दाब था वहां से माप्त हो जाता है या लुप्त हो जाता है क्योंकि यहाँ का जो आई है वह है उत्तर की ओर खिसक जाता है तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र में आकर स्थापित होता है फिर से समझा देता हूं मैं, मैंने क्या बताया गर्मी के मौसम में साइबेरिया

तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र में स्थापित हो जाते फिर से मैं बताऊ नीचे से ऊपर की ओर जब आई टी सी खिसक जाता है और खिसक कर आपका तिब्बत के तिब्बत का जो पठार है तिब्बत का जो पठार है वहां पर जाकर क्या होता है ये स्थापित हो जाता है या फिर वहां पर ये जम जाता है इससे क्या होता है तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र में जब गर्मी पड़ती है यानी कि वहां पर क्या होता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है फिर से मैं बताऊं इसके कारण दक्षिण पूर्वी दिशा से बहती हुई हवाएं बिस्वत रेखा को पार करती हुई यानी कि बिस्वत रेखा को पार करती हुई और गोल गोल या कहें बकरा कार या कहें तिरछी होती हुई टेढ़ी मेढ़ी होती हुई दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहने लगती हैं क्योंकि ये जो पवने हैं विश्वत रेखा वाले क्षेत्र से आकर गर्म क्षेत्र से आ रही हैं इसके कारण ये हवाएं गर्म उष्ण कटिबंधीय हिंद महासागर के ज्यादातर भाग ज्यादातर भाग के ऊपर से होकर गुजरती हैं इस कारण इनमें इन हवाओं में इन काफी नमी होती है क्योंकि ये गर्म क्षेत्रों से आ रही है गर्म क्षेत्रों से आ रही है तो आपके गर्म जब धूप पड़ती है तो समुद्र में क्या होती है जलवाष्प बनती है या वहां पर भाप बनती है तो उसके ऊपर से जब हवाएं चलती हैं तो वो उस नमी को सोख लेती हैं ठीक है तो मैं फिर से बता देता हूं ये गर्म प्रदेशों होती हुई हिंद महासागर वाले क्षेत्र से होती हुई वहां से काफी नमी इकट्ठी कर लेती है ये नमी से भरी हुई हवाएं आद्रता से भरी हुई हवाएं ये भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे ही प्रवेश करती हैं वैसे ही ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत होने लगती है इनसे बहुत अधिक वर्षा होती है यानी कि इस क्षेत्र में, में काफी अधिक वर्षा होती है मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं मैंने क्या बताया कि गर्मियों के टाइम में आई सी जो होता है तिब्बत के पठार में जाकर स्थित हो जाता है इसके कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है और ये क्या करता है आसपास के क्षेत्र से हवाओं को सोखने लगता है क्योंकि बहुत भयंकर यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र हुआ इस कारण ये आसपास के क्षेत्रों से हवाएं खींचता है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि हवाएं जो होती है निम्न वायु दाब

जो जैसे ही ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत होती जाती है जिसको हम दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं तो दक्षिण पूर्वी मानसून की दो शाखाएं मानी जाती हैं भारत के हिसाब से तो उसको दोनों शाखाओं को देख लेते हैं तो दक्षिण पूर्वी मानसून की शाखाओं को देख लेते हैं एक शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है यानी कि बंगाल की खाड़ी से जल या कहें नमी ग्रहण करती है और भारत देश में प्रवेश कर जाती है यानी कि यह बंगाली खाड़ी की शाखा है यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा ये वाला क्षेत्र उत्तर क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और वहां पर पश्चिम की ओर बहती हुई सिंधु गंगा के मैदान में पहुंच जाती है ठीक है पश्चिम की ओर बहती हुई सिंधु गंगा के मैदान में पहुंच जाती है दूसरी जो शाखा होती है उसको हम कहते हैं अरब सागर की शाखा अरब सागर की शाखा इस वाले क्षेत्र से उठती है और यह शाखा हिंद महासागर के भाग अरब सागर में प्रवेश कर जाती है और पश्चिम की तरह से भारत में प्रवेश करती है बंगाली खाड़ी के दर से प्रवेश करती है पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से और यह कहां से प्रवेश करती है पश्चिम की ओर से भारत देश में प्रवेश करती है ठीक है जैसे भी यह भारत देश में प्रवेश करती है यह पूरे उपमहाद्वीप में धीरे धीरे फैल जाती है यहां पर मैंने डिजाइन बनाई है वो आप देख सकते हैं कितना कितनी तारीख को कौन कौन से क्षेत्र में वो भारतीय उपमादी में वर्षा करती है यह पूरे भारत में वर्षा करती है सर्दी के महीने में मानसूनी पवनों से बहुत कम वर्षा होती है जबकि किससे होती है सबसे अधिक ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से वर्षा होती है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बंगाली खाड़ी वाली शाखा जो कि आप यहाँ पर इस तरह से उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है और पूरे उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर बहती हुई यहाँ पर बरसात करती है जबकि जो अरब सागर की शाखा है यहाँ से प्रवेश करती है पश्चिम की ओर से और पूरे महाद्वीप में उपमहाद्वीप में यानी कि भारतीय क्षेत्र में वर्षा करती है चलिए आगे बात करते हैं चलिए समुद्र तथा स्थली समीर के बारे में बात कर लेते हैं आइए देखते हैं समुद्र तथा स्थली समुद्र आप लोग जानते हैं स्थल आप लोग जानते हैं तो आइए देखते हैं ये हवाएं ये हवाएं समुद्र तट के साथ साथ 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी को भी प्रभावित करती है यानी कि समुद्र का जो तट होता है उसमें तो ये चलती चलती है साथ में समुद्र का जो तट होता है उसके कि किनारे 20 से 30 किलोमीटर अंदर चौड़ी पट्टी तक ये इसको प्रभावित करती है क्षेत्र को तो आइए समझते हैं इसको सबसे पहले बात करते हैं समुद्र समीर ध्यान रहे जब भी मैं बोलता हूं अगर किसी हवा का नाम है तो उस हवा का नाम किस आधार पर रखा गया है कि उस क्षेत्र के आधार पर या जिस दिशा में से हो जा रही है जिस दिशा में से वो जा रही है जिस दिशा से पूर्व से जा रही है वो किसी भी क्षेत्र में जा रही हो तो पूर्वी हवा कहलाएगी उत्तरी हवा है उत्तर से वो किसी भी दिशा में जा रही हो वो उत्तरी हवा कहलाएगी ठीक है ये ध्यान रखें तो ये समुद्री समीर है तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं ये समुद्र से चलने वाली हवा होगी तो आइए देखते हैं जब दिन में सूर्य चमकता है तो स्थलखंड समुद्र से पहले ही क्या होता है गर्म हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा हो जाता होता है जबकि जो स्थल होता है जमीन होता है धरातल होता है वह जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है ठीक है तो मैंने क्या बताया दिन में सूर्य जब चमकता है तो स्थल खंड होता है यानी कि यह खंड है यानी कि जमीन है यह पहले ही समुद्र से गर्म हो जाती है समुद्र से पहले ही यह गर्म हो जाती है इसलिए स्थल पर क्या होता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूं कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है तो हमेशा जो वायु होती, हाँ तो इस होती है समुद्र की वायु से अधिक गर्म हो जाती है इस कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलकर हल्की हो जाती है जब हल्की होकर ऊपर उठती है तो इसके कारण स्थलखंड इस पर निम्न वायुदाब तथा समुद्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है का निम्न वायुदाब की स्थल पर स्थिति बन जाती है और समुद्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और मैं हमेशा बताया है कि उच्च उच्च वायु से निम्न की ओर बहती हवा इस कारण दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली समीर को ही हम समुद्र समीर कह देते हैं क्यों आप लोगों को बता दिया कि दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर या लो प्रेर हाई प्रेसर से लो प्रेशर की ओर आद्र तथा ठंडी हवाएं चलती हैं जिन्हें समुद्र समीर कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए आगे बात करते हैं इस समीर समझ लेते हैं इसको उल्टा कर देते हैं दिन में जल्दी गर्म हो जाता है तो ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है कौन सा जमीन या स्थल आपका जल्दी ठंडा भी हो जाता है लेकिन जो आपका समुद्र होता है वो मैंने बताया देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा भी होता है अब क्या है जमीन जो है ठंडी हो गई है जब जमीन ठंडी हो गई है तो यहां पर क्या हो गया हाई प्रेशर का जोन बन गया है हाई प्रेशर की स्थिति बन गई क्योंकि यहां पर ठंडा क्षेत्र हो गया जबकि समुद्र अभी भी गर्म है इसलिए यहां पर लो प्रेशर की स्थिति बन गई इसलिए तो हवाएं मैंने क्या बताया हवाएं हमेशा हाई से लो की ओर चलती हैं यानी कि

पर्वत था घाटी समीर देख लेते हैं घाटी समीर और पर्वत समीर क्या होती है आइए देखते हैं हिल एंड वैली ब्रिज समझते हैं चलिए सबसे पहले घाटी समीर के बारे में बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में, तो में क्योंकि ऊंचा होता है, होता है होता इसलिए जल्दी से धूप के संपर्क में आ जाता है और स्थल भी होने के कारण ये जल्दी गर्म हो जाता है तो मैं फिर से बोल देता हूं पर्वतीय दिन के समय पर्वत के जो ढाल होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं जिस कारण घाटी में उच्च वायु वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है क्योंकि वहां पर अभी भी मौसम ठंडा है इसलिए उच्च वायुदाब वायुदाब है 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 और ढाल पर क्या निम्न का क्षेत्र तो हमेशा मैंने बताया उच्च वायु से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है यानी कि गर्म से ठंडी की ओर हवा सॉरी ठंडी से ठंडी हमेशा गर्म की ओर चलती है समझ आ गया तो मैं फिर से बता देता हूं कि दिन के समय पर्वत का जो ढाल होता है जल्दी गर्म हो जाता है इसलिए पर्वतीय क्षेत्र पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र जबकि घाटी में कैसा होता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है इसलिए घाटी से पर्वती क्षेत्र में या कहीं ढाल की ओर बहने वाली हवा को हम घाटी समीर कहते हैं ठीक है इस कारण ढाल की जो हवा होती है ढाल की जो हवा होती है वह गर्म होकर ऊपर उठती है इससे जो खाली जगह बनती है उसे भरने के लिए घाटी से क्या होती है घाटी से ढाल की ओर हवा बहने लगती है इसको ही घाटी समीर कहते हैं ठीक है क्यों क्योंकि ये घाटी से स्थल की ढाल की ओर जा रही है हमेशा कहता हूं जिस क्षेत्र से गाड़ी बनकर जा रही है या जिसका कुत्ता है मेरा कुत्ता है मैंने पाला है तो मेरा मैं अगर आपके ऊपर छू करूंगा तो आप उसका नाम नहीं रखेंगे आपकी तरफ जा रहा मैं भेज रहा हूं मैं कहूंगा टॉमी छू अब मैं कह रहा हूं, मैं कह कह रहा रहा हूं हूं घाटी से हवा जा रही है ना आपके पास तो मैं कह रहा हूं घाटी समीर छू समझ में आ गया ना तो किस जिस जगह से जा रही है उसके आधार पर इसका नाम होगा ठीक है तो मैंने क्या बताया इसको ये हम घाटी समीर कहते हैं कभी कभी ये ऊपर जब चढ़ जाती है तो ज्यादा ऊपर पहुंचने के कारण ठंडी होकर संगठन होकर दोपहर के समय घाटी में बरसा कर देती है चलिए पर्वती समीर देख लेते हैं क्या है पर्वती समीर ये आपका इस वैली या कहीं घाटी समीर का ही उल्टा है तो आइए देखते हैं जब रात होती है तो आपका जो ढाल होता है या कहीं पर्वतीय जो क्षेत्र होता है या पर्वतीय जो वायु होती है वह ठंडी हो जाती है क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में है ना इसलिए जल्द, जल्दी जल्दी ठंडी भी हो जाती है जब ठंडी होती है तो भारी होकर नीचे आ जाती है जब नीचे आ जाती है तो निम्न व उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है जब उच्च वायुदाब का क्षेत्र जल्दी बन जाता है तो घाटी की ओर बहने लगती है घाटी में अभी भी उच्च निम्न वायुदाब का क्षेत्र यानी घाटी अभी भी गर्म है ठीक है यानी कि जब रात होती है तो पर्वत की वायु जल्दी ठंडी होकर भारी हो जाती है और भारी होकर वह नीचे बैठ जाती है भारी होकर जब वह नीचे बैठ जाती है तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने के कारण वह जो हवा है या वह जो समय पवन है वह घाटी की ओर बहने लगती है समझ में आ गया पर्वत से घाटी की ओर बहने लगती है इसको ही हम क्या कहते हैं इसको ही हम पर्वतीय समीर कहते हैं पर्वतीय समीर कैसे चलती है पर्वत से घाटी की ओर चलिए स्थानीय पवनों को समझते हैं ये कितने प्रकार के उसको भी देख लेते हैं किसी विशेष स्थान पर चलने वाली हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं या स्थानीय हवाएं कहते हैं ये दो प्रकार की होती हैं एक होती है ठंडी दूसरी होती है गर्म एवं शुष्क पवन यानी कि ठंडी पवने तथा गर्म एवं शुष्क पवन चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं गर्म के बारे में गर्म एवं शुष्क के बारे में सबसे पहले हम भारत भारत देश की जो पवन है उसके बारे में शुरू करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे लू लू जानते हैं ना आप लोग कैसे होती है लू चलिए तो देखते हैं लू क्या होती है उत्तर भारत में तथा पाकिस्तान के मैदानी भागों में मई से लेकर जून के महीने में दोपहर के समय ये लू नामक हवाएं चलती हैं ये हवाएं बहुत ही गर्म होती हैं और शुष्क भी होती हैं शुष्क का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल नमी ना हो यानी कि वो जिससे टकराएंगी उसकी नमी और सोख लेंगी तो फिर फिर से बोल देता हूँ ये हवाएं बहुत गर्म और शुष्क होती हैं जिनका तापमान पैंतालीस डिग्री से लेकर पचास डिग्री सेल्सियस से के बीच तक बीच तक हो सकता है ये पश्चिम दिशा से चलती हैं पश्चिम दिशा कहाँ है ये वाला पश्चिम दिशा

तो यह पर्वत सॉरी यह जो हवा है या यह, यह पवन जो है यह पर्वत के सहारे नीचे उतरती है आल्प पर्वत सहारे के नीचे उतरती है और यूरोपीय क्षेत्रों में बहती हुई यूरोपीय क्षेत्रों में बहती हुई जब यह मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो इसका तापमान इसका जो तापमान है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है इससे क्या होती है जो मैदानी क्षेत्रों में जो आसपास के क्षेत्रों में जो भी बर्फ होती है वह पिघल जाती है और मैदानी क्षेत्रों में जो खेती की गई होती है और यूरोपीय क्षेत्रों में खासकर खेती उ, उ, आपका अंगूर की की जाती है तो आइए समझते हैं इसको मैंने क्या बताया यह मैदानी क्षेत्रों में जैसी पहुंचती है इसका तापमान बढ़ जाता है यानी पंद्रह से बीस डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यह मैदानों में जो बर्फ जमी होती है उसको पिघला देती है ठीक है इसके इससे क्या होता है

प्रभाव डालती है जब यह पवन गर्म होकर कभी कभी ऊपर उठ जाती है तो यह कभी कभी बरसावी भी कर देती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ना तो कभी कभी ऊपर भी चढ़ जाती है तो यह बरसावी भी कर देती है चलिए तीसरी पवन देखते हैं चिनूक ठीक तो चिनूक का मतलब होता है बर्फ खाने वाली बर्फ खाने वाली या फिर हम इसको कभी कभी बुक में पढ़ लेते हैं हिमबक्षी हिम बक्सी यानी कि हिम मतलब बर्फ बक्सी मतलब खाने वाला तो बर्फ को खाने वाली इसको कहते हैं ठीक है यह भी शुष्क तथा गर्म पवन होती है इस यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरती है और यह यूएसए तथा कनाडा में चलती है जब यह मैदानी क्षेत्र में उतरती है तो सर्दियों में मैदान से बर्फ को पिघलाकर घास के मैदान निकाल देती है जो कि पशु चराने वालों के लिए बहुत ही काम आती है मैं फिर से बता देता हूं कि यह है आपका उत्तरी अमेरिका नामक महाद्वीप उत्तरी अमेरिका नामक महाद्वीप में एक पर्वत श्रेणी है उसको हम कहते हैं रॉकी रॉकी का यह है आपका पूर्वी क्षेत्र और यह पश्चिमी क्षेत्र तो मैंने बताया रॉकी के पूर्वी क्षेत्र से यह हवा जो है या ये पवन जो है नीचे उतरती है और उत्तरी अमेरिका वो यूएसए तथा कैनेडा में क्या करती है यह इन क्षेत्रों में प्रभावित करती है और मैदानों में घास को पिघला देती है समझ में आ गया घास को पिघला देती है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रॉकी और इस तरह से ये उतरती है और यहाँ पर मैदानों में बर्फ वो पिघला देती है इससे पशुओं को चराने के लिए घास के मैदान निकल आते हैं चलिए हर मट्टन देखते हैं ये कहाँ पर चलती है हवा या कहां पर कहां की पवन है हर मट्टन यह सहारा क्षेत्र से चलने वाली प्रमुख पवन है आपका सहारा क्षेत्र आप लोग पता ही है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा महा जो, जो वो क्या बोलते हैं उसको हाँ डेजर्ट या कहें रेगिस्तान है उसको हम सहारा कहते हैं तो सहारा में चलने वाली यह प्रमुख पवन है यह कैसी है गर्म और शुष्क है यह पवन में कैसी मैंने बताई गर्म तथा शुष्क है लेकिन जैव है पवन कहाँ पर पहुंचती है अफ्रीका महाद्वीप के गुआना तट पर पहुंचती है यहाँ पर आप देख सकते हैं गुआना तट इस वाले क्षेत्र में ठीक है गुआना तो मैं यहां पर दिखा देता हूं सहारा महाद्वीप से वो सॉरी सहारा डेजर्ट से या सहारा रेगिस्तान से जब यह ग्वाना तट पर पहुंचती है तो यहां पर समुद्र के किनारे पहुंचकर यहाँ पर लोगों को राहत पहुंचाती है क्योंकि ये यह यहाँ पर जब पहुंचती है तो ठंडा ठंडक सी महसूस होती है इसलिए इसको लोग डॉक्टर विंड भी कहते हैं क्योंकि गर्मी का माहौल अगर आपको देखते हैं या गर्मी के माहौल में आप रह रहे हैं तो आपको ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी अगर हवा मिल जाती है तो उससे खूबसूरत कुछ नहीं होता है वो एक दवाई की तरह कार्य करती है यानी कि इसलिए इस पवन को हर मट्टन को हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं चलिए सिरो का समझते हैं सिरो का या सिरों को भी कहीं कहीं आप लोगों को बुक में मिल जाएगा ये सहारा रेगिस्तान यानी कि सहारा रेगिस्तान या कहें सहारा डेजर्ट में सहारा डेजर्ट में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं यानी कि सहारा जो डेजर्ट है और भूमध्य सागर की तरह ऊपर की तरफ ठीक है तो सहारा वाले क्षेत्र से यह भूमध्य सागर की ओर चलने वाले प्रमुख पवन है ठीक है और कैसी है ये ये गर्म हवा है ठीक यह बहुत गर्म तथा धूल भरी पवन है तो यह जो पवन होती है यानी सिरो का या सिरो की जो होती है सहारा डेजर्ट को पार करके जैसे ही भूमिस सागर में पहुंचती है भूम सागर यानी कि समुद्र में जैसी पहुंचती है वहां से क्या करती है यह नमी ग्रहण कर लेती है और यही भूमि सागर के पास ही एक द्वीप है या का एक देश है उसको हम कहते हैं माल्टा उसके बाद सिसिली की एक जगह है उसको कहते हैं इटली तो सॉरी इटली के में एक जगह उसको कहते हैं सिसिली तो माल्टा इटली के सिसली में पहुँच कर वहाँ पर झमाझम जम, जमा जम बारिश कर देती है इस पवन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि आपका इटली वाले क्षेत्र में इसको सिरोकी कहते हैं क्या कहते हैं सिरोकी कहते हैं मिस्र आपका आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है मिस्र में इसको खमसिन कहते हैं खमसिन नहीं खमसिन कहते हैं जबकि लीविया में यहाँ पर आपका लीविया देख सकते हैं और ट्यूनिशिया में इसको गिबली कहते हैं मैं आप लोगों को देश दिखा देता हूँ ये आपका मिस्र आपका अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है मिस्र इसके बाद यहाँ पर लीबिया देख सकते हो ये एक देश है इसको हम कहते हैं ट्यूनीशिया तो ट्यूनीशिया लीबिया में इसको किबली कहते हैं और मिस्र में क्या कहते हैं इसको आपका खमसिन कहते हैं इटली में इसको क्या कहते हैं शिरोकी कहते हैं चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही सिमूम और देख लेते हैं सिमूम चलिए देखते हैं सिमूम ईरान में एक जगह पड़ती है इसको हम कहते हैं कुर्दिस्तान कुर्दिस्तान पर्वत से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली ये रेतीली हवा है शायद आपको ईरान में कुर्दिस्तान दिख जाए लेकिन उम्मीद है नहीं दिखेगा क्योंकि छोटा सा पर्वत है चलिए कोई बात नहीं ईरान के कुर्दिस्तान पर्वत से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली यह रेतीली हवा है इस पवन का सहारा के रेगिस्तान में उत्रा सहारा के रेगिस्तान में उत्तरी भाग में रेगिस्तान के उत्तरी भाग में तापमान 50 से उनसठ डिग्री तक पहुंच जाता है यह हवा अरब के रेगिस्तान में सीरिया में इजराइल में जॉर्डन में बहती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ईरान इरा, यह ईरान जॉर्डन और यहाँ पर ही पड़ता है आपका यहीं पर है एक यहाँ पर जॉर्डन इजराइल ठीक है चलिए चलिए ब्रिक फील्डर देख लेते हैं ब्रिक फील्डर कैसी हवा है यह भी गर्म और शुष्क हवा है तो यह है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया महाद्वीप राज्य से दक्षिण पूर्व भाग से तट की ओर बहने वाली नदी है वो तट की ओर बहने वाली यह हवा है यह गर्मियों में बहती है इसके बाद बात करते हैं बिली बिली की बिली बिली भी आपकी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर उत्तरी पश्चिमी कौन सा है यह उत्तरी भाग और यह पश्चिमी तो उत्तरी पश्चिमी भाग में या उत्तरी पश्चिमी तट पर बहने वाली गर्म तथा शुष्क तेज तूफानी हवाएं हैं इसके बाद बात करते हैं सांता आना की तो यह यूएसए के दक्षिणी राज्य में यह आपका यूएसए इसके नीचे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे आप दक्षिणी राज्य में यह चलती है यह भी शुष्क और धूल भरी है इसका जोंडा की बात अगर करी जाए तो है एंडीज पर्वत से अर्जेंटीना की ओर बहती है अब एंडीज पर्वत कहा है आपका एंडीज एंडीज से अर्जेंटीना में जूम कर देता हूं यह एंडीज है एंडीज से अर्जेंटीना की ओर बहने वाली पवन को जोंडा कहते हैं यह भी गर्म और शुष्क है ठीक है इसके बाद एक दो और देख लेते हैं अन्य हवाएं देख लेते हैं इसमें हम रोलर ब्लैक रोलर जो है ब्लैक ब्लैक रोलर जो है उत्तर

बिलजाड़ जो पवन है या हिम झंझावट जो है बहुत ही ठंडी है वैसे तो यह ध्रुवीय पवन है क्योंकि यह बहुत ही ठंडी है जिसमें बर्फ के कण मौजूद होते हैं क्योंकि ये इस तरह से इन ध्रुवीय प्रदेशों में बहती है यानी कि जहां पर ध्रुव ध्रुवसरुप हो जाता है ना उन क्षेत्रों में बहती है यह है कैनेडा कैनेडा में यहाँ पर इस तरह से कनाडा वाले क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में तथा साइबेरिया वाले भाग में ये पवन बहती है ठीक है चलिए इसके बाद बात करें मिस्ट्रल के बारे में मिस्ट्रल तो यह पवन भी बहुत ठंडी है यह फ्रांस में राइन नदी की घाटी तथा उसके डेल्टा में महसूस की जाती है अब फ्रांस कहाँ है यहाँ पर फ्रांस है यहीं पर एक नदी बहती है इसको कहते हैं राइन नदी राइन नदी आपकी जो बहती है और इस तरह से इसका मुहाना यहाँ पर है तो रायन नदी के मुहाने तक यह महसूस की जा सकती है कौन सी मिस्ट्रल तो कहाँ पर है रायन नदी की घाटी में चलिए तो ये हो गया आपकी हवाएं ठंडी तो एक तो और हैं। उसको देख लेते हैं सबसे लास्ट है इसको हम कहते हैं पुरगा पुरगा या पुरजा भी हम इसको कहीं कहीं पढ़ लेते हैं तो आइए देखते हैं पुरगा या परगा तो यह साइबेरिया क्षेत्र साइबेरिया कौन सा ये उत्तरी अमेरिका उत्तरी रूस वाला क्षेत्र है या साइबेरिया वाला क्षेत्र पड़ता है ठीक है यहीं पर टुंडरा भी आप देख सकते हैं तो ये साइबेरिया क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली ये पवन है उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली ये पवन है ये हवाएं जब चलती हैं तो हिम वर्षा के साथ साथ या कहें हिम जिनको मैंने आप लोगों को बताया था जैसे वर्षा हो रही है और ध्रुवीय प्रदेश है तो वहां पर वर्षा न होकर क्या होती है हिम हिमकड़ गिरते हैं तो मैंने क्या बताया जब ये पवन चलती है तो हिम वर्षा के साथ साथ बिजली भी कड़का देती है ठीक है इसको सामान्य रूप से टुंडरा वाले क्षेत्र में इसको हम पुरगा कहते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका वीडियो नंबर सेकंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और उम्मीद कुछ ज़्यादा मैं लगा लेता हूँ आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइक भी किया करें शेयर भी किया करें क्योंकि मुझे कहते कहते कभी कभी मुझे अपने आप पर भी शर्म आने लगती है कि लोग आनंद लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं लेकिन कुछ देने की बारी आती है तो उन्हें शर्म सी महसूस होती है तो ऐसा ना करें क्योंकि आप लोग इतना वो न दिखाएँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे शेयर किया करें लाइक भी कर दिया करें अच्छा लगता है तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम और एक लास्ट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद तुरंत बाद मैं इसका तीसरा पार्ट डाल दूंगा वो भी आप लोगों तक जल्द पहुंच जाएगा यदि आप लोग इसमें धड़ाधड़ धड़ाधड़ शेयर करते हैं तो, तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं